Hello, everyone. इस वीडियो में पूरा डीएस यानी डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे स्पेशली फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम इस वीडियो में मैंने बताया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से से कौन कौन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, exactly है। लेकर एंड तक पढ़ाया है तो अगर आपने पहले डेटा स्ट्रक्चर कभी नहीं पढ़ा है या आप जल्दी से इसको रिवाइज करना चाहते हैं दोनों ही केस में वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है अगर आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर सिखाने की गारंटी मेरी यहां मैंने बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सिलेबस स्टडी करने के बाद कंटेंट फाइनल किया है तो उस बात की गारंटी करता हूँ परसेंट से ज्यादा सिलेबस तो आपके सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी एग्जाम से मैच करेगा ही करेगा इस वीडियो में जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया है उसके एकदम प्रो लेवल के के का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा यहाँ नीचे टाइम लाइन पे आप चैप्टर देख सकते हैं जिसपे क्लिक करके आप किसी भी टॉपिक पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं आप दुनिया में जिस जगह से भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा ताकि कमेंट सेक्शन में भारत का नक्शा बनता हुआ नजर आए सो हेलो एवरीवन अभी सीधे बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में तो दीज आर दीडियो चैप्टर्स दैट यू कैन सी तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से अगेन जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस स्टडी करने के बाद मैंने इस वीडियो को एट चैप्टर्स में डिवाइड किया है सो विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन बेसिक्स एरे लिंकलिस टैक एंड देन द क्यू देन द ट्री ग्राफ इंड हैशिंग देर आर सर्टन टॉपिक्स जो मैंने एलिमिनेट किया बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अलगोदम्स में पढ़े जाने चाहिए और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उसको रखा गया है जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राफ पे स्पेनिंग ट्रीज एंड सिंगल्स और शॉर्टेस्ट बात मैंने यहाँ नहीं डिस्कस किया एलगोरदम्स में करूँगा असिमटोटिक नोटेशन और पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला इधर सभी इधर कर लेंगे तो फिर एलगोदम में क्या करेंगे तो सारे के सारे सेक्शंस मैंने कुछ हटाए हैं तो दिस इज द डिटेल सिलेबस जो काइंड kind ऑफ of मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ डिसकस कर रहा हूँ इवन हाफ मैन इज़ नॉट देर ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक आपका छूट so, एक बार इसको प्लीज चेक करिए बिकॉज यहाँ पे अराउंड टेन टू ट्वेल्व परसेंट टॉपिक मैं एल्गोरिदम्स में कवर करूंगा जो कि स्टैंडर्ड होना चाहिए यस yes? तो so, इसको एक बार चेकआउट करिए और इसी सीक्वेंस को थ्रू आउट वीडियो हम फॉलो करते रहेंगे इधर आपको हमेशा टॉप में, में चैप्टर नंबर दिखेगा इधर आपको हमेशा क्या दिखेगा उस चैप्टर का कौन सा सीक्वेंस कौन सा टॉपिक है यही सीक्वेंस मैं फॉलो करूंगा इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और इसी हिसाब से आप इसको आगे लेके चल सकते हैं यस सो नाउ लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद अ बेसिक आइडिया है yes? so, और अभी मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ बेसिक्स से है ना तो क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऑब्वियसली ऐसे भी हो सकते हैं जिनका बैकग्राउंड सी ना हो मे बी यू नो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम और गेट और नेट समथिंग लाइक दिस और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है तो मैं बिल्कुल

तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और कुछ लोगों को लगता है कि कम मतलब कोड लिखना चालू करना नहीं ऐसा नहीं है पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं बल्कि स्टेप नंबर वन यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एंड देन बेटर यू राइट एन एलगोरथम फॉर इट एक एलगोरथम आप उसके लिए लिखेंगे एलगोरथम मतलब ऐसा नहीं प्रोग्राम लिखना है आप नेचुरल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जब हमें समझ आता है कि अलगोरिदम बिल्कुल परफेक्ट है लॉजिक हमने सही लगाया देन वी कन्वर्ट इन टू अ प्रोग्राम जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकता है वट एवर इट इज येस तो जैसे यहाँ देख रहे हैं थ्री स्टेप प्रोसेस और अ टू स्टेप प्रोसेस स्टेप नंबर वन में पहले आप प्रॉब्लम को समझते हैं

कंक्लूडिंग द आइडिया अभी एफिशियंट प्रोग्राम लिखेंगे कैसे नो लुक एट दिस टू राइट एन एफिशियंट प्रोग्राम वी नीड द नॉलेज ऑफ बोथ दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एलगोग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये है ना तो उसको ऐसा समझिए कुछ लोग को लगता है प्रोग्रामिंग सर मेरी प्रोग्रामिंग बहुत वीक है तो भाई किया क्या प्रोग्राम यू you नो know, एक प्रॉब्लम लिया प्रोग्राम लिखना चालू कर दिया ऐसा नहीं आपको जब तक एक सॉल्व बेसिकली मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये पूरा सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहें तो जब तक सॉलिड लेवल की, की हमें नहीं होगी, की नहीं होगी तब तक आप एक अच्छा प्रोग्राम, precise, एक प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ रहे हैं सर इन द लॉन्गर रन हम एक अच्छा प्रोग्रामर ही बनेंगे बट उसके लिए डीएस और एल्गो का बहुत अच्छे वाला नॉलेज होना जरूरी है यस yes, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं नाउ जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई कि हम कोड करना चाहते हैं एफिशिएंटली बाई वी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर्स और एफिशिएंसी के बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं टाइम हो सकता है स्पेस हो सकता है आजकल के टाइम पे भी बैटरी कंजम्पशन मोबाइल फोन लैपटॉप्स यू you नो know, बैटरी उनका बैकअप कितना है सिस्टम बसेज रजिस्टर्स तो कहानी बहुत सारी है बट अल्टीमेटली दो ही आइडिया या टू बी प्रोसेस एक ही आइडिया हम लॉन्ग रन में डिस्कस करते हैं दैट इज़ टाइम तो जो एलगोरिदम जितना कम टाइम लेगा जो प्रोग्राम जितने कम टाइम में एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटेगा वो बेटर है अच्छा यहाँ पर एक और बात बता दू बिकॉज मेरे को भी याद है जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उस तरह की बातें लोग करते थे क्या कि एक प्रोग्राम है मान लीजिए वट एवर इट इज है ना कि मैंने प्रोग्राम फिफ्टीन लाइन में लिखा है कोई बारह लाइन में लिख सकता है क्या कोई चार लाइन में लिख सकता है क्या तो ऐसा मत सोचिएगा

कि वाई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एलगो आर इंपॉर्टेंट अब डेटा स्ट्रक्चर्स हैं क्या ये समझते हैं देखो कहीं पर भी चाहे वो आपके घर में यू you नो know, किचन होगी आप किसी शॉप में जाएंगे तो वो कुछ सामान अरेंज करते होंगे आपका अगर कोई रूम है या जहाँ पे आप अपना सामान रखते होंगे किसी भी चीज़ को हम अरेंज कर रहे होते हैं है ना इसमें कोई नई बात नहीं है और ये अरेंजमेंट कंप्यूटर के अंदर भी होता है तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है बहुत सारा डेटा हमारे पास है उस मेमोरी में डेटा को हम अरेंज कैसे करें यही कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर सबसे आसान लॉजिक है मतलब यू नो डेफिनेशन पढ़ पढ़ के कभी हम बेसिक फंडामेंटल भूल जाते हैं भाई अब यू नो मेडिकल स्टोर कभी आप जाए आप एक पर्चा दिखाएंगे कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ही और वो भैया क्या बोलते हैं किसी को बोलेंगे अपने हेल्प करने वाले को कि यार जरा फोर्थ वाले अलमीरा में से वो दवाई निकाल दो उनको सब कुछ पता है प्रॉपर तरह से डेटा अरेंज करके रखा है ये वाली दवाई वो चौथे बॉक्स के अंदर स्ट्रिप मिलेगी एक बार चेक करना एक्सपायर तो नहीं होगी समथिंग लाइक दिस या हियर आई वांट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सुपरमार्केट ये बिग बाजार या मोर इस तरह की किसी ये तो नॉर्मल आजकल किसी भी बड़े शहर में आपको इस तरह की शॉप मिल जाएंगी तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या रेंडमली अरेंज करके रखते हैं क्या नहीं तो एक सुपरमार्केट में सामान कैसे अरेंज किया जाना चाहिए इसके ऊपर लोग पूरी पीएचडी करते हैं है ना ये इतना इंपॉर्टेंट आइडिया है इससे सेल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है अंदर टेम्परेचर क्या होगा म्यूजिक कैसा चलेगा जो रोजमर्रा की चीज की आइटम्स होंगे ये भी आप नोटिस करेगा दूध है ब्रेड है वो ऐसा नहीं एंट्रेंस पे रख देंगे ना वो सबसे बाद में रखते हो सबसे लास्ट में सो so दैट आपको हर एक कॉरिडोर से जाना होके जाना पड़े पता नहीं किस चीज़ पे आपकी नजर पड़ जाए वो आइटम जो बच्चों की है टॉफी है चॉकलेट इस तरह की चीजें हमेशा नीचे वाली शेल्फ में मैगी नीचे वाली शेल्फ में रखी मिलेगी सो दैट बच्चा पेरेंट पे डिपेंडेंट ना रहे वो खुद से हाथ उठा के यू नो बास्केट के अंदर रख सके लाइक दिस तो रैंडमली आप नहीं रख सकते अभी कहीं पे कॉर्नफ्लेक्स है तो वो पूरी कैटेगरी आपको मिलेगी कहीं पे बिस्किट्स है तो बिस्किट की कैटेगरी मिलेगी तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं किसी स्पेस में इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए यही चीज है डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर के अंदर सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी अब वो कोई भी हो सकता है सेकेंडरी हो मेन मेमोरी हो कैश हो वट एवर इट इज सो दैट मेमोरी कैन बी यूज एफिशियटली बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस तो हम कैसे अरेंज करें एंड देर विल स्पेस मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हमें दोनों बात कर कभी कभी क्या ज्यादातर हमें दोनों बात का ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले बट ऐसा भी ना हो कि स्पेस बचाने के चक्कर में स्लो हो जाए अब मान लीजिए आपकी बुक्स हैं आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के आपने एकदम हॉच पॉच करके पैक कर दिया तो ठीक है स्पेस तो बहुत कम लिया लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि नीचे वाली बुक निकालो देन आपको ऊपर की सारी बुक हटानी पड़ेगी समथिंग लाइक दिस है ना तो हमें ध्यान रखना है कि डेटा उस तरह से स्टोर किया जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करे मेमोरी में और वो मेडिकल स्टोर वाले भैया की तरह जब हमारा यूजर बोले कि ये डाटा निकाल के लाओ हम बहुत जल्दी से पूरा डेटा निकाल के ला सके यही पूरा अरेंजमेंट कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर

इंपॉर्टेंस इस बात की भी है कि डेटा का आपस में क्या रिलेशन है वो कहाँ पे स्टोर है जैसे ट्री के केस में आगे बात करेंगे कौन पेरेंट है कौन चिल्ड्रन है क्या पेरेंट चिल्ड्रन की कोई रिलेशनशिप है क्या लिस्ट के बारे में बात करेंगे अगले नोट का एड्रेस इसी नोट से मिलेगा लाइक like दिस या जैसे मैं यहाँ बात कर रहा था कैटेगरी है ऐसा नहीं कि किसी भी डेटा को आप कहीं भी स्टोर कर रहे हो उसके आस पड़ोस वाले से क्या रिलेशनशिप है समथिंग लाइक दिस तो दोनों चीज़ें हम कंसिडर करते हैं डेटा स्टोर कैसे कर रहे हैं उसके जो आस पड़ोस वाले उनके साथ उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या रिलेशनशिप है तो जब भी हम स्पेसिफाई करते हैं कि कोई डेटा स्ट्रक्चर है चार चीज़ें हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक्सेसिंग मेथड डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोसेसिंग मेथड देखो तो पहले तो देख एक बात समझनी है हम एरे की बात करें लिंकलिस्ट की बात करें स्टैक क्यू ट्री किसी की भी बात करें ये सब ऐसा है क्या कि है कि वो पॉपुलर अरेंजमेंट्स हैं जो समय के साथ हमने सीखे हैं। बोलते ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन तो चार लोगों को डेटा अरेंज करना था कंप्यूटर की मेमोरी में तो हमें लगा यार ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहा है बार बार यूज कर रहे थे इसका नाम एरे रख रह दिया फिर कोई और मैकेनिज्म डेवलप हुआ कि यार नहीं कंटिन्यूस लोकेशन में प्रॉब्लम है नॉन कंटिन्यूस करे तो उसका नाम लिंकलेस रख दिया तो ये ऐसा नहीं है कि किसी ने लाके हमको दे दिया समय के साथ गलतियां कर करके हमने सीखा एंड विद टाइम हमें समझ आया कि ये जो चार पांच छह पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत बेटर इसलिए आपको पढ़ाना चाहिए जब आप इंडस्ट्री में जाके सच में प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे तो क्या जरूरी है सिर्फ यही डेटा स्ट्रक्चर यूज करें नहीं आप इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं हाइब्रिड कर सकते हैं कोई नए डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं बट नाउ जब आप एक नया डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करेंगे क्या चार सवालों को आपको जवाब देना पड़ेगा पहला ऑर्गेनाइजेशन कि मेमोरी में डेटा अरेंज कैसे होगा जैसे यहां पर हम बोलेंगे एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूस फैशन में अरेंज करेंगे यहां पर हम बोलेंगे एक नोड होगा जिसके दो पार्ट होंगे डेटा एंड द लिंक डेटा के अंदर आप डेटा रखेंगे लिंक के अंदर एक पॉइंटर होगा जो आपको अगले नोड तक पहुंचाएगा ट्री के अंदर आप बोलेंगे एक नोड होगा जिसमें एक पॉइंटर होगा जो लेफ्ट चाइल्ड तक पहुंचाएगा एक पॉइंटर राइट चाइल्ड तक और बीच में डेटा होगा तो हाउ यू ऑर्गेनाइज दैट डेटा आपको बताना पड़ेगा नेक्स्ट एक्सेसिंग मेथड अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को फॉर एग्जाम्पल लिंकलिस्ट में कि आप डायरेक्ट डी नोड को एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि डी का एड्रेस सी के पास है सी का बी के पास है बी का ए के पास है एक प्रॉपर पैटर्न में ही एक्सेस किया जा सकेगा जबकि एरे के अंदर इफ यू हैव द बेस एड्रेस आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो या स्टैक में आप अगर डायरेक्ट बॉटम एक्सेस करना चाहो टेक्निकली दिस इज नॉट पॉसिबल हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक ही एक्सेस होगा तो हर डेटा स्ट्रक्चर के अलग अलग रूल्स हैं जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ये आप स्पेसिफाई करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक नोट कितने नोट से रिलेटेड है जैसे यहां पर आपके आगे एक है आपके पीछे एक है अभी ग्राफ की बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल वन यहां पर हर किसी के साथ नेबर है जबकि टू से वन और थ्री के साथ नेबर है तो कितने लोगों के साथ आप एसोसिएट कर रहे हो एंड देन द प्रोसेसिंग मेथड फॉर एग्जाम्पल लिस्ट है इंसर्शन डिलीशन कैसे करेंगे डेटा मॉडिफिकेशन करना है कैसे करेंगे एरे में कैसे किया जाएगा तो जब ये सारी की सारी चीज आप डिफाइन कर देते हैं तो हा आपने एक नया डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया यस तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये कुछ पॉपुलर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं बट तो अगेन घबराने की जरूरत नहीं है हर किसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नाउ इफेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं इस इसमें बात कर चुका हूं बट फिर भी मैं याद दिला रहा हूं दोबारा से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कितना ही अच्छा क्यों ना हो आपकी एलगोरिज्म की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी uh, you know, uh, uh, you know, uh, करेंगे, करेंगे तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल अभी धीरे धीरे हम समझेंगे ऐसा नहीं कि ये डेटा स्ट्रक्चर अच्छा होता है या खराब होता है इट डिपेंड्स ऑन द आइडिया इट डिपेंड्स ऑन सिनेरियो डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट हिस्टोरिकल डेटा है इंसर्शन डिलीशन होना नहीं होता है गो फॉर अरे क्या प्रॉब्लम है अगर इंसर्शन डिलीशन की टेंशन नहीं तो एरे बहुत अच्छा काम करेगा आई थिंक टाइम की टर्म्स में कोई एरे को बीट नहीं कर सकता लेकिन अगर हेरेजिकल रिलेशनशिप है सॉर्टेड डेटा है मे बी बाइनरी सर्च और सर्सियल मेक सेंस यस तो डिपेंडिंग ऑन द आइडिया हमें सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है इसका कोई फार्मूला नहीं है कि ये वैल्यू भरी और आंसर आएगा कि एरे यूज करो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे अलग अलग नेचर की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि यार इस सिनेरियो में इसको यूज़ करना चाहिए या इस सिनेरियो में इसको यूज करना चाहिए यस सो स्लोली विल अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल

दो पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव अब इसका क्या मतलब देखिए अब आप सोचें डेटा स्ट्रक्चर में क्या इमेज लगा है सर इसका क्या लेना देना है मी गिव इन कॉन्टेक्सट मान लीजिए आपको घर बनाना है, है ना हर किसी की

जब हम बात करते हैं कि मैं घर बनाना है तो किस बात का ये मतलब है कि पहले हमें ईंट बनानी पड़ेगी पहले हमें सीमेंट बनाना पड़ेगा पहले हमें यू नो सरिया लोहे के बार्स बनाने पड़ेंगे तब घर बनेगा नहीं ऐसा नहीं है ये कुछ प्रिमेटिव चीजें बाजार में बनी बनाई बिकती हैं तो आप ये नहीं सोचते बहुत ज्यादा कि ईंट का डिजाइन कैसा होना चाहिए ईंट तो बेसिक है ब्रिक है उसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इज इंटेड वो कस्टमाइजेशन पॉसिबल है बट आपको एकदम स्क्रैच से काम नहीं करना लेट मी गिव वन मोर एग्जाम्पल इमेजिन करिए एक डेस्कटॉप असेंबल करना है तो जब आप डेस्कटॉप बनाएंगे एक कंप्यूटर बनाएंगे तो कि इसका ये मतलब है कि आप मदरबोर्ड बनाएंगे आप प्रोसेसर बनाएंगे आप ग्राफिक कार्ड बनाएंगे नहीं ये सब बाजार में बना बनाए मिलेगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको गेमिंग खेलना है या हमारी तो एडिटिंग करनी है या मे बी डे टू डे ऑपरेशन करने हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यू कैन चूज सिमिलरली डेटा स्ट्रक्चर को हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं सो इफ आई फर्स्ट शो यू दिस ट्री यू कैन सी हम बोलते हैं प्रिमेटिव एंड नॉन प्रव प्रव कौन है जो बना बनाया है जिनकी डेफिनेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर को कंप्यूटर को पहले से पता है सिर्फ इसे कंसीडर एन इंटीजर हम आपको मशीन को बताने की जरूरत नहीं इंटीजर क्या है उसको पता है फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर कंपाइलर कि अगर आप इंटीजर बोलेंगे तो मेमोरी में दो बाइट रिजर्व करना है किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं एवरीथिंग इज डिफाइंड यस yes, लेकिन अभी लिंक लिस्ट हैं फाइल्स हैं क्यूज हैं ग्राफ्स हैं ये पहले से बने बनाए नहीं हो सकते क्योंकि इसमें बहुत कस्टमाइजेशन है तो इन बेसिक प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अपना इस्तेमाल करने के लिए ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दीज आर नॉन एज नॉन प्रिमेटिव यस तो प्रिमेटिव बेसिक जो बने बनाए हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से बनाने की जरूरत नहीं है बताने की जरूरत नहीं है कंपाइलर को प्रोग्राम को कंप्यूटर को पहले से पता है और नॉन जो हम डिफाइन करते हैं ना क्या मैंने लिख के रखा है देखिए प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर वेज ऑफ स्टोरिंग डेटा बाय द सिस्टम एंड द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दीज डेटाफाइंड तो क्या इनका डेफिनेशन है और क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं वो सब पहले से प्रीडिफाइंड है दे आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय द मशीन इंस्ट्रक्शन तो मशीन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पहले से पता है इनके ऊपर कैसे काम करना है अगेन इंट है कैरेक्टर है फ्लॉट है वो सब चीजें अब इंटीजर है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन वो सब कर सकते हैं वी अंडरस्टैंड दिस नाउ वट इज दिस नॉन प्रमेटिव सो अगेन बट देर आर सर्टन सिचुएशन ऑब्वियसली सफिशियंट नहीं होंगी सो डिराइव डेटा स्ट्रक्चर जो हम करते हैं दैट इज नॉन प्रमेटिव एंड यूजिंग द डेफिनेशन तो डेफिनेशन प्रमेटिव की यूज करते हैं बट उसका इस्तेमाल करके जो भी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हम करते हैं वेदर ट्री दीज आर नॉन एज नॉन प्रमेटिव नाउ एक्सक्यूज मी आई एम गोइंग थ्रीज दीज बेसिक टर्मोलॉजी क्यों जा रहा हूँ ज़रूरी है एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बाद में जाके कॉम्प्लेक्स होता है एंड यू नेवर नो इंटरव्यू में कोई आपसे बहुत ही बेसिक बात कर ले एग्जाम में कोई डिस्कशन कर ले हर किसी का लेवल अलग अलग है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट मैं ये सारे केस कवर करके चल रहा था तो जितने भी एग्जाम्पल है दीज आर काइंड ऑफ नॉन प्रमेटिव एक और डिफरेंस मैं कहीं कहीं देखता हूँ बुक्स में आपको मिलेगा लीनियर एंड नॉन लीनियर न वॉट इज दैट तो लीनियर ऑर्डर आप समझते हैं आई गो वन बाय वन मैंने पहले से डिफरेंस पॉइंट में अरेंज करके रखा है इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर वेर एवरी एलिमेंट आर अटैच टू द प्रीवियस वन द लास्ट वन नेक्स्ट वन मैं ऐसा बोलता हूँ सबसे आसान तरीके से लीनियर माने इन अ स्ट्रेट लाइन आपके आगे एक आपके पीछे एक आप हुए लीनियर वट इज नॉन लीनियर वेर डेटा एलिमेंट आर अटैच इन अर फैशन फॉर एग्जाम्पल लुक एट द लास्ट पॉइंट एरे है लिंक लिस्ट है क्यू है स्टैक है आपके आगे एक आपके पीछे एक आपके आगे एक आपके पीछे एक आप लीनियर है अगर ट्रीज हैं ग्राफ्स हैं एक नोड के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं ग्राफ में नो नोबडी कितना इन डिग्री कितना आउट डिग्री हो सकता है तो दोनों कौन हुए नॉन लीनियर हुए सो सिंगल लेवल होगा कोई लिंक लिस्ट की हाइट मेजर करता है या एक ही लेवल पे मिलेगी सर बट ये ऑब्वियसली देर आर मल्टीपल लेवल इन्वॉल्व इनका इंप्लीमेंटेशन आसान होगा समझना समझाना इंप्लीमेंट करना यहाँ पर ऑब्बियसली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है एंड ट्रेवर्स ट्रेवर्सल अब फॉर एग्जाम्पल जब हम लिंकलिस्ट की बात करते हैं या एरे की बात करते हैं तो नो बडी इज गोइंग टू आस्क क्योंकि लिंकलिस्ट ट्रेवर्स कैसे करें सबको पता है पहला नोड फिर अगला नोड फिर अगला नोड फिर अगला नोट येस लेकिन अगर हम बात करें आ, ट्री की अभी हम आगे पढ़ेंगे कोड भी देखेंगे तो ट्री के अंदर तीन ट्रेवर्सल ऑर्डर है हम प्री ऑर्डर कर सकते हैं इन ऑर्डर कर सकते हैं पोस्ट ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि नॉन लीनियर है तो मल्टीपल ऑप्शन

वो डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे है फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल केस एरे ही बनता है जहां पर जितने भी डेटा है एरे है फॉर एग्जांपल इंटीजर का तो कैन यू हैव कि मेरे पास चार इंटीजर है पांच फ्लोट है चार कैरेक्टर है ऐसा नहीं सभी इंटीजर आपको मिलेंगे देन इट इज नोन एज होमोजीनियस तो जहां पे सेम टाइप ऑफ डेटा हो सारे के सारे हेट्रोजीनियस वेर यू कैन हैव मिक्स फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर अभी लिंक लिस्ट का एक नोड को अगर आप देख लें ध्यान से तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर मिल सकता है एंड यू कैन हैव अ पॉइंटर है ना तो स्ट्रक्चर्स हैं आर द वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस तो हेट्रोजीनियस डिफरेंट वेराइटी वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग होमोजीनियस सेम टाइप दोनों की डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड लिखिए एग्जाम में एकदम अच्छे से लिख के आप आओगे ओके नाउ फाइनली आई थिंक बेसिक इंट्रोडक्शन इज डन एंड नाउ वी आर रेडी फॉर आवर फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर विच इज एरे तो चलिए अभी बात करते हैं एरे के बारे में सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है और इसको सबसे अच्छे से समझेंगे बिकॉज एरे अगर समझ आया ना तो मान लीजिए स्टैक और क्यू का एक बढ़िया हेल्दी फ्रेमवर्क हमारा बन गया तो स्टार्ट करते हैं मजाक से अब मुझे पता नहीं ये किसी ने यू you नो know, जान के किया ये है यह जनविन है इंटरनल सेकेंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पेपर है और सब्जेक्ट है वट एवर इट इज क्वेश्चन है डिफाइन एरे बच्चा लिखता है एंड एरे इज यूज टू कॉल अ बॉय और अ पर्सन हु इज एट अ डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम अस हुबल टू अवर नेकेड आई फॉर एग्जाम्पल अरे रूपेश जैसे बुलाते हैं ना अरे सुन्ना भाई अरे लिख लाइक दिस तो ये डेफिनेशन लिखी है एरे की अब मेरे को पता नहीं कि बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या यह बहुत स्मार्ट है बट आंसर अच्छा लिखा है जो भी लिखना चाहता है उसको पूरे अच्छे से डिफाइन किया और यही वो क्वालिटी है जो आप और हम मैं सीख चुका हूँ आप सीख रहे हैं अभी ज़्यादातर लोग कि आंसर आए ना आए वो अलग बात है लेकिन 40 नंबर के 100 नंबर और 40 पेज की कॉपी पूरी भर के आनी है बाकी आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आपका जो भी नलायक दोस्त है अरे टैक टू दिस कमेंट में जरूर लिखिएगा मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग दूसरे को बुला रहे कि भाई आके देख ले कुछ ना कुछ सीख जाएगा नाउ कंटिन्यूस आइडिया सबसे सिंपल आर्गुमेंट हम पहले बात कर चुके हैं अगर मेमोरी में वन बाय वन वन बाय वन बैक टू बैक एक सिंगल सीक्वेंस में हम अरेंज करते जाएं इन अ कॉन्टिग्यूस मैनर सेम टाइप ऑफ डेटा एक इंटीजर तो सारे इंटीजर एक फ्लोट तो सारे फ्लोट तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा एरे कहलाएगा हम बोल रहे थे ना कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में चीजों को कैसे अरेंज किया जाता है तो सोचिए जो सबसे कॉमन सेंस आइडिया वो यही रहा होगा ना कि एक के बाद एक के बाद लगाते जाओ तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दट स्टोर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप वेरी इंपॉर्टेंट स्टोर्ड एट अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन एक्सेस यूजिंग एन इंडेक्स अभी इंडेक्स की क्या कहानी क्या ये बड़ी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप देखें एलिमेंट्स कौन है टू एट सेवन सिक्स एंड जीरो है ना जब हम काउंट की बात करेंगे आपसे बोलूंगा बताओ पहला एलिमेंट कौन है इस सर ये है एलिमेंट नंबर वन ये है एलिमेंट नंबर टू एलिमेंट नंबर टू थ्री फोर ऐसा लिखा हुआ है इंडेक्स मतलब नंबरिंग है ना नंबरिंग इज नॉट नेचुरल नंबरिंग आप नंबरिंग कुछ भी कर सकते हो सी एस आई टी में हम डिफॉल्ट नंबरिंग हमेशा चालू करते हैं ज़ीरो से सो so, इसका जो इंडेक्स है दैट इज इंडेक्स ज़ीरो अगर आप अभी मैं आगे बात करूंगा हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं बट डिफ़ॉल्ट केस में कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आमतौर पर हम जीरो से चालू करते हैं सो इंडेक्स जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स टू इंडेक्स थ्री इंडेक्स फोर और जब भी हम एक्सेस करेंगे हम ये नहीं बोलेंगे फोर्थ एलिमेंट कौन सा है हम बोलेंगे वो एलिमेंट कौन है जो थर्ड इंडेक्स पे है

और डिफॉल्ट केस में इंडेक्सिंग जीरो से चालू होगी सो जीरो वन टू थ्री एंड फोर टोटल पांच एलिमेंट है ना तो जीरो से फोर तक जाएगा लेट मी से दो बाइट ऑफ स्पेस हर किसी लोकेशन के लिए रिजर्व करेगा एक दो बात जो इम्पोर्टेंट हो सकती है सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है तो ऐसा नहीं वो जाके उसको क्लियर करता है है ना अनडिफाइंड और गार्बेज वैल्यू पहले से हम उसके अंदर रखते हैं हालांकि आप चाहो तो बाद में उसको चेंज कर सकते हो अगर हम इनिशियलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो जावा में कोई ना कोई हम डिफॉल्ट वैल्यू यूज़ करते हैं आमतौर पर वी फॉर इंटीजर सपोज इट इज़ जीरो बुलियन वैल्यू है तो आमतौर पर फॉल्स कर देते हैं लाइक दिस यस एंड ऑब्वियसली बाद में आप चेंज कर ही सकते हैं नॉ इनिशियलाइज करना डिक्लेयर करना मानो कंप्यूटर को बतानो कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमें बनाना है जैसे बोलते हैं स्कीमा बताना अब उसमें क्या वैल्यू रखनी है जब वैल्यू रखते हैं उसको बोलते हैं इनिशलाइज करना तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डेटा टाइप एरे का नाम एरे का साइज ये सब कुछ बेसिकली डिक्लेयर इनिशलाइज एक साथ कर रहे हैं तो ये तो बताया साथ में ये भी बताया करली ब्रैकेट के अंदर एंडेड बाय सम कॉलन वन टू थ्री फोर फाइव की पांच एलिमेंट यहाँ पर होने वाले हैं अगर आप साथ में इनिशलाइज कर रहे हैं तो डिक्लेयर करते हुए आप साइज ना भी बताएं सी की बात करूं तो चलेगा बिकॉज वो देख के समझ रहा है कि ओके okay, पांच एलिमेंट डिक्लेयर इनिशलाइज कर रहे हो तो जीरो से लेकर फोर इंडेक्स तक अपने आप से वो चला जाएगा वही बात नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ सर एक बार अगर इनिशलाइज कर दिया तो चेंज कर सकते हैं क्या वैल्यू बिल्कुल चेंज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दे यू कैन सी बोल रहा है एरे ऑफ टू अब ध्यान दीजिएगा ये काउंट है कि इंडेक्स है ये इंडेक्स है जीरो फोर तो टू पर कोई भी एलिमेंट रहा होगा पहले से जैसे हमारे केस में शायद थ्री था कह रहा है उसको चेंज करके क्या करो माइनस वन करो तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा माइनस वन है ना असाइनमेंट है ना इक्वल टू है तो असाइनमेंट हमेशा कहां से कहाँ होता है राइट टू लेफ्ट होता है तो ऐसे असाइन कर सकते हैं अब फोर्थ इंडेक्स uh, फोर में जीरो करना है तो अगेन इंडेक्स फोर मतलब लास्ट एलिमेंट वहां पे उठा के जीरो कर दिया तो अरे के केस में डिक्लेयर करना इनिशियलाइज करना और इनिशियलाइजेशन के बाद में भी अगर हम चेंज करना था, चाहते हैं चेंज करना ये सारी चीजें बहुत आसान है तो इतनी सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अब अगर दो चार एडवांटेज समझे कि अरे के एडवांटेज क्या बिकॉज़ मैंने क्या समझाया था पहले ही क्या कोई डेटा स्ट्रक्चर अच्छा या खराब है ऐसा सोचेंगे तो गलत होगा इट डिपेंड्स ऑन द अवर रिक्वायरमेंट कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा तो कहाँ कहाँ सूट करेगा ध्यान दीजिए पहला एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रैवल एरे स्टोर जो स्टोरेज है कोई मैं स्पेस नहीं वेस्ट कर रहा कोई पॉइंटर स्टोर नहीं कर रहा बैक टू बैक स्टोर कर रहा हूँ और रिट्राइवल भी बड़ा फास्ट होगा तो आप ऐसा बोल सकते हो जहाँ पर भी हिस्टोरिकल डेटा है है ना उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होने वहाँ पे एरे को यूज़ करो रैंडम एक्सेस क्या हम ये बोल रहे हैं कि एरे के अगर अंदर अगर हंड्रेड लोकेशन को एक्सेस करना है तो उससे पहले सबको एक्सेस करना पड़ेगा वन टू थ्री फोर नहीं अभी आगे फार्मूला भी डिराइव करेंगे आप किसी भी अगर आपको एरे का बेस एड्रेस पता है एंड इफ़ यू नो द साइज ऑफ़ ईच एलिमेंट आप डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बहुत फास्ट कर सकते हैं तो बहुत फास्ट होगा ईजी टू सॉर्ट एंड सर्च ऑब्वियसली सॉर्टिंग अगर आपको करनी है आगे देखेंगे

अगर मैं कोई नई प्रॉब्लम डिफाइन कर रहा हूं तो मेरे को कैसे पता लगेगा इमेजिन कर रहे हैं 2025. Yes, अब मेरे को एक करना है जहां पे मुझे हर स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है Do I know पहले से कितने स्टूडेंट आने वाले हैं अब ये तो प्रॉब्लम है मान लीजिए मैंने अपने मन से यहां पे डिक्लेयर कर दिया एरे ऑफ साइज वन थाउजेंड फॉर एग्जाम्पल अब अगर बाद में नाइन हंड्रेड स्टूडेंट्स आए तो जो बचा हुआ हंड्रेड स्पेस है वो काइंड ऑफ वेस्ट हो गया बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो आपको एक एरिया डिक्लेयर करके दे दिया सर जिसके अंदर वन थाउजेंड लोकेशन है तो लास्ट वाला स्पेस वेस्ट हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में हमने वहां पे डिटेल में बात की वाली वीडियो में इसको क्या बोलते हैं वी कॉल इट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दैट इज इंटरनल टू यू बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कह रहा भाई मेरे से कोई लेना देना नहीं मैं तो आपको दे चुका हूँ प्रॉब्लम क्या है हमने सोचा था वन थाउजेंड बट बाद में पता लगा फाइव थाउजेंड स्टूडेंट यहां पर आ गए अब क्या मैं रन टाइम में इसका स्पेस बढ़ा सकता हूं नहीं बढ़ा सकता बिकॉज कई बार क्या होता है हमारी डिमांड है कॉन्टिग्यूस स्पेस अवेलेबल तो है बट हो सकता है इसके बाद कोई डेटा भरा हुआ हो है ना आपका घर है आपको घर बड़ा करना है स्पेस दुनिया में अवेलेबल है आपके पास स्पेस है भी है बट पड़ोस में तो मकान है तो अगर आप चार यू नो प्लॉट छोड़ के कोई दूसरा प्लॉट लेंगे उसको कोई फायदा नहीं है नेबर वाले स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है सो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन स्पेस है लेकिन स्टिल एलोकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो एरे की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये इस तरह के इश्यूज हमारे पास हमेशा रहते हैं इंसर्शन डिलीशन कोई बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा इमेजिन करिए अगर इतना सारा डेटा और बीच में अगर मैं कुछ डिलीट करता हूं तो मे बी बाकी हर एलिमेंट्स को एक एक स्टेप मेरे को स्वैप करना पड़े या मुझे कहीं इंसर्ट करना है तो आगे के जितने एलिमेंट है सबको एक एक स्टेप आगे लेके जाना पड़े ताकि मैं उसके लिए स्पेस बना पाऊँ इस तरह की मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं की बात कर चुके आई कैन नॉट के बारे में मुझे डेटा स्टोर करना है अभी बुक का नाम में भी एक कैरेक्टर, कॉस्ट में भी फ्लोटिंग पॉइंट यू नो अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस में भी बी इंटीजर उस तरह का डेटा होल्ड मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे मल्टीपल एरियस डिक्लेयर करने पड़ेंगे तो प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस अगेन मैं ऑलरेडी बता चुका देर आर सर्टन केसेस जहाँ पे अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर कंक्लूजन बताओ अच्छा हो गया खराब हुआ अच्छा खराब की बात नहीं है बात है एप्लीकेशन की देर आर सर्टन केसेज जहाँ पे इससे अच्छा कुछ नहीं एंड देर आर सर्टन केसेज जहाँ पे बहुत ख़राब ये काम करेगा सो मेमोरी मैनेजमेंट का अगर काम करना हो डेटा रिप्रजेंटेशन डेटा मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड कैशिंग यू कैन गो वन बाय वन ये सब एडिशनल स्लाइड में इसलिए लगा के रखता हूँ कई बार मैं देखता हूँ इन वर्ड वर्ड बाय क्वेश्चन पूछ रहा है राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ एन एरे सो दीज आर द थोड़ा सा पढ़ के जाए एडिंग बना के आएंगे तो पांच में से साढ़े चार नंबर आपको जरूर मिलेगा बाकी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस नाउ इंडेक्स पे बात स्टार्ट करते हैं और इंडेक्स बड़ा मजेदार है क्योंकि हम ये सोचते हैं हमेशा ना कि चीजें काउंटिंग वन से शुरू होती है बट सी एस आई टी में हम जीरो से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे मीम चलते हैं कुछ मुझे देखने को मिले तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करता हूँ लेकिन द फर्स्ट वन शी से वी नीड टू टॉक और जब अगर कोई आपसे बोले कि इस तरह से यू नो वी दीपल फ्रेंड कि वी नीड टू टॉक तो इसका मैंने को बहुत खुशी की बात नहीं यू मज़ बी सीरियस अबाउट इट नाव यू सीम्स टू हैव मोर टाइम फॉर योर कंप्यूटर देन मी ई वॉन्ट टू नो हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम टू यू लगता है कि मुझसे ज्यादा समय तुम अपने कंप्यूटर के साथ बिता रहे होते हो और आज के केस में आप फोन की बात कर सकते हो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या अहमियत रखती हूँ अब लड़का एक मिनट सोचता है लेकिन सी एस आई टी वाला है तो क्या कह रहा है यू आर नंबर वन इन माई लाइफ मेरे जीवन में तुम्हारी प्रायोरिटी नंबर वन है बस इतना कहना था कि सामने वाला बंदा पिघल गया एंड मामला सॉर्ट हो गया और ये नालायक देखो मेरे क्या सोच रहा है जस्ट दैट आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो क्योंकि हम जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो इफ यू आर द नंबर वन इट मींस बेसिकली यू आर एट नंबर टू बात समझ आती है लाइक दिस सो तीन आइडिया है डिफॉल्ट केस में हम बोलते हैं जीरो बेस इंडेक्सिंग जो हमारी प्रायरिटी चॉइस है जो हमारी डिफॉल्ट चॉइस है अगर कोई कुछ बोलेगा नहीं तो हमेशा हम जीरो से ही चालू करेंगे आप अगर चाहें तो वन से इंडेक्सिंग शुरू कर सकते हैं और आप अगर बिल्कुल यू नो कि नहीं मैं अड़ियल हूं या मेरी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है मेरे को सेवेंटी से काउंटिंग स्टार्ट है मे बी वी डोंट नो वाई होता है किसी किसी प्रोग्राम में ना कॉन्टेक्स्ट होता है लेट मी से 72 द डेट ऑफ बर्थ समथिंग लाइक दिस तो मेरे को देख के पता लग जाएगा आप किसी भी बेस इंडेक्सिंग चालू कर सकते हैं सारे केस अलाउड है ये देखिए क्या बोल रहा है एज अ फादर माय जॉब इज टू रेस्पेक्ट माय सन्स ओपिनियन तो बड़ा प्रोग्रेसिव एडवांस फादर लग रहा है कि बच्चे की सलाह भी महत्वपूर्ण है और बच्चा कहता है आ, कुछ बोलना चाह रहा है पिताजी पूछ रहे हैं यस माई डियर सन बताइए बच्चे ने बोल दिया एरे स्टार्ट एट वन एरे वन पे स्टार्ट होता है और यही देखिए बैंग कि सब कुछ बर्दाश्त है बट बर इत, इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं है ये यह देखिए यहाँ पर टीचर ने बोला बोर्ड पे क्वेश्चन है फाइव माइनस फाइव फाइव माइनस कितना बड़ा नलायक होगा सोचिए फाइव माइनस फाइव नहीं कर पा रहा पीछे मुड़ के अपनी दोस्त की तरफ देख रहा है कि फाइव माइनस फाइव क्या होता है यस yes, और वो जीरो नहीं लिख रहा वो कह रहा है वेयर एरे स्टार्ट इसका मतलब ये सी एस आई टी की क्लास है फाइव माइनस फाइव जीरो हो ये जीरो होता है ये पता हो या नहीं पता हो जरूरी नहीं है लेकिन एरे का इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है ये भाई को अपने पता था यस yes, तो भाई आपका सॉलिड है एंड नाउ लुक एट द लास्ट वन ये सबसे मजेदार है डोंट शूट आई एम अ प्रोग्रामर यस और वो चेक कैसे कर रहे हैं ये बोल रहा है एरे स्टार्ट एट वन और इतनी बात इन लोगों को भी पता है ये तो नॉन सी एस आई टी वाले आर्मी वाले लोग हैं बट इतनी बात ये भी जानते हैं एट तो ये दो तीन चार मजाक करने के बाद मुझे लगता है इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए याद रखना डिफॉल्ट केस में एरे का जो इंडेक्सिंग वो जीरो से स्टार्ट होता है नाउ कभी कभी काउंटिंग में बड़ा प्रॉब्लम आता है तो मैं इस बात को अलग से लिख देता हूँ हालांकि एरे के अंदर कितने एलिमेंट बात सिंपल है बट कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडेक्सिंग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जैसा हमें डिफॉल्ट करना है तो जो पहला इंडेक्स है टर्मिनोलॉजी भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है ना तो जो पहला इंडेक्स है जहां से गेम स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड ऑफ द एरे क्या बोलते हैं लोअर बाउंड और जो आखिरी इंडेक्स है जहां तक हम जाते हैं उसको बोलते हैं अपर बाउंड लोअर बाउंड अपर बाउंड तो व्हाट आई एम सेइंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कैसा निकालो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस प्लस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगेगा अपर बाउंड करेंगे लेके नाइन तक और ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा इफ द फैक्ट कि आपने इंडेक्सिंग जीरो से चालू किया वन से चालू किया के एन से चालू किया जस्ट टू गिव यू एन कॉन्टेक्सट मान लीजिए अगर मैं वन से चालू करता तो क्या होता इट इज़ लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन यस और मैं सेवेंटी टू की बात करता रेंडमली सेवेंटी टू से स्टार्ट कर लेते हैं सो सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन एंड एटी एंड एटी वन यू सी अगर मैं ये वन से चालू करूँ तो अपर बाउंड होगा टेन टेन माइनस वन बिकॉज फर्स्ट लोअर टोटल एलिमेंट कितना कहाँ तक है एट्टी वन सेन माइनस सेवेंटी टू प्लस वन अगेन इट टर्ड आउट टू बी नाइन प्लस वन विच इज नथिंग बट टेन तो दिस फॉर्मूला एज फार एस नंबर ऑफ एलिमेंट आर कंसर्न हमेशा परफेक्ट आंसर करेगा और होता ही है आपको लगे इसका भी कोई फॉर्मूला है सर ये तो खुद ही कर लेंगे बट जल्दबाजी में गलतियां हो जाया करती हैं तो याद रखिएगा स्पेशली इन मल्टी डायमेंशनल एरेज जिसकी आगे बात करेंगे तो याद रखिएगा अपर बाउंड माइनस लोअर वन प्लस वन बहुत सिंपल बात नाउ जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगे तो साइज नहीं बता सकते आप तो अगर यहां पर मैं बोल दू सपोज ईच एलिमेंट इज अ फोर बाइट बोलो एरे का क्या साइज है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर टेन एंड सर ईच एलिमेंट इज अट लॉन्ग सो ऑब्वियसलीफ द एरे नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई सा बहुत ही साधारण बात कर रहा हूँ कोई अजीब बात नहीं है ना अभी बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आईडी सबसे इंपॉर्टेंट लाइक विल गो फॉर टू डी थ्री डी एंड इवन मल्टीडमेंशनल एरेज बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल और पूछा जाता है अगर मेरे पास एक एरे है उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं उसका नाम लिख लेता हूँ के है ना सॉरी ए A, और उसका कोई भी एलिमेंट है विच इज एट केएथ इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे केएथ पे हमें उसका एड्रेस आइडेंटिफाई करना है तो एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करें मैं आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि एरे का जो एक्सेस है बड़ा फास्ट है रैंडम एक्सेस है बट कैसे वो उसको चेकआउट करते हैं तो यहाँ कुछ चीजें जो पहले से हमें पता होनी चाहिए फॉर्मुला ऑलरेडी लिखा हुआ है काइंड ऑफ डिराइव भी कर लेंगे बेस एड्रेस तो आप मुझे बताएंगे कि एरे स्टार्ट कहाँ से हुआ है बेसिकली जहाँ से चालू किया मेमोरी में वो नंबर क्या है फॉर एग्जाम्पल मी से कि ये जो फर्स्ट हमारा सेल है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 एक केस बना लेते हैं है ना सो सपोज दिस इज 1200 हंड्रेड देन वेट ऑफ ईच एलिमेंट साइज आपको बताना पड़ेगा तो मान लेते हैं फॉर दिस केस लेट मी से वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज थ्री बाइट नॉर्मली थ्री बाइट होगा नहीं हम मान ले रहे एग्जाम्पल में के

आप और बेस एड्रेस हमने कितना रखा है ट्वेल्व हंड्रेड हर एलिमेंट का साइज कितना है 3 आपको बताना है कि इंडेक्स नंबर जीरो का बेस एड्रेस या एड्रेस क्या होगा तो लुक एट दिस कैसे यूज करेंगे दिस इज द फॉर्मूला सर वट इज द बेस एड्रेस बेस एड्रेस इज ट्वेल्व हंड्रेड प्लस वट इज द वेट ऑफ इच एलिमेंट नाउ हमारे के हिसाब से दैट इज थ्री एंड नाउ लुक एट दिस के माइनस लोअर बाउंड इज सर इज व एंड वट इज लोअर बाउंड लोअर बाउंड इज माइनस थ्री एंड माइनस माइनस इज लाइक प्लस थ्री सो टू प्लस थ्री इज फाइव फाइव इंटू थ्री इज फिफ्टीन एंड फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व हंड्रेड द आंसर इज ट्वेल्व हंड्रेड एंड फिफ्टीन चेक करें ये तो बहुत छोटा केस है अगर ये ट्वेल्व हंड्रेड पे था तो ये ट्वेल्व हंड्रेड थ्री पे था ये ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स पे था ये ट्वेल्व हंड्रेड नाइन पे था ये ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व पे था एंड दैट इज नथिंग बट ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टीन तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है ये जो कंपोनेंट है ना लुक एट दिस इसको अगर थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट करें समझे के माइनस लोअर बाउंड दरअसल आपको बताता है कि आपसे पहले कितने एलिमेंट हैं तो जैसे हमारे केस में टू प्लस फाइव देखो काउंट करो एक दो तीन चार पांच हाँ के माइनस लोअर बॉन बताता है हमसे पहले कितने एलिमेंट है डब्ल्यू बताता है हर एलिमेंट का साइज क्या है और वेट कैपिटल भी यानी कि बेस स्टेटस बताता है गिनती कहाँ से चालू की तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है वन इसको तो टैटू करा लो इतना सिंपल है ये है, है ना टेम्प्रेरी कराना ऐसा नहीं कि लाइफ वाला करा लो सो वन डायमेंशनल एरिया को एक्सेस कैसे करना है ये फार्मूला हमेशा आपकी मदद करेगा इफ आई आज यू प्रैक्टिस क्वेश्चन ना हो ये ट्राई कर सकते हो यू कैन पॉज द वैल्यू let the base address of the first element of the array base address बता दिया दिस इज लाइक 250 each element of the array occupies 3 byte so weight भी मेरे को पता लग गया that is 3 and the address of the fifth element in a one dimensional array is 10 now that's a trick question do trick wali baat hai pehli baat index bataya nahi but wo main default case mein zero bhi maan sakta hu address of the fifth element of a one dimensional array ye kya bol raha hai नंबर का एलिमेंट चाहिए इंडेक्स फाइव ये तो काउंट बता रहा है, इंडेक्स नहीं बता रहा है, रहा है फिफ्थ एलिमेंट। तो, तो बेसिकली आप इंडेक्स फोर बोल रहे हैं इमेजिन कर पा रहे हो क्योंकि काउंटिंग तो जीरो से शुरू ही है जीरो क्वेश्चन यहां पर के वैल्यू क्या मान के चलेंगे फोर मान के चलेंगे और डिफॉल्ट जीरो है सो के इज फोर माइनस जीरो सो दैट इज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड दैट विल बी ट्वेल्व सो आंसर इज टू हंड्रेड एंड सिक्स तो इस तरह का क्वेश्चन एक और ट्राई कर सकते हैं दिसंक ए पासकल काइंड ऑफ डिक्लेन जहां पर आप देखिए कहां से कहां तक इंडेक्स बताए माइनस सिक्स से प्लस सिक्स तक फोर बाइट है बेस एड्रेस आपको पता है आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए सो बेस एड्रेस सर इज थ्री फाइव जीरो जीरो वेट ऑफ इच एलिमेंट इज फोर बाइट वट इज के इज अ स्पेसिफिक लोकेशन जो कि हमें चाहिए जीरो सो के इज़ ज़ीरो एंड लोअर बाउंड इज़ माइनस सिक्स माइनस सिक्स से काउंटिंग किया तो बोलो क्या आंसर होगा सर इट इज थ्री फाइव जीरो जीरो एंड दिस इज फोर नाउ दिस इज सिक्स दिस विल बिकम टू फोर ट्वेंटी फोर दिस इज थ्री फाइव जीरो जीरो तो आंसर इज थ्री फाइव टू फोर तो दिस काइंड ऑफ एन आइडिया है ना तो so इस तरह के क्वेश्चन आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं में वन डायमेंशनल नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आइडिया ऑफ डायमेंशनल जैसे डी like तो जो अंडरस्टैंडिंग है टू कुछ चीजें मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई में कुछ चीजें इज्जत का सवाल नहीं बनानी चाहिए आए तो ठीक है नहीं आए तो भी ठीक है क्या फर्क हो गया लेकिन जिसको इज्जत का सवाल बनाना कुछ लोगों की पूरी बी कंप्लीट हो जाती है उनको इस बात में कंफ्यूजन है कि भाई कॉलम क्या और रो क्या ये मत करो जैसे याद करना है मेरे को नहीं पता बट लुक एट दिस दिस वर्टिकल ओरिएंटेशंस आर नोन एज कॉलम्स एंड दिस हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशंस आर नोन एज रोज है ना और बात इतनी पक्की हो जाए कि अगर आप यू you नो know, कहीं शॉपिंग करने गए और वो जो सेल्समैन तो पूछ रहे आपको क्या अच्छा लग रहा है तो वैसे नहीं भैया ये वाली आप बोलो भैया फोर्थ रो का सेकेंड कॉलम लाइक दिस और उसकी आंखों में पानी आ जाए जाएसआई टी के हो क्या हाँ और जब फोर्थ रो से निकाल ले तो बोलना इंडेक्स जीरो से स्टार्ट किया है इंडेक्स फोर है यानी कि पांचवी रो की बात कर रहा हूँ सो दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम टू डायमेंशनल एरे है है ना जब हम इस तरह से डेटा अरेंज करते हैं तो दिस इज नॉन एस एल टू डी एरिया और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे जब बल्क ऑफ डेटा हो उसको ऑर्गेनाइज करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता

हमेशा इन डिफॉल्ट पहले किसकी बात की जाती है रो की उसके बाद किसकी बात करते हैं कॉलम की पहले रो एंड कॉलम सो मे बी इज एन एरे नेम बीज डिस्प्ले और डिस्प डेटा टाइप फोर इसका मतलब दो रो यहाँ पर होने वाली है और चार कॉलम यहां पर होने वाले इस तरह से आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं कर्ल्यू ब्राकेट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड देन फर्दर कर्ली ब्रैकेट्स और इवन इफ यू वांट आप सीक्वेंस में लिख दो रो मेजर ऑर्डर में ही काम करता है ना व्हाट इज रो मेजर डिफॉल्ट केस में तो भरता जाएगा टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट टॉप लेफ्ट आई एम सॉरी उल्टा बोलना चाहिए लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन तो पहले पूरा फर्स्ट रो भर लेगा जो बचेगा वो अगले रो में आ जाएगा और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको भी हमें समझना है प्रॉब्लम क्या है टू डी थ्री डी हम डेटा स्ट्रक्चर्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जैसे चाहे सोच ले बट दर्फ रियालिटी इज इन अंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी इज वन डायमेंशनल वहां पर डेटा वन डी में अरेज होता है तो अगर आप इस तरह से इमेजिन भी कर रहे हैं ना तो भी आपको समझना है कि यू हैव टू डिफाइन अ फॉर्मूला एंड आइडिया कन्वर्ट करोगे तब ये स्टोर होगा अब ये करने के दो मेजर आइडिया होते हैं हाउ यू इंप्लीमेंटेड स्टोरेज इन डायमेंशनल इम्प्लीमेंटेशन ना लुक एट दिस आई थिंक यू अंडरस्टैंड सेम अप्रोच जो भी हम डिक्लेयर करने, करने की बात कर रहे थे सो so, जो टू डी एरिया आपके पास है यू नो टॉप लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन तो इस तरह से जब हम अरेज करते हैं टेशन और यहां पर सेकेंड रो एंड जब सेकेंड रो कंप्लीट होगा ओनली वी आर गोइंग टू दर्ड रो तो अगेन जैसा बोल रहा हूँ लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन नाउट इज हाउ आर रो मेजर ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन शॉर्ट में क्या बोलते हैं रो मेजर ऑर्डर ये एक आइडिया है इसका फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा बट लेट मी टेल यू द अदर आइडिया अब दूसरा आइडिया क्या हो सकता है सोचिए कॉलम मेजर इज ऑफ लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन कैन वी गो टॉप टू डाउन एंड देन लेफ्ट टू राइट तो पहले देखो नोटिस करो पहले फर्स्ट कॉलम पूरा स्टोर कर दिया उसके बाद नंबर आया सेकेंड कॉलम का और उसके बाद नंबर आया थर्ड कॉलम का एंड दिस इज नोन एज सी एम ओ नॉट चीफ मेडिकल ऑफिसर कॉलम मेजर ऑर्डर वैसे जी क्योंकि हम रीडिंग भी लेफ्ट टू राइट करते ना हमें हमेशा ये वाला ज्यादा सूटेबल लगता है और ज्यादातर हम यूज भी यही करते हैं जैसे मतलब तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफॉल्ट आइडिया भी ये है बट देर में सर्टन केसेस जहां पर दिस इज अ मोरलॉजिकल थिंग टू डू और यहां पर एक फार्मूला डिराइव करेंगे जैसे वन डी के लिए किया था और ये फार्मूला काम आता है इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं तो दोनों के फार्मूला समझते हैं रो मेजर कॉलम मेजर

तो रो नंबर आई और कॉलम नंबर जे में मान लीजिए ये एक एलिमेंट है हमें पता लगाना है अगर ये रो मेजर के हिसाब से स्टोर किया गया है मेमोरी में, में तो इसका एड्रेस क्या होगा अभी कैसे पता लगाएं नाउ यू नो द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी बेस एड्रेस साइज लोअर बाउंड अपर बाउंड आपको पता है दो तीन चीजें मैं नहीं बता देता हूं क्योंकि अभी मल्टीपल डायमेंशन है तो नाउ लोअर बाउंड मैं बोलूंगा एलवन विच इज द लोअर बाउंड ऑफ द रो मैं बोलूँगा U1 वन विच इज लाइक अपर बाउंड ऑफ द रू सिमिलरली वी कैन द कॉलम्स एंड हैव U2 टू विच इज लाइक अपर बाउंड ऑफ द कॉलम तो ये एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी वाली आपके पास होना चाहिए मैं वो हर चीज का डेफिनेशन पहले से लिख के चल रहा हूं अब ध्यान से देखिए बेसिक आइडिया तो सेम है कि सबसे पहले आपके पास बेस सेटर्स होना चाहिए जो वन डी से हम लेके आए इसमें कोई नई बात नहीं की हमने देन वी मस्ट ऑल्सोट ऑफ दिलीमेंट वो भी हमें पता होना चाहिए अब देखो अगर मेरे को देखना है रो मेजर में मेरा नंबर कौन सा होगा तो पहले आपको क्या सोचना पड़ चाहिए कि मैं जिस रो में हूँ मुझसे पहले कितनी रो है प्लीज अंडरस्टैंड मैं जिस रो में हूँ मुझसे मैं सिर्फ रटा नहीं रहा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जिस रो में हूं मुझसे पहले कितने है? और मैं सर आई में हूं और गिनती कहां से शुरू है L1 से शुरू हुई है तो मुझसे पहले कितने लोग तो बिफोर ये फैक्टर क्या बताता पूरे इक्वेशन का हमसे पहले कितने Now, अब हम पहले जितनी रो है हर किसी के अंदर कितने एलिमेंट है तो जितने कॉलम है उतने एलिमेंट है कॉलम कैसे निकाल सकते हैं हमने पहले सीखा है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड माइनस वन तो दिस यू टू माइनस एल टू प्लस वन लुक एट दिस यू टू माइनस एल टू प्लस वन ये बताएगा कितने कॉलम है तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमसे ऊपर दो रो है और हर रो में चार कॉलम है टू इंटू फोर हमें समझ आ गया एट एलिमेंट्स तो हमसे पहले हैं तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इक्वेशन का u2 टू माइनस एल टू प्लस वन इंटू आई माइनस एल वन लुक एट दिस ये क्या बता रहा है दिस 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 अच्छा मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा सो यू नो दिस कम्पोनेंट एलिस कि हमसे पहले टोटल रोज में कितने एलिमेंट है बट बात अभी खत्म नहीं हुई हम जिस रोम में है क्या हम सबसे पहले बैठे हुए है? नहीं हमसे पहले भी तो कुछ एलिमेंट होंगे तो अगर मैं जेथ कॉलम में हूँ मुझसे पहले कितने एलिमेंट है तो जे की काउंटिंग कहाँ से शुरू हुई है एल टू से सो लुक एट दिस जे माइनस बताता है कि मुझसे पहले कितने एलिमेंट है और ये ऑब्वियसली आ जाएगा थ्री सो फोर इंटू टू इज एट एंड एट प्लस थ्री इज एलेवन इसका मतलब इलेवन एलिमेंट हमसे पहले हैं एंड देन फिर तो कहानी सिंपली यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला बिल्कुल सेम लॉजिक पे आप सोचिए कॉलम मेजर काम करेगा अगर कॉलम मेजर में भी मैं इसको मान लू तो पहले हमें देखना पड़ेगा हमसे पहले कितने कॉलम आए और फिर हम जिस कॉलम में उससे पहले कितने एलिमेंट है तो हमसे पहले कितने कॉलम आए लुक एट दिस सर अगर मैं जेथ कॉलम में हूं और आपने L2 से काउंटिंग शुरू की तो जे माइनस अल्टू जे माइनस एल्टू बताता है हमसे पहले कितने कॉलम है एंड देन अगेन रो की काउंटिंग कहां से कहा चली है चली है L1 से यू वन तक तो ये फैक्टर बताता है कि हर में 4 हम आई ए कॉलम में है हमसे हम पहले कितने एलिमेंट आए सो दिस इज आई माइनस एलवन क्योंकि काउंटिंग एलवन से शुरू हुई है और ये आपका एक आसान सा फॉर्मूला डिराइव हो गया कॉलम मेजर के लिए एग्जाम में एनी टाइम यू कैन हैव की एक्सप्लेन करो या एक पाँच नंबर का आसान से न्यूमेरिकल रो मेजर या कॉलम मेजर से फार्मूला कैलकुलेट करके आप बता दो है ना तो एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं बट बिफोर यू डू दिस एक छोटा सा एनोलॉजी देखो ये एकदम सेम है क्या करना है हाउ यू कैन कन्वर्ट रो मेजर इन टू कॉलम जहाँ पे टू लिखा है वहाँ वन लिखो जहाँ भी टू लिखा है वहाँ वन लिखो जहाँ वन लिखा है टू लिखो कर सकते हो टू को वन वन को टू टू को वन वन कोई लिखा है वहां जे लिखो जहां जे लिखा है वहां I लिखो और आपका रो मेजर कॉलम मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा बस इतना सा चेंज करना है वैसे मैं तो चाहता हूँ करें जैसे हमने एनालाइज किया तो एक बार आपको बात ही समझ आ गई तो लेट मी वेरी ऑनेस्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है आप रन टाइम पर लिख सकते हो एक मिनट सोच के अदरवाइज दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद भी आपको हो जाएगा फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करें इसके ऊपर देखिए क्या क्या पता है एक मैं करता हूँ दूसरा यू कैन ट्राई अब देखो इसने बताया वन से लेके फिफ्टीन तक एंड वन से लेके टेन तक इसका मतलब ये क्या है ये है एल वन ये है यू वन ये एल टू ये है यू टू तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो मेरे पास लगभग पहले रो बताते हैं ना मेरे पास फिफ्टीन रोज हैं जिनका नंबरिंग वन से लेके फिफ्टीन तक गया हुआ है इसने वन से स्टार्ट किया टू मेक द थिंग सिंपल एंड वी हैव टेन कॉलम जो कि वन से लेके टेन तक गए तो टोटल टेन कॉलम्स हमारे पास है वेरी गुड आगे बढ़ू वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज फोर तो यहाँ मेरे को डब्ल्यू का वैल्यू मिल गया सर नो प्रॉब्लम इफ़ द साइज़ इफ़ द बेस लोकेशन ऑफ द वेल ट्वेल्व कॉमा नाइन सो आई थिंक आई ऑल्सो गेट आई एंड जे वो भी मेरे को मिल गया है तो वी कैन पुट द वैल्यू वट इज बेस एड्रेस सर बेस एड्रेस इज फिफ्टीन हंड्रेड वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज फोर बाइट

ये भाई पहले से सॉल्व करके नहीं रख रहा हूं तो अगर एक आध कोई कैलकुलेशन गड़बड़ भी होगी तो कोई बात नहीं माफ कर देना बाकी तो यू गेट द मेजर आइडिया ओके नाउ थ्री डायमेंशन उनके पता नहीं बहुत लोगों को बहुत डर लग जाता है अगर टू डी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर और बात समझ आती है तो थ्री डी पे भी थोड़ा सा हाथ अजमाया जा सकता है कैसे ऑब्जर्व करें सो आई थिंक ये रूबिक्स क्यूब सबने देखा होगा इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डी एरे दो तीन बात यहाँ पे नोटिस करिए जब तक हम टू डी एरे में थे ना तो रो कॉलम रो कॉलम में बात होती थी एंड दैट इज अ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी थ्री डी एरे के लिए कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है हाइट लेंथ ब्रेथ कैसे ऑब्जर्व करें है ना एक कमरे का कोना समथिंग लाइक ऐसा आप देख सकते हो तो टू बी ऑनेस्ट नोबडी नो कि मैं कि किसको रो किसको कॉलम बनाता हूं कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है तो बेटर क्या है यू से डायमेंशन एक डायमेंशन वन डायमेंशन सेकेंड डायमेंशन थर्ड डायमेंशन और हर डायमेंशन के अपने अपर बाउंड लोअर बाउंड होंगे तो हाउ यू डिफाइन एन एरे दैट यू सी एक एरे है जिसकी तीन डायमेंशन है डायमेंशन नंबर टू यू कैन सी इट इज गोइंग फ्रॉम एल टू टू यू टू एंड डायमेंशन नंबर थ्री इज गोइंग फ्रॉम एल थ्री टू यू थ्री अब सॉल्व कैसे करें एक कोशिश करता हूँ रट तो आप सकते ही हैं फॉर्मूला आपके सामने लिखा है इमेजिन करिए देखो होगा क्या मान लीजिए मैं यहाँ कहीं पे हूँ अब पहले आपको सोचना पड़ेगा स्टोरेज का आइडिया क्या है तो आइडिया ये है कि कनाई से इसको प्लेन बोल दो प्लेन पहले ये पूरा प्लेन भरेगा फर्स्ट लेवल लेवल बोल दो प्लेन बोल दो फिर दूसरा लेवल भरेगा उसके बाद आप तीसरे लेवल पाएंगे मानते हो ये बात तो हमें अगर फॉर्मूला निकालना तो मैं क्या करना पड़ेगा सपोज ये जो मेरा प्लेन है ना इसको मैं आई कह के बुला रहा हूँ आई कह के बुला रहा हूँ ना दिस इज आई और आई शुड से दिस इज लाइक Uh, मान लीजिए ये प्लेन नंबर जीरो है प्लेन नंबर वन है प्लेन नंबर टू है अगर मैं प्लेन नंबर टू पे हूं तो पहले मुझे देखना पड़ेगा प्लेन नंबर वन और जीरो और वन में टोटल कितने एलिमेंट आ चुके हैं अब ये फैक्टर उसी को रिप्रेजेंट करता है बेस एड्रेस क्यों लिखा आपको पता है अच्छा यहाँ पर एक चीज मिस कर रही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ऑब्वियसली लिखना है।, है ना तो नाउ आई माइनस एल वन मुझे बताएगा मैं कौन से प्लेन पे हूँ और देखो बाकी दोनों डायमेंशन पूरी पूरी U2 टोटल मान लीजिए बता रहा होगा एक प्लेन के अंदर कितने रो हैं एंड U3 थ्री माइनस एल थ्री प्लस वन ये बता रहा होगा एक प्लेन के अंदर कितने कॉलम है फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस ये भी थ्री है ये भी थ्री है तो एक प्लेन में आए नाइन और मेरा नंबर क्योंकि टू है नीचे से ऊपर गया तो नाइन इन टू टू इज एटीन यानी कि अठारह एलिमेंट आ चुके हैं नीचे वाले प्लेन में तब तुम तो 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 इधर आए हैं वन अंडरस्टैंडिंग अब जब इधर आ गए होंगे अब आपको देखना पड़ेगा टू डी में है तो अब मैं रो और कॉलम की तरह सोच सकता हूँ इमेजिन करिए इस तरह से स्टोर हुआ है आपको डिफाइन करना पड़ेगा यस तो तो अगर इस तरह से स्टोर हुआ है तो फिर ये पुराना फॉर्मूला हम जानते हैं हम जहां पे हैं जे माइनस एल टू फॉर एग्जाम्पल अगर जे माइनस एल टू एंड देन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहां से शुरू करता हूँ ना जे इज इक्वल टू जीरो जे इज इक्वल टू वन एंड जे इज इक्वल टू टू तो जे माइनस एल टू बेसिकली हमसे पहले एक पूरा रो आया है तो ये वैल्यू हो जाएगा एंड देन दूसरी डायमेंशन ये जीरो से लेके टू तक जाएगा तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा तो ये जाएगा थ्री बेसिकली तीन एलिमेंट हम जिस लेवल पे हमसे पहले आ गए और यहाँ पे k माइनस एल वन तो यू कैन इमेजिन दिस इज लाइक के जीरो एंड के वन एंड के टू और अगर मैं के वन पे हूँ तो के वन माइनस जीरो इज लाइक वन मुझसे पहले एक एलिमेंट आया अट्ठारह एलिमेंट पहले आ चुके थे तीन मेरे लेवल में मेरी रो से पहले आए और एक मेरे पास है तो एटीन प्लस थ्री प्लस वन सो दैट इज ट्वेंटी टू एलिमेंट आर बिफोर मी वेट ऑफ इच एलिमेंट मल्टीप्लाई करो बेस एड्रेस यू कैन हैव एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया डायमेंशन बाय डायमेंशन ना क्योंकि अब रो कॉलम करके नहीं बुलाना तो लुक एट दिस आइडिया ऑफ एंड डायमेंशन देख अभी क्या टेंशन है तो लुक एट दिस मेरे पास वन डायमेंशन एन डायमेंशन तक मैं जा रहा हूँ हर डायमेंशन का अपना इंडेक्स है कैसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहली आई जो इंडेक्स है वो फर्स्ट काम बाकी पूरी पूरी पूरी, तक चले जाइए एक बार दिमाग में इमेज क्लियर हो गई ना तो ये समझ आएगा कि एन डी की इमेज तो क्लियर हो नहीं सकती क्योंकि विजुअलाइज तो कर नहीं सकते ये जरूर कर सकते हैं एक डायमेंशन सोल्व होगी अगली पे आ जाओ अब यहां टू जे और एल्टू हमारे पास आ गया तो आगे का पूरा एंड ये चलता जाएगा एक एक कम होता जाएगा जैसे वहां हो रहा था और लास्ट वाला इंडेक्स मान लीजिए जो है है वो अगर डायमेंशन पे काम कर रहा सो so और यहां पर भी वो गड़बड़ है सो so ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू क्योंकि ये तो काउंट बताएगा ना कितने एलिमेंट है हमसे पहले और हर एलिमेंट का साइज प्लस द बेस एड्रेस लाइक दिस यू कैन डराइव एन एनडीआर एक ये क्वेश्चन है मैंने पूरा करके लिखा देख लेते हैं ये सेमेस्टर का क्वेश्चन मैंने उठाया तो सपोज uh, हम एरे येस्टर दिस यू टू देखो इसने खुद ना रो और कॉलम की डेफिनेशन का इस्तेमाल नहीं किया स्टोर ए कॉलम मेजर ऑर्डर उस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि, क्योंकि करता तो भाई एक्सप्लेन कर फाइंड लेंथ ऑफ

आप ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करो सो बेस एड्रेस कहीं बताया है क्या बेस एड्रेस तो बेस एड्रेस इज फोर हंड्रेड सर आई जे के तीनों का वैल्यू थ्री है तो कैसे माइनस एल वन विच इज एल वन की काउंटिंग वन से शुरू की है ना इसने माइनस एल वन इज वन एंड देन यू टू एंड यू थ्री हम कैलकुलेट कर चुके हैं सो दिस इज इलेवन एंड दिस इज सिक्सटीन प्लस

तब इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है भाई कंटेंट कुछ भी अपने क्या लेना देना पॉइंट इज अगर मोस्ट ऑफ द कंटेंट जीरो खासकर इमेज प्रोसेसिंग वगैरह आइडियाज में ऐसा होता है और मैं इसको जनरल तरीके से ही स्टोर करूं तो स्पेस बहुत ज्यादा लग जाएगा बिकॉज हर चीज़ मेरे को याद ही करनी पड़ेगी दो मेरे को पता है कि ज्यादातर जगह मुझे कुछ याद करना नहीं था बिकॉज वो जीरो ही था कोई स्मार्ट अप्रोच हो सकती है क्या क्या मैं अलग से अगर याद कर लूं कि कहां, कहां पे कुछ डेटा और बाकी जो बचा वो जीरो तो मेरे को सब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा इस तरह ऑब्जर्वेशन के लिए इसको अलग से पढ़ रहे हैं। so, तो जहां पर ज्यादातर एलिमेंट जीरो अच्छा इसका कोई एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड नहीं है कोई नहीं बोल सकता इतने परसेंटेज थॉट प्रोसेस हो सकती है जेनरिक बात कर रहे हैं ज्यादातर जीरो होंगे तो स्पार्स और ज्यादातर जीरो नहीं होंगे तो डेंस होंगे ओके okay, ये बात हमें समझ आ गई अब इन मैट्रिक्स को अलग से स्टोर करने का क्या एडवांटेज आपको मिलेगा स्पीड एफिशिएंसी इन कंपटीशन स्पीड बिकॉज सिंपल तरह से स्टोर करेंगे फिर तो सारा एन क्रॉस एन मान लीजिए ये है तो टोटल स्पेस ही लगेगा स्पेशल तरह से स्टोर करेंगे तो स्पेस भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा जल्दी से आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं तो दो पॉपुलर प्रेजेंटेशन यहाँ पर है एज फार एस योर सिलेबस इज कंसर्न एरे रिप्रेजेंटेशन एंड लिंकलेस क्योंकि दो ही फंडामेंटल तो आइडिया so kind of है. है? है ना तीन एरे डिक्लेर करेंगे और अब तो आपको कहानी पता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है डेटा तो क्या है पहला डेटा क्या मिला रो नंबर जीरो अलग से नोट करा इस बात को नाउ रो नंबर जीरो रो नंबर जीरो नंबर फोर डेटा इज फोर बहुत ध्यान से पीछे रिमाइंड करके देखिए कुछ प्रॉब्लम है तो यहां देखिए ये रो नंबर वन कॉलम नंबर टू रो नंबर वन कॉलम नंबर टू इज फाइव

दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है नंबर सेम है आप उसको लिस्ट की तरह होल्ड कर लो सर जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री फोर तो ये देखो फिर वो ही बोल रहे हैं रो नंबर जीरो एक लिस्ट में तीन पार्ट डेटा का एक पार्ट पॉइंटर का नेक्स्ट नोड रो नंबर जीरो कॉलम नंबर टू डेटा इज थ्री रो नंबर जीरो कॉलम नंबर टू डेटा इज थ्री लुक एट दिस रो नंबर जीरो कॉलम नंबर फोर रो नंबर जीरो से अगर आप होल्ड करते हैं उसने value, so so, पूरा लिख दिया लो कॉलम वैल्यू तो दैट इज अस रिप्रेजेंटेशन आई थिंक नाउ वी आर डन शानदार अंडरस्टैंडिंग थी आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा एंड आई होप जितने भी नंबर का आता है पंद्रह बीस नंबर का आपके सेमेस्टर्स में इसको आप अच्छे से करके आओगे है ना वेदर यू आर प्रिपेरिंग फॉर गेट नेट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम द बेसिक्स इज क्लियर बाकी तो फिर बेस्ड ऑन द एग्जाम डिफरेंट से आपको सोल्व करनी होगी एज फार एज सेमिटर्स आर कंसर्न दैट इज मोर देन सफिशियंट ओके तो दोस्तों अभी तक हमने बात की है एरे की एरे को बहुत अच्छे से समझा उसकी अंडरस्टैंडिंग ली उसका आइडिया समझा बट देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स और जैसा मैंने पहले ही बोला बस दोबारा में आपसे बोल रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर तो दो ही है जैसे स्टैक है या क्यू है जो हम आगे ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों को इंप्लीमेंट करने के दोनों तरीके हैं यू कैन इंप्लीमेंट अटैक डेटा स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अरे और हेल्प ऑफ एरे और अ लिंकलेस तो अभी पहले जरूरी है कि एरे के बाद लिंक लिस्ट पे काम कर लिया जाए सो दैट दोनों जो प्रोस्पेक्टिव है ना आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए एंड देन आप समझेंगे कि यू यू नो नो वेदर वो है, वो क्यू uh, you know, uh, like है है लाइक स्टैक या वो ट्रीज है काइंड kind ऑफ of या तो एरे है या तो लिंक लिस्ट है ओके okay. नाउ दो तीन मेजर प्रॉब्लम्स हालांकि अभी हमने डिसएडवांटेज डिस्कस किया है बट स्टिल मैं याद दिला रहा हूं दोबारा से साइज का बड़ा प्रॉब्लम है यार फिक्स साइज एलोकेशन है पहले से बताना पड़ता है कि साइज क्या होगा और एक बार आपने डिक्लेयर किया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते एंड दोनों प्रॉब्लम है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज इट अगर मैंने एक ऑफ डिक्लेयर एट और मैं बाद में पांच छः स्लॉट भर पाया तो बाकी जो स्पेस है वेस्ट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ हो सकता है सिस्टम में स्पेस हो बट कंटिन्यूअस फैशन में ना हो तो मैं उसको एक्सटेंड भी नहीं कर पाऊंगा दैन दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम तो ये आपको समझ आता है फिक्स साइज का जो प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन इनअफिशियंट अगेन आप कहीं बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके आगे जितने एलिमेंट हैं उन सबको आपको एक एक स्टेप आगे, आगे स्वैप करना पड़ेगा डिलीट करना चाहते हैं तो स्वैप करके एक एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा जो कि रन टाइम में बहुत ज्यादा ट्रबल समय है ना तो अगर इस तरह के डेटा पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे कंसिस्टेंटली इंसर्शन डिलीशन हो रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करने वाला है एंड फ्लैक्सिबिलिटी अगेन बहुत कम है yeah. uh, जैसे लिंकलिस की हम आगे भी बात करेंगे में ना जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर लो आप समझोगे सर्कुलर सर्कुलर डबली डबली क्या -क्या। ट्रीज हैं या ग्राफ्स हैं वो भी तो एक तरह के मॉडिफाइड लिस्ट ही आगे देखेंगे तो वहां बहुत ज्यादा वर्सिटैलिटी है जो काइंड kind ऑफ of इधर नहीं मिल पाती तो करेंगे क्या अब समझते हैं लिस्ट बहुत ध्यान से देखिएगा लिस्ट समझ आया ना तो मान लो फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट डेटा स्ट्रक्चर समझ आ गया अब मैंने लगा दी एक ट्रेन का क्योंकि बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है लिंकलेस का नो व्हाट इज दिस लुक एट दिस दिस इज अ नोड इसको एक स्ट्रक्चर मानिए यहाँ पे दो चीजें हैं जो उसका डेटा है वो तो है एंड देर इज अ लिंक देर इज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड है ना तो अगर आपको अगले डब्बे तक पहुंचना है तो पहले इंजन तक पहुंचना पड़ेगा देन ओनली यू कैन एक्सेस इमेजिन करिए कि यहाँ पे दब... अच्छी बात है किसी पे कोई गेट लगा भी नहीं है तो आप वाया इंजन ही हो के जा रहे हैं देन अगेन यू सी से लिंक मिल रहा है तो एक नोट से अगले नोड पे जाना है लिंक के थ्रू जाना है एडवांटेज क्या है क्योंकि नॉन कंट्री का सलोकेशन तो मजेदार काम करता है तो लुक एट दिस एग्जाम्पल इसका पहले अप्रोच समझिए फिर आगे देखते हैं हमारे पास एक नोड है फर्स्ट नोड और एक फिलहाल मैं मान लेता हूँ इसको कुछ लोग फर्स्ट बोल देंगे कुछ लोग हेड बोल देंगे कुछ किसी और पॉइंटर से बुला सकते हैं बेसिकली एक पॉइंटर हमें चाहिए जिससे हम इस डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस कर पाए तो अगर आप मुझे बोलोगे सर एक लिंक लिस्ट जरा प्रोवाइड कराओ तो मैं आपको जैसे किसी किसी पेट को को कुत्ते जाते हैं तो आपके हाथ में कुछ होना चाहिए ना चेन और समथिंग जिससे आप उसे पकड़ के रखे वरना खो जाएगा सिमिलरली इसका हेड जो है ये जो पॉइंटर है हेड का ये आपके पास होना चाहिए ये पॉइंटर छूता तो मानो लिंकलिस्ट चली गई अब ये देखने में आपको कंटिन्यूस लग रहा है आइडिया ये था मेमोरी के अलग अलग हिस्सों में कुछ स्पेस अवेलेबल है इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं करें कैसे याद कैसे रखेंगे कौन सा स्पेस अवेलेबल है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपको एक स्पेस पर पहुँचा दूंगा उसको इस्तेमाल करो वहाँ पे कुछ डेटा स्टोर कर लो और वहाँ पर एक पॉइंटर होल्ड कर लेना जो आपको मेमोरी में किसी अगले स्पेस पे पहुँचा दे फिर वहाँ पे एक पॉइंटर होल्ड कर लेना जो कहीं और पहुँचाए वहाँ पे कहीं पॉइंटर करना जो कहीं और पहुँचाए जब कहीं नहीं जाना होगा तो नल रखना उसी का आइडिया लिंक लिस्ट है तो फिर वही बात ऐसा नहीं कि खुदाई हुई है और लिस्ट निकली है ऐसा नहीं है आइडिया ये है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस को इस्तेमाल करना था नॉन कंटिन्यूस स्पेस एलोकेशन को इस्तेमाल करना था तो सबके एड्रेस याद रखना पहली बार में मुश्किल हो जाता तो एक जगह के एड्रेस याद कर लिया और हर लोकेशन में हम एड्रेस होल्ड करते हैं अगले लोकेशन का जिस पॉइंटर्स को फॉलो करते आप आगे जा सकते हैं और ये उसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है तो इसको आमतौर पर हम बोलेंगे नोड जहां पे दो पार्ट होंगे डेटा पार्ट जो डेटा होल्ड करना चाहते हैं एंडर विल बी अपॉइंटेड टू द नेक्स्ट नोड एंड यूजिंग दिस आइडिया वन बाय वन फ्लो करते हुए आगे जा सकते हैं पूरी कहानी यही लिखी है फर्स्ट पार्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन पार्ट इट बी इंटीजर कैरेक्टर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है

द लास्ट नोड विल कंटेन नल वैल्यू है ना जैसा मैं बोल रहा हूँ जो पहला पॉइंटर है उसको आप फर्स्ट बोल लो स्टार्ट बोल लो हेड बोल लो दैट डिपेंड्स अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन कि कैसे आप उससे शुरुआत कर रहे हो और कैसे कहानी आगे बढ़ रही है इम्प्लीमेंटेशन अगेन एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं सो दे इज अस्ट्रक नोट जहाँ पे एक हमारे पास डेटा है एंड एक हमारे पास पॉइंटर है जिसका नाम हमने रखा है नेक्स्ट किस टाइप का पॉइंटर है सेल्फ रेफरेंसिंग डेटा स्ट्रक्चर ये ये जो स्ट्रक है इसी टाइप का पॉइंटर है यानी कि ये पॉइंटर भी दूसरे स्ट्रक्चर को यानी कि दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होगा अगेन लेट दैट बी वेरी क्लियर कि यहां पे मैं थोड़ा थोड़ा कोड की बात करूंगा बिना उसके मजा आएगा नहीं बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट यू नो मैं आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा हूँ सो द रेफरेंस लिंक में वीडियो के लिंक में नोट्स में सारा कोड है एक और लिंक मिलेगा जहां पे पूरा यू नो गिट पे आपको पूरा एग्जीक्यूटेबल कॉपी मिलने वाला है तो यू कैन यूज इट फॉर प्रैक्टिस यू कैन यूज इट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स इट इज और बाकी हमारा जो दूसरा चैनल है केजी कोडिंग कोडिंग प्रशांत सर वहां पे आप जाके टेक्नोलॉजीज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं माई मेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ओके एडवांटेज क्या है एक एक करके चल डाय साइज एंड मेमोरी एफिशियंट मेमोरी मेमोरी डायनेमिक साइज मतलब रन टाइम पे क्या किसी नोड को इंसर्ट या डिलीट कराया जा बाद में इधर हमको एक स्पेस मिला। तो क्या करना है एक पॉइंटर चेंज कर दो दिस पॉइंटर विल पॉइंटिंग टू दिस नोड एंड दिस पॉइंटर विल पॉइंटिंग टू दिस नोट येलो हो गया इंसर्शन किसी नोड को डिलीट करना है कोई बड़ी बात नहीं है जस्ट बाईपास सर्जरी वैसे हार्ट ट्रांस बाईपास करते ऐसे देखो यहाँ बाईपास कर दिया इंसर्शन डिलीशन करना बहुत आसान है जितना डेटा चाहिए उतना ही एक्वायर करो रन टाइम पर जब भी डेटा चाहिए काइंड kind ऑफ of कभी ओवरफ्लो होगा नहीं सिंबोलिकली जरूर हो सकता है बिकॉज सोचो लिंकलेस इंसर्शन में ओवरफ्लो कब होगा जब सिस्टम की ही मेमोरी काइंड ऑफ खाली हो जाए अब अभी सिस्टम की मेमोरी खाली होगी तो क्या आप करोगे क्या आप मैं करूंगा वरना क्योंकि नॉन घंटी कैसा लोकेशन है सिस्टम में कहीं पर भी स्पेस होगा तो उस स्पेस को वहीं से हम यूज कर पाएंगे एक पॉइंटर ही तो चाहिए पॉइंटर के थ्रू पहुंच जाएंगे तो ये सारी वर्सिटैलिटी हमें मिल गई अच्छा जैसे मैं भी आपसे एग्जाम्पल बोल रहा था इसका इस्तेमाल करके आप हेडर लिंकलेस सर्कुलर और अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं एरे थोड़ा सा यू नो स्ट्रिक्ट फॉर्म में लिंकलेस एकदम लिबरल फॉर्म है कहीं पर भी स्पेस एलोकेशन किया जा सकता है डिसएडवांटेजेस भी होंगे कंप्यूटर <coughs> साइंस में इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड स्पेस टाइम बचाओगे तो स्पेस जाएगा स्पेस बचाओगे तो टाइम जाएगा अब यहाँ पर काइंड kind ऑफ of हमने स्पेस बचाया है और इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बचने की कोशिश की अब यहाँ प्रॉब्लम देखो क्या है अगर मेरे को लास्ट नोड पे जाना है बोलो कैसे जाऊंगा कोई तरीका नहीं है सर लास्ट नोड का एड्रेस है सेकंड लास्ट के पास सेकंड लास्ट का एड्रेस है थर्ड लास्ट के पास एंड सो एंड सो फॉर यू मस्ट द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट एंड देन यू ट्रेवल वन बाय वन वन बाय वन ट्रेवल्स करके लास्ट तक जाएंगे तभी एक्सेस कर पाएंगे इमेजिन करिए लिस्ट व्हिच कंटेन 100 करोड़ नोट्स आधार कार्ड का जो डेटा बेस है लिस्ट के थ्रू होल्ड आपने कर लिया आप मुझे बोलो ये एलिमेंट फाइंड करके बताओ बस मैं तो स्टार्टिंग से शुरू करूंगा ट्रेवर्स करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा सो लिंक लिस्ट आर डैम स्लो बहुत ज्यादा स्लो है और टाइम तो इतना इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए बट अगेन फिर वही बात कहाँ इस्तेमाल करिए अगर डेटा सेट बहुत ज्यादा ना हो बार बार इंसर्शन डिलीशन हो रहा हो तो मे भी हमें लगे कि लिंक लिस्ट इज अ बेटर चॉइस क्योंकि अरे काम नहीं कर पाएगा मेमोरी ओवरहेड एक चीज की बात नहीं करे इमेजिन कर लेता हूँ मे बी करंटली ये यूजिंग सिस्टम और अ फोन विद लेट मी से फाइव हंड्रेड ट्वेल्व जी बी लैपटॉप की बात कर लेता हूँ फाइव हंड्रेड ट्वेल्व गीगा बाइट्स ऑफ हार्ड और इवन टेरा बाइट भी आजकल कॉमन है फाइव हंड्रेड एंड ट्व जी बी का सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है टू रेज टू पार नाइन इज फाइव हंड्रेड ट्वेल्व एंड गीगा मीन्स टू रेस बेसिकली टू रेज टू पार थर्टी सो एवरी एड्रेस विल बी ऑफ थर्टी बिट लॉन्ग मोटा मोटा मान के चले आठ बाइट लगभग पांच बाइट का एट बीट इज वन बाइट ना पांच बाइट का ये एड्रेस एड्रेस है तो जब हम बनाते है, छोटा बनाते हैं हैं हमेशा छोटा बट होल्ड करने में भी सर एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस वेस्ट होता है हो सकता है डेटा सिर्फ इंटीजर और दो बाइट का और एड्रेस होल्ड करके रखा हमने पांच बाइट का तो ये भी एक लिंकलिस्ट का डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यस yes? तो ये दो तीन आइडियाज है बाकी तो जब इन पर काम करेंगे जैसे एरे पे थोड़ा काम कर लिए अभी लिएंग्लिस पे काम करेंगे तो और अच्छी क्लैरिटी विद टाइम आपको होगी यहाँ देख लेते हैं एक बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक फाइव मार्क्स डिफरेंस भी काइंड kind ऑफ of बना के तैयार कर लिया है कैसे काम करेगा मेमोरी एलोकेशन एरे को तो कंटिग्यूस चाहिए नॉन कंटिग्यूस चाहिए साइज़ फिक्सड है डायनेमिक है रन टाइम पर ग्रो भी कर सकते हैं स्ट्रिंग भी कर सकते हैं इंसर्शन डिलीशन आसान है ऑर्डर ऑफ वन क्यों

लास्ट वन इज मेमोरी एफिशिएंसी अब अगेन दोनों का पॉइंट है एरे मेमोरी की एफिशिएंसी की टर्म्स में अच्छा है बट यहाँ पर मेमोरी एफिशिएंसी नहीं है है ना दोनों पॉइंट है कंटिन्यूस एलोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो वो एफिशिएंट नहीं है बट एक पॉइंटर जो वेस्टेज हो रहा है वो एक अलग कंसिडरेशन है तो दिस इज अ ट्रेड ऑफ नाउ वट वी आर गोइंग टू डू अभी हम जेंट्रेट करने वाले सूडो कोड या सी कोड पे बेसिकली कोड इच कोड इज एग्जीक्यूटेबल और जैसे जैसे रन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिंकलिस्ट का अंडरस्टैंडिंग सुधरता जाएगा देखिए लिंकलिस्ट पे ना थियोटिकली बात करना बहुत आसान है बट समय के साथ मैंने देखा है कि बच्चे को उस लेवल पे एक्चुअल क्लैरिटी आती नहीं है तो यहां पर थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन करना जरूरी है बट विद अगेन क्लैरिटी कि आई एम नॉट गोइंग इन टूट डेप्थ मैं सी नहीं पढ़ा रहा आपको पाइथन जावा नहीं पढ़ा रहा लेकिन आइडिया क्लियर होगा थोड़ा सा कोड वाला कंपोनेंट अगर देखते चलेंगे तो हेडर फाइल्स आपने इंक्लूड की ये नोड का स्ट्रक्चर आपने डिफाइन कर दिया मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है हम समझ गए डेटा है पॉइंटर है टू द नेक्स्ट नोड नाउ क्रिएटर नोड डायनामिक एलोकेशन किया एंड इफ एवरी इज फाइन तो हम मान रहे कि हमारे पास एक नया इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा जिसका ये पॉइंटर है न्यू नोड है ना जिसका एड्रेस जो है वो न्यू नोड नाम के पॉइंटर पे होगा एक बार चेक कर रहा हूं न्यू नोड तो अगर न्यू नोड नल हुआ तो ये हिट करेगा देन यू राइट मेमोरी एरर और बेसिकली यू एग्जिट जिस बात के होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि कही ना कही तो still, है क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्पेस मिल ही जाएगा बट स्टिल हमारी ड्यूटी है थियोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेकिन चेक करना चाहिए ओवरफ्लो ठीक है अब देखिए यहाँ पे दो काम क्या कर रहा है कह रहा न्यू नोड में डेटा रखो जो भी कुछ है फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा रखना था मैं डेटा का नाम डेटा ही रख देता हूँ ओके okay. अभी तो डिक्लेयर किया ना इनिशलाइज नहीं किया एंड न्यू नोड के नेक्स्ट में नल पॉइंटर अभी तो नया नोड बनाया है तो जस्ट यू हैव अ नल पॉइंटर एक नया नोड बन के तैयार हो गया और ये रिटर्न करो न्यू नोड ऑब्वियसली अगर कोई लिंक लिस्ट में इंसर्शन अटेम्प्ट करेगा तो वो इस फंक्शन को कोट कॉल करेगा क्रिएट न्यू नोड और वहां से नया नोड बन के पहुंचेगा देख लेते हैं अब जैसे यहां देखिए मेन फंक्शन है इसने एक नोड हेड एंड क्रिएट न्यू नोड एक लिंकलेस बनानी शुरू करिए बेसिकली और क्रिएट न्यू नोड में टेन कॉल किया तो होगा क्या एक नोड रिटर्न होगा जिसके अंदर डेटा वैल्यू है टेन और जिसका पॉइंटर है नल और अब हेड उसको पॉइंट करेगा हेड के अंदर आ गया ना न्यू नोड के पॉइंटर का वैल्यू तो बेसिकली लिस्ट में एक नोड आ गया फिर क्या कह रहा है ड के नेक्स्ट में फिर से एक नया नोड क्रिएट करो तो यू सी फिर से एक नया नोड क्रिएट होगा विद अ वैल्यू ट्वेंटी और हेड का नेक्स्ट जो अभी तक नल था अब ट्वेंटी को पॉइंट करने लगेगा यहीं से बैठ के खेल रहा है भाई हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट देखो इसका कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस इज हेड दिस इज हेड का नेक्स्ट और हेड के नेक्स्ट में फिर से एक नया नोड क्रिएट करना है <coughs> तो दिस इज लाइक थर्टी एंड ये पॉइंटर इधर

आगे बढ़ो इसका नेक्स्ट ये वाला नोट है इधर थ्री हंड्रेड लिखा होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया हेड व्हाट इज हेड हेड इज हंड्रेड हंड्रेड का नेक्स्ट हंड्रेड के नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है हंड्रेड के नेक्स्ट में लिखा है टू हंड्रेड अब क्या बोल रहा है जो भी नया नोट आया यू नो यहाँ पे टू वाले में उसका एड्रेस डालना पड़ेगा तो ये टू वाला देखिए इधर पॉइंट करने लगा भी लिखा हुआ है, वहां पे आप एड्रेस डाल दो तो उधर एड्रेस डालेंगे तो बेसिकली इस नोट को पॉइंट करने लगेगा। तो इस तरह का assumption, ये इस अंडरस्टैंडिंग से हम आगे बढ़ते हैं नाउ लुक एट दिस बहुत सारे बेसिक ऑपरेशन करेंगे लिंक, लिंक लिस्ट पर और काम करते देखते चलेंगे क्या हो रहा है ये

वैल्यू फिलहाल क्या की है हेड की वैल्यू है टेन फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है वैल्यू हो गई टेन चेक करो क्या करंट नल तो नहीं है नहीं करंट नल नहीं है करंट नल नहीं तो क्या करने का दो काम करना देखो पहला तो क्या कह रहा है करंट का डेटा प्रिंट करो अब देखो करंट क्या है करंट है टेन करंट का डेटा टेन के डेटा पे लिखा है ए तो ए प्रिंट होगा फिर कह रहा है करंट करंट वहां ट्वेंटी लिख दो तो बेसिकली करंट जो अभी तक टेन को पॉइंट कर रहा था करंट पॉइंट करेगा ट्वेंटी को करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट फिर वही बात क्या करंट नल हुआ नल नहीं हुआ करंट का डेटा प्रिंट करो तो बी प्रिंट होगा फिर अपडेट होगा सी प्रिंट होगा फिर अपडेट होगा डी प्रिंट होगा एंड दैट विल बी ऑल सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग वी आर ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट इन अ सिंपल लीनियर फैशन लीनियर ही कर सकते कुछ कर भी नहीं सकते एंड सिंपली वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं लुक एट दिस फंक्शन ये क्या कर रहा है ये देखिए ये भी लिस्ट ट्रेवर्स कर रहा है बट लुक एट दिस ब्यूटिफुल थिंग इट इज़ डूइंग मोर इंटरेस्टिंग इन जनरल कोई शुरुआत में बात नहीं करेगा बट पता होना चाहिए अगर एक छोटा सा आइडिया आपको करके दिखाऊं, लुक एट दिस फंक्शन का नाम ट्रेवर्स ही रख ऑब्वियसली ट्रेवर्स <coughs> आप कॉल करोगे स्टार्टिंग पे या कर और फंक्शन कॉल सिंगल वेरिएबल का है ना हाँ तो मान लीजिए मैंने उसको ए पे कॉल किया अब ऑब्वियसली नल तो नहीं है तो बाहर आ जाओ क्या करेगा ए प्रिंट करेगा वो ट्री वाला एनालिसिस रिकर्शन पकड़ना तो ट्री वाला तो प्रिंट करेगा ए और फिर से फंक्शन कॉल करेगा नेक्स्ट पे ए का नेक्स्ट मानो बी पे क्या ये नल हो जाएगा नहीं फिर से वही करेगा प्रिंट करेगा बी एंड अगेन कॉल करेगा करंट के नेक्स्ट पे करंट के नेक्स्ट पे प्रिंट करेगा करंट का डेटा कॉल करेगा करंट के नेक्स्ट पे सो दैट विल बी सी सी इधर करेगा और इधर कॉल करेगा नल पे और नल पे जैसे ही कॉल करेगा आप आ जाएंगे बाहर यू नल तो क्या प्रिंट होगा प्रिंट होगा एंड नल सो दैट इज हाउ यू कैन अ लिंक एबीसीस बोथ इटरेटिवली एंड बोथ रिकर्सिवली है ना एंड आई थिंक जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे बट धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा लिखा हुआ कोड पढ़ना अलग बात है कोड लिखना अलग बात है तो फिलहाल ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं कि हम कोड लिखें लेकिन अगर फंडामेंटल कोड लिखा हुआ है तो थोड़ी तो टेक्निकल डेफिनेशन होती है ना पढ़ा जा सकता है उसमें कोई बहुत अजीब बात नहीं ये देखिए क्या कर रहा है राइट सी स्टाइल सुडो फॉर सर्चिंग अ अ की इन लिंकलेस इटरेटिव फैशन में कोई वैल्यू कैसे चेक करते हैं लिंकलिस में ए बी सी डी और अगेन हेड है और की हमें चेक करना मान लो मैं सी वैल्यू लेके आया देखो क्या करना है सबसे पहले फिर ही एक बना। चाहिए भी को ही आगे क्यों नहीं लेके ले जा छूट जाएगी हमारे हाथ से हेड को कभी चेंज नहीं करेंगे एक्सेस कर नहीं पाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखो क्या हो रहा है इफ करंट का डेटा इज इक्वल्स टू की क्या करंट का डेटा की है नहीं मेरा की तो सी है ट्रेवर्स कर रहे, पहले कर रहे थे पहले प्रिंट करा रहे थे कंपेरिजन करेंगे क्या इस बार करंट का डेटा यानी कि बी इजल्स इज टू सी है नहीं इस बार भी नहीं है बाहर आ जाइए फाइनली करंट पहुंचा सी वाले नोट पर शायद यहाँ हिट कर रहा है

कोई भी नोड लिंक में ऐसा नहीं जिसके अंदर वो की आ रहा हो यस वेरी बेसिक ऑब्जर्वेशन यहां हम क्या कर रहे हैं अगेन kind of so, मैंने दोनों काम किए जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशन है ना इटरेटिवली रिकर्सिवली इटरेटिवली रिकर्सिवली दोनों तरह से करने की कोशिश की है सो ए बी सी डी फोर पॉइंटर्स वी हैव एंड अगेन इस बार मान लीजिए हम करंट से गेम स्टार्ट करते हैं इफ़ करंट इज इजिकल सुनल तो बाहर आ जाओ अगर डेटा मैच हो रहा है तो रिटर्न करो तो फॉर एग्जाम्पल अभी मान लेते हैं कि हमारा जो की है वो सी है और हमने फंक्शन कॉल किया सर्च रख लेते हैं फंक्शन का नाम ए वाले नोड पे तो हम लास्ट में आएंगे क्या कह रहा है और आ, हमें सर्च करना है सी कह रहा है फिर से कॉल करो तो कॉल करो इस बार करंट के नेक्स्ट पे तो मानो बी वाले नोड पे कॉल होगा और सर्च अभी भी सी करना है क्या बी वाला पॉइंटर नल है जी नहीं क्या वहां पर बीजिकल्स टू सी है जी नहीं फिर से कॉल होगा सी कॉमास सी पे इस बार मैच कर जाएगा करंट जिसको पॉइंट कर रहा है वहां की जो की है क्या वो की से मैच कर रहा है से मैच कर रहा है देर यू सी थोड़ा थोड़ा सिंपल सिंपल केस प्रैक्टिस करेंगे बट नाउ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कैसे सेम काम को इटरेटिवली और रिकर्सिवली किया जा सकता है फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं फॉर इंसर्टिंग अ की इन दटिंग ऑफ द लिस्ट एक नया नोट लिंक के शुरुआत में कैसे इंसर्ट करते हैं ये अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा आपके लिएड बता दिया uh, जिसके पास होगा ऑब्वियसलीस्ट का एड्रेस लेट मी कॉल्ड इट एच और एक की जो हमें इंसर्ट करना होगा ये देखो पुराना ऑब्जर्वेशन जो पहले सीख चुके हैं एक नया नोट इंसर्ट बनाएंगे डिक्लेयर करेंगे उसको इनिशलाइज किया की से और उसका पॉइंटर किसके पास है ये <coughs> न्यू नोड नाम का पॉइंटर जो उसका एड्रेस होल्ड करके बैठा है एंड दैट इज़ नौ स्टेप नंबर वन डेटा रख दो तो ये जो भी की या डेटा हमें रखना फॉर एग्जाम्पल यहाँ की रखना चाहिए कायदे से तो न्यू नोड के डेटा में लेट मी राइट की तो यहाँ पर हमने की रखा देन न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होगा जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है सो so, ये देखिए अभी ये नल को था अभी तक जो पहला नोड था अभी उसको भाई से पॉइंट करने लगेंगे एंड द लास्ट इज हेड के अंदर डाल दो न्यू नोड का वैल्यू तो हेड जो अभी इधर पॉइंट कर रहा था वो इधर आ जाएगा बेसिकली हमने एक नया नोड स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दिया नाउ हेड से इस नोड पे जाएंगे एंड देन वी कैन ट्रेवल्स हाउ विद ए वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग वी कैन इंसर्ट अ नोड एट द स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट ये क्या कर रहा है राइट एस टल कोड फॉर इंसर्टिंग के बाद में कैसे इंसर्ट करेंगे तो प्रीवियस नोड जो लोकेशन हमारे पास है पहले सोनी चाहिए अगर वो नल है तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसके बाद कैसे करे अगर वो नल नहीं है तो देखिए नया नोड क्रिएट किया डेटा से initialize कि और करना क्या है तो मैं ऐसे बोल दू कुछ इस तरह का केस है समथिंग लाइक दिस लेट मी से ये वो प्रीवियस नोड है जिसके बाद हमें इंसर्ट करना आप देखेगा क्या होगा न्यू नोड के नेक्स्ट में प्रीवियस नोड का नेक्स्ट तो अगर ये न्यू नोड है न्यू नोड के नेक्स्ट में प्रीवियस नोड का नेक्स्ट तो जो प्रीवियस नोड था उसका जो नेक्स्ट था न्यू का न्यू नोड का नेक्स्ट भी उसको पॉइंट करेगा एंड देन प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में क्यू नो न्यू नोड अब इस पॉइंटर को भी हटा दीजिए प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में न्यू नोड ये लीजिए हो गई बाईपास सर्जरी हो गया इंसर्ट कितना सिंपल है यार दो पॉइंटर चेंज करने हैं जो नया नोड होगा उसके नेक्स्ट को इधर एसोसिएट कर दो पहले करना जरूरी वरना लिंक ब्रेक हो जाएगा और फिर जो पुराना पॉइंटर था अब उसको बहुत संभाल के चेंज करोगे दो काम करने के का ऑर्डर में और नया नोड आपका हो गया इंसर्ट आफ्टर नाउ व्हाट इज डूइंग डिलीशन आ नोट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट तो तो वैसे इतना आसान है दिस इज हेड हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट बात खत्म तो हालांकि कुछ प्रॉपर तरह से बेस केस चेक करेंगे पहले देख लेते हैं क्यू एम टी तो नहीं है सॉरी लिंकलिस्ट एम टी तो नहीं एम होगी तो फिर क्या आप करोगे क्या मैं करूंगा अगर ऐसा नहीं है तो यू सी एक पॉइंटर बनाया और थोड़ा कायदे से करेंगे ना उस काम को टेम्प्रेरी पकड़ के रख लिया एंड वो जो मैं बोल रहा था हेड हेड इज इक्वल टू नेक्स्ट अब हेड डायरेक्टली अगले नोट को पॉइंट करने लगेगा और ये थोड़ा प्रॉपर से कहीं भी कचरा नहीं फेंकना उसको संभाल के वापस ले आओ तो टेम्प अब जिसको पॉइंट कर रहा उसको फ्री कर लो ताकि दोबारा यूज हो सके और लिंक लिस्ट कायदे से नेक्स्ट नोट से शुरू होने लगी तो मान लो कि जो पहला नोट था वो हमने डिलीट कर लिया तो स्टार्टिंग से इंसर्ट करना किसी नोट के बाद इंसर्ट करना स्टार्टिंग में डिलीट करना और अगला क्या होगा किसी नोट के बाद डिलीट करना ये भी बहुत आसान है आप खुद से इमेजिन करो धीरे धीरे कुछ से सूडो कोड लिख सकते हो आप हम मान लीजिए अगर ये लोकेशन है लेट मी से दिस इज एलओसी जिसके बाद डिलीट करना क्या करूंगा लोकेशन

जब चाहे इंसर्ट करो जब चाहे डिलीट करो जहां चाहे करो आगे पीछे जैसे भी और बस थोड़ा सा हमें पॉइंटर पे पकड़ बनानी पड़ेगी बच्चों को जो थोड़ा बहुत डर लगता है वो एग्जीक्यूशन से लगता है कि पॉइंटर पे हमने काम नहीं किया या प्रोग्रामिंग का आइडिया थोड़ा टफ लगा रहा है, तो इसलिए होना हो रहा है वैसे समझाना अगर हो समझना अगर हो तो गेम बहुत आसान है लिंक लिस्ट का ये क्या कह रहा है ओ माई गॉड रिवर्सल ऑफ अ लिंकलेस इटरेटिवली अभी ये तो मैं स्ट, स्टेप बाय स्टेप आपको रन करके दिखाऊंगा बिकॉज रिवर्सल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड रिकर्शन का पता नहीं ट्रेशन के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जा सकता है तो यू हैव अ पॉइंटर कॉल्ड हेड अब देखिए तीन पॉइंटर इनिशियलाइज किए हैं यहाँ कुछ डेटा रख लो ए बी सी एंड डी ध्यान से देखिएगा प्रीवियस करंट एंड नल प्रीवियस को इनिशिएट किया है नल से तो ये कोई प्रीवियस नाम का पॉइंटर है इसको निशलाइज कर दिया नल से करंट जो अभी पॉइंट कर रहा है हेड को यानी कि फर्स्ट नोड को और एक और है मे बी नेक्स्ट नाम का पॉइंटर जिसको अगेन इनिशलाइज किया नल से गेम शुरू होता है मैं वाइल लुक के अंदर जाता हूँ वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नहीं करंट तो अभी नल नहीं है सर गेम आगे चलेगा तो क्या करना है नेक्स्ट में डालो करंट का नेक्स्ट तो यार देखो करंट अभी एक को पॉइंट कर रहा है तो नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा इनिशलाइज कर रहा है वो आगे चलेगा तो नेक्स्ट अगले नोड को पॉइंट करने लगा करंट के नेक्स्ट में डालो प्रीवियस ओह माय गॉड करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस फिलहाल क्या है नल करंट का नेक्स्ट फिलहाल इधर पॉइंट कर रहा है तो अगर इसको नल रखना है तो बेसिकली ये नल हो गया करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस प्रीवियस की वैल्यू नल है तो ये भी नल हो गया एंड देन प्रीवियस इज इक्वल्स टू करंट प्रीवियस जो भी देख इधर बैठा हुआ था उसको लेके आ गए करंट के पास करंट इज इक्वल स्टेप आगे बढ़ रहे करंट भी एक स्टेप आगे आ गया तो करंट आ गया नेक्स्ट के पास एक iteration फिर से देख रहे हैं क्या अभी गेम नल हो गया नहीं नल नहीं हुआ फिर वो ही करिए नेक्स्ट जाएगा एक स्टेप आगे तो नेक्स्ट आ गया इधर करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस अभी एको पॉइंट कर रहा है और यहां से आपको लिंकलेस रिवर्स होती हुई दिखेगी समथिंग लाइक दिस करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस

और करंट चला जाएगा नेक्स्ट के पास आई थिंक लास्ट रिट्रेशन में हम हैं क्या अभी नल है नहीं अभी भी नल नहीं है तो क्या करें बताइए फिर वही बात करंट इज इकल्स टू करंट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट इज टू करंट का नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो है हमारा बेसिकली वो फिलहाल नल हो गया करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस सो दिस विल स्टार्ट पॉइंटिंग बैकवर्ड और फिर दोनों के एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट प्रीवियस आ गया करंट के पास और करंट भी पहुंच गया नल पे एंड नाउ यू कैन चेक द फाइनल वैल्यू क्या फिलहाल करंट नल हो गया हाँ जी नल हो गया बाहर आ जाइए हेड में डाल दीजिए प्रीवियस तो प्रीवियस फिलहाल डी को पॉइंट कर रहा है डे यू सी नयाड बन गया जरा चेक तो करो लिंकलिश कैसे चलेगी पहले नोट रेस हमेशा कौन बताता हैड बताता है तो हेड आया डी के पास डी के नेक्स्ट में सी सी के नेक्स्ट में डी बी के नेक्स्ट में ए एंड देना तो लिंक रिवर्स हो गई बहुत शानदार कोड है इनिशलाइजेशन तीन स्टेप की प्रोसेस है एक स्टेप का अपडेशन है और फाइनली हेड को आपको चेंज करना है तो कितने शानदार तरह से एक सिंपल लीनियर लिस्ट को आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या कर लिया रिवर्स कर लिया वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन नाउ वट आई वॉन्ट की ये मैं कोड लिख के लाया हूँ ऑब्वियसली मवर्क बिकॉज पूरा केस थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आइडिया इज सेम सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं वी आर अटेमसल देखेंगे हालांकि तो कोई बहुत अजीब बात नहीं है ये पूरा गेम है यहाँ पे जब हेड के नेक्स्ट में कॉल करेंगे और ये इटरेटिव फैशन में सॉरी रिकर्सिव फैशन में लिंकलिस्ट को रिवर्स करेगा गोइंग फॉरवर्ड इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में गेट में कभी कभी सेमेस्टर्स में पूछे जा सकते हैं सो दे यू हैव अ लिंक लिस्ट एक कोड आपके सामने लिखा है पूछ रहा है बताओ क्या करना है आइए ट्राई करते हैं ये समझाने के लिए बस कि ये सॉल्वेबल है इसे डर नहीं लगना ये तो स्ट्रक्चर बता दिया फंक्शन का नाम लिखा है कह रहा है रीअरेंज करो कर लेंगे दो पॉइंटर डिक्लेयर किए इनिशलाइज नहीं किए एक का नाम रखा है पी एक का नाम रखा है क्यू और ये शायद लिस्ट और लिस्ट के नेक्स्ट की बात कर रहा है तो इसका जो एड्रेस है वो लिस्ट के पास है एक टेम्परे वेरिएबल और हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया वो है temp. क्या है है? या list का next null है? तो सर ना तो लिस्ट का नेक्स्ट नल है क्योंकि दोनों तो में से कोई भी नल नहीं तो आगे बढ़ना है यानी कि अगर लिंक लिस्ट खाली होती या लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड होता तो शायद रीअरेंज का कोई मतलब नहीं था सीधे हम बाहर आ जाते अभी ऐसा नहीं है

पी हाँ, होल्ड कर रहा है सर पी नल नहीं अगर पी होल्ड कर रहा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगा वरना सेकंड चलता है फिलहाल तो फर्स्ट चलेगा तो क्यू में डाल दो पी का नेक्स्ट क्यू में डाल दो पी का नेक्स्ट तो क्यू आ गया इधर बेसिकली दोनों पॉइंटर जम्प करके आगे आ गए आ और अगर पहली ट्रेशन आप समझ गए तो इस बार क्या होगा यहाँ फोर यहाँ थ्री आ जाएगा फिर से दोनों जम्प करेंगे नाउ दिस इज पी दिस इज क्यू इधर सिक्स इधर फाइव आ जाएगा फिर से दोनों जम्प करेंगे Now, P, Q, क्योंकि हो जाएगा, तो दिस तो पी so, तो अपनी प्लेस इज रहेगा एंड दैट बिकम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक गेट नेट समथिंग लाइक दिस ये तो बहुत फंडामेंटल आइडिया और ये कॉन्फिडेंस कि हाँ इस तरह की बात अगर कोई हमसे करे

एबीसीडी फोर एलिमेंट्स वी हैव और क्या कह रहा है कह रहा लास्ट को फ्रंट में लेके आना है तो बेसिकली दो चीजें हैं या तो पहले से बताए फंक्शन क्या है यहां पर पहले से बता नहीं रहा पहले से बता रहा है फंक्शन क्या है और कुछ ना कुछ फिलिंद द ब्लैक कर देगा है ना तो ये फिल इंद ब्लैंक वाला ही केस है चार ऑप्शन भी हमारे पास है पहले से बता रहा है लास्ट नोट फ्रंट में आ जाएगा अब कैसे आएगा मूव टू द फ्रंट नाम भी ठीक रखा है स्ट्रक्चर ठीक बता दिया दो पॉइंटर डिक्लेयर किए पी एंड क्यू Head obviously first node को को कर रहा होगा और Q को अभी भाई ने इनिशियलाइज नहीं किया है आगे बढ़िए क्या कह रहा है तो करेगा को और क्यू डिक्लेयर्ड है बट इनिशियलाइज कर दिया गया है नल से ओके नाउ लुक एट दिस वाइल लूप वाई पी का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल क्यू जा रहा है पी के जगह और आप देख रहे हैं पी जा रहा है पी का नेक्स्ट तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे बढ़ रहे दोनों वैल्यू तो जब तक ये लूप कंप्लीट होगा यू कैन इमेजिन क्या हो चुका होगा पी जाएगा एक स्टेप आगे क्यू आएगा पी के जगह और जब तक पी का नेक्स्ट ले तब तक चलते जाना है फर्दर पी जाएगा एक स्टेप आगे Q आएगा P की जगह फर्दर P जाएगा एक स्टेप आगे Q आएगा P की जगह इसके आगे जाना है क्या नहीं P का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल नल फिलहाल P का नेक्स्ट है यहीं रुक जाओ तो इतना जो कोड हमने रन कर लिया ना इस कोड का सिर्फ एक काम था क्योंकि लास्ट नोड को आगे लेके आना है तो उसको होल्ड करना था तो P और Q दो पॉइंटर आगे आ गए जहां पर P के पास है लास्ट नोड का एड्रेस और Q के पास है सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस अब तीन फ्लिंदा ब्लैंक है पॉइंट ये भी होता है ना कभी कभी बात सिर्फ ऑपरेशन करने की नहीं है बात ये भी कि किस ऑर्डर में ऑपरेशन किया जाए तो नोटिस करिए मैं ऑप्शन भी पढ़ लूंगा बट करना क्या क्या हैड को तो बाद में मूव करेंगे सबसे पहले समझना है कि ये क्यू का नेक्स्ट तो नल होना चाहिए क्योंकि अगर ये नोट स्टार्टिंग में जाएगा ये नल होना चाहिए और ये जो पी का नेक्स्ट है ये पॉइंट करना चाहिए हेड को और हेड पॉइंट करना चाहिए डी को तो सबसे पहले आपने क्या किया अगर मैं ऑप्शन ए देखूं कह रहा है क्यू को नल कर दो क्यू के क्यू जिसको पॉइंट कर रहा है क्यू के अंदर नल रख दे अरे क्यू के अंदर नहीं नल रखना भाई क्यों के नेक्स्ट में नल रखना है इसको बाहर कर दो बी क्या कह रहा है क्यू के नेक्स्ट में नल रखेंगे हेड में डाल दीजिए पी का वैल्यू हेड आगे जाएगा गलत है जल्दबाजी कर रहा है पहले नेक्स्ट अपडेट करना पड़ेगा हेड में डाल देते हैं पी का वैल्यू आई थिंक डी विल मेक सेंस यहां देखिए के नेक्स्ट में नल रखा Q के नेक्स्ट में रखा स्टेप बाय स्टेप अब लास्ट नोड को पहले कनेक्ट करेगा देखो पी का नेक्स्ट पी अभी डी है पी का नेक्स्ट विल बी पॉइंटिंग टू द हेड ये हेड को पॉइंट किया और अब अपडेट करो ना आ, कैसे अपडेट करोगे सर हेड में डाल दो पी का वैल्यू तो हेड में डाल दोगे पी का वैल्यू तो हेड किसको पॉइंट करेगा हेड डी को पॉइंट करेगा तो अब क्या होगा देखो लिंक हेड से चालू होगी डी डी से वाया ए एंड देन बी एंड देन सी एंड देन सी के बाद नल तो टेक्निकली डी अभी लास्ट नहीं डी बन गया फर्स्ट द लिस्ट एंड ओवर इट यस तो इस तरह के मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन बाई यो गुड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो एंड नाउ लेट मी डिस्कस समे एक पॉपुलर मॉडिफिकेशन है, है ना वाउ व्यूज नहीं होना बिल्कुल सिंपल लीनियर लिस्ट है नो चेंज एट ऑल चेंज क्या है यहां पर हम एक स्पेशल नोड लगाते हैं कॉल्ड द हेडर नोट लगा स्पेशल इट मे होल्ड सम मेटा डेटा इट मे होल्ड लाइक इंफॉर्मेशन की टोटल लिंक में कितने समथिंग लाइक दिस सो इफ आई हेडर लिंक इज अ वेरिएशन ऑफ अ स्टैंडर्ड लिस्ट दैट अ स्पेशल द हेडर नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट हैड एंड नोट डज नॉट एनी एक्चुअल डेटा तो मान लीजिए ये जिस भी बारे में होल्ड कर रहा है उसका कोई लेना इट्स लाइक इंजन इसमें रियल पैसेंजर्स नहीं बैठते बट इट्स सर्व एज ए फिक्स रेफरेंस पॉइंट एंड सिंप्लीफाइज ऑपरेशन लाइक इंसर्शन डिलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट वो भी बात में आप समझोगे कि जैसे मान लीजिए लिंकलिस्ट एम टी है तो मुझे नल करना पड़ता है अब नल का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हेडर नोड है तो अब समझो स्टार्टिंग कम से कम हेड को तो पॉइंट करेगा ही करेगा वो कहीं नहीं जाने वाला अगर नोड नहीं भी है तो उस तरह के जो जेनरिक ऑपरेशन है उनको हेडर लिस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है द देडर नोड इज ऑलवेज प्रेजेंट वही मैं बोल रहा हूँ अगर लिंक लिस्ट खाली भी होगी तो वो हमेशा आपको मिलेगा

आगे जाके हम क्यू वगैरह पढ़ेंगे सर्कुलर अंडरस्टैंड की सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर्कुलर लिस्ट एक और अच्छी बात इसके अंदर क्या है हम बोल रहे हैं नल 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 देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नल का इंप्लीमेंटेशन बहुत क्रूशल हो सकता है कभी कभी हाउ डू वी इम्प्लीमेंट नल इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो इस तरह के एग्जाम्पल में अच्छी बात क्या होती है यू डोंट एक्चुअली नीड अ नल पॉइंट नल का ही है ही नहीं हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड ऑफ द लिस्ट अगर हम दोबारा से फर्स्ट नोट पर आ गए तो ये नल्सम इंडिपेंडेंस देता है जिससे इन सर्टन केसेज हमें एडवांटेज मिल जाता है तो ये एक वेरिएशन हो गया सर्कुलर लिस्ट का सो सिंगली लिंक लिस्ट कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर वही जो मैं बोल रहा था ना क्यू और सर्कुलर क्यूज आगे जाके आप देखेंगे उसको आसानी से हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पा रहे होते हैं

आगे जा रहा था, head point कर रहा था, था कर को, yes, जब तक दोबारा हेड पे नहीं आ रहा इसका हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अगर दोबारा हेड पे आ गया first of the list, तो इसका मतलब ट्रेवल्स कर चुके हैं बाहर आ जाइए सो so, यहाँ पर आप देख रहे हैं मुझे नल के साथ कंपेरिजन नहीं करना पड़ा अगर सर्कुलर क्यू है तो <coughs> तो ये एक एडवांटेज मिलता है एंड नाउ वट यू कैन डू लॉजिकली समझना ज्यादा जरूरी है अगर पूछेगा तो रिक्वायर्ड की आप यू you नो know, एक शॉर्ट नोट दो नंबर चार नंबर पांच नंबर में लिखो व्हाट नाउ सर्कुलर हेडर दोनों का एडवांटेज मिला दिया तो यहाँ पर मेरे पास एक भी होगा टू yes. दोट तो नल से भी मेरा पीछा छूट गया मेटा डेटा भी मैं रख सकता हूँ एम टी क्यू वगैरह वाले को भी मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा एंड अ सपोर्टिव कोड यू कैन गो थ्रू इट एंड आइडेंटिफाई कि जब भी वाइल से बाहर आना है अगेन यू सी नॉट इक्वल टू द हेडर मुझे प्रॉब्लम नहीं है मैं बहुत आसानी से इस काम को कर पाता हूं. जब भी करना होगा से नहीं करेंगे, के, से करेंगे. तो और linkless, दोनों का एडवांटेज क्लियर कट हम यहाँ पे एक साथ यूज कर सकते हैं देर आर अदर मॉडिफिकेशन ऑल्सो एंड वन लिंक लिंकलिस के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है सर क्या उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये लिंक लिस्ट को रिलेटिवली बहुत स्लो बना देता है एक और इश्यू है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आपको बात समझ आएगी लिंक लिस्ट ना काफी अनरिलाएबल है सोचो इस बात को हम ऐसा ऐसा करके आगे बढ़ रहे हैं भगवान ना करे बीच में अगर कभी कोई पॉइंटर गड़बड़ हो गया तो क्या आप इसके आगे की लिस्ट कभी एक्सेस कर पाओगे

तो पूरी लिस्ट मान के चलो आगे गड़बड़ होगी आप दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते अब इस प्रॉब्लम को मैनेज करने का तरीका क्या है यू हैव बोथ पॉइंटर्स तो हर नोड पे आप देखिए से भी इस लिंक कर सकता है like नुकसान क्या है ऑब्वियसली यू हैव टू पॉइंटर्स लेकिन फायदा क्या है जब आप पॉइंटर्स के साथ खेलना शुरू करोगे ना आपको मजा ही आ जाएगा अब क्योंकि आप लिंक लिस्ट आगे पीछे दोनों तरह से एक्सेस कर सकते हो तो कहीं से बैठ के कुछ भी ऑपरेशन किया जा सकता है इंसर्शन डिलीशन इज वेरी इजी आप मुझे बोलोगे सर 20 वाले नोट से पहले इंसर्ट करो मैं कर सकता हूं 20 वाले नोट के बाद में इंसर्ट करो मैं कर सकता हूं इसी नोट को डिलीट करो मैं कर सकता हूं इसकी आगे डिलीट करो उसके पहले जैसे चाहे वैसे ऑपरेशन किया जा सकता है जस्ट यू नो हाउ टू प्ले विद द पॉइंटर फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए दिस इज अ पॉइंटर पी के प्रीवियस के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट रखो दिस इज अस पी के नेक्स्ट के प्रीवियस में पी का प्रीवियस रखो दिस इज ये लीजिए पी पे बैठ के पी को डिलीट कर दिया लाइक दिस उसी तरह पी पे बैठ के अगले को पिछले को जैसे चाहे मैनेज किया जा सकता है बट अगेन एज फार एस राइटिंग अट नोटिस कंसर्न आई थिंक यू गेट द आइडिया रिलायबिलिटी बेटर है ट्रिवर्सल बेटर है इन डिलीशन आर मच मोर फ्लेक्सीबल एंड कैन बी डन इन एनी डायरेक्शन पॉसिबल पेनल्टी क्या लगी थोड़ा सा पॉइंटर्स और सोफेस्टिकेटेड हो गए अगर मामला कच्चा होगा तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा और दूसरा आपको डेटा डबल स्टोर करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हर नोड पर एक नहीं दो एड्रेस होल्ड करने पड़ रहे हैं सो दिस इज़ अ आइडिया और ये मैंने अगेन सपोर्टिव कोड रखा है वट आई वॉन्ट यू दैट यू शुड गो थ्रू इट बाकी मैं बार बार याद दिला रहा हूँ जो भी कोड इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं उसका एकदम डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको नोट्स में मिल जाएगा एंड सेपरेट एक्जीक्यूटिव कॉपी का लिंक भी आपको मिलेगा सो so, स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं प्रीवियस और नेक्स्ट दो हमारे पास हो गए नोड हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं तो वी हैव हाँ अ डेटा एंड नल हम होल्ड कर रहे हैं तो तो है नल प्रीवियस और नेक्स्ट हम होल्ड कर रहे हैं उस पर हम काम कर पा रहे हैं और बिगनिंग में एंडिंग में कैसे कैसे एड्रेस होल्ड किया जा सकता है वो सारा ऑब्जर्वेशन हमारे पास ट्रेवर्स आप एक ही डायरेक्शन में कर सकते हो सर्च वाला आइडिया बिल्कुल सिंपल होगा डिलीशन स्टार्टिंग डिलीशन एट द एंडिंग देखिए अंडरस्टैंडिंग में सारी डिस्कस कर रहा हूँ बट आई एम सिंह की मैं बहुत अंदर नहीं जाना चाह रहा आप में आपको जो जो भी पॉइंट ऑब्जर्व करना आप कर सकते हैं सिंपल लिस्ट में हमने एक एक कोड एक्सप्लेन किया था एंड देन वट डू वी हैव वट डू वी हैव इज अ डिलीट बाय पॉइंटर अगर हम किसी पॉइंट पर तो उसके आगे पीछे वही जो मैं बोल रहा था ना लोकेशन के प्रीवियस के नेक्स्ट पे लोकेशन का नेक्स्ट लोकेशन नेक्स्ट के प्रीवियस पे लोकेशन का प्रीवियस दिस थिंग वी कैन डू एंड दीज आर सम ऑफ द समलूजन्स जो इंपॉर्टेंट तरह से हम लेके आते हैं किससे फ्रॉम द डब्ल्यू <coughs> so header, header लिंकलिसब्लिस सकते हो तो अभी तक ये मान के दो तो जितने भी एडवांटेजेस हमने पड़े उन सबको अगर एक जगह मर्ज कर देंगे तो दैट इजर सर्कुलर डब्ल्यू लिंकलिस इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द एन्मेंट है है ना कि कहां पर कौन सा सूट करेगा एग्जाम पॉइंट आई थिंक अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें है कि किसी भी पॉइंट व्यू पे एक-एक दो दो नंबर के नोट्स या पांच नंबर का पॉइंट आप लिख के आ सकते हो एग्जीक्यूशन वाइज इफ यू टू गो इन टू तो कोड भी आपके पास है उस पर आप फर्दर काम कर सकते हो दर अगेन अ क्वेश्चन इफ यू कैन ट्राई क्वेश्चन ऑन डबली लिंक है ना? Code, करेंगे, तो क्या होगा बट आई एम थिंक रिवर्सल ऑफ द लिंकलिस डब्बू लिंकलिस को रिवर्स कर रहा है तो चलिए अभी बात करते हैं पोलिनॉमियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंकलिस तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बहुत छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है लॉजिक uh, क्या है कि अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास है जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो विद एग्जाम्पल समझना बहुत आसान है विच इज लाइक थ्री एक्स का पार फोर प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट समथिंग लाइक दिस तो इसको हम अगर चाहें तो विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट एक डिफरेंट स्टाइल का नोड बना के डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन कितने वेरिएबल का फंक्शन है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो लुक एट दिस नोड अब यहां पर हमने तीन कंपोनेंट रख लिए सो वी हैव अ यानी कि थ्री है एट है सिक्स है वी हैव एक्सपोनेंट यानी कि एक्स का पावर कितना है एंड देन ऑब्वियसली लिंक फॉर द नेक्स्ट नोड तो अगर आप वन बाय वन कोरिलेट करें देखिए कैसे एग्जांपल से बात समझ आ रही है सो फर्स्ट केस में थ्री का पावर मल्टीप्लीकेशन uh, जो कॉफिशियंट है वो थ्री है x का पावर गया फोर में एंड दैट विल बी ऑल लिंक टू द नेक्स्ट नोट अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x का पावर थ्री वाला कोई नहीं है सो डायरेक्टली हुई x का पावर टू कॉफिशियंट हो गया एट आगे बढ़ गए नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे 6 हमारे पास है x का पावर वन ओनली एक्स इट मीन एक्स का पावर वन वी हैव का पावर वन एंड यहाँ पर इस बात का मतलब क्या x का पावर जीरो है ना सो दे यू है एट एंड जीरो इस तरह से किसी भी कॉफिशियन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी पॉलिनामियल को अच्छा ये जो एग्जाम्पल आपके सामने लुक एट दिस दिस इज एग्जाम्पल जहाँ पे फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल का है फंक्शन दो वेरिएबल तीन वेरिएबल का भी हो सकता है तो उसमें भी जो स्ट्रक्चर है वो पहले से डिस्कस uh, करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है फॉर एग्जाम्पल कॉफिशियंट यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हम सबसे बाद में रखेंगे कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है एंड देन एक्स का पावर वाई का पावर जेड का पावर तो सोचिए अगर पहला टर्म रिप्रेजेंट करना है तो कॉफिशियंट सबसे बाद में रखेंगे

केस को किसी भी तरह आइडिया को बहुत आसानी से हम रिप्रेजेंट कर, तो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट आई होप दैट आइडिया इज क्लियर अच्छा एक छोटा सा लॉजिक हो सकता है सपोज इफ़ यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल एडिशन यूजिंग अ लिस्ट तो आप अगेन कोई छोटा सा केस इमेजिन कर सकते हैं मान लीजिए मेरे पास है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन दिस इज वन पोलिनोमियल एंड सपोज कोई और ले, ले लेता हूँ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस थ्री अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगेन कॉफिशियंट पहले लिख सकते हैं सो थ्री एंड टू एंड देन आगे बढ़ा इधर कॉफिशियंट क्या है टू एक्स का पावर वन एंड दे वी हैव अ लिंक आगे बढ़े और इधर क्या है दिस इज लाइक कॉफिशियंट इज वन एक्स का पावर जीरो एंड देन वील हैव अ नल पॉइंटर इसको रिप्रेजेंट कर लो सर कॉफिशियंट इज फाइव एक्स का पावर टू एंड देयर इज अ लिंक कॉफिशियंट इज वन एक्स का पावर वन एंड लिंक कॉफिशियंट इज थ्री एक्स का पावर जीरो एंड देन यू हैव अ नल पॉइंटर है ना अभी एडिशन करना मतलब सेम पावर वाले लोगों को ऐड करना है तो यहाँ पे देखें हम क्या कर सकते हैं मतलब यू कैन इमेजिन अ डिटेल एलगोरादेम आई एम नॉट डिटेल बट हम पावर मैच कर रहे हैं दोनों का पावर सेम है यहाँ सेम एक पॉइंटर यहाँ से आगे बढ़ रहा है एक लठमी से इसका नाम है पी लेटमिस का नाम है क्यों हम दोनों का पावर मैच कर रहे हैं सेम हो रहा है तो उनका जो कॉफिशियंट है उसको हम ऐड कर सकते हैं तो बेसिकली किसी भी एक को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ या एक नया लिंकलियस हम बना सकते हैं तो यू हैव अ एट एंड देन टू फिर आगे बढ़िए इधर देखेंगे तो वन आ रहा है और इधर भी देखेंगे तो वन आ रहा है तो यू कैन गो फर्दर दोनों वन वाला है यू कैन अगेन चेक टू एंड थ्री सो ऑब्वियसली यहाँ पर थ्री वन हो जाएगा और यहाँ पर भी जीरो जीरो है तो दिस कैन बिकम फोर तो दैट इज़ फोर जीरो एंड नल तो क्या रिजल्ट आएगा विल बी एट एक्स स्क्स प्लस दिस अगर जो हमारा पोलिनोम लिंकलिस में, में तो कैसे एक दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते आइडिया था और अगेन आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल बट कहीं कहीं मैंने देखा कि लिंकलिस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो यू कैन वर्क ओवर इट अब क्योंकि लिंक लिस्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर है है ना और दो जो एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर थे मैं आपसे बोल रहा था कौन कौन सा एरे एज फार एज सॉरी एरे एंड लिंक लिस्ट उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग हमें हो गया है तो नाउ वी आर वेरी मच रेडी फॉर द स्टैक एंड द क्यू पार्ट यस नाउ स्टैक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक सभी को पता है जिनको नहीं पता नाउ लुक एट दिस दिस इज अ काइंड ऑफ आइडिया जो स्टैक को सिमुलेट कर रहा है इंसर्शन डिलीशन एक ही एंड से करेंगे डेटा आइटम का सो दिस दिस इज काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन इंसर्ट आप इधर से कर रहे हैं अगर आपको डिलीट करना इधर से करना है तो आप ऐसे समझो एक तरह से अगर एरे को हम रेस्ट्रिक्ट कर दें एरे केस में तो हम बोल रहे हैं ना कहीं से भी कैसे भी इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं अगर एरे को रेस्ट्रिक्ट कर दें और एक ही साइड से सिर्फ इंसर्शन या डिलीशन अलाउ किया जाए तो वो जो डेटा स्ट्रक्चर या वो जो लॉजिक डेवलप होगा दैट इज नॉन एन स्टैग मैं हमेशा बोलता हूँ स्टैक है लिंकिस है दीज आर नॉट लाइक डेटा स्ट्रक्चर दीज आर आइडियाज। अब आप उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करते हो वो अलग बात है फिर सोचते हैं रियल लाइफ में आपने कहीं स्टैक देखा है क्या न लुक एट दिस ये टिफिन ऐसा या कैसरोल हो सकता है कभी ना कभी आपने यूज किया नहीं तो करेंगे लाइफ में सो दे यू सी अगर लास्ट वाले डब्बे तक पहुंचना क्या ना रीज दिस डब्बा डायरेक्टली नहीं इसको हटाने के लिए इसके ऊपर वाला देन ऊपर वाला देन ऊपर वाला देन सबसे पहले इस पूरी हिरारिकी में इस पूरे स्टैक में कौन गया था ये नीचे वाला गया था सबसे बाद में ऊपर आएगा लुक एट दिस मैगजीन नीचे स्प्रिंग है मैगजीन अब ये जो बुलेट आपको नजर आ रही है पुश ऊपर से किया गया था तो ये बुलेट सबसे पहले अंदर गई थी बट सबसे बाद में बुलेट बाहर आने वाली है तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्टैक का मैकेनिज्म हो सकता है कभी घर पे आपको यू you नो know, Uh, क्या बोलते हैं ड्राई करने की जरूरत पड़ी हो क्लोथ्स को तो ये भी एक तरह का स्टैक ही है यू पुटा क्लोथ एंड क्लोथ एंड क्लोथ एंड क्लोथ और जो सबसे पहले कपड़ा रखेंगे वो सबसे बाद में बाहर आता है तो जितने भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर कोट कर रहे हैं ये सब के सब किस आइडिया को फॉलो करते है? तो हैं द आइडिया ऑफ स्टैक तो अगर इसको थोड़ा सा बहुत टेक्निकली पढ़े तो क्या बोलता हूँ मैं लुक एट दिस एंड स्टैक इज अ नॉन प्रिमेटिवियसली दिस इज नॉट प्रिमेटिव अ नॉन प्रिमेटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अब एडवांटेज क्या है क्योंकि हम ये सब बेसिक बेसिक टर्म्स देख चुके हैं ना तो इसका मतलब पता है तो स्टैक इज अ नॉन प्रिमेटिव लेनियर डेटा स्ट्रक्चर इट इज अर्डर्ड लिस्ट इन विच एडिशन ऑफ अ न्यू डेटा आइटम एंड डिलीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम इज डन ओनली फ्रॉम वन एंड नॉन अ स्टॉप ऑफ द स्टैक सो लुक एट दिस एक एरे जिसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तीन तरफ यहां पे मान लीजिए सिक्योरिटी या कोई कुछ नहीं कर सकता इंसर्शन भी इधर से ही होगा और टॉकिंग द स्टैक टर्मोलॉजी इंसर्शन को इंसर्शन ना बोल के बोलते पुश करना तो पुश भी इधर से होगा डिलीशन को डिलीशन ना बोल के बोलते पॉप करना पॉप भी इधर से होगा तो जब पुश और पॉप एक ही तरफ से किया जाए तो उस एरे को हम स्टैक के बुला रहे होंगे यस एंड वट इज टॉप ऑफ द स्टैक Top of the stack टॉप ऑफ द which इज अ पॉइंटर to the element which is at the top. For example, मान लेते this is like A B C D ये current scenario है तो टी ओ एस या किसको कर रहा It is always pointing to D. कुछ basic principles हैं जो धीरे धीरे काम करते करते मन सीख जाएंगे जैसे मैं आपसे पूछू बताओ इस stack में D के नीचे कौन सा element है तो आप बोलेंगे सर D के नीचे सही है मैं बोलूँगा गलत बोल रहे हो Actually हमें नहीं पता क्योंकि स्टैक में एक ही एलिमेंट है जो एक्सेसिबल है जो रीडेबल है जो सबसे ऊपर है उसके नीचे क्या उसके नीचे क्या हमको नहीं पता है तो टॉप ऑफ द एलिमेंट इज डी जो आएगा डी के ऊपर आएगा अगर मैं आपसे बोलूं पॉप करो ये मत पूछना क्या पॉप करना है क्या

to be removed from the first and the element which is inserted first will be last to be removed basic idea ye kya do term bante hain last in first out jaise queue mein hota hai fifo first in first out last in last out yahan hota hai lifo ya filo last in first out ya first in last out ye do basic baat Already बात कर चुका हूँ कि जो most accessible element होगा stack का वो वो एलिमेंट होगा जो स्टैक के टॉप में आपको नजर आ रहा है और लीस्ट एलिमेंट कौन होगा जो बॉटम में है ट्वेंटी वेरी ओके देन कह रहा है पॉप करना, okay. करना, okay. करना है अभी क्या पॉप करना है सर जो ऊपर होगा वही पॉप होगा तो ट्वेंटी बाहर आ गया देर्दर आई थिंक बैक टू बैक दो पुश और करना है सो यू हैव टेन एंड देन यू हैव ट्वेंटी कोई दिक्कत नहीं है फिर बैक टू बैक तीन पॉप कभी होंगे तो आई थिंक ट्वेंटी आएगा फिर टेन आएगा फिर टेन आएगा वही पॉप किया लाइक like दिस आपसे पूछ रहा है द सीक्वेंस ऑफ द वैल्यू पॉप डाउट इज तो सिक्वेंस इज लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी छोटा सा केस ट्राई किया है इस सेमेस्टर में पूछा है भाई जस्ट टू गेट द आइडिया की बच्चों को इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कि नहीं है क्वेश्चन देखा सिंपल केस में पूछ लेते हैं जस्ट टू गेट द आइडिया अब सोचो ना अगर कोई नॉन सी एस आई टी वाला उसको क्या पता तो क्लैरिटी हो गई ना इस क्वेश्चन से ना लॉजिक तो समझ आ गया इस्तेमाल कहाँ करेंगे सो so, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल कोट किए एक्सप्रेसिंग पार्सिंग पार्सिंग में तो बहुत कम आता है वे डिटेल में नहीं जा रही ब्रैकेट अगर चार ओपन ब्रैकेट है चार क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे या अगर आपको टी का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पी डी वगैरह में जहाँ भी स्टोरेज यूज़ करना है यूज़ स्टैक ओनली देन ब्रैकेटिंग की बात होगी फंक्शन कॉल ओ माई गॉड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल ऐसे ही होता है अगर एक फंक्शन कॉल है लेट मी से जैसे फंक्शन मेन उसने कॉल किया एफ वन को और एफ वन ने कॉल किया एफ टू और टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट एक फंक्शन है मेरे को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कॉस्ट कैलकुलेट होती है एरिया के बेस पे एरिया कैलकुलेट होता है लटमी से रेडियस के बेस पे तो डायरेक्ट कॉल कैलकुलेट कर लेंगे क्या नहीं पहले रेडियस कैलकुलेट होगा रेडियस के बेस पे एरिया कैलकुलेट होगा तब कहीं जाके कॉस्ट कैलकुलेट होगी तो ये ऐसे यू नो फंक्शन कॉल या एक्टिवेशन रिकॉर्ड का जो पूरा मैकेनिज्म है स्टैक उसे बहुत अच्छे सपोर्ट करता है तो फंक्शन कॉल आर टोटली हैंडल्ड बाय स्टैक अंडू फीचर

कि पहले और बाद में पाओ जो सबसे पहले आएगा वो सबसे बाद में प्रोसेस होगा या जो सबसे बाद में आया था वो सबसे पहले प्रोसेस होगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसका मतलब आप स्टैक की तरह काम कर रहे हैं अब एक आइडिया हो सकता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन वट इज दिस वेयर दे इज एन एरे एक एरे का इस्तेमाल करके हम स्टैक की तरह बिहेव कर रहे हैं और लॉजिक सेम है कि एरे हमारे पास है बट जब भी इंसर्शन डिलीशन हम कुछ भी अटेम्प्ट करेंगे एक्सक्यूज <coughs> मी तो वो आ, एरे के इंडेक्स का यूज करके करेंगे इनका भी एग्जैक्ट प्रोग्राम हम ऑब्जर्व करेंगे इसको हम बोलेंगे स्टैटिक स्टार्टिकटेशन और एरे के बारे में क्योंकि बात कर चुके हैं तो जो रेस्ट्रिक्शन या जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो एरे के थे वो स्टैक पे भी आ जाएंगे एक हो सकता है लुक एट दिस डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन लाइक अभी हमने लिंक डिटेल में नहीं पढ़ा बट बेसिक आइडिया तो है डेर यू इम्प्लीमेंट स्टैक विद द हेल्प ऑफ अ सपोज आई से

इट इज अ स्टैक। अगर इंसर्शन डिलीशन डिफरेंट एंड से किए जाए इंसर्शन शुरू से डिलीशन बाद से या डिलीशन शुरू से इंसर्शन बाद से देन इट इज़ अ क्यू अभी क्यू की बात नहीं करता अभी अपने आपको यहाँ कन्फाइन रखते हैं यस yes. सो so, अगर हम एरे इम्प्लीमेंटेशन की बात करें इसका एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कोड तो पूछ ही सकते हैं नो डाउट कोड भी ऑब्जर्व करेंगे आइडिया इम्पोर्टेंट एक बार पुश कैसे करते हैं नोटिस करिएगा क्योंकि ये अगेन जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था अगर आइडिया समझ आया तो फिर कोड भी समझ आएगा वरना फिर कोड रटना पड़ेगा सो so, मैंने स्टैक एज्यूम कर लिया डिफॉल्ट केस में मान के चलते हैं सबसे पहले जीरो होगा इंडेक्स देन वन देन टू देन थ्री एंड देन फोर एंड फाइव एस स्टैंड फॉर स्टैक एन इज द साइज ऑफ द स्टैक और यहाँ पर जीरो से लेकर फाइव तक गया तो कितना हो गया सिक्स टॉप ऑफ द स्टैक मान लीजिए पॉइंटर जो रिप्रेजेंट करता है अगेन टी ओ एस जिस हम बोल रहा था टॉप ऑफ द स्टैक फिलहाल इसका नाम ऐसे कर लो ए बी सी तो तीन एलिमेंट अगर हैं तो टॉप ऑफ दू को तो उसका इफ टॉप ऑफ द स्टैक इज इक्वल्स टू एन माइनस वन देखिये जब भी पुश करना है इंसर्शन करना है हमेशा ओवरफ्लो चेक करना है जगह है भी कि नहीं ऐसा थोड़ी कसम खाली इंसर्ट करके ही आएंगे तो आप मुझे बताओ अगर ये स्टैक पूरा भरा हुआ होता तो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक अब इसका नाम टीओपी कर दिया ओके okay, <coughs> जो अभी इंडेक्स नंबर टू को पॉइंट कर रहा है अगर ये पूरा भरा हुआ होता तो किसको पॉइंट करता सोचो सर उस केस में इंडेक्स नंबर फाइव को पॉइंट करता अगर पूरा भरा होता तो वही तो चेक कर रहे हैं अगर टॉप ऑफ द स्टैक साइज माइनस 1 यानी कि 6 1 5 5 ये डबल इक्वल टू इट डजंट मींस एन असाइनमेंट इट्स अ कंपैरिजन ओवरफ्लो एग्जिट बाहर आ जाओ फिलहाल तो ऐसा नहीं है क्योंकि फिलहाल टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है टू को तो ठीक है अब क्या करें दो काम करना पहले पॉइंटर को ऊपर लेके जाएंगे जगह बनाएंगे फिर इंसर्ट करेंगे सी टॉप ऑफ द स्टैक इज टीओपी इज इक्वल टू टीओपी प्लस वन तो अब बोलो टीओपी किसको पॉइंट करने लगेगा अब ये पॉइंट करेगा इंडेक्स नंबर थ्री को एंड देन स्टैक के टॉप में एलिमेंट इंसर्ट करो अभी क्या करना अभी हो तो गया बाहर आ जाओ एग्जिट एज सिंपल एज दैट तो दो तीन बातें ध्यान रखनी है इंसर्शन करना था पहले ओवरफ्लो चेक करना था ओवरफ्लो का कंडीशन साइज एन है लेकिन क्योंकि इंडेक्सिंग मैंने जीरो से शुरू किया तो ऑब्वियसली मैं एन माइनस वन तक जा सकता हूँ अगर ऑलरेडी वहीं पे हूँ तो इट्स एन ओवरफ्लो उसके बाद पॉइंटर पहले इंक्रीमेंट किया वैल्यू इंसर्ट की बाहर आ गए स्टार्टिंग इंप्लीमेंटेशन एरे की बात कर रहे हैं अगर सेम आइडिया यूज करें पॉप करने के लिए तो फिलहाल जीरो सॉरी दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा इसको तो पूरा ही हटा देते हैं इंडेक्सिंग हम कहाँ से चालू कर रहे हैं जीरो से ना यस सो लुक एट एंड एंड बेस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस वन से तो स्टैक हमारे पास है साइज हमारे पास है जो कि एन है टॉप ऑफ द सेम फिलहाल इंडेक्स नंबर टू को पॉइंट कर रहा है और हमें डिलीट करना है यानी कि पॉप करना है पॉप करते हुए जब भी डिलीट करेंगे पॉप करेंगे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में क्या चेक करेंगे डेटा है भी कि नहीं अगर खाली होगा तो कैसे पॉप करें सो इफ टॉप इज टू टू माइनस वन फिलहाल माइनस वन है क्या नहीं फिलहाल तो इंडेक्स नंबर टू को पॉइंट कर रहा है डेटा है डिलीट करने के लिए फेर एनअ तो अगर ऐसा है अगर माइनस वन को पॉइंट करता देन इट इट्स एन खाली होता तो क्या बोलते हैं अंडर फ्लो इट्स एन अंडर फ्लो एग्जिट बट ऑब्वियसली इज नॉट देयर तो यू से वर्ड अब यहां पे देखो डिलीट डायरेक्ट नहीं कर सकते वरना डिलीट किया क्यों होगा किसी को चाहिए होगा ना डेटा तो हम क्या कर रहे हैं एक वेरिएबल वाई में पहले सेव कर ले रहे हैं रिटर्न क्या करना है तो स्टैक टॉप की जो भी वैल्यू सेव कर लो स्टैक टॉप में क्या लिखा हुआ है टू सी लिखा हुआ है तो सी काइंड ऑफ वाई में चला गया अब टेंशन नहीं है अब टॉप इज इजिकल्स टू टॉप माइनस वन और टॉप इज इजिकल्स टू टॉप माइनस वन किया तो टॉप इंडेक्स नंबर वन को पॉइंट करेगा नाउ यू रिटर्न वाई जो यहाँ पर होल्ड करके रखा एग्जिट कुछ लोग हो सकता है सोचे सर ये डिलीट नहीं किया इसको तो वाई में कॉपी किया आप वन पे आ गए देखिए डिलीट करने का सबसे अच्छा तरीका है इग्नोर करना किसी को आप अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहते हैं दिस लॉजिक कैन बी यू नो अप्लाइड इन मल्टीपल कॉन्टेक्स तो डिलीट के जान से मारेंगे क्या बस इग्नोर कर दीजिए भूल जाइए और आप भूल गए समझो गया बंदा या बंदी यस सो so, इस बात को ध्यान से ऑब्जर्व करो यहां भी जो मैं दिखा रहा हूँ खाली है खाली है क्या हो सकता है गार्बेज वैल्यू पड़ा अपने को क्या पता है तो डिलीट करना मतलब कंसिडरेशन छोड़ देना आई एम ट्रीटिंग कल को मुझे कुछ इंसर्ट करना होगा मैं इसी के ऊपर इंसर्ट कर दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है यस तो ये आइडिया हुआ इम्प्लीमेंटेशन का पॉप का अगर कोई सूडो कोड फंक्शन लिखने के लिए आपसे बोले स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटेशन तो आप कर सकते हैं अब यहां पर थोड़ा सा कोड वाला सेक्शन मैंने लिख के रखा है और इस सेक्शन को बाद में लिंक आपको मिलेगा उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं है ना आपको चाहिए तो बाकी नोट्स में तो सारी चीज है ही है सो so, सबसे पहले अगर हम एरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एरे हमने डिक्लेयर किया स्ट्रक्चर एक बना रहे हैं एक एरे हमारे पास है जो भी साइज आप बता देंगे और एक पॉइंटर हमारे पास है एक सिंपल इंटीजर वैल्यू डोंट नीड अ पॉइंटर एक्चुअली एक सिंपल इंटीजर वैल्यू है जो डिफाइन करेगा टॉप ऑफ द स्टैक और ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया जिसका नाम हमने रख दिया स्टैक सो दैट बाद में जब भी एक नया स्टैक बनाना पड़े पूरी डेफिनेशन हमारी पहले से हमारे पास हो ये मैं ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मान के चल रहा हूँ कि स्टैक स्ट्रक्चर वगैरह का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है अदरवाइज यू नो के कोडिंग जो हमारा प्रोग्रामिंग वाला चैनल है गो टू दिस आपको इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग हर लैंग्वेज का टेक्नोलॉजी का आपको मिल जाएगा नाउ इनिशियलाइज कैसे करेंगे तो मैंने आपको बताया डिफॉल्ट केस में हम इंडेक्सिंग जीरो से शुरू करते हैं तो इनिशियलाइज कहाँ से करिए माइनस वन से तो इनिशियलाइज कर दिए स्टैक टॉप की वैल्यू फिलहाल क्या कर दी वही पॉइंटर लेके हम यहां पर आ गए आगे बढ़ते हैं के फंक्शन होने चाहिए तो लुक एट दिस जब भी डिलीट करना जा, जाना चाहते हैं तो पहले चेक करते हैं एम टी तो नहीं और एम टी है कि नहीं कैसे पता करते हैं कि अगर स्टैक टॉप की वैल्यू माइनस वन है इसका मतलब एम टी है तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा <laughs>

स्टैक टॉप की जो भी वैल्यू है लेट मी से हमारे केस में 2 थी प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा थ्री एंड स्टैक ऑफ या एरे ऑफ थ्री में आइटम हमने इंसर्ट कर दी तो दो काम करते हैं ना पहले पॉइंटर इंक्रीमेंट करते हैं फिर इंसर्ट करते हैं दोनों काम एक ही स्टेप में कर दिया काइंड ऑफ स्मार्ट करने की कोशिश है बट आइडिया सिंपल है सिमिलरली यही चीज अगर हमें पॉप लिखना हो भी एग्जैक्टली exactly तो कैसे लिखेंगे वहां पे वहां पे जैसे फुल चेक किया यहाँ पे एम चेक करेंगे एम कैसे चेक कर रहे हैं हमको पता है कि वो माइनस वन से मैच करेगा और बाहर आ जाएंगे अदरवाइज अब यहाँ देखो पह, यहाँ पोस्ट क्यों किया क्योंकि पह, यहाँ दो काम करते हैं ना पहले वैल्यू सेव करते हैं रिटर्न क्या करना देन पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं तो ए ऑफ टॉप में जो भी वैल्यू है पहले वो रिटर्न के लिए चली जाएगी एंड देन टॉप की वैल्यू को एक कम करेंगे क्योंकि पॉइंटर एक नीचे आ जाएगा तो दोनों का एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास हो गया एंड दिस इज लाइक द मेन फंक्शन इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्टूडियो डॉट लाइब्रेरी हमने ले लिया इनपुट आउटपुट कुछ किया नहीं लिखने की जरूरत नहीं है डिफाइन मैक्स साइज हंड्रेड ले लिया बिकॉज स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन का साइज आपको पहले बताना पड़ेगा फिलहाल हंड्रेड मान लेते हैं मेन फंक्शन एक स्टैक डिक्लेयर किया एस इनिशियलाइज फंक्शन कॉल किया और बाकी मैंने बीच में खाली छोड़ दिया लास्ट में रिटर्न जीरो आपको जितने भी पुश या पॉप करना यूजिंग दो फंक्शन आप कर सकते हैं सेम आइडिया अगर हम लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करें स्टैक वाला आइडिया ये देखिए ये आपके सेमेस्टर में पूछ सकते हैं

तो यहाँ पे ओवरफ्लो कभी होगा इस टैग के केस में सो so, ओवरफ्लो तो तभी हो सकता है जब पूरा सिस्टम ही ओवरफ्लो कर दे कहीं पर भी मेमोरी होगी तो उठाकर ला के दे देंगे तो प्रैक्टिकली दर इज नो नीड टू चेक ओवरफ्लो इफ ए स्टैक इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ लिंक प्लेस नाउ हाउ डू यू पुश पहले एक नया नोट एक नया पॉइंटर नोट डिक्लेयर करना पड़ेगा मैलॉक यूज करके हमने डिक्लेयर किया इफ न्यू नोट इज इक्वल्स टू नल जो कि नॉर्मली नहीं होगा आपको कोई ना कोड मिल ही जाएगा नोट मिल जाएगा अगर नल होगा तो ये से ओवरफ्लो अगर नल नहीं है तो क्या करना है देखिए अब इमेजिन करिए ये एक स्टैक है जो काइंड kind ऑफ of पहले से इम्प्लीमेंटेड है ये एक स्टैक है जिसमें फिलहाल एबीसी। अब इंसर्शन देखते हैं कहाँ होता है तो जो भी नया नोड आपने बनाया कह रहा नोड के डेटा में आइटम रखो लेट मी राइट आइटम दैन नोड के डेटा का जो नेक्स्ट है वो स्टैक के टॉप को पॉइंट करेगा मान लीजिए टॉप अधर इधर पॉइंट कर रहा है

लिस्ट एक बेसिक टूल है एक बार वो आपको समझ आएगा ना अगले प्रोसेस में तो ये सारे इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाएंगे फिलहाल टॉप इसको पॉइंट कर रहा है तो देखो इसने क्या किया एक टेम्परे पॉइंटर बनाया टेम्प को पॉइंट करेगा देन इन पॉप्ड डेटा जो भी डेटा है टेम्प का वो इधर रख लेते हैं तो पॉप डेटा शॉर्ट में लिख दो पॉप डेटा जो बाहर लेके जाएंगे इसको सेव कर लिया देन स्टैक टॉप इज इक्वल टू स्टैक टॉप का नेक्स्ट तो अब

अगर ये मेंटेशन भी थोड़ी समझ में मुश्किल हो रही है यू कैन ऑलवेज गो टू द लिंकलेस पार्ट फर्स्ट जहां पे डिटेल में मैंने डिस्कस किया देन यू कैन कैन कम बैक टू इट या जो हमारा कोडिंग वाला चैनल उस पर जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन समझेंगे तो थोड़ी और आसानी होगी आपको इस बात को समझने में कुछ और पॉपुलर फंक्शन जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है मैंने लिख के रखे जो सेमेस्टर में देखे लाइक रिवर्स ऑफ अ लिंकलेस रिवर्स ऑफ अ यू नो स्ट्रिंग कोई स्ट्रिंग हमारे पास है रिवर्स करना है तो जस्ट टू टेल यू एक पॉइंटर चलाया क्या करने के लिए पुश करते सी तो डी तो आएगा, 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 आएगा एक लूप लगाया सिंपल सा एंड देन उसी को पॉप करके दोबारा स्टोर कर दो मजे के बात पॉप क्या होगा पॉप पहले डी होगा फिर सी होगा फिर बी होगा फिर ए होगा तो सर स्टैक ऑटोमेटिकली एक्स एज स्ट्रिंग रिवर्सर जो पुश होता है

कभी कभी मैंने देखा है समस्या में डायरेक्ट कोड पूछा हुआ है तो यू कैन गो थ्रू दैट पार्ट बट ऑब्वियसली कोड वाला पार्ट ऑप्शनल है अगर आप अभी सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं यू कैन स्किप कोड वाला पार्ट पूरे वीडियो के अंदर जहां भी मैं कोड वाला पार्ट डिस्कस करूफ यू वॉन्ट यू कैन स्किप इट कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आइडिया इज इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस लेटर जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं सी पाइथन सी प्लस प्लस जावा यूजिंग दैट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो चलिए सर अभी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और एक ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है जो कई बार मैंने में देखा है तो क्या क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए इफ द इनपुट सीक्वेंस इज वन टू थ्री फोर फाइव देन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टैक परम्यूटेशन द पॉसिबल पॉप सीक्वेंस और चार ऑप्शन हमारे पास है आइडिया क्या है इनपुट सीक्वेंस हमारे पास है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता तो कहने का मतलब क्या है पहले वन आएगा फिर टू आएगा फिर थ्री आएगा फिर फोर आएगा फिर फाइव आएगा दैट इज ऑलरेडी वी नो है ना दैट इज फिक्स क्या चेंज कर सकते कि पॉप कब करना आपका जब मैंने तब पॉप कर लो अब सवाल क्या है थ्री फाइव फोर टू वन ये पॉप सीक्वेंस मिल सकता है क्या लेट मी ट्राई दिस फॉर एग्जाम्पल अब ऑब्बियसली सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए थ्री चाहिए ना तो डायरेक्ट थ्री पे मैं पहुंच नहीं सकता वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा और जैसे ही थ्री आएगा मैं उसे पॉप करूंगा देन मेरे को क्या चाहिए फाइव चाहिए तो फाइव डायरेक्ट नहीं मिल सकता तो मैं फोर को इनपुट करूंगा फिर फाइव आएगा और ये देखिए फाइव के आते हैं मैं पॉप करूंगा एंड नाउ यू कैन सी देन फोर आएगा एंड देन टू आएगा एंड देन वन आएगा यस सो दिस इज आइडिया इसका मतलब हंड्रेड एंड टेन परसेंट ये जो ऑप्शन ए में हमारे पौप, पास पॉप पास पॉप सीक्वेंस है ये पॉसिबल है बी वाला ट्राई करें पहले क्या चाहिए टू चाहिए तो वन आएगा टू आएगा पॉप किया फिर फोर चाहिए तो थ्री आएगा फोर आएगा पॉप किया एंड देन पॉप किया फाइव चाहिए तो फाइव आया उसको पॉप किया एंड देन नाउ अगेन इट सेंस थर्ड सी वाला ट्राई करते हैं ये देखिए कैसे काम करेगा फोर आया आई एम सॉरी फोर डायरेक्ट कैसे आ सकता वन आया टू आया थ्री आया फोर आया इनपुट सिक्वेंस सेम है थ्री फोर दो मेरे को मिला फाइव चाहिए तो फाइव आया एंड पॉप हो गया एंड देन वी हैव टू एंड वन तो ये तो सारे पॉसिबल लगता है यही वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कैसे पहला ही नंबर फाइव चाहिए मेरे हाथ में कोई खास फ्लेक्सिबिलिटी रही नहीं वाई बिकॉज अगर आपको पहला नंबर चाहिए फाइव तो ऑब्वियसली मेरे को वन टू थ्री फोर फाइव सभी इनपुट कराना पड़ेगा देन ओनली फाइव का आउटपुट पॉसिबल है फाइव आया पॉप किया फोर मिल गया थ्री मिल गया बट नाउ यू से कि पहले वन चाहिए फिर टू चाहिए ये पॉसिबल नहीं यहाँ पर पहले टू आएगा फिर वन आएगा नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल हम्म तो इस तरह केसेस आ सकते हैं कभी कभी मैंने देखा सीक्वेंस उल्टा कर देता so है सो इनस्टेड फाइव फोर थ्री टू वन दटरेंट आइडिया बट इनपुट सीक्वेंस फिक्स है पॉप जब चाहे तब कर सकते हैं आपको बताना पॉप सीक्वेंस पॉसिबल है कि नहीं तो फिलहाल आई थिंक आउट ऑफ एबीसी डी ए बी सी पॉसिबल है बट डी वाला पॉसिबल नहीं है यस yes, आगे बढ़ते हैं नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नोटेशन किसी भी को, अब हम के पे जाते हैं और कैसे इवेलुएट होते हैं उसमें स्टैक का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है बिफोर वी गो टू रिकर्शन एंड ऑल तो जरा इस पर ध्यान दीजिए तीन तरह के नोटेशन हमारे पास होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए ऑब्वियसली इनफिक्स प्रिफिक्स एंड इफ आई हैव बेसिक आइडिया है जैसा हमारे पास है हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ना दैट्स अ कॉमन सेंस आइडिया जो हम रियल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं लाइक इन फिक्स नोटेशन ना व्हाट डू वी मीन बाय दिस जो ऑपरेटर है वो बीच में होगा और ऑपरेंड एक पहले होगा एक बाद में होगा बेसिकली वैसे कुछ बात हुई नहीं बिकॉज दिस इज़ द कॉमन सेंस आइडिया विच वी ऑलवेज यूज़ इन रियल लाइफ हमेशा यही तो करते हैं भाई फॉर एग्जाम्पल थ्री प्लस फाइव कभी प्लस थ्री फाइव या थ्री फाइव प्लस तो लिखा नहीं हमने ऐसे लिखा है तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कॉमन सेंस एंड यू नो अंडरस्टैंडेबल अप्रोच जो रियल लाइफ में यूज होता है बट फिलहाल दो मिनट के लिए अभी आपको अजीब लगेगा बट ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसका क्या काम आता है वो बाद में देखेंगे द कुड बी एन आइडिया कॉल्ड परफिक्स नोटेशन दिस नोटेशन सेज इज कि ऑपरेटर आप पहले लिखे ऑपरेटर पहले लिखे एंड देन यू राइट द ऑपरेंट सो दिस इज लाइक अगर आपको ए प्लस बी लिखना है ना मतलब मतलब इसका वही है कि ए और बी की की दोनों वैल्यू को ऐड करना है बट हम बोल रहे तो पॉलिश नोटेशन भी बोलते, भी बोलते हैं आपको बताऊंगा या ही देता हूँ सो दिस इज इनका नाम है जैन तो ना आप खुद पढ़िएगा

कंप्यूटर जब भी कोई कैलकुलेशन करता है सॉल्व करता है सो so, कंप्यूटर so, यहां पर ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सो यू जस्ट गो थ्रू दिस आइडिया अच्छा पॉलिश नोटेशन कह रहे हैं प्रिफिक्स को सेमेस्टर वाले याद रखिएगा प्रिफिक्स को कह रहे हैं पॉलिश तो पोस्टफिक्स को क्या कहते हैं रिवर्स पॉलिश ऑल्सो कॉल्ड इट रिवर्स पॉलिश सो ट एनी एक्सप्रेशन अब ये क्यों है ये भी समझ आएगा थोड़ी देर के बाद बट कह रहे हैं सबसे सुटेबल है कंप्यूटर को ये अच्छा नहीं लग रहा है सर कंप्यूटर कह रहा है मेरे को ये अच्छा लग रहा है क्यों अभी आगे देखेंगे इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नोटेशन फॉर डिजाइनिंग ए एल यू फ्रू द कंप्यूटर यानी कि यू नो अक्रॉस द इंडस्ट्रीड से स्टैंडर्ड की कोई भी अगर एल बनाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट तो वो इस तरह की होगी जहां पर एक्सप्रेशन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जाता पहले उसको ये पोस्टफिक्स नोटेशन में रिवर्स पॉलिस नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नाउ एनी एक्सप्रेशन एंटर्ड इन टू द कंप्यूटर इस वो लिखा है पहले उसको कन्वर्ट करते हैं देन यूजिंग द स्टैक हम सॉल्व करते हैं अब स्टैक टैक यहाँ पे क्या है, से काम आता समझाता हूँ स्टैक का इस्तेमाल करके ही हम इनफिक्स को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट नंबर वन और एक बार जब नोटेशन प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में चला जाए तो स्टैक का इस्तेमाल करके ही इवेल्युएट भी किया जा सकता है अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ जो काम पोस्टफिक्स से किया जा सकता है वो काम प्रीफिक्स से भी किया जा सकता है बट हम करते नहीं है बिकॉज फॉर कंप्यूटर मोस्ट सुटेबल आइडिया पोस्टफिक्स तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलू नाइन ऑफ द टाइम दे मस्ट आस्क एंड दे इन जनरल आस्क क्वेश्चन ऑन पोस्टफिक्स कभी कभी प्रीफिक्स में पूछा जा सकता है तो एक आध एक्साम्पल हम प्रीफिक्स का भी करके चलेंगे वैसे पोस्टफिक्स इज द इंपॉर्टेंट थिंग अब ये एक एक्सप्रेशन आपके पास है दिस इज एन एक्सप्रेशन कन्वर्ट इट बोथ इनटू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों में कन्वर्ट करते हैं पूरा आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा एक और बात ज्यादातर केस में दे डू नॉट स्पेसिफाई यू कन्वर्ट इट यूजिंग स्टैक स्पेसिफाई नहीं करते तो पहले मैं सिंपल कॉमन तरह से आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ देन विल आल्सो यूज द मेथड ऑफ स्टैक की स्टैक का स्पेसिफिकली यूज करके कन्वर्ट कैसे करते हैं यस सो नाउ पहले मैं डायरेक्ट अटेम्प्ट करता हूं एक्सप्रेशन लंबा सा लिया है ताकि सारे पॉसिबल केस कवर हो जाए सो वट डू आई ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी

तो यू मस्ट स्टार्ट विद द मोस्ट हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर उससे शुरू करेंगे और मैं स्टैक का यूज नहीं कर रहा अभी डायरेक्ट कर रहे हैं तो बताओ इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है सर हाईएस्ट प्रायोरिटी तो पावर ऑपरेटर है बट विद प्रायोरिटी वी मस्ट आल्सो अनो एसोसिएटिविटी जैसे यहां पे आप देख रहे हैं दो पावर एक दूसरे के पड़ोसी हैं इस तरह के केस में कौन काम आता है एसोसिएटिविटी है ना जो बताता है किसको पहले करना है तो नॉर्मली एवरी ऑपरेटर एवरी ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट बट ये जो पावर है इसका एसोसिएटिविटी कैसे होता है राइट टू लेफ्ट

तो अब सबसे पहले पावर सॉल्व होगा और पावर में राइट वाला पहले सॉल्व होगा तो मुझे बताओ जब इतना पार्ट सॉल्व होगा सॉल्व होगा मानो कन्वर्ट होगा तो क्या होगा बताओ सर ये हो जाएगा ई एफ एंड पावर यही तो करना था राइट एसोसिएट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको मैं अंडरलाइन करके लिख देता हूं ताकि मैं भूलू ना कि इतना पार्ट में ये पार्ट में सॉल्व कर चुका हूं एंड बाकी अलगो स्टेप बाय स्टेप ताकि कहीं भी जल्दबाजी की वजह से पहला केस ट्राई कर रहा है कंफ्यूजन ना रहे

सो so, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा yes? part, C, ही आ गया। अब पावर सॉल्व हो चुका है अगला नंबर किसका आना चाहिए डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का दोनों की प्रायोरिटी एकदम सेम है एंड बोथ आर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटेड लेफ्ट में उसको सॉल्व कर लेते हैं तो जब मैं लेफ्ट से चलना शुरू करूंगा सो देर यू सी

बीसी स्टार राइट ऑपरेंट क्या होगा गौर करिए ये होगा डी ई एफ पावर पावर एंड देन वी हैव डिवीजन एंड दैट इज वन है यहां पर क्या होगा ए प्लस दिस एंड देन मल्टीप्लाई डी माइनस सी है ना तो ये देखिए हमने डिवीजन भी सॉल्व हमने कर दिया विदाउट एनी डाउट एनी कंफ्यूजन आगे बढ़ते हैं अब बताइए अगला काम क्या करना है सर ये स्टार सॉल्व होगा इफ यू अलाउ मी ये भी यही सॉल्व कर दूं ये चलो अगले स्टेप में कर लेता आई थिंक जगह है तो अब जब अगले स्टेप में करेंगे तो दिस एंटायर थिंग विल बिकम द फर्स्ट ऑपरेंट और लेफ्ट ऑपरेंट दिस इज राइट ऑपरेंट एन द दे स्टार तो क्या करूंगा बी सी स्टार डी ई एफ पावर पावर डिवीजन देन सेकेंड इज डी एंड इनका जो ऑपरेटर है मल्टीप्लाई एंड नाउ दिस विल बिहेव एज अ सिंगल यूनिट जल्दबाजी में कोई शैतानी का काम तो नहीं कर दिया नहीं आई थिंक परफेक्ट किया है तो दिस इज वन थिंग दिस इज सेकेंड थिंग ऑपरेटर आया बाद में एंड देन ए प्लस एंड देन माइनस सी अगला काम बताइए अभी दो ही ऑपरेटर बचे हैं प्लस एंड माइनस है ना एंड अगेन बोथ ऑफ देम आर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव तो पहले हमेशा कौन सॉल्व करेंगे लेफ्ट वाला तो पहले ये ए सॉल्व कर लेता हूं तो बोलो पहले क्या आएगा सर फर्स्ट ऑपरेंड ये है सेकंड ऑपरेंड ये पूरी कहानी है सो दिस इज लाइक बी सी स्टार डी ई एफ एंड देन पावर पावर एंड देन डिवीजन एंड देन डी एंड देन स्टार एंड देन आई कैन हैव प्लस एंड देन माइनस सी ना अगेन दिस थिंग इज द फर्स्ट ऑपरेंट दिस इज लास्ट ऑपरेंट एंड देन यू हैव ऑपरेटर तो आखिरी सॉल्व कर लेता हूँ सर सो दिस इज लाइक ये हमने अभी लास्ट स्टेप में ए सॉल्व किया ना हाँ ए सॉल्व किया तो हमने फर्स्ट ऑपरेंट एंड द सेकेंड ऑपरेंट D स्टार तक आया और ये प्लस आ गया ठीक है चल रहा है आगे बढ़िए अब ये आ गया सर, हमारा क्या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन तो एक कॉम्प्लेक्स केस लिया कोशिश की कि सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेटर हमारे पास आ जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और स्टेप बाय स्टेप हमने कन्वर्ट कर दिया पोस्टफिक्स में जैसे हर स्टेप में हमने पोस्टफिक्स किया है ऐसे हर स्टेप में हम प्रीफिक्स भी कर सकते हैं है ना तो प्रीफिक्स कैसे करेंगे नोटिस करिए मैं फिर से सेम एक्सप्रेशन लिखता हूँ थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए और अगर आपको एकदम बात समझ आ गई तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं ऑल्दो आई डोंट एडवाइज दैट बिकॉज जैसा मैं बोल रहा हूँ इन जनरल वी डोंट एक्सपेक्ट बट क्या पता कब कहा से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए Look at this. तो ये पूरा एक्सप्रेशन है फिर से शुरू करते हैं और जैसा मैंने बोल रहा हूँ इस बार प्रीफिक्स में करेंगे तो बताइए आउट ऑफ दिस ये आप जानते हैं पावर का जो प्रेसिडेंस है प्रायरिटी हाईएस्ट है लेकिन राइट एसोसिएटिव है तो पहला नंबर आएगा इसका ना सर ओके सो दिस इज लाइक ऑपरेटर ई एन एफ अच्छा एक और चीज एक चमत्कारिक चीज मुझ में याद आई कभी कभी मैंने सुना है कुछ बच्चे बोलते कि सर ये पोस्ट आया ना अगर इसका उठाकर रिवर्स लिख दे तो प्रिफिक्स हो जाएगा क्या ऐसा नहीं होता सर प्रिफिक्स का रिवर्स पोस्टफिक्स पोस्टफिक्स या पोस्ट का रिवर्स नहीं होता यू हैव टू सॉल्व इट अगेन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है यस ओके सो इतना कंपोनेंट हमने सॉल्व कर लिया बाकी पूरा एक्सप्रेशन रिमेन एज इट इज सो ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई सी डिवीजन डी एंड दिस थिंग एंड देन मल्टीप्लाई डी माइनस सी यस अगले स्टेप में ये सॉल्व होगा अगेन इसका ऑपरेटर कौन है पावर तो इस बार ऑपरेटर पहले आना है फर्स्ट ऑपरेंट इज डी एंड सेकेंड ऑपरेंट इज पावर ई एफ दिस वन प्लस मल्टीप्लाई सी डिविजन एंड मल्टीप्लाई डी माइनस सी इज अनदर आइडिया यस अभी आई थिंक पावर सॉल्व हो चुका है सारा तो अगला नंबर किसका है मल्टीप्लाई डिविजन का अगेन आप मुझे अलाउ करो उसको मैं डायरेक्ट यहीं रिप्लेस कर देता हूँ सो दिस इज लाइक स्टार बी सी हो जाएगा ना चेंज करके क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है सो लेट मी चेंज दिस एंड ओके ओके दिस इज गोइंग टू बिकम स्टार एंडके इतना पार्ट आ गया इसको हटा देता हूँ नीचे से फिर आगे बढ़ी अब बताइए अगला नंबर किसका है सो so, अगला नंबर है आई थिंक इस डिवीजन का है ना तो पहले आएगा ऑपरेटर दिस फिर आएगा फर्स्ट ऑपरेंट सो दिस इज स्टार बी सी एंड ऑपरेंट सो दिस इज लाइक पावर डी पावर एंड एंड ये पूरा पूरा का पूरा पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है वी वी हैव हैव प्लस मल्टीप्लाई डी माइनस सी पूरा कंपोनेंट समझ आया फिर आगे बढ़िए और मुझे बताइए अब तो अभी एक मल्टीप्लाई है ना सर तो पहला नंबर इसी का आएगा है। तो हैव दिस मल्टीप्लाई सो so, पहले ऑपरेटर देन पूरा फर्स्ट ऑपरेंट सो डिविजन स्टार बी सी पावर डी पावर ई एंड एफ ये फर्स्ट ऑपरेंट आ गया मल्टीप्लाई आ गया एंड देन वी हैव द सेकेंड ऑपरेंट और ये पूरा एक पार्ट अब हमारा हो गया और अभी बस दो ही चीज बची है एक बच्चा है प्लस और एक बच्चा है माइनस अगला नंबर दोनों का प्रायरिटी सेम है एंड दिस इज लेफ्ट एसोसिएटेड तो पहले नंबर आना चाहिए ए का सो फर्स्ट यू राइट द ऑपरेटर फर्स्ट ऑपरेंट विच इज एंड देन यू राइट द सेकेंड ऑपरेंट विच इज लाइक स्टार डिवीजन स्टार बी सी पावर डी पावर ई एफ एंड माइनस सी ये हुआ एंड नाउ सबसे लास्ट में पहले भी और बाद में भी क्योंकि प्रायरिटी तो सेम ही थी सबसे लास्ट में नंबर आएगा सब्सट्रैक्शन का तो अब सबसे आपको नजर आएगा माइनस एंड दिस थिंग नाउ सो दिस इज ए स्टार डिजन स्टार बी सी एंड पावर डी पावर ई एफ डी एंड माइनस सो फर्स्ट ऑपरेंट एंड सेकेंड ऑपर सबसे पहले सो देर इज हाउ स्टेप बाई स्टेप फैशन में मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स एक्साम्पल यूज किया यू कैन यूज द सिंपल वन एग्जाम में रिलेटिव सिंपल so ही आएगा यू कैन कन्वर्ट एनी इनफिक्स एक्सप्रेशन इन टू पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स और मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ ज्यादा पॉसिबिलिटीज़ बात की है कि क्वेश्चन पोस्ट फिक्स पे तो उस पर ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है अब ये तरीका एक तरीका है इसमें गलती होने के चांस हो सकते हैं है ना स्टेक का मेथड अभी भी नहीं बता रहा मैं अभी डिफरेंट मेथड बता रहा हूं जहां पे आई एल गो फॉर अ ट्री आप एक ट्री बनाओ एंड देन यूजिंग द सेम ट्री जब आप उसका ट्रेवर्सल करोगे वैसे ट्री में आगे जाके उसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे बट थोड़ा सा यूज करूंगा अगर ट्री का प्री ऑर्डर इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन मिलती है बोलना क्या चाह रहा हूँ ऑब्जर्व कराता हूँ इस स्लाइड को भी क्लियर कर रहा हूँ नाउ लुक एट दिस हम इसके लिए ना एक ट्री बनाएंगे ट्री कैसे बनाएंगे अच्छा ये माइनस भी हटा देता हूँ क्योंकि हमने पहले भी कंसिडर नहीं किया तो सोल्व ऐसी करिए प्रायरिटी के हिसाब से सबसे पहले हमने क्या सोल्व किया हमने सोल्व किया ई पावर

एंड देन यू हैव बी एंड सी तो मान लेते हैं ये भी सॉल्व हो गया देन व्हाट डू वी हैव हैव नाउ वी अ डिवीजन डिवीजन तो रख लेता ये मान लेते हैं कि ये पूरा पार्ट सॉल्व हो गया अब आखिरी में उस वाले मल्टीप्लाई का नंबर आएगा सो दिस इज लाइक मल्टीप्लाई डी ऐसे हो गया यहाँ तक की पूरी बात खत्म अगला नंबर किसका आना है आई थिंक प्लस का आना सो अभी तक अभी आपको मेरे ख्याल से पैटर्न भी समझ आने लगा होगा सो दिस इज लाइक ए प्लस दिस एंड देन फाइनली नंबर आएगा आखिरी वाले सी का सो दिस इज लाइक दिस तो इस तरह से देखिए बॉटम ऑफ फैशन में अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन हमने पूरा ट्री बना लिया अब इस ट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है और देखिए कैसे काम करता है कि अगर इस ट्री के ही हम अलग अलग ट्रेवर्सल करने ना तो हमें दोबारा नोटेशन मिलेगी जिसको टी का ट्री का ट्रेवर्सल नहीं आता आई अल से थोड़ा सा आगे आप जाओ ट्री वाले कंपोनेंट पे ट्रेवर्सल सीख के फिर वापस इधर आ जाना अदरवाइज अगर पहले से आता तो कोई दिक्कत नहीं है तो अब मैं इसके तीनों ट्रिवर्सल करता हूँ कौन कौन सा पहला करता हूँ प्रीफिक्स मैं नहीं बता रहा कि मैं कैसे कर रहा हूं मैं मान रहा हूँ कि हमें समझ आ रहा है तो uh, सबसे पहले करते हैं प्री तीनों होते हैं ना प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल इनऑर्डर ट्रिवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल तो पहले प्री कर लेते हैं सो दिस इज माइनस प्लस ए स्टार डिवीजन स्टार बी सी एंड पावर एंड देन डी एंड देन पावर एंड देन ई एंड एफ एंड देन यू गो यू हैव यू हैव डी ई एफ के बाद यू हैव डी एंड देन यू हैव सी नाउ दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल इन ऑर्डर करते हैं इन ऑर्डर पर और करिएगा यू हैव एंड एंड देन प्लस एंड देन यू गो एंड गो यू हैव बी स्टार सी एंड देन यू हैव डिवीजन and then यू हैव d पावर e पावर f मल्टीप्लाई d माइनस c अब इस पैटर्न को करने का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है ट्री मेथड से करेंगे ना इनफिक्स नोटेशन आप देखोगे आपका सेम एक्सप्रेशन वापस आना चाहिए एंड बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन वापस आया है अगर सेम एक्सप्रेशन वापस आ रहा है इसका मतलब हमारा ट्री बिल्कुल परफेक्ट बना कुछ गड़बड़ नहीं है तो इससे क्रॉस चेक भी हो जाता है एंड नाउ वी कैन है पोस्ट फिक्स नोटेशन जिसमें इसी ट्री का पोस्ट वाला रिवर्सल करेंगे so you have a and then b c star and then d e f power power division and then d star and plus and c and minus I hope जो पहले हमने calculate किया था prefix और postfix इससे match हो रहा होगा तो this is a must faster approach किसी के भी expression के लिए जल्दी से tree बनाओ और postfix बोला है तो post order traversal कर लो और prefix बोला है तो pre order traversal कर लो ये तो perfect तरह से काम करेगा

ये बनेगा लॉग का राइट चाइल्ड यस अब इस ट्री का जब आप प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे सो दिस इज लाइक लॉग फैक्टोरियल एक्स एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे सो लॉग एक्स फैक्टोरियल लॉग ऐसा कुछ आने वाला है विच इज नथिंग बट द प्रीफिक्स नोटेशन एंड विच इज नथिंग बट द पोस्ट फिक्स नोटेशन फॉर दिस इसको कभी भी आप डायरेक्ट पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा बट ट्री मैथड से ऑलवेज एंड ऑलवेज यू कैन आंसर आप कर सकते हैं अब एक आइडिया क्या है यू कैन ऑल्सो डू इट विद्प ऑफ अटैक है ना तो दिस इज ऑल्सो आइडिया दिस इज दर एलगोरिदम विच आई थिंक इज क्वाइट कन्फ्यूजिंग बच्चों को कन्फ्यूज करता है फिर भी मैं पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रहा हूँ यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एंड छोटा सा मैं एक स्क्रीन शॉट सोलूशन का भी लेके आऊँ जस्ट टू गिव एन आइडिया कैसे काम करता है वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है इसको बिकॉज दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट स्टिल मैं कोई भी चीज खाली नहीं छोड़ना चाहता तो बेसिकली आइडिया इज हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं एंड नाउ लुक एट दिस जैसे ही कोई ऑपरेटर आता है हम उसे स्टैक के अंदर पुश करते हैं इन डिफॉल्ट बोल रहा हूँ बीच में कुछ कुछ रेल्स रूल्स चेंज होंगे और जैसे कोई ऑपरेंड uh, आएगा हम उसको पोस्टफिक्स नोटेशन में लेके जाएंगे तो सबसे पहला है ओपन ब्रैकेट ये चला गया स्टैक के अंदर पोस्टफिक्स नोटेशन खाली है हमारा ओपन ब्रैकेट ही रहा बट क्योंकि वो ऑपरेंट है ऑपरेंट पोस्टफिक्स में जाता है तो ए इधर नजर आ रहा है अगला नंबर प्लस का था प्लस भी ऑपरेटर है तो ऑपरेटर इधर जाते हैं ऑपरेटर है गया स्टैक के अंदर में कोई चेंज नहीं देन यू हैव अगेन एन ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट सो ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट कोई इशू नहीं है अगेन इधर जाएगा ए एज इट इज देन वी हैव बी बी आया तो बी क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेंड है वो जाएगा स्टैक के अंदर तो दोनों पोजिशन होल्ड अपनी करके बैठे देन यू हैव मल्टीप्लाई एंड देन यू हैव मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यहाँ पे आया कोई इशू नहीं क्या ध्यान रखना है लेस प्रायोरिटी के ऊपर हाई प्रायोरिटी बैठ सकता है बट हाई प्रायोरिटी के ऊपर लो प्रायोरिटी नहीं बैठ सकता तो प्लस के ऊपर अगर मल्टीप्लाई रख रहे हैं नो इशू आगे बढ़ते हैं देन यू हैव सी अभी सी आएगा आपको पता है सी पोस्टफिक्स में जाएगा देन यू हैव प्लस प्लस हमने स्कैन किया और अब यहां पर देखेंगे जब हम स्टार के ऊपर प्लस लिखने की कोशिश करेंगे that will be a problem. तो उस में क्या है हाई प्रायरटी के ऊपर लो प्रायरिटी नहीं आ सकता तो यहां पर आपको क्या करना है इसको पॉप करना है एंड पुटेड इन टू दिस नोटेशन तो ये यह प्लस यहां रहेगा बट ये स्टार देखिए आपको पोस्टफिक्स में नजर आने लगा यस प्रोसीडिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वेल्यूज डी और जैसे ही डी आया डी अगेन आप जानते हैं ऑपरेंट है आगे बढ़ा गया देन यू हैव क्लोजिंग ब्रैकेट अब देखिए जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया है ना यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पूरा सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट ब्रैकेट का कुछ होना नहीं है बट येस yes, ये प्लस जो सॉल्व हुआ है वो काइंड ऑफ यहाँ शिफ्ट हो गया फिर आगे बढ़िए क्लोजिंग ब्रैकेट इज डन देन यू हैव डिवीजन अच्छा अगेन डिवीजन जब आएगा तो अंडरस्टैंड लो के ऊपर हाई बैठ सकता है कोई इशू नहीं है देन यू हैव ई E आया ई e अगेन आगे चला गया नॉट एश्यू एंड देन यू हैव अ क्लोजिंग ब्राकेट अब देखिए जैसे ही क्लोजिंग ब्राकेट आएगा तो अब दोनों सॉल्व हो जाएंगे पहले डिविजन पॉप होगा तो वह आगे जाएगा फिर प्लस पॉप होगा तो उसके बाद आएगा एंड नाउ दिस इज द पोस्ट फिक्स नोटेशन है ना तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट स्कैन होगा जब भी ऑपरेटर आएगा स्टैक के अंदर जाएगा जब भी ऑपरेंट आएगा पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर जाएगा लो के ऊपर हाई प्रायोरिटी रह सकता है हाई प्रायोरिटी के ऊपर लो प्रायोरिटी नहीं रह सकता और दूसरा ये पैटर्न आपने देख लिया ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट जहां पर मिलेगा उसके अंदर जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा यूजिंग दिस आइडिया यू कैन डू अगर एग्जाम में स्पेसिफाई करता है बाय द यूज ऑफ स्टैक ओनली अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व करो इसको करने की कोई जरूरत नहीं यस yes, एक और एग्जाम्पल है आपके लिए तो यू कैन टेक अ स्क्रीन एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राइड बाई योर यस ठीक है दिस इज ऑल्सो सेम थिंग अब अगली बात करते हैं दैट इज इवेल्यूशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन तो आइडिया क्या है अभी हमने सिर्फ कन्वर्ट किया प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में इजेंटेड अब जब कन्वर्ट कर लिए एक्सप्रेशन को तो सॉल्व कैसे होता है सर वो सॉल्व भी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ए स्टैक तो आप समझते हैं अगर एक्सप्रेशन ऑलरेडी पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में लिखा हुआ है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं हम बोल रहे हैं ना कंप्यूटर को सॉल्व करने में आसानी होगी कंप्यूटर कंफर्टेबल है कैसे उसको जानते हैं ठीक है सर अभी बात करते हैं कि कैसे किसी एक्सप्रेशन को इवालुएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक

तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो स्कैनिंग हम हमेशा करते हैं सर लेफ्ट टू तो राइट तो लेफ्ट हैंड साइड से स्कैन करेंगे और रूल क्या रूल आपको समझा देता हूं तो जब भी रास्ते में आपको मिलेगा ऑपरेंड वो जाएगा स्टैक के अंदर जब भी मिलेगा ऑपरेटर सॉल्व होगा कैसे नोटिस करिए तो यहां पर एक स्टैक हम बना लेते हैं हमें मिला ऑपरेंड गैस टैक के अंदर हमें मिला ऑपरेंट गैस टैक के अंदर हमें मिला ऑपरेंट गैस टैक के अंदर नाउ जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा ऑपरेटर उसी वक्त सॉल्व होगा सॉल्व कैसे होगा जो पहली वैल्यू पॉप होगी वो बनेगी सेकंड आर्गुमेंट और जो फर्स्ट सॉरी जो फर्स्ट वैल्यू पॉप होगी सेकंड आर्गुमेंट जो सेकंड वैल्यू पॉप होगी वो बनेगी फर्स्ट आर्गुमेंट एंड टू इंटू थ्री इज सिक्स नाउ रिजल्ट विल अगेन पुश बैक इनटू द स्टैक

सेकेंड वैल्यू पॉप होगी बनेगी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एट प्लस सिक्स इज वन फोर फोर्टीन अगेन पुशबैक इन टू द स्टैक नेक्स्ट वर्ट डू वी हैव इज फोर नेक्स्ट वर्ट डू वी हैव इज वन नेक्स्ट वर्ट डू वी हैव इज मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू पॉप होगी सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकेंड वैल्यू पॉप होगी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वन इंटू फोर इज लाइक फोर ओनली एंड देन वी हैव टू द टू आया स्टैक के अंदर नेक्स्ट वी हैव डिवीजन तो ये आया टू इधर ये आया फोर इधर फोर डिवाइड बाई वी हैव टू एंड लास्ट वन इज एडिशन

इन जनरल प्रीफिक्स मिलेगा नहीं लेकिन पूछने को पूछा भी जा सकता है तो एक एग्जाम्पल प्रीफिक्स का भी सॉल्व कर लेते हैं सो दे यू सी एन एग्जाम्पल एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन रिटन इन प्रीफिक्स प्रीफिक्स अब prefix का रूल क्या है स्कैनिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट तो यहाँ पे उल्टा स्कैन होगा बिकॉज पहले ऑपरेटर स्कैन करके क्या कर लूंगा मैं तो पहले मेरे को ऑपरेंट ही चाहिए बाकी रूल सेम है मैं चलाते जाता हूँ एक आध आइडिया चेंज होगा कैसे अभी समझेगा आपको सो टू वन एंड फोर पहले आएगा टू फिर आएगा वन फिर आएगा फोर पहली वैल्यू पॉप होगी वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ही बनेगी जो सेकंड पॉप होगी सेकंड बनेगी एंड वन इंटू फोर इज फोर यस अगला चीज क्या आया डिवीजन सो फर्स्ट वैल्यू पॉप है फोर सेकंड वैल्यू पॉप है टू एंड फोर डिवाइड बाय टू इज टू सर नेक्स्ट वी हैव इज वन नेक्स्ट वी हैव इज थ्री नेक्स्ट वी हैव इज टू एंड नाउ नाव डू वी हैव मल्टीप्लाई है ना मल्टीप्लाई आ गया पहली वैल्यू पॉप करिए टू दूसरी वैल्यू पॉप करिए थ्री एंड टू इंटू थ्री बिकम्स सिक्स फिर आया डिवीजन पहली वैल्यू पॉप करिए सिक्स दूसरी वैल्यू पॉप करिए वन सिक्स डिवाइड बाई वन यू हैव सिक्स अगेन गोज इन टू नेक्स्ट यू हैव इज एट अभी एडिशन करना है तो पहली वैल्यू पॉप करेंगे एट आएगा दूसरी वैल्यू पॉप करेंगे सिक्स आएगा दैट विल बिकम वन फोर फोर्टीन अगेन ऊपर जाएगा एंड देन फाइनल एडिशन आएगा सो so, पहली वैल्यू पॉप करेंगे टिंग 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 यू हैव एक वैल्यू वैल्यू बचा है एंड इज सो फाइनल आपको मिलेगा सिक्सटीन सेम ही कैसे आया अरे सेम ही इनफिक्स एक्सप्रेशन था उसी को मैंने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करके दो अलग अलग केस बना लिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो तो आई होप ये पूरा पैटर्न अभी आपको समझाया और ये इसका रिटर्न पूरा मैनुअल है ये कभी कभी हो सकता है एग्जाम में कि लिख के बता दो प्रोसीजर यूनिवर्सिटी वालों को यू you नो know, खाना हजम नहीं होता अगर ऐसा पूछे तो ये आप पूरा राइट डाउन कर सकते हैं बाकी मैंने आपको बता दिया पोस्ट स्कैन करना लेफ्ट टू तो राइट प्रीफिक्स होगा तो स्कैन करना राइट टू तो लेफ्ट एंड पैटर्न यू नो हाउ टू सॉल्व इट नाउ नाउ अब बात करेंगे रिकर्शन की माई गॉड रिकर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम में तो देखो इसका आइडिया लिमिटेड है देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं मैं एक बार बात करूंगा और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी आ सकता है बट इन जनरल जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे एंड यू नो प्लेसमेंट्स वगैरह में जाके काम करेंगे तो रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की गेट की नेट की इस तरह के एग्जाम की प्रिपेयर करेंगे तो रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ के इसको डिटेल में समझने की कोशिश करता है रिकर्शन है क्या सो आई विल गो वन बाय वन एक एक करके पहला पॉइंट देखिए ऑब्जर्व करते हैं और जहां जो कंफ्यूजन होगा हो आप मुझे बताएंगे यस सो रिकर्शन इज डिफाइंड एज डिफाइनिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ इट सेल्फ रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग वेयर फंक्शन कॉल इट्सल्फ इन ऑर्डर टू सॉल्व अम बाग इन इन टू स्मॉलर मोर मैनेजेबल मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स अपने आप को अपनी ही टर्म्स में डिफाइन करना रिकर्शन कहलाता है लेकिन द आइडिया इज छोटे केस में एक फंक्शन है एफ ऑफ एन है ना अब अगर मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एन की वैल्यू मेरे को चाहिए और दिस समथिंग लाइक दिस की फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एन इज एफ ऑफ एन तो अगर आपको एफ की वैल्यू चाहिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले आप एफ ऑफ की वैल्यू कैलकुलेट क्याल्यू करो सिमिलरली एफ ऑफ एन माइनस वन की करने जाओगे तो आपको एफ ऑफ एन माइनस टू भेजेगा अपने सेम आइडिया को कॉल करना लेकिन क्योंकि कम हो रहा है साइज कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके जो बेस केस जैसे बोलते हैं ना रिकर्शन में एफ ऑफ वन या एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको पता होगी और वहां से, से फिर सॉल्व करते हुए आप वापस आओगे है ना तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखें आप इसे और अच्छे समझ पाएंगे इट इज़ अ फंडामेंटल आइडिया इन कंप्यूटर साइंस एंड अ मैथेमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स यूज टू डिज़ाइन एलगोरदे एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट हैव रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स तो जहाँ रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ बहुत सारी जगह इसको यूज़ किया जाता है एंड यू नो वी इन जनरल वी अंडरस्टैंड इट इज़ अ वेरी यू नो प्रोग्रामर फ्रेंडली आइडिया अगर एक बार आपको रिकर्सिव फैशन में सोचना आ गया तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों पर काम कर पाते हो रिकर्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया बेस केस बिकॉज आप एक ही प्रॉब्लम को यू नो साइज चेंज करके छोटे छोटे प्रॉब्लम पे कॉल करते जाओगे लेकिन बेस केस बहुत ध्यान से लिखना जरूरी है बिकॉज अगर बेस केस हमने नहीं लिखा अभी आगे एग्जाम्पल हम सीखेंगे देन हंड्रेड एंड टेन परसेंट डेंजर दैट वी मे गोइंग टू इनफाइनाइट लूप लूप में चले जाएंगे स्टॉक uh, ओवरफ्लो हो जाएगा और कहीं जाके एग्जीक्यूशन रुकेगा नहीं रिकर्सिव रिकर्सिव केस 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 ये जो में लिखा दिस इज एंड स्टैक पर क्या यूज हो गया पड़ रहे हैं तो जब हम कॉल करते जाते वो चेन याद रखना कि किसने किसको कॉल किया था फिर उसने किसको कॉल किया वो स्टैक की मदद से करते हैं जब आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उस बात को आप अच्छे से समझोगे ना लुक एट दिस एग्जाम्पल फैक्टोरियल आई थिंक इससे सिंपल एग्जाम्पल नहीं हो सकता तो मान लेते हैं मैं फंक्शन रन करके दिखाऊँ साथ साथ ना आपको मजा आएगा तो हमें फैक्टोरियल मान लीजिए लेट मी कॉल फैक्टोरियल इज एफ लेट मी से हमने उसको कॉल किया फोर पे अब देखिए कह रहा है अगर जीरो है तो रिटर्न कर दो वन नहीं जीरो तो नहीं है एल्स में क्या करना है कह कर रहा है रिटर्न करो एन इन टू फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करो एन माइनस वन इस बात का क्या मतलब हुआ बेस केस तो नहीं है नाउ दिस इज द बेस केस बेस केस नहीं है तो क्या करने का रिटर्न एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ थ्री एन माइनस वन है ना तो फोर माइनस वन कितना होगा थ्री होगा ये लिख दिया सर अब क्या ये बेस केस है नहीं फिर से रिपीट होगा तो बोलिए क्या करूँ इस बार आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टू क्या ये बेस केस है नहीं ये भी नहीं तो क्या होगा टू मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वन क्या यह बेस केस है नहीं ये भी नहीं है तो क्या होगा वन मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ जीरो और देखो यहां क्लियर कट बोला है कि जीरो पे अगर कॉल करें तो रिटर्न करना वन अब देखो यहाँ पे जब वन मिलेगा सो वन इंटू वन इज वन एंड वन इंटू टू इज टू एंड टू इंटू थ्री इज सिक्स एंड सिक्स इंटू फोर इज टू फोर ट्वेंटी फोर सो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिकर्शन और ये ट्री मैथड आपने ये भी सीख लिया लाइक देर इज नो नीड टू मेंटेन रन टाइम पे ना एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड ऑल इस तरह से डायरेक्ट मैनेज करोगे सॉल्व करोगे तो अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाओगे हैंडल कर पाओगे नाउ रिकर्शन की ही मौसी का लड़का है इटरेशन नो व्हाट इज दैट रिकर्शन में तो हम फंक्शन कॉल करते हैं इटरेशन माने लूप कितने सारे लूप आप पढ़ते हो फॉर लूप वाइल लूप डी वाइल लूप डू वाइल लूप यस एक बात पहले क्लियर कर दो रिकर्शन का और इटरेशन का पावर एकदम सेम है वो सारे काम जो रिकर्शन से किए जा सकते हैं वो इटरेशन से भी किए जा सकते हैं और वो सारे काम जो इटरेशन से किए जा सकते हैं वो रिकर्शन से भी किए जा सकते हैं तो कहाँ कौन सा यूज होना चाहिए अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट कुछ केसेस में आपको लगेगा कि यू नो रिकर्शन इज मोर सुटेबल और कुछ में लगेगा इटरेशन वो कैसे लगेगा प्रैक्टिस से लगेगा धीरे धीरे काम करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाता है कि कहाँ पे सुई चलानी है और कहां पे तलवार चलानी है तो आई गो वन बाय वन इटरेशन रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज एज लॉन्ग स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू तो यहां पर हम बेस केस की बात नहीं करते कंडीशन की बात करते हैं ना जैसे फैक्ट्रोल केस में बोल सकते हैं जब तक जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो इतना ना हो जाए या जीरो ना हो जाए यू कैन गो फॉर इट इन प्रोग्रामिंग इटरेशन इज कॉमनली इंप्लीमेंटेड यूजिंग लूप्स लूप जैसे मैं आपसे बोल रहा था इन तीनों से ही आप परिचित होंगे डू वाइल्ड नॉर्मली हम यूज नहीं करते बट फॉर एंड वाइल्ड लूप आर वेरी पॉपुलर जो यूज होते हैं बाहर दो स्पेशल केसेस यहाँ पर होते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू ब्रेक जहां पर एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन होती है कोई भी केस हो सकता है कि जैसी ब्रेक स्टेटमेंट आता है आप करंट लूप से बाहर आ जाता है और कंटिन्यू एक टर्म है अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिस पर मैं काम नहीं करना तो वी कैन स्किप दैट इटरेशन ओनली और हम अगली इटरेशन में चले जाते हैं ये प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल कॉन्टेक्ट हो गया लूप के अंदर लूप भी हो सकता है नॉन एस लेप्स एंड लुक एट दिस सेम प्रॉब्लम है फैक्टोरियल इस बार इटरेशन से सॉल्व करते हैं तो मैं दोबारा फैक्टोरियल को फोर करूँ कॉल कॉल करता हूँ फोर पे रिजल्ट को इनिशलाइज किया वन से और आई की वैल्यू वन से लेकर एन तक चलेगी तो आई कितनी बार चलेगा एक बार दो बार तीन बार चार बार और कब तक काम करते जाना है जब तक ये आई हमारा फोर या फोर से कम है ठीक है स्टेप है? है आ गया yes, तो तो हमारा अच्छा रिजल्ट ये देख रहे शॉर्टकट ऑपरेंट इस, इसका मतलब क्या है is, रिजल्ट Allocation है ना रिजल्ट मल्टीप्लाई मतलब इस बात का है ना, short operator है ना तो तो अगले case में क्या होगा की value two हो जाएगी तो one को two से multiply करेंगे तो रिजल्ट हमारा टू हो जाएगा फिर अगले केस में आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी तो टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट तो हमारा सिक्स हो जाएगा एंड देन फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमारा ट्वेंटी फोर हो जाएगा अगले केस में आई की वैल्यू होगी फाइव आप से बाहर आएंगे तो या तो उल्टा चले या सीधा चले आइडिया सेम है रिकर्शन और जैसा मैं बोल रहा हूँ इटरेशन दोनों ही काम कर सकते हैं बस आइडियाज की हम किस अप्रोच के साथ रिलेटिवली ज़्यादा फ्रेंडली फील करते हैं यस तो रिकर्शन वर्सेस इटरेशन में ये देखिए एक प्रॉपर डिफरेंस मैंने लगा दिया सो दैट अगर एग्जाम में कोई पांच नंबर में डिफरेंस पूछ भी ले, देन यू मस्ट बी इन द पोजिशन टू आंसर फंक्शन कॉल इट सल टू सब प्रॉब्लम कोड ब्लॉक्स समझ आती है टिपिकली यूज मोर मेमोरी ड्यू टू कॉल स्टैक। Uh, यहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी हाँ क्योंकि बार बार कॉल करते जाएगा ठीक बात है यहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है बेस केस होना चाहिए और यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए जो कभी फेल हो कंडीशन फेल नहीं होगी फिर इनफाइनाइट लूप लगेगा इट कैन बी मोर इंट्यूटिव फॉर सर्टन प्रॉब्लम ऑफन सिंपलर एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर रिपीटेड टास्क नॉ अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सब्जेक्टिविटी है मैंने देखा इन जनरल देर आर सर्टेन मोर कंफर्टेबल विद लूप्स कि सर रिकर्शन के आइडिया से रिकर्शन में सोच नहीं पा रहे कुछ लोग होता है दे डू एनी थिंगशन ओनली देक इट्स परफॉर्मेंस माइड बी स्लोअर ड्यू टू ओवर कॉल टिपिकली फास्टर ड्यू टू डायरेक्ट ये बात तो रिलेटिवली है क्योंकि बार बार एक्टिवेशन कॉल होता है एंड यू नो यू है फंक्शन फंक्शन अप टू सम थोड़ा सा स्लो हो सकता है रिलेटिव टू हमारा इटरेशन अब नाउ रिकर्शन को हम यहाँ पे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थोड़े से थियोर आइडिया बट जरूरी है क्योंकि पूछा गया है में। so, आ, एक होता है, एक होता है खुद अपने आप को मान लीजिए कॉल कर रहा है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिकर्शन यस एक हो सकता है इनडायरेक्ट डू वी मीन बाय दिस कोई फंक्शन है एफ वन मान लीजिए वो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है एफ टू को खुद अपने आप को नहीं किया बट वेन यू गो टू एफ टू यू सी वहां पर कहीं एफ वन लिखा हुआ तो ए अभी हम सबके एग्जाम्पल आगे देखेंगे तो पहला दूसरे को कॉल कर रहा है दूसरा दोबारा पहले को कॉल कर रहा so है तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट रिकर्सा नहीं किन एफ टू को कॉल करे एफ टू एफ थ्री को कॉल करे एफ टू एफ फोर को कॉल करेंट दिस इन डायरेक्ट जो डायरेक्ट रिकर्सन है दैट कैन बी फर्दर डिड इंटू अगेन टू टाइप टेल एंडल

आ, uh, कहीं बीच में हो थोड़ा पहले थोड़ा बाद में तो कुछ काम क्यों ये दोनों ही केस किस में आ जाएंगे हेड रिकर्शन में तो दिस नथिंग लाइक मिडल रिकर्शन आइदर यू हैव टेल और बाकी सारे केस यू कॉल देम हेड यस तो अगेन कैटेगराइजेशन है बट जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो उससे कुछ होता नहीं है सर नाउ वी हैव सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो एक एक करके ये थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे एडिशनल और ऑब्वियसली इसमें ऐसा नहीं है कोई डायरेक्टली आपके सेमेस्टर में पूछेगा बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड हो जाएगी एज फार एज द आइडिया ऑफ रिकर्शन इज कंसर्न तो चलिए अभी करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकर्शन पे एक एक करके केस देखते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे पहला केस देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास यू कैन सी मेन एंड पूछ रहा है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टूडो कोड तो एक फंक्शन है फंड जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ मेन से और फंक्शन को हमने कॉल किया एज यू कैन सी ऑन द वैल्यू फोर तो फोर पे कॉल करने से क्या होगा और कैसे कहानी आगे बढ़ी एक करके ऑब्जर्व करिए तो नाउ लुक एट दिस मैंने फंक्शन को कॉल किया सर फोर पे अब देखिए जब फोर पे काम करना है तो क्या करना है क्या वैल्यू जीरो से बड़ा है हाँ है तो यहाँ उल्टा है बेस केस नहीं है एवरीथिंग इज अ बेस केस अगर फंक्शन में एंट्री नहीं मिली तो यहाँ काम कर रहा है अब जब भी फंक्शन में अंदर जा रहे हैं देखिए रिकर्शन को कैसे समझना है हमेशा सॉल्व करेंगे ट्री बनाकर हमेशा सॉल्व करेंगे स्टेप से स्टेप नंबर वन कह रहा है प्रिंट करो स्टेप नंबर टू कह रहा है फंक्शन कॉल करो दोबारा से बट कॉल कैसे करना है सेम वैल्यू पे कि एक कम पे एक कम पे कॉल करना है तो लुक एट दिस यहाँ पे क्या करूंगा आई डू अ फंक्शन कॉल ऑन फोर सॉरी आई विल प्रिंट फोर और दोबारा से फंक्शन कॉल किया लेकिन किस पे किया थ्री पे अब दोबारा से देखिए इसी बोल रहा है रिकर्शन एंड नाउ यू कैन सी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेल रिकर्शन क्योंकि सबसे बाद में कर रहा है अब बोलो क्या करना है अब तो सर सेम प्रोसेस रिपीट करते जाना है तो दोबारा से मैं कॉल करूंगा सेम वैल्यू पे प्रिंट करूँगा एंड देन कॉल करूँगा टू पे फिर से मैं प्रिंट करूँगा और मैं कॉल करूँगा वन पे आई थिंक अभी भी हो सकता है बिकॉज़ वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो कोई इशू नहीं है तो अगेन मैं प्रिंट करूँगा और इस बार कॉल करूँगा जीरो पे एंड नाउ यू कैन सी जब ज़ीरो पर कॉल करूंगा तो ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर दैन जीरो कंडीशन फेल्स हो फेल हो जाएगी और फर्दर कॉल यहाँ पर नहीं होगा तो क्या प्रिंट होते हुए नज़र आ रहा है मुझे बताइए तो दै यू सी फोर थ्री टू वन

मैं पहले कॉल करूंगा और कॉल किस पे करूंगा थ्री पे एंड देन बाद में आके प्रिंट करूंगा अच्छा एक बात नोटिस करो हमने इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ना एक्स की वैल्यू नहीं चेंज की है हमने कॉल किया है सिर्फ एक्स माइनस वन पे तो जब वापस आऊंगा तो वैल्यू थ्री होगी कि टू होगी या फोर होगी सर वैल्यू फोर ही रहेगी इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में तो वापस आते हुए फोर पे ही प्रिंट करूंगा इधर आ जाए ये क्या ये क्या काम का करेगा ये भी सेम काम करेगा ये कॉल करेगा टू पे प्रिंट कराएगा थ्री ये क्या करेगा ये कॉल करेगा वन पे और प्रिंट कराएगा टू ये क्या करेगा ये कॉल करेगा जीरो पे और प्रिंट कराएगा वन और जीरो पे कॉल करेगा तो आगे फर्दर कॉल होगा आगे फर्दर कॉल नहीं होगा तो चेंज क्या हुआ चेंज ये हुआ सर लास्ट केस में आप ध्यान से देखेंगे ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिक्वेंस प्रिंट हुआ था लुक एट दिस फोर थ्री टू वन बट यहां पर आप देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होते नजर आ रहा है तो पहले वन हुआ फिर टू हुआ फिर थ्री हुआ फिर फोर वन दे यू सी एक इंस्ट्रक्शन सिर्फ स्वैप करने से फाइनल कोड पे कितना चेंज हो सकता है यस yes, यहाँ देखिए अब होगा क्या ऐसा <coughs> एक प्रिंट कमांड है एक बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं बेस अंडरस्टैंडिंग है कोई भी सॉल्व कर सकता है ये देखिए ये स्मार्ट केस है यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ थ्री पे थोड़ा लिमिट कर दिया बट लुक एट दिस करना क्या है कितने काम है कितने फंडामेंटल काम करना है नोटिस करिए काम नंबर एक दो तीन चार और पाँच प्रिंट करना है फिर कॉल करना है फिर प्रिंट करना है फिर कॉल करना है फिर प्रिंट करना है तो कैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी एक एक-एक करके गौर करते हैं लेट मी फर्स्ट कॉल दिस ऑन एफ थ्री और जैसे आप देख रहे हैं पांच काम करना है तो चलिए काम करना शुरू करते हैं प्रिंट करेंगे फिर कॉल करेंगे टू पर फिर से प्रिंट करेंगे फिर से कॉल करेंगे टू पे एंड देन फिर प्रिंट करेंगे रिकर्शन का अगर पूरा आइडिया अपने को समझ आ रहा है ना तो वेरी क्लियर एक एक वैल्यू को बार बार पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो जैसे FF2 है इधर सॉल्व कर लेते हैं सर जो इधर रिजल्ट आएगा वो इधर आएगा तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ अभी क्या करेगा इसको भी वही पांच काम करने हैं तो शुरू हो जाइए ट्री से अगर एक बार आप रिकर्शन सॉल्व करना सीख गए ना माइंड यू कोई रिकर्शन आपसे यू नो किसी रिकर्शन से आपको डर नहीं लगेगा तो चलिए शुरू हो जाता है ना ये अगेन प्रिंट करेगा प्रिंट करेगा प्रिंट करेगा और यहाँ पर जैसा मेरे को समझ आ रहा है एफ ऑफ वन एफ ऑफ वन पे कॉल होगा यस yes, इधर आ जाइए अब ये एफ ऑफ वन फिर से सर ये पांच काम करेगा तो प्रिंट करेगा प्रिंट करेगा प्रिंट करेगा एंड दे पर और एफ ऑफ जीरो पर कॉल होगा और फर्दर आई थिंक इस कॉल से कुछ होने वाला है नहीं बिकॉज देर यू सी एफ ऑफ जीरो जीरो इज नॉट ग्रेटर देन कंडीशन फॉल्स में आ जाते हैं बाहर तो बताइए क्या सीक्वेंस प्रिंट हुई थ्री प्रिंट हुआ आगे बढ़िए देन प्रिंट हुआ यहाँ पे बढ़िएवली थ्री टाइम्स मिलेगा then two मिलेगा देन अब देखो यहाँ पर भी एफ वन है तो हमें पता ही एफ वन से क्या हो रहा है कंजीक्यूटिवली थ्री टाइम्स क्या हो रहा है वन प्रिंट हो रहा है एंड देन अगेन यू हैव टू एंड देन यू हैव थ्री और ये जो पूरा पैटर्न है माफ कीजिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आई थिंक ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेटिव है एफ एफ ऑफ ऑफ का पर भी F of लिखा है तो मानो यही सीक्वेंस रिपीट होगा तो दिस इज लाइक टू वन वन एंड देन टू और लास्ट में थ्री मिलेगा तो दिस इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस जो प्रिंट होने वाला है अगर आप ट्री बना के इस रिकर्शन को सॉल्व नहीं करोगे ना तो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि इसको एक सीक्वेंस में पकड़ना ऑब्जर्व करना सॉल्व करना बहुत मुश्किल है यस yes, तो दो तीन देखो केस हमने ट्राई किए अलग अलग पैटर्न के बट आइडिया क्या था प्रिंट वाला ना फॉर फाइव सेकेंड्स एक बार ये कोड देखो क्या बोल रहा है हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं किस पे फाइव पे कॉल करना है एंड थ्री से कम होती बेस केस है एल्स दो बार फंक्शन कॉल करना है एक ही वैल्यू पे n माइनस वन एन माइनस वन पे एंड प्लस वन तो कैसे कहानी आगे बढ़ेगी और इस केस का क्या ऑब्जर्वेशन होगा एक एक करके देखिए मज़ा आएगा आपको तो आई स्टार्ट द आइडिया बाय कॉलिंग दिस ऑन फाइव अब ऑफ़ फाइव पे क्या करना है सर बेस केस तो है नहीं फाइव इज नॉट लेस देन थ्री आ गया आ जाइए तीन काम करना है इसको ऐसे देखिए आपको कॉल करना है फोर पे प्लस फिर से कॉल करना है फोर पे एंड देन प्लस वन बताओ इतनी बात समझ आती है क्या तो दो बार हम फोर पे कॉल करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसे आपस में सम करेंगे और वहां पर रुकेंगे नहीं क्योंकि एक बार उसमें और वन हमें ऐड करना है अब अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा क्या ये दोनों सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत है नहीं जो एक का रिजल्ट होगा सर वो दूसरे का होगा तो इसको पकड़ लेते हैं ये क्या काम करेगा ये भी वही तीन काम करेगा ये कॉल करेगा थ्री पे ये भी कॉल करेगा थ्री पे एंड देन वन अब देखे क्या होगा तो अगेन एफ ऑफ थ्री इज नॉट द बेस केस फर्दर यही प्रोसेस रिपीट करिए कोई भी एक पकड़ के आगे चलते जाइए सो दे दिस तो एफ एफ टू इज बिकॉज टू इज लेस देन थ्री कंडीशन होल्ड कर रही है तो so यहां से आपको मिला वन यहां से मिला वन ना वन प्लस का वैल्यू हो गया थ्री आप चाहो तो अलग से स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं And this three and one. So, three three, six, और और तो यानी की वैल्यू क्या हो गई सेवन नाउ कैन यू टेल मी वाइव अब सोचो इसी, आ, इसी तरह से नाउ दिस फोर इज ऑल्सो सेवन एंड दिस इज वन तो सेवन प्लस सेवन फोर्टीन प्लस वन ये हमारा हो जाता है फिफ्टीन और आई थिंक फाइव पे ही पूछा था फाइव पे पूछा था तो इसका मतलब अगर इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे देखिए फाइव पे तो यहां पे क्लियर कट हमें नजर आ रहा है वन फाइव फिफ्टीन तो इस तरह का अंडरस्टैंडिंग है मैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा रिकर्शन पे बस आई जस्ट वांट कि जो जो आई आइडिया साथ -साथ चलो इसका अप्रोच पकड़ते चलो तो अप्रोच क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉलो करते जाना है वन बाय वन यू नो ट्रेवल्स करना और सॉल्व करना है फिर आगे बढ़ते हैं एक और केस ट्राई करिए लुक एट दिस केस अगेन आई गिव यू वन मिनट और थर्टी सेकेंड्स एक बार ऑब्जर्व करो देखो क्या फंक्शन है कैसे कॉल कर रहे हैं और इस बार भी मैं प्लस माइनस करा रहा हूँ प्रिंट करा रहा हूं या कुछ और पूछ रहा हूँ केसेस बने ऑब्वियसली ऐसे ट्राई किया कि हर केस में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को मिले तो यहाँ पर क्या है कंसिडर द फॉलोइंग रिकर्सिव फंक्शन सी इफ गेट फाइव फंक्शन इज कॉल्ड इन द मेन देन हाउ मेनी टाइम्स द फंक्शन गेट बी इनवोव्ड बिफोर रिटर्निंग टू द मेन कितना अच्छा केस है तो ना आपसे एडिशन कराया ना कुछ प्रिंट कराया आपसे हालांकि प्रिंट स्टेटमेंट है बट इग्नोर इट बिकॉज आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल ये है गेट फंक्शन कितनी बार कॉल होगा अगर हम गेट ऑफ फाइव पे कॉल करते हैं ट्राई करके देख लेते हैं सर सो दै यू सी लेट मी से गेट को जी से रिप्रेजेंट करता हूँ हमने कॉल किया फाइव पे यहाँ जाइए क्या बेस केस है क्या क्या फाइव वन से कम है जी नहीं फाइव वन से कम नहीं है बेस केस होता तो रिटर्न करते आगे बढ़िए कितने काम करने तीन काम पहला काम इसको कॉल करना है माइनस वन पे मानो फोर पे दूसरा कॉल करना है माइनस थ्री पे और फाइव में से थ्री गया तो टू बचा वेरी गुड और तीसरा काम करना है प्रिंट प्रिंट में लिख देता हूँ बट हम उससे कोई लेना देना है नहीं अगेन अब यही रिकर्सिव फंक्शन है किसी भी एक को पकड़ो मैंने बोला सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती आप देखते हैं कुछ लोग पूरा ट्री बनाते हैं उससे उसकी जरूरत नहीं बाद में आप देखेंगे किसी भी एक चैन को पकड़ के बाकियों को गेस किया जा सकता है डायरेक्टली है ना तो मैं इधर से शुरू हो जाता हूं जब फोर पे करूंगा तो बताओ क्या होगा यह भी वही काम करेगा एक बार कॉल करेगा एक कम यानी कि थ्री पे एक बार कॉल करेगा तीन कम यानी कि वन पे और प्रिंट कराएगा कॉल करेगा एक कम यानी कि टू पे कॉल करेगा तीन कम यानी कि जीरो पे नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग केस ये जी जीरो पे कॉल होगा प्रिंट कराएगा इधर आ जाइए कॉल करेगा एक कम यानी कि वन पे कॉल करेगा तीन कम यानी कि माइनस वन पे प्रिंट कराएगा टू एंड नाउ दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कॉल करेगा जीरो पे कॉल करेगा माइनस टू पे और प्रिंट वन कराएगा क्या जीरो बेस केस है हाँ सर जीरो बेस केस है बिकॉज जैसे ही लेस देन वन है रिटर्न करना है तो अब आइडिया समझिएगा मिला क्या हमें यह समझ आया जी ऑफ जीरो को सॉल्व करने के लिए एक कॉल करना पड़ा भाई कॉल करने के बाद ही तो पता लगा ना कि हाँ जीरो लेस देन वन है एंड दैट इज अ केस हम यहीं से रिटर्न कर सकते विल गेट नथिंग सिमिलरली इसके ऊपर अगर मैं जाऊं मतलब लिखने की जरूरत नहीं व्हाट इज जी ऑफ माइनस टू सिंगल कॉल ये वैल्यू नहीं है कॉल है जी ऑफ माइनस वन सिंगल कॉल जी ऑफ जीरो सिंगल कॉल तो ये भी सिंगल कॉल ये भी सिंगल कॉल और एक कॉल इसका अपना तो बोलो जी ऑफ वन के लिए कितना कॉल करना पड़ा एक कॉल एक कॉल और एक इसका अपना सर तीन कॉल करने पड़ेंगे तब जी ऑफ़ वन की वैल्यू मिलेगी है ना अब यहां देखिए एक तीन कॉल इसके जी ऑफ वन ऑलरेडी वन कॉल है तीन और एक चार और एक इसका अपना पांच तो मानो जी ऑफ टू कितने में सॉल्व हुआ फाइव में अब आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करते ऊपर जा सकते हो देखो बाकी का सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही सिमिलरली कैन यू टेल मी व्हाट इज वी ऑफ थ्री नाउ जी ऑफ थ्री तो यू सी ऑफ ऑफ इज इज एंड और एक इसका अपना सो दैट इज सेवन जी ऑफ फोर बताओ जी ऑफ फोर नाउ लुक एट दिस ये ऑलरेडी हो चुका है सेवन जी ऑफ वन इज थ्री सेवन प्लस थ्री इज टेन एंड प्लस वन तो ये सर क्या हो गया दिस इज नाउ इलेवन एंड लास्ट हमसे पूछा था जी ऑफ फाइव पूछा था घबरा तो नहीं रहे हो? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा so 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 है ना सो so रिकर्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज बट फंडामेंटल लॉजिक सेम है ट्री बनाते जाना है एक एक करके एक एक करके वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करते जाना है एंड देन यू आइडेंटिफाई कि कैसे आसानी से आप ये अलग अलग तरह के सॉल्व कर पाएंगे यस yes. नाउ, अभी दो स्पेशल केसेस हैं वन इज फिबोनाची नंबर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज टावर ऑफ एनॉई तो चलिए अभी उनको डिस्कस करते हैं तो चलिए बात करते हैं फिवनीकी सीरीज के बारे में पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं क्या रिकर्सिव फंक्शन है सो इन मैथमेटिक्स नंबर कॉमनली डिनोटेड एज एफ एन है ना फॉर्म्स अ सीक्वेंस कॉल्ड सीक्वेंस और क्या सीक्वेंस है सच दैट ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू समीडिंग वन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड वन सो दीज आर द टू बेस केस आपको समझना है तो क्या बोल रहे हैं एफ ऑफ जीरो पर आपको जीरो मिलेगा एफ ऑफ़ वन पे आपको वन मिलेगा और बाकी जितने भी वैल्यू होंगे उससे बड़े तो वट इज़ एफ ऑफ एन जैसा यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एन विल बी एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ वट इज़ एफ ऑफ टू क्या होगा सो एफ ऑफ टू विल बी एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ जीरो जैसे दोनों की वैल्यू पहले से मेरे पास है विच इज़ लाइक वन एंड जीरो तो एफ ऑफ टू इज़ ऑल्सो वन ऐसे धीरे धीरे करके वैल्यू बढ़ जाएगी तो so, अगर कॉमन सेंस बेस में बात करें तो हुआ क्या पहले दो केस में वैल्यू सेम है फंक्शन देखो ऊपर लिख के रखा है और होना क्या है एड होता जाना है तो वट इज जीरो प्लस वन दिस इज वन वट इज वन प्लस टू इज थ्री टू प्लस थ्री इज फाइव फाइव प्लस इज एट एट प्लस इज थर्टीन दैट इज ट्वेंटी इसी पैटर्न में इसी फैशन में आगे एक दो केस और कर लेते हैं आई थिंक दैट विल बी फोर एंड देट इज थर्टी फोर येस एंड देन नाउ दैट विल बी फिफ्टी फाइव समथिंग लाइक दिस तो ये सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी यही फिर बने फंक्शन है अब फंक्शन इतना सिंपल है सीक्वेंस इतनी सिंपल है इसका रिकर्शन से क्या लेना देना किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कैसे चीजों को थोड़ा घुमाया जा सकता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने यहाँ से अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन देखे तो दो तीन आइडिया देखो आपको समझाता हूँ पहली बात ये कि ये देखने में आसान लग रहा है बिकॉज ह्यूमन्स आर स्मार्ट यस अगर आपको f ऑफ टेन कैलकुलेट करना तो दिस नो नीड टू कैलकुलेट f ऑफ एट एंड f ऑफ नाइन अगेन एंड अगेन आप एक बार सॉल्व करोगे उसका वैल्यू टेबल में फिल करोगे एंड देन यू कैन कंक्लूड बट देर आर सर्टेन क्वेश्चन लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क यू इसको पीछे लेके चलते इफ आई आस्क यू कैन यू टेल मी टू कैलकुलेट एफ ऑफ सेवन ध्यान से सुनना बार टू कैलकुलेट एफ ऑफ सेवन हाउ मेनी एडिशंस आर परफॉर्म्ड कितनी बार एडिशन करना पड़ेगा या एट द सेम टाइम टू कैलकुलेट सेवन एफ ऑफ सेवन हाउ मेनी फंक्शन कॉल्स आर डन दीज आर क्वेश्चन जो आप तभी आंसर कर सकते हो जब आप पूरा उसको डेप में मैथमेटिकली पूरा पॉइंट किया है, है ना तो कैसे, काम और कैसे पूरी कहानी चली के करके देखते हैं और जैसे वही तो टेलमी वेवन सो एफ ऑफ सेवन इज ऑब्वियसली एफ ऑफ सिक्स प्लस एफ ऑफ फाइव बिल्कुल सही पैटर्न है नोटिस करिएस देन वट इज एफ ऑफ सिक्स तो एफ ऑफ सिक्स इज अगेन एफ ऑफ फाइव प्लस एफ ऑफ फोर एक कम और दो कम है ना और अगेन हमने समझा पूरा ट्री तो सॉल्व करना है ये एक पैटर्न पकड़ना आगे बढ़ते जाना है सो नाउ व्हाट इज एफ ऑफ फाइव सर एफ ऑफ फाइव इज एफ ऑफ फोर एंड एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ फोर इज एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री इज लाइक 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 वॉट दिस इज एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन एंड वट इज एफ ऑफ टू एफ ऑफ टू इज एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ जीरो तो अभी मैं अगर कॉन्सेंट्रेट करूँ एडिशन पे तो ध्यान दीजिए और तो बेस केस है है ना उनके लिए कोई एडिशन नहीं करना पड़ता हाँ एफ एफ टू अगर कैलकुलेट करना है तो एक बार एडिशन करना पड़ा हाउ मेनी टाइम्स वन टाइम तो यहां मैं फिल करता जाऊं एज फार एज एडिशन इज कंसर्न दर इज नो एडिशन फॉर एफ एफ जीरो बट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एफ एफ टू सिंगल एडिशन इज रिक्वायर्ड ना फिर ऊपर चलो वट अबाउट एफ एफ थ्री

एफ ऑफ फोर के लिए फोर एडिशन एफ ऑफ थ्री के लिए टू एडिशन तो टू प्लस फोर का अपना आप देखो ना सीक्वेंस पे ध्यान से देखो लुक एट दिस कुछ बात समझ आ रही है उधर थ्री है तो टू है फाइव है तो फोर है एट है तो सेवन है ओ माई गॉड इसका मतलब जो एक हायर नंबर है सीक्वेंस काफी होने की सीक्वेंस का उसमें एक कम तो कैन अंडरस्टैंड ये ट्वेल्व होने वाला है ये ट्वेंटी होने वाला है ये थर्टी थ्री होने वाला है ये फिफ्टी फोर होने वाला है जो मैंने देखो यहाँ पर लग से लिख के भी रखा है किधर लिखा है लुक एट दिस नंबर ऑफ एडिशन तो ये शॉर्टकट ट्रिगर कोई आपसे पूछ ले कि फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एट पे कितने एडिशन लगेंगे एफ ऑफ एट सॉल्व करने के लिए देखो एफ ऑफ नाइन की वैल्यू क्या है सर एफ ऑफ नाइन की वैल्यू थर्टी फोर है सो दैट विल बी टोटल लगेंगे सिमिलरली अगर कोई पूछे आपसे फंक्शन कॉल ऑलरेडी वैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फंक्शन कॉल वाला ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो लाइक हाउ मेनी टाइम फंक्शन कॉल फॉर एफ एफ वन एक बार करना पड़ा एफ एफ जीरो के लिए भी एक बार करना पड़ा तो एफ ऑफ टू के लिए तीन बार हो गया एक 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 तो आई कैन राइट फॉर दिस इज वन दिस इज वन हियर इट इज थ्री टाइम्स करना पड़ा देन एफ एफ फोर के लिए Uh, तो एफ ऑफ टू के लिए थ्री बार करना पड़ा एफ ऑफ वन के लिए एक बार करना पड़ा टू थ्री प्लस वन इज फोर एंड देख कितना हो गया फाइव हो गया तो यहाँ पर हमें इस तरह से आप फंक्शन कॉल भी देख सकते हो इसका भी एक शॉर्टकट सीक्वेंस है लाइक टू इंटू एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस वन तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए पैटर्न समझाता हूँ थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स माइनस वन फाइव इधर 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 आएगा 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 सोन एंड फॉर इस पैटर्न से आप इस सीक्वेंस को सॉल्व कर सकते हैं यस तो दीज आर समिबनिकी वाले जो फंक्शन कैसे काम करा रिकर्सिव ट्री कैसे बना सकते वो तो अपन ने समझ ही लिया बट सेपरेटली इफ समबडी टॉक्स अबाउट एडिशन और यू नो मल्टीप्लिकेशन इनवोकेशंस कितने फंक्शन कॉल हुए कितने एडिशन हुए वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं नाउ थोड़ा सा इसका हिस्ट्री आपको समझाता तो हूं बहुत मजेदार है तो ये जो फिबोनाची नंबर है ना दिस वाज गिवन बाय इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो पीसा नॉट लियोनार्डो विंची है ना लेटर नोन ए फिबोनेकी इन हिज बुक 1202 में बुक का नाम था लिबर अबाकी है ना और तभी वर्न को वेस्टर्नर्स को ये सब के बारे में पता लगा Although, when we check the Indian context, तो इससे भी लगभग 1400 साल पहले हाँ, there was a professor और आचार्य कॉल्ड पिंगाला ऑन एनुमटिंग पॉसिबल पैटर्न ऑफ संस्कृत पोएट्री फॉर्मड बाइल ऑफ टू तो उन्होंने सिर्फ इस नंबर को समझा नहीं था इसके ऊपर संस्कृत पोएट्री भी बना दी थी उससे भी 1400 साल पहले बट अगेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो नाम है वो काइंड kind ऑफ of लिखे हुए नहीं रहते और इस इसमें थोड़ा सा एडिशनली बात मैं इसलिए कर पा रहा हूँ सीक्वेंस बड़ा सिंपल सा है बट इवन वेन वी सी इन नेचर ना एक फूल में कितनी पत्तियां होंगी लाइक पाइन एपल में कितने लीफ पैटलेट्स होंगे ये सब के सब इसी फिबोनिकी नंबर के सीक्वेंस पर चलते हैं अभी क्यों चलते हैं नेचर का इतना क्लोज कनेक्शन क्या है फिबोनिकी से इवन बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड दिस इज आचार्य पिंगाला

बोल सकते हैं आचार्य भट्ट ने ने अच्छे से टैबुलेट किया लिख डाला उसको बट इज द फर्स्ट वन जिन्होंने सारी चीजें डिस्क्राइब की थी ओके मूविंग ऑन नाउ आवर नेक्स्ट आइडिया इज टावर ऑफ हेनोई नाउ दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेशल केस ऑफ रिकर्शन इस पर बात करते हैं चलिए सर अभी बात करते हैं टावर ऑफ हेनॉई के बारे में टावर ऑफ हेनोई बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है और सी एस आई टी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना पजल सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल सॉल्विंग तो ये भी एक तरह की पजल है हालांकि इस पजल को पढ़ते पढ़ते यू you नो know, धीरे धीरे आपको समझेगा कि इनडायरेक्टली हम स्टैक पढ़ रहे हैं और कुछ समय के बाद जब आप टी ओ सी और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे ना देन यू अंडरस्टैंड किया स्टैक का कंप्यूटर साइंस में कितना ज्यादा कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंस है तो पहले पजल क्या है वो समझते हैं उसका रूल क्या है, समझते हैं एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व इट विद रिकर्सिव सॉल्यूशन नाउ लुक एट दिस टावर ऑफ एनोई और इंडियन कॉन्टेक्स में अगर बोलो तो उसको टावर ऑफ ब्रह्मा भी बोलते हैं वाई वी कॉल इट टावर ऑफ ब्रह्मा वो भी आप समझोगे इज अ मैथमेटिकल गेम और मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको देर आर थ्री टावर है ना इनके नाम हम रख लेते हैं सो दिस इज लाइक अ बिगिन टावर दिस इज लाइक अ एंडिंग टावर एंड दिस इज लाइक अगजुलरी टावर बिग इन एंड एंड ऑक्जुल रूल क्या है जैसे आप देख सकते हैं डिफरेंट साइज के डिस्क हैं अलग अलग साइज के जो एक के ऊपर एक हमने स्टैकअप करके रखे हैं न तो आइडिया इज एक डिस्क एक तरफ से लेना है और उसको मतलब एक बार में आई कैन हैव ओनली वन डिस्क तो एक बार में मैं एक ही डिस्क उठा सकता हूँ तो ऐसा नहीं मैं चार डिस्क मूव कर सकता हूँ ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है मुझे लास्ट में पहुंचाना है कभी भी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हमेशा बड़ी डिस्क के ऊपर छोटा डिस्क रख सकते हैं बट छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क हम नहीं रख सकते रूल्स आर यू नो जनरल वेरी क्लियर ऑक्सिलरी टावर जो है सिर्फ आपकी मदद करना कि आप किसी डेटा को होल्ड करना चाहें, तो कर सकते है. जो है, वो चाहिए अबाउट द नंबर ऑफ डिस्क है, है तो मिनिमम थ्री डिस्क करतेंड ऑफ ए ट्रिव्यूल प्रॉब्लम टू पे वन तो, kind of पे थ्री फोर फाइव सिक्स अपर ऑफ डिस्क हम रख सकते हैं बट रूल सेम रहेंगे छोटी डिस्क हमेशा ऊपर रहेगी बड़ी डिस्क नीचे रहेगी एक बार में एक ही डिस्क आप मूव कर पाएंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सेम है कि ये पूरा पैटर्न हम एकदम लास्ट में पहुंचाना है यस तो आई थिंक प्रॉब्लम पूरी हमने सॉल्व कर लिया स्क्रॉलिंग द इंटरनेट हम मुझे पता नहीं कि ये कुछ लोगों को आप देख सकते कि गेम सिखा रहे हैं एंड लुक एट दिस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना बड़ा अगर टावर ऑफ एनआई हमारे पास हो तो कितने मूव्स करने पड़ेंगे इस पूरे पैटर्न को सॉल्व करने के लिए वो देखना पड़ेगा नाउ

स्टैकी की प्रॉपर्टी आप जानते हो अगर लास्ट वाला डिस्क हमें मूव करना है तो सर वो तभी कर सकते जब उसके ऊपर कुछ ना लिखा हो है ना तो वो सारा डेटा हमें पहुंचाना पड़ेगा ऑग्जिलरी में अच्छा वो भी स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा जब ये सारा हम काम कर लेंगे तो ये आखिरी डिस्क हम बिगिन से लेके एंड पे पहुंचाएंगे और फाइनली वो जो एन माइनस वन डिस्क ऑक्सिलरी टावर में रखी हुई है तब यूजिंग द बिगिन टावर वो एंड में आएगा तो ये एक बेसिक आइडिया है अगर मैं आपको रिकर्सिव सॉल्यूशन की तरफ लेके चलूँ अच्छा बिफोर दैट वाई आई वॉज ऑल्सो कॉलिंग इट टावर ऑफ ब्रह्मा एक छोटा सा पीवीटी बढ़ी दिस विल यू नो मेक दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग मोर इंटरेस्टिंग दिस इज स्टोरी अबाउट एन इंडियन टेम्पल काशी विश्वनाथ अभी थोड़ी देर पहले इसका यू ना पूरा रिनोवेशन कंप्लीट हुआ विश्वनाथ टेम्पल ओरिजिनली किसने बनाया ये इतना पुराना है वन यार कितना भी पुराना हो, ये तो पता ही होता है ना हिस्ट्री में जब जाके पढ़ते हैं जानते हैं कि किसने शुरुआत किया नोबडी नोस की किसने शुरुआत की यस और यहाँ पर सेम प्रॉब्लम है थ्री टावर हमारे पास है एंड इंस्टेड ऑफ टू थ्री फोर फाइव सिक्सटी फोर डिस्क यहाँ पे रखे हुए हैं अब स्टोरी क्या है आगे पढ़िए ब्राह्मण प्रिस्ट एक्टिंग ऑन द कमांड ऑफ एन एंशियंट प्रोफेफी हैव बीन मूविंग दीज डिस्क इन अकॉर्डेंस विद द इमिटेबल रूल ऑफ ब्रह्मा सिंस द टाइम इन द पजल इज देयर नोन एज द टावर ऑफ ब्रह्मा पजल द आइडिया इज डिटेल में आपको बताऊँ तो लाइक दे आर सॉल्विंग दिस पजल कंटिन्यूअसली एंड उनका ऐसा मानना है कि जब ये पजल सॉल्व हो जाएगी दैट विल बी द एंड ऑफ टाइम जो जो हमारे यू you नो know, जो पूरा एक साइकिल होता है यू you नो know, सतयुग एन त्रेता युग द्वापर कलयुग वो पूरा साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बेसिकली इसका मतलब यहाँ से आप टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं इट इज़ इन दर्डर ऑफ टू रेज टू पार सिक्सटी बिकॉज आगे जाके हम प्रूव करेंगे इन ऑर्डर टू मूव 64 फोर डिस्क इन सच अ फैशन वी नी टू रेस टू पार सिक्सटी फोर

जब ये हम काम कर लेंगे तो ऑब्वियसली अगर सारा डेटा ऑक्सिलरी पे आ गया तो अब आप एंड डिस्क को बहुत आराम से बिगिन पे पहुंचा सकते हो और फिर जो ऑक्सिलरी टावर माइनस वन डिस्क बचे दे कैन गो टू एंड अब मैं एक काम करके दिखाता हूँ आपको है ना साथ साथ मूव देखते चलेंगे मूव की बात की बात है इसके हिसाब से देखते हैं अगर मैंने यू अलाउ मी टू राइट टावर ऑफ इनो टी ओनली तो टावर ऑफ को अगर मैंने कॉल किया थ्री डिस्क पे फिर देखते हैं सॉल्यूशन काम करता है कि नहीं है ना तो तीन टावर हमारे पास है कौन कौन सा वी हैव बिगिन ऑक्सिलरी एंड एंड बताओ क्या काम करता है तो तो बेस केस तो नहीं है सर नहीं है तीन काम करेगा टावर ऑफ एनोई मूव टावर ऑफ एनोई सो लुक एट दिस ये तीन काम करने वाला है ये कॉल करेगा टावर ऑफ एनोई अगेन इस बार एन पर के एन माइनस वन पे एन माइनस वन और टू पे कॉल करेगा एंड लुक एट दिस अरेंजमेंट बी अपनी पोजिशन पे है बट आखिरी की दोनों जो पैरामीटर्स हो स्वैप हो गए तो I'll do the same thing. B अपनी पोजिशन पे रखता हूँ एंड ये दोनों स्वैप कर देता हूं इन बिटवीन यू हैव सिंगल मूव फ्रॉम बी टू ये बी टू e हमने मूव कर दिया एंड देन अगेन सेम फंक्शन बट दिस टाइम यू सी ई अपनी पोजिशन पे है पहले दोनों पैरामीटर हमने स्वैप कर दिए सो दिस टाइम टावर ऑफ एनोई टू अपनी पोजिशन पे है बी अपनी सॉरी ई e अपनी पोजिशन पे है है ना और ये बीच के दोनों पहले दोनों स्वैप कर दिए तो पहले आ जाएगा ए एंड देन हैव बी यस लेट्स रिपीट द सेम फिर से कॉल करते हैं नाउ लुक एट दिस टावर ऑफ एनॉई इस बार वन पे और अब प्रोसेस सेम है है ना जब पहली बार फंक्शन कॉल करते हैं पहला पैरामीटर अपनी जगह रहेगा अब ये दोनों फिर से स्वैप होंगे तो अगेन बिकम एन ई जब बीच में शिफ्ट करते हैं तो फर्स्ट से लास्ट पे अब इसमें फर्स्ट से लास्ट से शिफ्ट करेंगे तो देर एंड नाउ इस बार जब तीसरा फंक्शन कॉल करते हैं तो आखिरी अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है पहले दोनों मूव होते हैं तो आखिरी अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है एंड देन वी कैन हैव ई एंड बी यस अगेन रिपीट करते हैं नाउ लुक एट दिस आइडिया अभी भी वन पे कॉल होगा क्या अच्छा वन फर्दर कॉल नहीं करेगा नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेस केस जिसमें फर्स्ट टू लास्ट तो यहां पर वी हैव अ सिंगल मूव फ्रॉम बी टू ई एंड एंडर विल हैव अ सिंगल मूव फ्रॉम ई टू ए फर्स्ट से लास्ट में अब जैसे उधर सॉल्व किया ऐसे इधर सॉल्व करते हैं एक बेसिक आइडिया आपका क्लियर होगा बीच माला मूव लिखना बहुत आसान और अब धीरे धीरे पैटर्न याद होने लगेगा तो पहली बार जब हम करते हैं तो पहला पैरामीटर अपनी पोजीशन होल्ड करके रखता है सो दिस इज लाइक ऑन वन सो फर्स्ट विल होल्ड इट्स ग्राउंड ए और ई e और बी को आपस में स्वैप करेंगे और यहाँ पे अगेन लास्ट वाला है ना तो ई विल होल्ड इट्स ग्राउंड सॉरी हाँ ई विल होल्ड इट्स ग्राउंड और पहले दोनों हम स्वैप करेंगे तो दिस इज लाइक बी कॉमा ए हो जाएगा है ना दिस इज बी कॉमा ए बाद में रिडेबल रहे और इधर मूव क्या होगा बताओ दिस इज लाइक ए टू बी एंड दिस इज लाइक बी टू अब एक बार ट्राई करें देखो तीन टावर मान लेते हैं दिस इज लाइक बिगिन दिस इज auxiliary, दिस इज एंड अब देखो इसने कैसे सॉल्व किया स्टेप नंबर वन इसमें हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है पहले कह रहा यहाँ पे तीन डिस्क होंगी हमने तीन के लिए माना है बिगिन से एंड पे ले जाओ तो जो सबसे छोटी डिस्क है मान लीजिए वो एंड पे आ गई देन बिगिन से ऑक्सिलरी पे जो सेकंड नंबर की डिस्क है वो ऑक्सिलरी पे आ गई देन एंड से ऑक्सिलरी पे तो ये जो सबसे छोटी डिस्क है ये इधर आ गई अगेन वही कहानी देखो टोटल तीन थी पहले n 1 यानी कि 2 को हमने ऑक्सिलरी पे लेके चले गए ताकि अब इसको लास्ट में लेके जा सके एंड नाउ ये जो बीच वाला मूव है b2e वेरी सिंपली वी कैन टेक इट टू द लास्ट पॉइंट आगे बढ़िए अगला मूव a2b तो अब ये जो सबसे छोटी डिस्क है ये इधर आ गई देन व्हाट मूव वी हैव इज a2e सेकेंड लार्जेस्ट वाला लास्ट में चला गया एंड द लास्ट मूव इज लाइक बी टू सबसे सी एस आई टी वालों के लिए इशारा काफी है यू कैन अंडरस्टैंड आप दो पे ट्राई करोगे आप कर आपने देखा आपके सामने सेवन मूव्स आए तो यू कैन अंडरस्टैंड अगर एन नंबर ऑफ डिस्क होंगे तो टोटल नंबर ऑफ मूव्स क्या होगा दैट इज टू रेस्ट टू पार एन माइनस वन है ना टोटल नंबर ऑफ डिस्क मूव आपको करने पड़ेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट हाउ मनी फंक्शन कॉल्स विल बी देयर बट आई थिंक नो वडी वी लास्ट इज लाइक टू रेस्ट टू पार एन प्लस वन माइनस वन बट ये एक बेसिक सा कोड है मैंने एक बार रन करके भी दिखा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन का स्कोप यहाँ रहना कि अगर टावर ऑफ इनोवे पर क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे सॉल्व करना है येस नाउ देर आर सम रिमेनिंग क्वेश्चन ऑन द रिक्शन सो दीज आर लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन इनके ऊपर कुछ केसेज और ट्राई करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे तो चलिए रिकर्शन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद और दो क्लासिकल प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व कर ली विच इज़ लाइक फेबोनिकी एंड टावर ऑफ हेनोई उन दोनों के बाद कुछ और बचे हुए एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा रिकर्शन पर काम करोगे ना उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगा तो मेरा मन मानेगा नहीं जब तक अभी और पाँच दस इंपॉर्टेंट केसेस में और स्टडी ना करा दो तो लुक एट दिस इवन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर इसमें तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं तो अब एक बहुत सिंपल सा एक यू नो कोड हमारे पास लिखा हुआ प्रिंट एरे ए आई कॉमा जे तो ए मान लीजिए एरे का नाम है और आई और जे मान लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स है और आपको कि ये जो पूरा स्टेटमेंट -पूरा है रिकर्सिव यहां पर किया गया, क्या कर रहा है तो मी डू वन थिंग एक छोटा सा सिंपल एरे हम बना लेते हैं है ना, ताकि मोटी मोटी बात हमें समझ आ जाए एंड टू मेक दिंग सिंपल चलिए मैं वन से स्टार्ट कर लेता हूँ सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा करके कुछ बना लेते हैं और कोई कंपैरिजन वगैरह नज़र आ नहीं रहा आई थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रेवर्सल सो मैं ए बी सी डी ई एफ ऐसे कुछ वैल्यू लेके स्टार्ट करता हूँ तो फंक्शन का नाम है प्रिंट ए रे लेट मी कॉल इट प्रिंट उसके अंदर क्या एरे तो गया है कि ऑब्वियसली बस आई और जे की वैल्यू रख लेता हूँ मैं सो आई इज़ वन एंड जे इज सिक्स है ना आप बताइए क्या करना है क्या आई और जे इक्वल है क्या सर ऑब्वियसली आई और जे इक्वल नहीं और साथ साथ ये भी सोचते रहिए कि आई और जे इक्वल होगा कब तो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स भला इक्वल कब होंगे जब एरे के अंदर एक ही एलिमेंट होगा वो तो अभी नहीं है नहीं है तो क्या करना है एल्स में आ जाना है कह रहा है ए आई पे जो भी वैल्यू प्रिंट करो और दोबारा से फंक्शन कॉल करो आई प्लस वन कॉमा जी पे तो बोलो क्या होगा फिलहाल ए ऑफ वन पे वैल्यू है ए तो ए प्रिंट हो जाएगा और फिर से मैं फंक्शन कॉल करूंगा किस पर आई प्लस वन माने वन प्लस वन कितना हो गया टू टू कॉमा सिक्स पे स अ वेरी सिंपल आइडिया अब आपको धीरे धीरे अप्रोज समझ आने लगेगी बोलो टू कॉमा सिक्स पे क्या करना है फिर से आप जाइए चेक करिए क्या टू और सिक्स आपस में इक्वल है नहीं सर टू और सिक्स आपस में इक्वल नहीं है नहीं है तो क्या करना है अगेन द यू सीट दो काम हमारे पास है प्रिंट करना है सो आई हैव बी एंड देन फिर से कॉल करना है टू प्लस वन पे तो नाउ आई थिंक बिहेवियर आपको एकदम क्लियर होगा कैसे आगे बढ़ रहा है बेसिकली हम प्रिंट करा रहे हैं तो इस बार अंदाजा लगाया जा सकता है सी प्रिंट होगा फिर आगे बढ़ेंगे दिस इज फोर कॉमा सिक्स देन डी प्रिंट होगा फिर आगे बढ़ेंगे दिस इज फाइव कामा सिक्स देन ई प्रिंट होगा फिर आगे बढ़ेंगे दिस इज सिक्स कामा सिक्स एंड फाइनली सिक्स कॉमा सिक्स पर देखिए बेस केस आएगा जहाँ पे ए ऑफ फाइव प्रिंट है ना बट रिटर्न करना है तो दिस इज लाइक एफ तो देखो सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन इस तरह के बेसिक काम करने आपको आने चाहिए मान लीजिए कोई कहता है कि ठीक है एक एरे ट्रेवर्स करना है या एरे की वैल्यू प्रिंट करानी है बट किस फैशन में इन अ रिकर्सिव फैशन तो दे यू सी एन एग्जाम्पल जो एरे को ट्रेवर्स कर रहा है उसके सारे वैल्यू प्रिंट करा रहा है इन ए रिकर्सिव फैशन बहुत सिंपल आइडिया आगे देखते हैं देखो इस तरह का आइडिया हमने पहले भी किया था यहाँ पर एवरी थिंग रिमेन्स द सेम बट दे यू सी इज अ चेंज तो इस बार टेल रिकर्शन है कि हेड है लास्ट एग्जाम्पल में दिस इज टेल रिकर्शन तो पहले जो काम करना था किया है ना उसके बाद रिकर्सिव कॉल हो रहा है बट इन दिस एग्जाम्पल क्या चेंज कर रहे हैं दिस इज लाइक टेल रिकर और दिस इज लाइक हेड रिकर्शन बिकॉज पहले कॉल कर रहे हैं फिर प्रिंट करा रहे हैं तो अगर इस पर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे बताइए किस तरह से ऑब्जर्वेशन हमारा चलेगा सो लेट मी से वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स लाइक दिस और दोबारा से सेम एग्जाम्पल सेम बात समझने के लिए ताकि डिफरेंस भी समझ आए लेटमी ग्रेट अ सेम एग्जाम्पल चलिए शुरू करते हैं फिर से वही बात प्रिंट एरे है वैसे तो नाम से भी काम समझ आ रहा है सो लेट मी कॉल प्रिंट ऑन आई कॉमर सिक्स वन कॉमर सिक्स क्या आई और जे इक्वल है नहीं सर इक्वल नहीं है इक्वल नहीं तो एल्स में आएंगे और दो काम करना है पहला फंक्शन कॉल करना किस पे अगेन आई प्लस वन कॉमर जे पे तो वन प्लस वन इज टू कॉमर सिक्स

फिर आगे बढ़िए अब रिकर्शन है तो हर बार सेम स्टेप ही चलेगा सो दिस इज लाइक टू प्लस वन दैट इज थ्री कॉमर सिक्स और फिर से प्रिंट होगा ए ऑफ आई और इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आई की वैल्यू टू है ए ऑफ टू पे लिखा हुआ है बी तो बी प्रिंट होगा एंड आई थिंक अभी आप पूरा पैटर्न डिकोड करने लगेंगे सो so इस बार आपको मिलेगा सी फिर आगे बढ़ेंगे फाइव कॉमर सिक्स पे कॉल होगा इस बार आपको मिलेगा डी फिर आगे बढ़ेंगे कॉल होगा सिक्स कॉमर सिक्स पे इस बार आपको मिलेगा ई e, और क्या सिक्स पे फर्दर कॉल होगा नहीं सो दिस इज अ बेस केस ऑफ रिकर्शन जहां पे आप देख रहे हैं डायरेक्ट प्रिंट कराना है तो सिक्स कॉमा सिक्स पे आपको मिलेगा एफ तो मैं चाहूंगा डायरेक्ट प्रिंट कराऊंगा है ना अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे बताइए कैसे इसको देखेंगे इस तरह से ऑब्जर्व करने वाले हैं तो ये एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करेगा बट किस तरह से इन अ रिवर्स फैशन दैट टू विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन तो हम ये जो भी कोड हम इटरेशन से नहीं लिख रहे किससे लिख रहे, हैं? से लिख रहे हैं। तो आई थिंक और हमेशा मैं तो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो मानो मर गया क्वेश्चन जिंदा तभी तक है जब तक सॉल्व नहीं हुआ तब तक फन है तो आप ट्राई करो पूरी बात समझने की कोशिश करो फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा कोई बात नहीं देन उसके ऊपर हम काम करेंगे चलिए तो यहां पर क्या कर रहा है अभी समझ नहीं आ रहा तो लेट मी डू वन थिंग और लेकिन वैल्यू कंपैरिजन आपको दिख रहा है तो मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना ऐसा करके कुछ रेंडम वैल्यूज यहाँ पे फिल कर लेता हूँ सो लेट मी टेक टेन एंड लेट मी टेक लेटमी दिस इज सिक्सटी दिस इज फोर्टी इधर रख लेता हूँ थर्टी और इधर रख लेता हूँ फाइव जीरो फिफ्टी समथिंग लाइक दिस फंक्शन कॉल हुआ प्रिंट समथिंग अभी क्या प्रिंट होगा पता नहीं सो so, हमने अगेन प्रिंट फंक्शन कॉल कर दिया आई इज द लोअर बाउंड जे इज द अपर बाउंड सो दिस विल दिसक वन कॉमर सिक्स ठीक है आगे बढ़ते हैं तो बेस केस तो नहीं चला एल्स में आ गए अब क्या कह रहा हैं देखो चेक करो कह रहा है चेक करो क्या ए ऑफ आई की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू है क्या ए ऑफ जे के तो यहाँ पर मैं देखता हूँ सर ए ऑफ आई का जो वैल्यू है दैट इज ऑफ वन विच इज फिफ्टी एंड ए ऑफ जे इज थर्टी क्या फिफ्टी थर्टी से कम है नहीं फिफ्टी थर्टी से कम तो नहीं है तो इफ फेल हो गया वी गो टू द एल्स 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 और में में क्या करना नोटिस करिए कर रहे दोटिस करिएशन कॉल आई कॉमा जे माइनस वन पे तो मानो थर्टी को हमने इग्नोर कर दिया ना कुछ प्रिंट किया ना कोई और ऑब्जर्वेशन प्लस माइनस कुछ नहीं जस्ट अ फ्रेश कॉल ऑन फाइव वन कॉमा फाइव यस अब देखिए वन कामा फाइव पे क्या करना है फिर से मैं आऊंगा चेक करूंगा क्या आई और जे इक्वल है नहीं इक्वल नहीं है देन आगे बढ़िए क्या करना है इस बार देखिए आई एंड जे क्या ए ऑफ आई क्या फिफ्टी सिक्सटी से कम या बराबर है हाँ है तो और अगर ऐसा है आई प्लस वन कामा जे पे कॉल कर रहा है इस बार आई को इग्नोर कर रहा है सो दिस इज लाइक टू कामा फाइव देखो मेरे को जो मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है ना आप एक बार और एनालाइज करना पूरी बात फॉलो कर पा रहे हैं आई थिंक ये हमेशा स्मॉलर वैल्यू को इग्नोर कर रहा है फिर आगे बढ़ रहा है स्मॉलर वैल्यू इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है so, सो शायद ये बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा ना बड़ा टू कॉमा फाइव क्या फोर्टी सिक्सटी से कम है हा है तो इफ कंडीशन एप्लीकेबल होगा ये कॉल करेगा थ्री कॉमा फाइव पे देन क्या ट्वेंटी सिक्सटी से कम है जी हाँ है अगेन इफ कंडीशन एप्लीकेबल होगा कॉल होगा फोर कॉमा फाइव पे

रिकर्सिवली रिकर्सिवली तो क्योंकि कुछ केस एरे के डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर बट द कोर आइडिया बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर मान लेते रेंडम बाइनरी ट्री हमारे पास है कह रहा है ये कोड है बताओ क्या कर रहा है

फिर वही बात रिकर्शन का गेम है सर तीन काम कर रहा है पहले सेम फंक्शन कॉल कर रहा है लेफ्ट साइड पे उसके बाद प्रिंट करा रहा है एंड देन सेम फंक्शन कॉल कर रहा है राइट right साइल पे सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस अंडरस्टैंडिया मैं कॉल कर रहा हूँ वन पे सेम फंक्शन कॉल करूंगा लेफ्ट चाइल्ड पे सो आई हैव ऑफ है उसके बाद वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ बीच में सो आई हैव एंड देन सेम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ राइट चाइल्ड पे देखिए इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉलो कर पा रहे हैं क्या एक्सक्यूज मी और बिकॉज रिकर्शन है अब यही प्रोसेस फिर से आगे बढ़ेगी अब बोलो W2 क्या करेगा W2 भी कॉल करेगा बट बिकॉज टू का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो दिस इज लाइक ए नल देन टू प्रिंट करेंगे बट क्योंकि राइट right चाइल्ड नहीं है दिस इज ऑल्सो लाइक ए नल थ्री क्या करेगा थ्री भी सेम काम करेगा कॉल करेगा लेफ्ट चाइल्ड पे और वो एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ फोर एंड देन प्रिंट करेंगे थ्री एंड देन कॉल करेंगे राइट right चाइल्ड पे एंड वो भी एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस इज लाइक फाइव आगे बढ़िए नाउ डब्ल्यू फोर पे कॉल करेंगे एंड अगेन यहाँ पे भी लेफ्ट चाइल्ड नल होगा राइट right चाइल्ड नहीं नल हो, होगा तो वैल्यू प्रिंट होगा फोर सिमिलरली फाइव पे कॉल करेंगे तो लेफ्ट चाइल्ड नल होगा राइट चाइल्ड नल होगा और यहाँ पर आ जाएगा फाइव तो मुझे बताओगे ऑब्वियसली क्या हो रहा है यहाँ पे सो दिस इज लाइक पहले टू आया फिर वन आया फिर फोर आया फिर थ्री आया फिर फाइव आया इजन दिस लाइक सूडो कोड फॉर अ इनऑर्डर ट्रेवर्सल बाद में हम कोड भी देखेंगे बट दैट इज हाउ इट इज डन तो हमें देख के लग रहा है कितना मुश्किल होता होगा हमारे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वीक है या रिकर्शन की भी अच्छी समझ हमें नहीं है दिस इज हाउ यू डी इट तो मैं ऐसा नहीं कर रहा अभी सीधे जाके आप प्रोग्राम लिखो उसकी बात आगे करेंगे बट मैं आपको बस ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको रिकर्शन समझ में आता है अगर आप इस तरह से पूरी प्रोसेस डी कर सकते हैं तो यही तरीका है सर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे इसमें कोई नई बात नहीं है सिमिलरली आई थिंक दैट यू कैन ट्राई ऑन होमवर्क नाउ दिस इज इन ऑर्डर पहले डेटा फिर लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड सो जैसा आपने अगर पढ़ा होगा रूट दिस इज द रूट एंड दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट सो दिस इज द आइडिया ऑफ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड देन लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड एंड देन द रूट सो दिस इज आइडिया ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल तो तीनों ऑर्डर हमारे पास है यहाँ मैंने जान बुझ के मिक्स किया है

वॉट ही नाम वॉट रख लेता बोलो कितने काम कर रहा है सिर्फ बार पांच काम कर रहा है एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे पांच काम तीन बार तो प्रिंट ही करना है सो प्रिंट ए प्रिंट ए प्रिंट ए दो बार हम कॉल कर रहे हैं सो दिस इज लाइक ए का लेफ्ट चाइल्ड ऑन बी एंड दिस इज राइट चाइल्ड सो ए का राइट चाइल्ड ऑन सी अब बी क्या करेगा देखिए बी फर्दर पांच काम करेगा एक दो तीन चार पाँच अभी बी का लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो नहीं है सो दिस इज़ लाइक नल ओनली है ना बट वैल्यू प्रिंट तो करते हैं और कितनी बार करते हैं तीन बार सो दिस इज लाइक बी 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 फिर आगे बढ़िए आसी पर भी एक दो तीन चार पाँच पाँच काम करेंगे तो बोलिए फिर से वही सी 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 और सी का लेफ्ट चाइल्ड है तो देर विल बी अ कॉल ऑन डी बन राइट चाइल्ड नहीं है डी पे काम करेंगे फिर से पाँच काम एक दो तीन चार पाँच

कैन दिस पर्टिकुलर केस अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ नॉट इम्पॉर्टेंट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वर्ड बाय वर्ड एग्जाम में आए बट आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए अगर रिकर्शन से कोई भी क्वेश्चन आता है बी इट योर सेमेस्टर एग्जाम जिस पर भी मेरा मेन कॉन्सेंट्रेशन है और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉसिबल ट्री इज द की आप ये सिस्टम समझ लीजिए और टोटल पैटर्न समझिए और फोड़ते जाइए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नाउ लेट मी ट्राई अ केस ऑफ़ इनडायरेक्ट रिकर्शन अभी तक जितने भी केस हमने सॉल्व किए चाहे प्रैक्टिस केस थे या हमारे दो क्लासिकल प्रॉब्लम थे विच इज लाइक टावर ऑफ एनोई एंड यू नो और कौन सा क्या फिवनी किया बट सब डायरेक्ट रिकर्शन थे इनडायरेक्ट रिकर्शन काम करता है क्या करता है कैसे करता है नोटिस करिए सो अगेन अलाउ मी टू हेल्थ हैम ट्री ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इस तरह का बहुत छोटा सा ट्री इमेजिन कर लेता हूँ एंड दे यू कैन सी देर आर टू फंक्शंस

कॉल करता है लेफ्ट चाइल्ड पे लेकिन किस को बी को एंड ए का लेफ्ट चाइल्ड है बी इन बिटवीन प्रिंट करा रहा है सो यू विल हैव वैल्यू ऑफ ए एंड देन कॉल यूल है राइट चाइल्ड को विच इज लाइक सी देखिए यहाँ तक का बेसिक ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर है अब लेवल टू पर किसका डेफिनेशन एप्लीकेबल होगा ए का नहीं होगा बी का होगा क्योंकि इस बार देखिए नोटिस करिए हमने किसको कॉल किया बी को कॉल किया तो सुनिए जरा बी की क्या कहानी है अब बी का लेफ्ट चाइल्ड ना राइट चाइल्ड है सो मैं प्रिंट जरूर करूंगा बी को बट ऑन लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड देर विल बी नथिंग सी पे आ जाते हैं अब यहाँ पर फिर से तीन काम मुझे करने हैं बट थैंकफुली सबसे पहला काम तो मैं कर पाऊंगा विच इज लाइक प्रिंटिंग द वैल्यू बी को यही कहता है और उसके बाद कॉल होगा लेफ्ट और राइट चाइल्ड पे सो so, लेकिन ये कॉल करेगा किसको? A को ए so, को सो ए को कॉल करेगा सो दिस इज अ कॉल एंड दिस इज नथिंग बिकॉज कुछ है नहीं वहाँ पे Uh, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है आखिरी केस डी बचा और डी पे किसका डेफिनेशन एप्लीकेबल है ए का तो चलाइए को सर कितना काम करना है तीन काम कॉल करना है कॉल करना है प्रिंट करना तो कॉल कॉल ऑब्वियसली होगा नहीं बिकॉज कोई एलिमेंट नहीं है प्रिंट होगा सिर्फ तो बताइए क्या कहानी बनी सो वी हैव बी एंड देन वी हैव ए एंड देन सी एंड देन डी बी सी ए डी ये फाइनल प्रिंट होगा One idea that you can try by yourself, कि हमने पे 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 किसको call किया? एको, एको किया को, को ना? आप ये same process repeat करने का try कर सकते हो, तो एक बार B पे call करके देखो रूट पे करेंगे तो क्या सिक्वेंस में चेंज होगा जो भी होगा कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना यस yes, आगे बढ़ते हैं <coughs> और कुछ के फीलिंग बोर आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं अगर एक या दो दिन बचा या आखिरी रात है टूवर्ड्स द सेमेस्टर एग्जाम यू कैन स्किप दैट पार्ट अदरवाइज अल से सीखने का मौका है सीख लो फिर बाद में बहुत काम आएगा तो मैं अलग अलग केसेस ट्राई करा रहा हूँ नाउ दिस इज अ रिकर्शन अगेन कोड का नाम है फन और बोला ट्वेंटी फाइव कॉल करो बताओ क्या होगा ट्राई कर लेते हैं तो फन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सर एफ से एंड लेट मी कॉल इट ऑन ट्वेंटी देखिए जरा क्या जीरो है क्या बेस केस है नहीं जीरो नहीं है

तो so, 25 फाइव बाई टू इज़ नॉट ट्वेल्व पॉइंट फाइव मतलब एक्चुअली इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव बट क्योंकि इंटीजर है तो पॉइंट फाइव चला जाएगा कॉल किस पे होगा सर कॉल ट्वेल्व पे होगा फिर आगे बढ़िए ट्वेल्व पे से जब तक जीरो नहीं हो जाता सेम प्रोसेस रिपीट इस बार आई थिंक रिमाइंडर होगा जीरो ट्वेल्व इज आ इविन नंबर और कॉल होगा सिक्स पे रिमाइंडर होगा जीरो कॉल होगा थ्री पे रिमाइंडर uh, होगा वन कॉल होगा वन पे थ्री डिवाइड बाई टू इज़ लाइक वन पॉइंट फाइव विल बिकम वन एंड देन रिमाइंडर होगा वन कॉल होगा एक्सक्यूज़ मी ज़ीरो पे और जब ज़ीरो पे कॉल होना है तो क्या करना है सर ज़ीरो पे कॉल होगा तो रिटर्न होगा तो बेसिकली क्या सीक्वेंस मिलेगा सो दिस इज़ लाइक वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 जीरो जीरो वन वन सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर एक बार देखिए पूरा प्रोसेस समझ पा रहे हैं क्या सो हियर वी हैव अ वैल्यू रिकर्शन के हिसाब से आगे बढ़ते गए

थ्री पे ट्राई करना क्या करने का देखिए एक्स जीरो है क्या? अगर एक्स जीरो है तो रिटर्न करो वाई को है ना ओके नहीं जीरो नहीं है सर जीरो नहीं है, तो फिर से कॉल कैसे करेंगे फंक्शन कॉल करिए एक्स की वैल्यू एक कम तो मानो थ्री हो गया और एक्स प्लस वाई तो ये हो गया सेवन मेक सेंस आगे डेफिनेशन बढ़ती जाएगी एक एक वैल्यू कम हो रहा है जब तक खत्म नहीं हो जाता फिर से कॉल करिए बोलिए क्या होगा आई थिंक एफ की X की एक्स वैल्यू हो 12, अभी भी बेस केस नहीं है एक और कॉल करना पड़ेगा इस बार कॉल होगा जीरो दैट विल बिकम थर्टीन यस और हमसे किसका वैल्यू पूछा है मुझे बताइए रिटर्न करना है वाई को ओके okay. तो जैसे ही जीरो हुआ रिटर्न करा वाई और y को रिटर्न किया तो मानो फाइनल वैल्यू आएगा यस सो दिस इज अ वेरी सिंपल येट इंटरेस्टिंग केस ऑन रिकर्शन विद टू वेरिएबल्स इनवॉल्व और देखें अब देखो ये केस क्या है यहाँ पे एक्स और वाई की तो बात कर रहे हैं बट फिर मैरिक वैल्यू की बात ही नहीं की सो बेसिकली वॉट वी वॉन्ट यू वॉन्ट कि हम आपका कंक्लूजन जाने अब इसमें या तो हम खुद से वैल्यू भर के ट्राई करें एक बार कोड को देख ले कभी कभी चीजें आसान हो जाती हैं जैसे देखिए फिर से एक्स और वाई पे कॉल कर रहे हैं और बेस केस क्या बोल रहा है कि अगर y की वैल्यू जीरो है तो रिटर्न कर दो जीरो अगर y की वैल्यू जीरो आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉल जीरो पे इस डेफिनेशन के हिसाब से आंसर जीरो होना चाहिए क्योंकि y जीरो है तो जीरो मिलेगा दो ऑप्शन ए को अगर मैं चेक करूं तो टू प्लस जीरो आंसर टू होगा ऑप्शन तो ए बाहर हो गया सिमिलरली यहां पर ऑप्शन बी के हिसाब से तो डेट इज टू प्लस टू टू जीरो यहाँ पर भी आंसर टू होगा ये भी बाहर बिकॉज हमारा आंसर तो जीरो आ रहा है यहाँ देखिए सी के हिसाब से मल्टीप्लाई इट मे होल्ड गुड बिकॉज टू टू जीरो इज लाइक जीरो तो ये सेंस कर रहा है एंड एक्स इज लाइक टू का एक्स का पावर वाई टू का पावर जीरो इज ऑल्सो वन इज इट एनीथिंग रेस टू पार जीरो इज वन तो ये भी गलत है ये देखिए इस बार हमने रिकर्शन ट्राई नहीं किया कुछ बेसिक वैल्यू सेट करके गेम समझ गए और आप समझेंगे भी x, y तो जब मैं लिखता हूँ x मल्टीप्लाई बाय वाई तो क्या इसका मतलब ये होता है एक्स को एड करना है मल्टीपल टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स y टाइम्स एड करना है तो वही तो कर रहा है ये देखो हर बार Y की वैल्यू एक एक कम करता जाएगा और हर बार एक्स एड कर रहा है एक्स एड कर रहा है तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर तो डायरेक्ट भी एनालाइज कर सकते हैं वैल्यू भर के भी देख सकते हैं बट द कंक्लूजन इज दिस इज अ सिंपल आइडिया और अ रिकर्सिव आइडिया ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूजिंग रिकर्शन यस नाउ व्हाट इज दिस अगेन अभी मेरे ख्याल से दिस इज लास्ट केस ये आप ट्राई करके देखो एंड आई थिंक इट इन्वॉल्व इन डायरेक्ट रिकर्शन कॉल करना है एफ टू पे एफ वन फन और फन टू दो फंक्शन है ट्राई करो चार ऑप्शन है एंड यू कैन ऑलवेज टेल इन द कमेंट फेयर इनफ एंड दिस इज एंड ऑफ रिकर्शन सो आई थिंक स्टैक पे बहुत टाइम हमने लिया रिकर्शन का थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा लिया बट ट्रस्ट मी इट इज रिक्वायर्ड और बहुत सारा फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हो गए जो बाद में स्पेशली इन द कोडिंग पार्ट एंड द प्रोग्रामिंग पार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा नाउ द आइडिया इज क्यूज क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है कैसे काम करता है क्या ऑब्जर्वेशन है एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन स्पेशली इन द सेमेस्टर एग्जाम कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं चलिए अभी एक एक करके ट्राई करेंगे हेलो एवरी वन सो नाउ अभी बात करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगेन देखिए जैसे मैंने पहले भी एक बार बोला था स्टैक के बारे में रियालिटी में डेटा स्ट्रक्चर तो सिर्फ दो हैं अप्रोच दो ही हैं आइदर यू एरे और यू लिंक लिस्ट है ना लेकिन वेदर वो स्टैक है या वो क्यू है देआर काइंड ऑफ एन आइडिया जिसको हम हर तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम एरे से भी कर सकते हैं हम लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं

और अपने लाइफ में धीरे धीरे ट्रांजिशन देखना है क्यों से बाहर जाने का बिकॉज टेक्नोलॉजी इज देयर सो आई थिंक अभी पे यू नो you know, पे कह रहा हूँ ए टी एम पर आप देखिए कितनी लाइन लगा करती थी एंड आई कोड रिमेंबर कि जब हम कॉलेज में हो करते थे करेंसी निकालनी हज़ार रुपया दो हज़ार रुपये चाहिए अभी एवरीबडी इज़ यूजिंग यू पी आई तो काइंड kind ऑफ of, मुझे याद नहीं कि इतना स्ट्रगल रहता भी है कि नहीं लाइव करेंसी निकालने के लिए मतलब फिजिकल करेंसी निकालने के लिए तो क्यों का ऑब्जर्वेशन क्या है सबसे पहले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो ये जो भाई साहब सबसे आगे खड़े हुए हैं ये ऑब्वियसली सबसे पहले एंटर किए होंगे तभी ये सबसे आगे है जब ये जो भी रिक्वेस्ट करने आए हैं जो भी प्रोसेसिंग कराने के लिए आए हैं जैसे ही वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी अगला नंबर दूसरे का आएगा इंसर्शन कहाँ से होगा इंसर्शन हमेशा लास्ट से होगा थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी तो यहाँ पर लास्ट वाले एंड को हम क्या बोलते हैं वी कॉल्ड रियर शॉर्ट में आर लिख देता हूँ बार बार पूरा आइडिया वन रिपीट करना पड़ेगा और स्टार्टिंग में जो होगा पॉइंटर या जो मान लीजिए मार्कर जो होल्ड करके रखा है दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट है ना तो हम बोल सकते हैं क्यों हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी डिलीशन हमेशा फ्रंट से होगा इंसर्शन हमेशा रियर से होगा एक साइड से लोग आते जाएंगे बाहर जाते जाएंगे एंड आइडिया इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट तो जहाँ पर भी इन जनरल अब कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स में बात करें जहाँ पर भी रिसोर्सेस कम है लिमिटेड हैं और प्रोसेस ज़्यादा हैं तो क्या करना पड़ेगा सर लाइन लगानी पड़ेगी लाइन लगाइए जब आपका नंबर आएगा तो पहले आओ पहले क्यों लगी हुई है no तो जब तक हम अलग से बोलेंगे, नहीं, मान के चलेगा प्रायोरिटी का है, कोई नहीं है क्यों देखो बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि प्रायोरिटी नहीं है सोचो इस बात को मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि प्रायोरिटी नहीं है बिकॉज प्रायोरिटी होती तो फिर लाइन किस बात की थी इज इट वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया प्रायोरिटी होती है तो प्रायोरिटी खुद में खुद रिजोल्व कर देती है लाइन लगती तब है जब प्रायोरिटी ना हो आप कुछ पॉइंट ऑब्जर्व कर लेते हैं अ क्यू इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट द वन एंड कॉल्ड द फ्रंट तो यहाँ से डिलीट होता जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे

एंड सी वॉलेट द प्रोटोकॉल ऑफ द क्यू क्या होना चाहिए इनके साथ बिना पूछे आगे आगे लग गए <laughs> हालांकि भी कर चेक करिए तो दिस इज द फ्रंट पॉइंटर दिस इज द र्यू रियर पॉइंटर द न्यू एलिमेंट उसको इधर आना चाहिए था बट ऑब्वियसली आपको रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे हालांकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हार्ड सोल्यूशन दिखा दिया गया है सो जोक्स अ पार्ट एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और मुझे आपको कराना है डिफरेंट आइडिया समझाने के लिए देखिए ये मैंने अलग अलग रियल फोटोग्राफ्स लिए हैं रियल लाइफ से तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग सिनेरियो में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ लुक एट दिस फर्स्ट टू सिनेरियोस यहाँ पे आ, समझ आ रहा है कि शायद एक लंगर है और लंगर में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एंड देर आर प्रोसेसर निस लिटल बॉय इज अ प्रोसेसर पीछे एक लेडी uh, आ रही है दिस इज अ प्रोसेसर जो अलग अलग रिक्वेस्ट प्रोसेस करते जा रही हैं बट द पॉइंट इज कि जो एलिमेंट्स हैं उनको कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है वो अपनी जगह होल्ड करके रखेंगे प्रोसेसर आपके पास आएगा और सर्विस करके जाएगा कुछ इसी तरह का आइडिया यहाँ भी यूज हो रहा है देखिए बहुत सारे प्रोसेस बैठे हुए हैं प्रोसेसर आएगा और इस तरह का यू you नो know, आपने मंदिर में और अलग अलग जगह पे इस तरह का आपने तरीका देखा होगा खाना खिलाने का है तो लॉजिकली यह क्यू ही यहां देखिए या यह साउथ इंडिया में कोई मूवी रिलीज हुई है ऑफकोर्स रजनीकांत की सो दे यू सी अ लॉन्ग क्यू ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और अब यहाँ पर क्या होगा देखिए जब पहले वाले बंदे को जो भी मुझे समझ नहीं रहा, अब क्यों कहाँ से कहाँ जा रही है बट स्टिल जब पहले वाला आदमी को टिकट मिलेगा तो क्या होगा तो ये सारी लाइन एक एक स्टेप आगे बढ़ेगी इन दोनों एग्जाम्पल में यू होल्ड योर ग्राउंड प्रोसेसर आपके पास आता है यहाँ प्रोसेसर अपनी जगह रहता है एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं ये एग्जाम्पल देखिए दिस इज द फोटोग्राफ वेन अव आई फोन रिलीज इन एप्पल हेड क्वार्टर तब क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा है लाइन कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म हुई है बट नया आई फोन रिलीज हुआ है तो इन दोनों एग्जाम्पल में इन दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है देखो अगर प्रोसेसिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए ना भीड़ बहुत ज्यादा हो मतलब इस तरह के सिनेरियो में अगर आप एलाकार टाइप सिस्टम कर दे वफे लगा दे कि आप जाइए और जगह सामान लेके आइए भीड़ हो जाएगी क्रॉस हो जाएगा तो बेटर अप्रोच क्या है आप आदमी को एक जगह बिठा दो और वहीं पर ले जाके उसको सर्विस कर दे इस तरह के सिनेरियो हमने क्या किया है लाइन लगे हुए उनको सबको एक एक स्टेप आगे ला दें अब ये फिलॉसफी मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इन कंप्यूटर साइंस हम क्या करते हैं देखिए जैसे ही क्यू के आगे जो सबसे पहला एलिमेंट है मान लीजिए सबसे आगे लेट मी हैव अ क्यू सबसे आगे एक एलिमेंट है अगर ये प्रोसेस हो जाता है तो क्या हर स्टेप को या हर एलिमेंट को आप एक एक स्टेप आगे, आगे स्वैप करेंगे रन टाइम पे तो ऐसा करने का सोचिएगा भी मत बिकॉज ऐसा करने से बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा स्पेस हमारा वेस्ट होगा है ना तो एलिमेंट्स विल होल्ड देयर ग्राउंड वो अपनी जगह बने रहेंगे जो पॉइंटर्स हैं फ्रंट और रियर वो समय के साथ आगे पीछे चेंज होते हैं और ऐसा करने का एडवांटेज क्या होगा भी आगे, आगे आप देखोगे अगेन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल गोड कर रहा हूँ कि क्योंकि अगेन uh, प्रोसेसिंग वाला आइडिया है रिसोर्स कम है और प्रोसेस ज्यादा हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं राउटर राउटर में भी बहुत सारे पैकेट्स होंगे क्यू लगाते हैं राउटर के अपने प्रोसेसिंग डिले हैं जब आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा आप आगे जा सकते हैं लिकिड बकेट टोकन पकेट वाला एग्जांपल आप जानते हैं यहाँ पर भी हम क्यू मेंटेन करते हैं जस्ट सो दैट जो फाइनल कंक्लूजन है जो स्पीड है उसको थोड़ा स्टेबलाइज किया जा सके तो रिप्रेजेंटेशन की बात करूं अगर विद द हेल्प ऑफ एरे तो मैंने आपको बताया दो पॉइंटर है और डिफॉल्ट केस मान के चल रहा हूँ तो जीरो से लेके सेवन तक जा रहा हूँ दो केस यहीं पर ऑब्जर्व करिए देखिए हमारे पास दो पॉइंटर है

अब फ्रंट अपनी पोजीशन होल्ड करेगा लेकिन जैसे जैसे इंसर्शन होता जाएगा रियर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा ध्यान से समझिएगा इस बात को क्योंकि पूरी मैकेनिज्म हमें सीखनी है एक और इंसर्शन होगा तो फिर रियर एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा तो कहने का मतलब क्या है जब भी इंसर्शन होगा और क्यू में इंसर्शन को क्या बोलते हैं एनक्यू जैसे स्टैक की अपनी डेफिनेशन थी ना पुश एंड पॉप की लाइक like दिस यहां पर भी जब इंसर्शन होता है तो बोलते हैं एनक्यू हुआ है इंसर्शन हुआ है जब डिलीशन होता है तो बोलते हैं डी क्यू हुआ है डिलीट हुआ है यस yes? तो कैन आई से जब भी इंसर्शन होता है व्हाट डू वी डू वी डू रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ यस yes? अब ये लोग इसी ऑर्डर में आए तो बताओ सबसे पहले कौन आया सर सबसे पहले ए आया है फिर बी आया है फिर सी आया है, फिर डी आई सो सोफर अब जब डिलीशन होगा तो क्या होगा सर डिलीशन होगा ए का और उस केस में अभी फ्रंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा दैट इज फ्रंट इजिकल्स टू फ्रंट प्लस वन तो दो बेसिक बात हमें समझ आती है एक दो एलिमेंट और डिलीट कर दो सो so, सी अभी फ्रंट आ गया रियर के पास तो जबी भी डिलीशन होता है है ना जबी भी डिलीशन होता है व्हाट इज व्हाट इज हैपनिंग

अ लीनियर क्यू और अ सिंपल क्यू एंड वन इज कॉल्ड अ सर्कुलर क्यू तो अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं लीनियर क्यू देख रहे हैं इसको पहले समझेंगे और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उन प्रॉब्लम को सही करने के लिए जब हम दूसरे क्यू पर जाते हैं दीज क्यूज आर नोन एज सर्कुलर क्यूज है ना तो पहले सिंपल लीनियर क्यू समझिए अगेन देखिए इंसर्शन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर का नाम है क्यू वट इज एन ऑब्वियसली द साइज तो जीरो से लेके सेवन तक जा रहा है इंडेक्स तो साइज क्या हो गया सर साइज हो गया एट फ्रंट एंड रियर दो पॉइंटर है ऑब्वियसली स्टार्टिंग में है, तो टू जीरो, क्योंकि भी चालू करेंगे. Uh, not, not zero, हो सकता है अब यहां देखिए इंसर्शन में हमने पहले से सीख क्या है जब भी इंसर्शन होता है क्या चेक करते हैं सर ओवरफ्लो चेक करते हैं कैसे चेक कर रहे हैं इफ रियर इज इक्वल्स टूजिकल टू n माइनस वन अगर रियर इजिकल टूज टू एन माइनस वन है उस केस में मैं क्या लिखना है है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर क्या होगा एन की वैल्यूट एट इंसर्ट करने की जगह रहेगी नहीं तो चेक करना, मानो इंसर्ट होते होते रियर लास्ट तक पहुंच गया अगर ओवरफ्लो नहीं है, है ना तो आगे बढ़ेंगे जो कि फिलहाल मान लेते हैं ऐसा मान लेते हैं कि फिलहाल फ्रंट पॉइंट कर रहा है ए पे और रियर पॉइंट कर रहा है

केस जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पे है, तो इसका भी एकदम खाली है। और क्यू खाली है तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को चेंज करना पड़ेगा इस केस में वैसे तो नॉर्मली इंसर्शन में रियर रियर प्लस वन करते हैं बट अगर पहला एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो फ्रंट को भी जीरो पे लाना पड़ेगा तो ये हमारा स्पेशल केस हुआ सो फर्स्ट इफ कंडीशन आइडेंटिफाइज द्लो Second special condition identifies weather, जो element हम insert कर रहे हैं वो first element तो नहीं है और अगर दोनों में से कोई भी केस नहीं है जो कि हमारा case है क्योंकि हमारे case में तो फ्रंट पहले से जीरो पे है माइनस वन पे नहीं है तो रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस वन तो यहां पर पहले पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा देखिए और ऐसा हमने हमने हमेशा किया स्टैक में भी इसी तरह से काम किया था तो आगे गए और अब बोल रहा है के रियर में अच्छा एम सॉरी ये टैब आएगा ये इसके अंदर ही है एल्स के अंदर और क्यू के रियर में आइटम तो जो भी एलिमेंट हमें इंसर्ट करना हम इंसर्ट कर देंगे तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है पहला इफ कंडीशन ओवरफ्लो सेकेंड इफ कंडीशन स्पेशल केस टू चेक वेदर जो एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है एंड देन वी कंटिन्यू एज यूजल यस सिमिलरली अगर डिलीशन अटेम्प्ट करने जाएंगे तो

इसका मतलब कुछ भी एलिमेंट डिलीट करने के लिए नहीं। वरना जो भी होगा, वहीं से करेंगे। तो हमारा स्पेशल केस हो गया अच्छा अगर स्पेशल केस हम पास कर गए तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते फिलहाल कुछ ऐसा है कोई एक और एलिमेंट रहा होगा वो डिलीट हो गया अभी फ्रंट और रियर दोनों इस तरह से पॉइंट कर रहे हैं देखो क्या कह रहा है फ्रेंड अब फिलहाल डिलीट करना तो ऐसा ना खो जाए इसको कहीं रिटर्न करेंगे ना तो नाम का लेट मी से एक हमने बनाया। उसमें क्यू का जो फ्रेंड था मानो ए था वो हमने यहाँ पे होल्ड करके रख लिया यस yes, अगला देखिए नाउ दैट इज अगेन अ स्पेशल केस क्या चेक कर रहे इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू इजल्स टू रियर अगर फ्रंट और रियर दोनों इक्वल है फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो कुछ ऐसे होता है दोनों पॉइंट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर फाइव को एक ही एक ही एलिमेंट है फ्रंट और रियर अगर दोनों बराबर है इसका मतलब जो हम एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं दैट इज द लास्ट एलिमेंट और इस बार सिर्फ फ्रंट इजिकल्स को फ्रंट प्लस वन करके नहीं छोड़ा जा सकता वरना फ्रंट रियर के आगे निकल जाएगा दैट इज स्पेशल केस फॉर लास्ट एलिमेंट तो जैसे

और डिलीजन एंड इंसर्शन ये दो ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो जिनका सूडो कोड नॉ अभी इंप्लीमेंटेशन की भी आगे बात करूंगा एग्जैक्ट बट ये तो आपको लिखना आना चाहिए कई बार मैंने देखा सेमेस्टर में डायरेक्ट पांच नंबर में, में क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द एंटारक्यू एंड राइट द शूडो कोड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन यस सो दिस इज आइडिया दिस इज द बेसिक लॉजिक एंड दिस इज ए इम्प्लीमेंटेशन अगेन नोट्स में आपको पूरा कोड मिल जाएगा और पूरा का पूरा आइडिया आप चाहे तो फर्दर जाके चेक कर सकते यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट दैट कोड लिंक में आपको पूरे कोड जितने भी कोड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इस्तेमाल लैब के लिए फर्दर समझने के लिए प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं हालांकि मेरा भी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा बहुत डिटेल में जाके इस पर बात करने का क्योंकि अभी इस वीडियो के अंदर हमारा जो यू नो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो है सेमेस्टर एग्जाम पास करना है ना वो हमारा इंपॉर्टेंट है दिस इज कॉन्सेंट्रेट सेमेस्टर एग्जाम एंड वी हैव अ सेपरेट चैनल जैसे मैं बीच बीच में याद दिला रहा हूँ कॉल्ड के जी कोड के कोडिंग बाई प्रशांत सर जहां पर आप जाके उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वेदर uh, वो टेक्नोलॉजीज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है आप जाके डिटेल में चेक कर सकते हो नाउ लेट्स कम टू दिस फिलहाल अगेन एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस आइडिया को एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया सो यू हैवे एरे मैक्साइज का एंड फ्रंट एंड रियर दो इंटीजर है बेसिकली बिकॉज यू डोंट एक्चुअली नीड अ पॉइंटर हियर तो दो इंटीजर हमने डिक्लेयर कर दिए एंड इस स्ट्रक्चर का नाम हमने रख दिया क्यू सिमिलरली अब देखिए क्यू को इनिशियलाइज कैसे किया छोटा सा फंक्शन फंक्शनलाइज करने के लिए फ्रंट एंड रियर बोथ आर इनिशियलाइज टू माइनस वन यानी कि हम इंडेक्सिंग कहां से शुरू कर रहे हैं देखिए जीरो से इसलिए माइनस वन से उसको इनिशियलाइज कर दिया आगे देखिए दोनों फंक्शन हमेशा ओवरफ्लो अंडरफ्लो चेक करना रहेगा चेक कर लेते हैं कैसे इज एम टी यानी कि ये चेक कर अंडरफ्लो कब फ्रंट तो चीज चेक करनी अगर एक भी एलिमेंट होगा डिलीट करने के लिए सर तो वो किसके पास मिलेगा अगेन क्यू का रियर जब लास्ट में पहुंच जाए तो इंडेक्स अगर जीरो सेवन तक चल रहा तो टोटल है टोटल साइज है एट तो अगर मैक्स साइज माइनस वन यानी कि सेवन सेवन से मैच हो रहा है तो दैट्स अब मैं इसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर सकता तो दोनों फंक्शन हो गए अंडर फ्लो के ओवरफ्लो के एंड नाउ यू सी द आइडिया अभी जो एल्गोरिथम जो सूडो कोड हमने लिखा उसका एग्जैक्ट सी इंप्लीमेंटेशन है हम क्यू और आइटम लेके आए इंसर्शन कर रहे हैं पहले ओवरफ्लो चेक करेंगे जिसका कोड ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया अगर कंडीशन होल्ड हुई तो लिखेंगे ओवरफ्लो एग्जिट मार जाएंगे अगर नहीं है तो अगेन यू सी क्यू का फ्रंट इफ क्यू का फ्रंट इज इज इक्वल इक्वल टू टू जीरो एक और इफ स्पेशल केस चेक कर रहे हैं ये बताओ क्या है क्यू का फ्रंट इज इज इक्वल इक्वल टू टू जीरो तो अगर क्यू का फ्रंट ये भी हम क्या कर रहे हैं एन क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं अगर क्यू का फ्रंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू जीरो और ये एम टी है हाँ ये वो ये स्पेशल केस है ये स्पेशल केस कौन सा केस है ये वो केस है कि अगर Q पहले से एम टी है तो तो फ्रंट को भी जीरो पे इसने क्या किया फ्रंट और जियर को दोनों को एक साथ जीरो पे ना सेट किया क्योंकि ये कंडीशन फिर कॉमन रख ली तो स्पेशली फ्रंट को जीरो पे ला रहा वरना फ्रंट चेंज नहीं होता see, वो ही थोड़ा सा किया है तो बिल्कुल सेम आईडिया जो इंसर्शन के एल्गोरिदम हमने ट्राई किया था वही यहां पर एक्ट्लीमेंटेशन है सिमिलरली डीक्यू अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप जाओगे डीक्यू में सबसे पहले एम टी चेक करोगे फंक्शन होल्ड करता है लिखो बाहर आ जाओ अगर ऐसा नहीं है सबसे पहले आइटम सेव करो तो क्यू के फ्रंट में जो भी इंडेक्स है जो भी आइटम आइटम है है एरे के के अंदर अंदर उसको हमने डिलीटेड सेव कर लिया अब चेक करेंगे क्या फ्रंट और रियर बराबर है, वो स्पेशल केस अगर फ्रंट और रियर बराबर है तो दिस इज द लास्ट एलिमेंट और यहां पर स्पेशल केस चाहिए तो दोनों को माइनस वन माइनस वन सेट कर दिया बिल्कुल परफेक्ट आइडिया एल अगर ऐसा नहीं है तो यहां पर देखिए क्या किया है क्यू का जो फ्रंट है क्यू uh, का फ्रंट प्लस वन एंड परसेंटाइल कर दिया मैक्स साइज अभी ऐसा क्यों किया है देखिए लास्ट में जब जाएंगे ना एकदम लास्ट तक जब पहुंचेंगे तो अगेन प्लस वन हम नहीं कर सकते हम यू you नो know, आगे चले जाएंगे तो क्या कर रहा है जैसे डिलीट करेगा क्यू इजल्स टू फ्रंट प्लस वन करेगा या अभी आप एक काम कर सकते हैं अभी तो हम सिंपल क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट क्यू का फ्रंट इज इगल्स टू क्यू का फ्रंट प्लस वन और अगर लास्ट में एलिमेंट होगा हाँ लास्ट में एलिमेंट होगा डिलीट uh, करने के लिए तो जीरो करना पड़ेगा इस वजह से ऐसा किया इसको ऐसे इमेजिन करो अगर फ्रंट ऑलरेडी सेवन पे है और मैं डिलीट कर रहा हूं तो वैसे तो वो स्पेशल केस में ऑलरेडी कवर्ड है दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट सेपरेटली आप रखेंगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट है तो ऑलरेडी मैं यहीं पे उसको सेट कर चुका हूँगा ना मुझे दोबारा से उसको लेके जाने की जरूरत नहीं है तो दिस इज रिक्वायर्ड इन सर्कुलर क्यू इसको छोड़ दीजिए एंड आखिरी एलिमेंट आ जाएगा आपका डिलीट क्यू जो एलिमेंट है वो हमारा रिटर्न होगा तो बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन थी और ये एक तरह से बेसिकली जो सिंपल लीनियर क्यू है उसका आइडिया हमने कंप्लीट कर दिया ये परसेंटाइल वाली बात हटा दो ये क्यों यूज होगी सर्कुलर क्यों में उसको आगे देखेंगे नाउ एंड दिस इज द मेन फंक्शन तो हमने जस्ट एक हंड्रेड साइज का डिक्लेयर किया था क्यू डिक्लेयर किया किया बीच में आपको जितनी बार एन क्यू डी क्यू करना करो एंड लास्ट में यू कैन रिटर्न नाउ वी हैव वन मोर इम्प्लीमेंटेशन द सेम क्यू बट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट तो मैं पहले एक बार याद दिला दू स्टैक में भी मैंने एक बात की थी आपसे क्या बात की थी देखिए स्टैक क्यू दोनों इंप्लीमेंटेबल है द विदिंक आइडिया क्या है जब इंसर्शन डिलीशन दोनों सेम एंड से हो कोई भी एंड हो इंसर्शन डिलीशन सेम एंड से हो देन इट इज अटैक और इंसर्शन डिलीशन डिफरेंट एंड से हो देन इट इज अ अब अगर लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कर सकते हैं दो ऑब्जर्वेशन चाहिए अगर इंसर्शन लिस्ट के स्टार्टिंग में हो रहा है तो डिलीशन एंड से कर दीजिएगा अगर इंसर्शन एंड में हो रहा है तो डिलीशन स्टार्टिंग से कर दीजिएगा इट क्यू देख लेते हैं कैसे ऑब्जर्व किया <coughs> तो देरी यू है का एक स्ट्रक्चर बना लिया जहां पर आपके पास एक डेटा होगा नेक्स्ट नोड एंड देन फ्रंट और रियर दो पॉइंटर हमने और डिक्लेयर किए बिकॉज क्यू के केस में दोनों पॉइंटर हमें चाहिए और अब इस बार इम्प्लीमेंट क्योंकि हम कर रहे हैं लिंकलिस्ट से तो लिंकलिस्ट में तो नीड अ पॉइंटर है ना यहाँ पे एरे सिंपल इंटीजर वैल्यू से काम नहीं चलेगा वो देखो दोनों बेस केस अब यहाँ पे नंबर्स में नहीं पॉइंटर्स में बात हो रही है तो स्टार्टिंग में फ्रंट और रियर ऑब्वियसली माइनस वन बट लिंक लिस्ट है तो इनिशियलाइज करेंगे नल से एंड क्यू एम है कि नहीं है फिर वही बात क्यू uh, का फ्रंट अगर नल है तो उसका मतलब क्यू एम है

शॉर्ट में लिख देता हूं ये पॉइंटर उसके पास है अब यहां पे देखिए क्या चेक कर रहा है मतलब नया नोट आप बना पाए कि नहीं बना पाए नहीं बना पाए और लिस्ट में तो ऐसा भी नहीं कि आपको कंटिन्यूअस सिस्टम में कहीं पर भी अगर स्पेस होगा तो आपको लोकेट किया जा सकता है बट इनकेस सिंबलिकली लिखना चाहिए

रियर जो है रियर का जो नेक्स्ट है उसमें न्यू नोड डाल दीजिए अब क्यू का जो रियर है तो इसका मतलब रियर पॉइंटर होगा अब वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है एंडिंग में भी हो सकता है कहीं पर भी क्योंकि रियर के नेक्स्ट में न्यू नोट तो मेरे ख्याल से ये इसको इधर मान के चल रहा है नॉट दैट इज रियर एंड दैट इज काइंड ऑफ अ फ्रंट तो क्या करना है क्योंकि रियर के नेक्स्ट के में क्योंकि रियर के नेक्स्ट में एड्रेस डाल दीजिए न्यू नोड का वेरी गुड और क्यू का रियर में वैल्यू डाल दीजिए नोड का तो अब क्यू का रियर इसको पॉइंट करने लगेगा तो बेसिकली देखिए हुआ क्या इस नोड को हमने लास्ट में इंसर्ट कर yes, में कर दिया यस इसका मतलब इंसर्शन रहा है लास्ट में तो आगे देखिएगा अगले में जब डी करेंगे तो डिलीशन पक्का फ्रंट से करेगा सो दैट इज हाउ यू इंसर्ट और देख लेते हैं टी तो डी में एम चेक कर लिया वेरी गुड उसके बाद बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आता रहे कि साथ साथ DQ में एग्जैक्ट डिलीशन कैसे हो रहा है तो बना क्यू के फ्रंट में जो भी वैल्यू सेव कर लिया मान और एक बनाया हमने आईटम, तो आईटम के अंदर आ गया a and this is kind of a front. अब देखिए क्या करना है <coughs> ये, ये जो भी डिलीटेड डेटा है ये हमने डिलीटेड आइटम के अंदर रख लिया तो लेट मी से डी क्यू आइटम लाइक दिस अब क्यू का फ्रंट जो है उसमें रखो क्यू के फ्रंट का नेक्स्ट तो क्यू का फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है क्यों के फ्रंट के मैं क्या रखना है क्यों के फ्रंट का नेक्स्ट तो बेसिकली इस नोड को हम बाईपास करेंगे क्यूके फ्रंट का नेक्स्ट तो अब फ्रंट फ्रंट ऑटोमेटिकली किसको पॉइंट करने लगेगा देखिए वाले नोड को में क्या रखना है क्यों के फ्रंट का नेक्स्ट रखना है तो ये भाई साहब जंप होके इधर आ गए अगर मैं वैल्यू से बात करूं दिस इज लाइक एड्रेस टेन दिस इज लाइक ट्वेंटी यहां पर टेन होगा तो क्योंकि फ्रंट का वैल्यू फिलहाल क्या था टेन था अब क्या कह रहा है क्यू का फ्रंट इस टेन और टेन के नेक्स्ट पे क्या लिखा है ये इधर ट्वेंटी तो जहां पर टेन है वहां पर ट्वेंटी लिख दो तो बेसिकली ये यहां पे 20 लिखेंगे तो ये जो फ्रंट है ये फिलहाल डायरेक्टली इसको पॉइंट करने लगेगा दिस विल हैपन अच्छा ये करने के बाद हमने बाईपास कर दिया अब चेक करो क्या नल तो नहीं हो गया अगर नल हो गया तो रियल को भी नल करो बाहर आ जाओ ये वो स्पेशल केस है जो चेक कर रहा है कि क्या एक ही एलिमेंट तो नहीं था एक ही एलिमेंट था तो फिर क्यू को भी नल करना पड़ेगा तो इसलिए रियर को भी नल कर रहा है एक स्पेशल केस और लिख दिया फ्री कर दो टेम्प्रेरी वेरिएबल ये जो टेम्प्रेरी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था फ्री टाइम उसको हम क्लियर कर रहे हैं एंड देन यू एग्जिट जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करेंगे तो अगेन वैसे मैं दोबारा बोल रहा हूँ कोड इज द सेकेंडरी पार्ट द मेन आइडिया इज द लॉजिक जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यस एंड दैट इज अ मेन फंक्शन जो आप Uh, पहले करेंगे और जितनी बार चाहे इंसर्शन करना इंसर्शन करिएशन करना डिलीशन करिए देन यू कैन सी कि वो प्रॉपरली लिंकिस की मदद से क्यू को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन है एक बार ट्राई करते हैं और ऑब्जर्वेशन देखिए बताइए कैसे काम करेगा ये क्वेश्चन बीच में इसलिए ट्राई कर रहा हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन गिव्स अ वेरी सिंपल बट रियलिस्टिक आइडिया कि एक बार चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट जो है उसका क्यू का और स्टैक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि नहीं पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन एन एम टी स्टेक तो ये कुछ ऑपरेशन करना हैं प्लीज़ मेरी हेल्प करिए बताइए कैसे आगे बढ़ना है पहले कह रहा है पुश करो फिफ्टी फ़ोर सो लेट मी पुश फिफ्टी फ़ोर देन पुश करना है फ़ाइव टू फिफ्टी टू सो लेट मी हैव फिफ्टी टू देन पॉप करना है तो फिफ्टी टू पॉप तो हुआ बट बेसिकली इसने कहीं असाइन नहीं किया दिस इज काइंड ऑफ लॉस्ट देन पुश करना है फाइव फाइव फिफ्टी फाइव देन पुश करना है सिक्स टू सिक्सटी टू

और इसको कहीं असाइन नहीं किया देन अगेन एन क्यू करो ट्वेंटी जा रहा है में. तो जो सबसे फ्रंट पे है वही जाएगा क्यू में बेसिकली ट्वेंटी फोर और अब आप आपसे देखिए फाइनल चीज क्या कह रहा है कह रहा है एस प्लस क्यू का वैल्यू बता दो तो एस इज सिक्स एंड क्यू इज ट्वेंटी फोर सो दिस इज सिक्स

एक प्रॉब्लम क्या है सिंपल लीनियर क्यू में हो सकता हूँ प्रॉब्लम ऑलरेडी आपने सोच लिया की सर ये कुछ बात समझ नहीं आई अब उस चीज को समझिए मान लीजिए मेरे पास एक एम टी क्यू है स्टार्टिंग में जैसा हम जानते हैं कि फ्रंट और रियर दोनों किधर पॉइंट कर रहे होंगे माइनस वन पे और मैं यहाँ पे तीन चार एलिमेंट इंसर्ट करा लेता हूँ वन टू थ्री फोर मुझे बताओ फिलहाल क्या होगा सर फिलहाल ऑब्वियसली फ्रंट विल बी पॉइंटिंग टू जीरो एंड रियल विल बी पॉइंटिंग टू इंडेक्स थ्री दो एलिमेंट डिलीट कर देते हैं अब बोलो क्या होगा अभी फ्रंट इज़ पॉइंटिंग टू टू एंड रियर भर दो ए बी सी डी जी रियर अब जब मैं इसमें इंसर्शन अटेम्प्ट करूंगा जो आइडिया हमने पढ़ा इंसर्शन में एक ही चीज चेक इज इक्वल्स टू एन माइनस वन या मैक्साइज माइनस वन वो तो हो गया हम ओवरफ्लो डिक्लेयर करके बाहर आ जाएंगे इंसर्ट नहीं कर सकते बट ऑब्वियसली आप में से कुछ सोच पा रहे होंगे कि सर स्टार्टिंग के दो स्लॉट तो खाली हैं हमने यहाँ तो जाके जगह चेक की नहीं है हम सिर्फ लास्ट देख रहे हैं थोड़ा दिमाग अगर लगाएं तो क्यों ना स्टार्टिंग की चीजों को यूज कर लें बट अभी जो सिंपल लीनियर क्यों हमने पढ़ा वो ऐसा नहीं कर रहा मैं कहा तो था और एक्सट्रीम केस यू नो कंसिडर करते हैं डिलीट करिए सी करिए डी करिए ई e करिए एफ e करिए जी करिए और ऐसा करेंगे तो बोलिए फ्रंट कहाँ पॉइंट करेगा सर फ्रंट विल पॉइंट टू इंडेक्स नंबर सेवन एंड दिस इज लाइक अ वर्स्ट केस

तो पहले आएगा ए फिर आएगा बी फिर आएगा सी एंड नाउ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि फिलहाल फ्रंट पॉइंट करेगा इंडेक्स नंबर जीरो को और रियर पॉइंट करेगा इंडेक्स नंबर टू को यस नाउ यू सी डिलीट वन एलिमेंट एक एलिमेंट डिलीट करना है अब एक एलिमेंट डिलीट करेंगे तो ए बाहर जाएगा फ्रंट इधर आ गया देन कह रहा फर्दर एन क्यू करो तीन ऑपरेट तीन एलिमेंट डी ई एंड एफ सो नाउ यू हैव डी एंड यू हैव ई एंड यू हैव एफ और ऐसा करोगे तो नाउ यू सी फ्रंट विल पॉइंट टू दिस इज सॉरी इंसर्शन तो रियर से करेंगे ये yes? तो रियर विल पॉइंट टू एफ एंड फ्रंट विल स्टिल पॉइंटिंग टू वन फर्दर कह रहा है कि एन क्यू करो जी एच और आई एंड नाव इफ यू डू सो अच्छा एक चीज हमने हाँ वो कर दिया नाव इफ यू डू सो एन क्यू कर सकते हैं क्या जी बी कर सकते हैं एच बी कर सकते हैं एंड आई थिंक आई भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आई क्यू कर सकते क्योंकि ये तो जा चुका है और मेरा रियर फिलहाल बिल्कुल फ्रंट के एकदम पीछे आ गया है ना कह रहा है डिलीट करो फोर एलिमेंट्स अब देख रहे हो गोल गोल पहली बार ऐसा हुआ है कि रियर seven पर रुका नहीं घूम के आगे आ गया चार एलिमेंट एक दो तीन चार डिलीट करने के बाद फ्रंट आ जाएगा इधर और रियर आ जाएगा इधर दोनों एक दूसरे घूम रहे हैं देन इंसर्ट करना है, है पांच एलिमेंट जे के एल एम एंड एन सो दिस इज लाइक जे दिस इज के एंड दिस इज एल एंड दिस इज एम एंड नहीं कर पाऊंगा देर विल बिन ओवरफ्लो क्योंकि रियर फ्रंट के ठीक पीछे आ गया है सो आई थिंक एक मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा कैसे सर्कुलर फैशन में दोनों घूमते रहेंगे और यहाँ पर सच में हम एफिशिएंट इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू का अगर एक एक स्लॉट भरा हुआ है तभी ओवरफ्लो होगा ऐसा टाइम पास करने के लिए ओवरफ्लो नहीं बोलेंगे यस सो दिस इज एन आइडिया हाउ दिस सर्कुलर क्यू वर्क्स एंड कोड देख लेते हैं इंसर्शन डिलीशन का बहुत सारा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अब देखिए इंसर्शन में ही हमने सबसे ज्यादा सुधार किया है कि ओवरफ्लो के लिए सिर्फ रियर ना चेक करना पड़े देखिए कैसे चेक कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट केस है अब या तो मॉड्यूलर से कर लें या तो ये देखिए बहुत सिंपल तरीका ऐसे भी किया जा सकता है <coughs> दोनों चीज सेपरेट चेक कर रहा है या तो ये या तो ये अब ये क्या कह रहा है फ्रंट अगर जीरो पे है मतलब बेसिकली एक चीज नहीं कर रहा दोनों चीज देख रहा है रियर एन माइनस वन पे है लेकिन चेक करो एंड के साथ क्या फ्रंट भी जीरो पे है कि नहीं अगर फ्रंट जीरो पे और रियर माइनस रियर एन माइनस वन पे तो अब तो पक्का ही को, कोई कोई स्लॉट नहीं है बाहर आ जाओ या फिर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन क्योंकि आप देखो जैसे हमने देखा था ना सर्कुलर फैशन में घूमते हुए कुछ भी इंसर्ट किया डिलीट किया अगर फ्रंट इधर है और रियर फ्रंट अगर इधर और रियर इंसर्ट होते हो तो ठीक उसके पीछे आ गया एकदम तो फर्दर इंसर्शन नहीं कर सकते उससे बोलेंगे भाई कुछ डिलीट कर तब तो मैं इंसर्ट कर पाऊंगा तो दिस इज द सिनेरियो अगर रियर फ्रंट के ठीक पीछे हो तो मान लो रियर से ठीक एक कम है रियर फ्रंट से एक कम है तो फोर प्लस रियर प्लस फ्रंट ये बहुत शानदार और सिम्पलीफाइड कंडीशन हो गई आइडेंटिफाई करने की एफिशिएंट कंडीशन हो गई कि सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो होगा ओवरफ्लो होगा तो कब होगा

अगर रियर ऑलरेडी सेवन पर प्लस वन करेंगे तो सेवन प्लस 8 के साथ, तो 8 8, जीरो, रियर पहुंच जाएगा जीरो पे मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स यस तो पूरा घूमने के बाद अपर बाउंड वॉयलेट ना हो सेवन दोबारा जीरो पे पहुंचे इस वजह से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया और जो भी करना था अगेन ये इसके अंडर में आएगा

आइटम क्यू फ्रंट का आइटम उठा के रखा दैट इज अगेन स्पेशल केस जहां पे चेक कर रहा है कि अगर दोनों बराबर हैं तो आखिरी एलिमेंट है तो दोनों को माइनस वन माइनस वन सेट करना पड़ेगा और एल्स में जो कहानी हमने उधर की थी वो इधर की तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन करेंगे तो सेवन से एट पे ना पहुंच जाए तो डिवाइड कर रहे साइज से ताकि सेवन से दोबारा जीरो पे आए सो दैट इज आवर डिलीशन विल वर्क सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम लेकिन वो जो एफिशिएंसी का इशू था कि साथ पे जाकर रुक रहा था वो ना हो

Mod max size आपने लगा दिया तो 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 करिए अगर rear है है पे पे और भी तो भी काम करेगा क्या? हाँ, करेगा क्या ना, तो खराब नहीं होगा नाउ अगेन यू सी एन क्यू करना चाह रहे हैं ओवरफ्लो चेक किया अगर एम टी है तो दोनों को जीरो जीरो सेट किया इंसर्ट कर दिया और एल्स केस में वो रियर टू रियर प्लस वन

सेवन से आप जीरो पे चले जाएं और लास्ट में डिलीटेड आइटम को रिटर्न कर लिया आखिर अगला केस क्या होगा दिस फंक्शन फंक्शन मेन जिसमें आप ये सब काम करके देख सकते हैं चेक कर सकते हैं नाउ अगला केस क्या हो सकता है सेम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू बट दिस टाइम विद हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट तो सेमेस्टर्स के हिसाब से भी मैंने कोई पॉसिबिलिटी छोड़ी नहीं है है ना जो यहाँ पर आपको ना मिले लिंक के अंदर पूरा एग्जीक्यूटेबल कोड भी नोट्स अलग में है एग्जीक्यूटिव कोड अलग है तो यू कैन चेक दम आउट आप उसे यू हैव टू पॉइंटर फ्रंट एंड रियर गेम इनिशलाइज किया सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं दोनों पॉइंटर को नल बनाए स्टार्टिंग में और अगर क्यू खाली है अंडर फ्लो चेक कर रहे हैं तो क्यू का फ्रंट इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू नल ओवरफ्लो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केस वो हम डायरेक्टली यहीं देख लेते हैं एक्सेप्शनल तो वही एक नया नोट बनाया अगर बनाने के बाद भी नल रिटर्न हो गया जो कि शायद ही कभी होगा और फ्लो करके बाहर आ जाओ वरना क्या करना है दिखाता हूं आपको साथ साथ जो भी नया नोड है उसमें आइटम रख दो ओके उसके पॉइंटर को नल कर दो ओके एंड लेट मी से दिस इज लाइक अ न्यू नोड If Q, अगर इनिशियली है तो क्यू का फ्रंट और इसे ही बना दो बिकॉज फिर तो यही फ्रंट और यही लास्ट है अगर ऐसा नहीं है तो न्यू के नेक्स्ट में न्यू नोड के नेक्स्ट वाला जो होगा फ्रंट देखो इसका मतलब जब हम सर्कुलर क्यू बना रहे हैं ना तो लिस्ट भी सर्कुलर लिस्ट होगी इस तरह से चल रही होगी एंड दिस इज अ पॉइंटर इंसर्शन कर रहे हैं तो दिस इज अ पॉइंटर कॉल्ड फ्रंट एंड दिस इज अ पॉइंटर कॉल्ड रियर ऐसे क्यों होगी तो क्या करना है कह रहा है न्यू नोड में क्या करना है फ्रंट जो है उसके नेक्स्ट में फ्रंट के आ, ये सॉरी न्यू नोड के नेक्स्ट में फ्रंट क्यू का फ्रंट तो ये जो न्यू नोड का नेक्स्ट है अब ये क्यू के फ्रंट को पॉइंट करने लगेगा लाइक दिस एंड देन क्यू के रियर के नेक्स्ट में न्यू नोट डालना है क्यू के रियर के नेक्स्ट में न्यू नोट डालना है तो बेसिकली ये कनेक्शन आपका वॉयलेट हो गया अब इधर से घूमते हुए हम जाएंगे क्योंकि इंसर्शन हुआ यस एंड लास्ट केस में क्यू का रियर इज गोल्सो न्यू नोट ऑब्वियसली अब ये नोट जो है ये नया रियर बनेगा तो इंसर्शन हम लास्ट में करेंगे तो अगेन यू कैन इमेजिन की डिलीशन स्टार्टिंग में हो रहा होगा एम चेक किया uh, सबसे पहले एक टेम्परी वेरिएबल बनाया उसका जो डेटा पॉइंटर बनाया टेम्प उस टाइम से डेटा हमने सेव कर लिया अगर फ्रंट और रियर बराबर है तो यानी के आखिरी नोड है दोनों को नल किया बाहर आए अगर ऐसा नहीं है तो ये स्टार्टिंग वाला नोड होगा ना यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक दिस ऐसे है दिस इज फ्रंट एंड एंड दिस इज रियर ऐसा नहीं है तो क्यू का फ्रंट इज टू क्यू के फ्रंट का नेक्स्ट तो ये काइंड kind ऑफ of हो गई इसकी बाईपास सर्जरी और ये फ्रंट एक्सक्यूज <coughs> को पॉइंट करेगा क्यूके रियर का नेक्स्ट इस क्यू का फ्रंट अब इसे बाईपास करना है तो क्यू के रियर का नेक्स्ट अब नए फ्रंट को पॉइंट करने लगा ये नोड आ गया बाहर इसको फ्री करो और डिलीटेड आइटम को रिटर्न कर लो तो सिंपल लीनियर क्यू क्यू सर्कुलर वी हैव इंप्लीमेंटेड बोथ विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक एज वेल एज विद द द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड दिस 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 इज मेन फंक्शन नाउ वन मोर स्मॉल आइडिया कॉल्ड डी क्यू और कॉल्ड डबल एंडेड क्यूज दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अगेन यू नेवर नो में कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसकी बात नहीं करता What is तो बेसिकली इसके बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं तो कोई डिटेल में नहीं जाएगा क्योंकि अगर कोई जाएगा ना एग्जाम में भी उसको पूरी डिटेलिंग बतानी पड़ेगी बट द आइडिया इज मैं दोनों तरफ से इंसर्शन डिलीशन अटेम्प्ट कर सकता हूं तो ये तो इतना फ्लेक्सीबल हो जाएगा कि इसको मॉडिफाई करके आप क्यू की तरह इस्तेमाल कर लो आप स्टैक की तरह इस्तेमाल कर लो डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन हाउ यू इंप्लीमेंटेड बट इन जनरल ऑफ अ एरे

इनपुट और एनक्यू ऑपरेशन कैन बी डन ओनली फ्रॉम्यू कैन बी डन फ्रॉमुट रेस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं तो ये एक वेराइटी है अगेन दिस इज अगेन वेरी लिटिल आइडिया क्यू नाउ प्लीज अंडरस्टैंड क्यू और प्रायोरिटी मैंने स्टार्टिंग बोला दोनों अलग अलग बात है प्रायोरिटी होगा तो क्यू नहीं होगा और अगर यू नो क्यू है तो प्रायोरिटी नहीं होगा दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है बट यहाँ पर आइडिया कुछ इस तरह का इमेजिन करिए सपोज अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे स्टेडियम या गोइंग ऑन अलग अलग तरह के टिकट्स होते हैं एक यू नो स्पेशल टिकट हो सकता है मे बी ऑफ टेन थाउजेंड फिफ्टीन ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज सिंपल टिकट देन अ चीपर टिकट देन अ मोर चीपर टिकट समथिंग लाइक दिस तो यहाँ पर लॉजिक क्या है मान लेते तो तीन कैटेगरी हमारे पास है वी हैव अ फर्स्ट क्लास टिकट वी हैव अ सेकेंड क्लास टिकट

तो ये कोई एलिमेंट है ए आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास का एलिमेंट है फिर एक और एलिमेंट है बी वो भी फर्स्ट क्लास का है फिर एक और एलिमेंट है सी वो सेकेंड क्लास का है एंड सपोज आई ई वो थर्ड क्लास समथिंग लाइक दिस अब ये लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट हो गया अब अगर कोई एलिमेंट आएगा एंड दिस इज द फ्रंट एंड एंड दिस इज द रियर एंड तो ऑब्वियसली सबसे पहले ए प्रोसेस होगा फिर बी होगा फिर सी होगा फिर डी होगा फिर ई e होगा अब अगर एक नया एलिमेंट आता है जो say, का नाम है X, वो जब तक क्लास सेम है तब तक आल बिहेव लेकिन अगर सेकेंड क्लास वाला है तो उससे तो पहले मेरा नंबर आएगा सो so इंसर्शन इधर कहीं होगा आर यू गेटिंग इट अगर कोई सेकेंड क्लास वाला एलिमेंट आएगा तो वन के पीछे आएगा टू के पीछे आएगा, पर third से पहले आएगा तो बोलेगा, अगर प्रायोरिटी से तो मैं पीछे जाऊंगा बट अपने वालों जो मेरे तो से lower वाले हैं उनसे मैं Q वाली फिलोसफी फॉलो नहीं करूंगा तब मैं इधर आ जाऊंगा सपोज अगर कोई सेकंड क्लास एलिमेंट है तो दिस काइंड ऑफ आइडिया सिस्टम और नेटवर्क के राउटर है मान लीजिए कोई सिस्टम प्रोसेस क्या वो यूजर प्रोसेस से पहले सॉल्व नहीं होगी होगी लेकिन अगर ऑलरेडी चार्ज सिस्टम प्रोसेस पहले से है तब वो क्यू की तरह बिहेव करेगी है ना तो अगर प्रायोरिटी सेम है देन क्यू अदरवाइज प्रायोरिटी दैट इज द आइडिया ओके तो अभी तक विल स्टार्ट विद द एरे देन द लिंक लिस्ट एंड देन स्टैक एंड देन क्यू जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हमने समझे उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो सबसे वर्सेटाइल है जिसमें टेक्निकली हमें सबसे ज्यादा समय देना चाहिए दैट इज ट्री तो ट्री इतना फ्लेक्सिबल फ्लैक्सीबल अभी तक जितनी हमने अंडरस्टैंडिंग समझी है ना हर किसी का कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आईडी यहाँ पे मिलेगा ट्री सिर्फ ट्री नहीं है उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है तो यहाँ पर मैं उतने ऑप्शन कंसीडर करके चल रहा हूँ जो बी टेक लेवल पर हम कंसीडर करेंगे सो so बेसिकली हमें समझ आएगा ट्री क्या है देन विल कॉन्सेंट्रेट ऑन बाइनरी सर्च ट्रीज एवियल ट्रीज देन हीप्स वो सारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ लुक एट दिस थोड़ी तारीफ पहले कर लेते हैं ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्लैक्सिबल वर्सेटाइल एंड अ नॉन लिनियर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर इट रिप्रेजेंट हेरेरिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन सेवरल डेटा आइटम एंड इट इज यूज इन वाइड एप्लीकेशन दो तीन बातें पावरफुल फ्लैक्सिबल वर्सेटाइल आइडियाज देखिए इन डेटा स्ट्रक्चर जो ट्री हम पढ़ते हैं वी कॉल्डेड ट्रीज तो जो सबसे पहला नोड है दैट इज कॉल्ड इज द रूट नोड यू uh, नो you know, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी ट्री को एक्सेस आप रूट नोट से ही करते हैं जैसे लिंक को कैसे करते हैं उसी तरह यहां पर भी, अगर है, तो मानो ट्री एमपटी है अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं एकदम बाइनरी ट्री से स्टार्ट नहीं कर रहा सो अ नोड इन जनरल मे जैसे आप देख रहे हैं ए के दो चिल्ड्रन हैं बी के तीन चिल्ड्रन है सी के दो चिल्ड्रन हैं लाइक like दिस बट Like this? दो लोगों का सेम चिल्ड्रन या के, के सेम पेरेंट हो सकते हैं नहीं है ना तो हमेशा डिसजॉइंट है अभी बी के जितने चिल्ड्रन है उन सारे चिल्ड्रन का आपस में कोई लेना देना नहीं है तो कैसे रूट से किसी भी नोट तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होगा एंड दैट इज वाई नो साइकिल है ना और परफेक्ट तरीके से काम करता है अब क्या क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग है जिनके ऊपर मेरे को लगता है क्लैरिटी होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी है ना जैसे लीव क्या है नॉन लीव क्या है इंटरनल नोड एक्सटर्नल नोट पाथ क्या होता है हाइट क्या होती है पेरेंट कौन है चिल्ड्रन कौन है लेवल्स क्या होते हैं बड़ा कंफ्यूजन है तो फर्स्ट विल गो थ्रू दैट टर्मिनोलॉजी विद स्पीड और फिर जो मेन टॉपिक्स है उन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे सो so,

एक्सक्लूडेड रूट नोट कनेक्टेड बाई डायरेक्टेड एज है और यही से पूरा ट्री ऑरिजिन करेगा अगला पॉइंट एज देखिए जहां पर भी ये जो कनेक्शन बनेगा है ना इन जनरल हम क्या मान के चल रहे उसको ऐसे इमेजिन करिएगा लुक एट दिस समाइक दिस बी पॉइंटर्स है ना <coughs>

अभी जब पेरेंट की बात है तो चाइल्ड की भी बात होगी तो बी के कितने चिल्ड्रन से बताइए सर हो गई। लीफ, ये नोड किसको कहते हैं तो बहुत सिंपल डेफिनेशन वो नोड जिनका कोई भी चिल्ड्रन ना हो उनको बोलेंगे लीफ नोड तो फॉर एग्जाम्पल क्या जी लीफ नोड है जी नहीं उसका एक चिल्ड्रन मुझे नजर आ रहा है क्या एफ लीफ नोड है हाँ एफ है उसका कोई चिल्ड्रन नहीं है क्या सी लीफ नोड है जी हाँ उसके दो चिल्ड्रन है, है ना तो वट इज अ लीफ नोड और वट इज एक्सटर्नल नोड जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता उसको हम बोल रहे हैं लीफ नोड नोड एक्सटर्नल है ना तो ये भी बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और उल्टा सोच लीजिए जो लीफ या एक्सटर्नल नहीं है वो इंटरनल नोड तो इंटरनल कोड हुआ सोचो सर इंटरनल वो होगा जिसका कम से कम एक चिल्ड्रन हो तो ए बी आप देख भी पा रहे डायग्राम में ई जी सी ये सब के सब कौन कहलाएंगे इंटरनल या नॉन लीफ एक ही बात है है ना तो आई थिंक दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर डिग्री डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कभी हम डिग्री बोल लेंगे कभी हम ऑर्डर भी बोलते हैं कभी कभी जगह कभी डायरेक्टली बोल देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस तो पहले मैं नोट की बात कर लेता हूँ किसी भी नोट का डिग्री क्या है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट हैज तो बताइए ए का डिग्री क्या है ए के दो चिल्ड्रन है उसका डिग्री टू है बी का डिग्री क्या है सर बी के तीन चिल्ड्रन हैं उसका डिग्री थ्री है ई e का डिग्री क्या है e ई के दो चिल्ड्रन उसका डिग्री टू है लाइक like दिस तो हर नोट का डिग्री क्या जितने उसके चिल्ड्रन या ऑर्डर क्या जितना उसके चिल्ड्रन एक और बात कभी कभी हम टोटल ट्री का भी डिफाइन कर सकते हैं अब यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं बट सपोज आई से द डिग्री या ऑर्डर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्री इज थ्री नो वट दैट मीन कि मैं बाउंड कर रहा हूं कि मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन आप रख सकते हो सपोज मैक्सिमम आप थ्री चिल्ड्रन रख सकते हो है ना तो इन दिस केस कोई भी नोड तीन से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं रख पाएगा लेकिन नोड की अगर डिग्री की बात करें स्पेसिफिक किसी वर्टेक्स की डिग्री की उसके जो मैक्सिमम चिल्ड्रन है दैट इज द डिग्री ओके लेवल और डेप्थ या हाइट इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और एक स्टैंडर्डाइज चीज समझा देता हूँ हमेशा वो फॉलो करिएगा सी इन जनरल विल ऑलवेज से द रूट इज एट हाइट जीरो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है इवन सेमेस्टर और इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एग्जामिनर आगे से आके बोले कि नहीं रूट को आप वन पे मान लो फिर तो मैं फोर्टी टू पर भी मान सकता हूँ आप बोलोगे तो मैं मान लूंगा बट डिफॉल्ट केस में हमेशा क्या इमेजिन करके चलूँगा वेज इमेजिन द रूट इज एट हाइट जीरो है ना और उसके बाद एक एक लेवल आगे बढ़ते चलो तो अगर रूट जीरो पे है तो दिस इज लेवल वन दैन दिस इज लेवल टू एंड दिस इज लेवल थ्री इसको कुछ लोग ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं वट यू कैन से कि किसी भी नोड का हाइट या लेवल या डब जो भी आप बोल रहे हो वो क्या होगा इट इज द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम दैट नोड टू द रूट नोड उस नोड से रूट नोड का जो रास्ता है उसमें कितने एजेस है? है ना वो डिपेंड करता है कि उसका हाइट क्या होगा तो फॉर एग्जांपल अगर जे से मैं तक जाऊंगा तो वन टू एंड थ्री डेर यू सी तो इसका मतलब जे का हाइट कितना हो गया थ्री हो गया अगर जी से मैं ए तक जाऊंगा सो वन एंड टू तो हाइट कितना हो गया टू हो गया लाइक दिस थिंग वी कैन डू तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई जिसको हम लेवल या डेप्थ या हाइट बोल रहे होते हैं पाथ ऑलरेडी ग्राफ थ्योरी में भी हम पढ़ते हैं पाथ माने रास्ता तो एक नोड से किसी भी नोड तक पहुंचने का जो रास्ता है दैट इज नोन एज अ पाथ और ऑब्वियसली मल्टीपल पाथ नहीं हो सकते ट्री है अगर तो वो तो खैर प्रॉपर्टीज हो गई लाइक like ए से के तक पहुंचने का कितने पाथ होंगे एक ही पाथ होगा ग्राफ थ्योरी टर्म्स में सोचे सो इन अ पाथ शन अलाउड ऑफ आई दर दर्टेसिस और ना ही वर्टेक्स का ना ही एजिस का कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं होता बट दैट इज ऑल्सो आई थिंक बात समझ आती है अच्छा सब ट्री पूरा जो रूल रूल है जो भी हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है ऐसा नहीं सिर्फ रूट को फॉलो करना है या किसी स्पेसिफिक नोड को फॉलो करना है हर रूल हर नोड को फॉलो करना है तो आप किसी भी नोड को ऐसे इंडिपेंडेंट ट्री देख सकते हो क्या सी अपने आप में एक छोटा सा सब ट्री है हाँ है क्या जी अपने आप में एक सब ट्री है हाँ है क्या ई e अपने आप में एक सब ट्री है ई हाँ e e मतलब ई e एंड उसके जितने भी चिल्ड्रंस उसकी जो आगे की फैमिली हाँ है हाँ तो इस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है एंड नाउ हमारा हीरो हमारा हीरो कौन है सर हमारा हीरो है बाइनरी ट्री तो अभी हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग करी ट्री के बारे में बट हमारा ज्यादातर एप्लीकेशन ज्यादातर यूज केस यू नो लगा रहेगा बाइनरी बाइनरी ट्री ट्री के साथ इज इज अ एवरी नोड अलाउड टू टू हैव मैक्सिमम चिल्ड्रन अब इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है बहुत लोगों को इसके कुछ वेरियंट्स भी हैं उसके आगे बात करूंगा जैसे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या है या कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है लाइक like दिस लेकिन पहले जो बोल रहा सिर्फ इतनी बात समझेंगे किसी भी नोड के मैं फिक्स नहीं कर रहा कि दो चिल्ड्रन होने ही चाहिए मैक्सिमम दो चिल्ड्रन हो सकते हैं अगर ऐसा है तो वो बाइनरी ट्री है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ एक नोट बना क्या ये भी बाइनरी ट्री है हाँ है ना इसके कितने चिल्ड्रन है जीरो जीरो अलाउड है क्या एक चिल्ड्रन हो सकता है जी हाँ सिर्फ एक हो सकता है <coughs> वो लेफ्ट होगा कि राइट होगा अगेन कोई भी हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दो चिल्ड्रन हो सकते हैं जी हाँ बिल्कुल हो सकता है हाँ, लेफ्ट हो या राइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता ये चारों केस पॉसिबल है, है ना अच्छा एक और बात बाइनरी ट्री की बात करूं तो क्या ये बाइनरी ट्री है आप बोलोगे हाँ है, एक चिल्ड्रन है मैं बोल रहा हूं नहीं है तो ध्यान रखना क्योंकि पोजीशन भी फिक्स्ड है तो आइदर इट इज लेफ्ट चाइल्ड और इट इज द लाइफ चाइल्ड ऐसे बीच में नहीं लटका सकते आप दैट सेंस तो स्ट्रक्चर देख लो एक बार हर नोड के ऊपर इन बिटवीन वी विल हैव अ डेटा एंड देन पॉइंटर टू समर नोड जो इसके पास एड्रेस होगा किसका लेफ्ट चाइल्ड का एंड दर्ज अ पॉइंटर टू समर नोड जिसके पास पॉइंटर होगा किसका राइट right चाइल्ड का देखिये फॉलो कर पा रहे हैं क्या बाकी पूरा रूल सेम है बस ये बात ध्यान रखनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट विच आर अलाउड आर टू एंड दैट टू विदिक्स पोजिशन आप ये नहीं बोल सकते जस्ट दो चिल्ड्रन है या एक चिल्ड्रन है आपको बताना पड़ेगा वेदर इट इज द लेफ्ट चाइल्ड और वेदर इट इज द राइट चाइल्ड

Notes. तो अगर इसको एक एक करके ऑब्जर्व करें पहले लेवल का हाइट है जीरो और नंबर ऑफ नोट्स कितने टू की पावर जीरो माने वन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं अगले लेवल का

प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री ये टोटल नोड होंगे इन जनरल अगर मैं इस को जनरलाइज करूं say, किसी भी, अगर तक मेरे को जाना है, तो मेरे को 2 H तक जाना पड़ेगा so, blah, blah, blah. अगर आपके पास कोई ट्री है ऑफ हाइट एच स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स यू कैन द बेटर मेथड टू राइट इट डाउन एच तो तक जा रहे हैं, कैसा लिख सकते हैं टू की पावर एच प्लस वन माइनस वन यस अब हमारे केस में उल्टा था इसने इसको फिफ्टीन लिख दिया पहले से है ना और फिर पूछ रहा है तो आप मुझे बता अगर मैं ज्यादा से ज्यादा भरूंगा तो कैसे चलेगा टू रेस टू पावर आई एम सॉरी फिफ्टीन को और कैसे लिख सकता हूँ तो तो कितना हो जाएगा फोर माइनस वन सो बेसिकली टू रेस टू पावर थ्री है ना और मेरे ख्याल से ये हमने एग्जाम्पल बनाया ये मैच भी कर रहा है इसके अंदर पंद्रह ही नोड है आप काउंट कर लो वन एंड टू तीन तीन और चार सात और आठ पंद्रह बिल्कुल सही बात है तो आंसर हाइट के हिसाब से कितना हो गया सर? मिनिमम केस में देखेंगे तो आंसर होगा अब उल्टा सोच सकते हो अगर किसी भी लेवल नोट कर लेना एक बार है ना अगर किसी भी लेवल पे मैक्सिमम ट्राई करना है तो कैसे करें यू कैन जिसको बोलते हैं लेफ्ट स्ट्रक्चर कम से कम लगाते जाओ तो हाइट जीरो पर हाइट जीरो पर कितना नोड एक पर पर भी कितना एक, height 2 पर भी कितना कितना एक एक और यहां तक तक कितने हो गए? Total 3 हो गए गए तो तो हिसाब हिसाब लगाओ अगर इस question के से आपको total करने तो आपको करने हैं जाना पड़ेगा काउंट जो है वो हाइट से कम चल रहा है हाइट टू तक तीन नोड आ गए थे तो तीन तक चार आएंगे तो फोर्टीन तक फिफ्टीन आ जाएंगे सो so इसका मतलब हमसे क्या पूछा है हाइट पॉसिबल ना सो so दिस कम से कम थ्री जब दादा से ज्यादा भरेंगे ज़्यादा ज़्यादा हालांकि आपको यूज करो आंसर निकाल गया आओ और मिनिमम कितने होंगे तो मिनिमम आपने देखा मिनिमम इज सिंपली एच प्लस वन तो हाइट फोर्टीन तक जाना है तो सर पंद्रह नोट तो लगेंगे स्ट्रेट लाइन में उससे कम नहीं लग सकते

और पोजीशन फिक्स्ड है जो वन का लेफ्ट चाइल्ड होगा वो टू पे होगा देन टू प्लस वन पे होगा टू का लेफ्ट चाइल्ड टू इंटू टू फोर पे होगा राइट चाइल्ड ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है लेट मी रिमाइंड यू दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट सिंपली और अगर कहीं पर डेटा नहीं है तो वहां पर मुझे एम टी रखेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा रहा होगा ए बी सी डी एंड डी सपोज ये स्ट्रक्चर है सो so, देखो वन टू थ्री फोर पे नहीं है तो एम छोड़ दिया मैंने क्योंकि वो लोकेशन तो फिक्सडी है देन फाइव पे डी आ गया सिक्स पे नहीं है तो एम छोड़ दिया मैंने तो सेवन के ऊपर डेटा रख दिया इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं बट अगेन अगर मैं इसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करूँ तो ये आइडिया कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है द रीज़न बींग आप सोचो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है सपोज द राइट्स की उटरी इसका इंडेक्स वन होगा तो इसका थ्री होगा तो इसका सेवन होगा सेवन टू फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन एंड फिफ्टीन इंटू टू थर्टी प्लस वन थर्टी वन आपको एक एरे बनाना पड़ेगा ऑफ थर्टी वन इंडेज टू हैव एन एन अ ट्री ऑफ ओनली फाइव एलिमेंट तो बहुत ज्यादा वेस्टेज है स्पेस का बेसिकली आप ऐसे भी मान सकते हो ये वेस्टेज करेगा टू रेस टू पर आई के ऑर्डर में है ना तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड मैथड हाँ अगर ये पूरा ट्री काइंड ऑफ भरा हुआ हो

लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन बेसिकली थ्री एरेज के साथ पूरा थ्योरी मैंने पे लगाया है आइडिया आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं सो वट वी कैन डू इज तीन एरे बना लेते हैं अलग अलग यस वन एरे इज कॉल्ड द इन्फो जो हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करेगा एंड टू एरे इज लाइक फॉर द लेफ्ट पॉइंट एंड द राइट पॉइंट काम शुरू कैसे होगा नोटिस करिए इस ट्री का रिप्रेजेंटेशन है तो मान लेते हैं रूट है हमारा ए और आप देख रहे हैं इज अ पॉइंटर जो रूट जो बता रहा है कि वो इंडेक्स नंबर फाइव पेल्ड पे जाइए yes? पे तो ए तो का लेफ्ट चाइल्ड बी नजर आ रहा है लाइक दिस ए का राइट right चाइल्ड कहां मिलेगा इंडेक्स नंबर टू पे मिलेगा टू पे आपको सी मिलेगा a का right child C है। दिस आइडिया सो दिस इज काइंड ऑफ बीच का रास्ता ट्री का पूरा गेम था वर्सिटैलिटी का डायनेमिक स्ट्रक्चर का और यहाँ पर हम उसको एरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं बट देखो एरे यूज करके स्टोर कर रहे हैं आइडिया ये नहीं है कि कौन सा मैकेनिज्म अच्छा है कौन सा खराब है डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो सकते हैं एंड देर मे बी सर्टेन आइडियाज देर मे बी सर्टेन केसेस जहाँ पे इस तरह के रिप्रेजेंटेशन भी हमें लगे कि हाँ यार ये लॉजिकली अच्छा काम करेगा है ना तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होगी और जो अल्टीमेट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर तो ना हमें एरे की ज़रूरत है फिक्स टाइप ना ऐसे तीन एरे बनाने की ज़रूरत है जब भी ज़रूरत पड़े यू कैन हैव अ पॉइंटर वेयर इन बिटवीन यू कैन हैव डेटा एंड हेयर यू हैव लेफ्ट चाइल्ड एंड हेयर यू हैव राइट चाइल्ड अब भी जब भी ज़रूरत पड़ती है एक नोट डिक्लेयर करो जैसा लिंक लिस्ट में पूरा हम करते आ रहे थे एंड अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर चीज़ों को एलोकेट कर सकते हैं नॉ दैट इज़ द एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन अब इतना काम ऑलरेडी कर चुके हैं लुक एट द द स्ट्रक्चर ऑफ नोड डेटा लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड पूरी कहानी हमारे पास है देन यू सी क्रिएट क्रिएट नोड नोड एक नया किया और उसके अंदर डेटा रखा लेफ्ट राइट चाइल्ड को नल किया तो दैट इज हाउ यू कैन इनिशिएट अ न्यू नोड उसके बाद अगर इंसर्ट करना है बाइनरी ट्री में इंसर्शन या यू नो कोई भी मैकेनिज्म करना वो आप कर सकते हो नाउ अगला जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मैंने क्वेश्चन देखे दैट इज ट्रिवर्सल एंड अभी तक ट्रेवर्सल कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक हम बात कर रहे थे एरे की या इवन लिंकलिस की स्टैक की क्योंकि की वाई बिकॉज देवर काइंड ऑफ ए लीनियर स्ट्रक्चर तो एक तरफ से शुरू करना आगे तक बढ़ते जाना कुछ खास ऑप्शन है नहीं तो उसमें बात करने की जरूरत नहीं है बट एज फार एज दिस बाइनरी ट्रीज कंसर्न स्पेसिफिकली अब मैं अगर इसे ट्रेवर्स करूँ कैसे करूँ

I'll go one by one. कुछ बेसिक बातें आपको समझा देता हूं लॉजिक क्या देखिए लेफ्ट और राइट नोट जो है ना उनकी रिलेटिव पोजिशन हम कभी चेंज नहीं करेंगे that is the rule. तो right हमेशा अपनी पोजिशन होल्ड करके रखेंगे किसके साथ है गेम है रूट के साथ क्या रूट को हम दोनों से पहले टच करें किसी भी नोट की बात कर रहा हूं या रूट को हम बीच में टच करें या रूट को हम सबसे बाद में टच करें एंड बेस्ड ऑन द आइडिया ये जो पहला बना लाइक द रूट लेफ्ट राइट इज द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लेफ्ट राइट रूट इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड लेफ्ट राइट रूट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल लाइक like दिस वी फॉलो अब ये काम होगा कैसे अगर हम एल्गोरिथम होते फंक्शन होते तो हमें याद कर लेते और एक्चुअली ट्रेवर्स करना तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं स्टैक में याद है आपको पूरा मैकेनिज्म बट यहां पे कैसे करना है किसी ट्री पे जल्दी से कैसे करना है कैसे? देखिएगा बहुत मजेदार है। Logic क्या है? क्या kind of पहला case, इसलिए थोड़ा सा मैं एक बार करके दिखा रहा हूं फिर तो आप डायरेक्ट करने लगेंगे ऐसा एक बाउंड्री बना लो ट्री के चारों तरफ लाइक like पैरामीटर की तरह बना लो यस लाइक दिस सरकम पूरा बना लिया इसका हमने अब पॉइंट ये नहीं है कि वो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट आपको ऐसे ही बनाना है। इस रास्ते पे चलते जाना है लुक एट दिस मैं ये एज भी बना देता हूं ताकि आपको पहचान रहे कि लाइन कहाँ कट हुई लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट ध्यान से देखिएगा मैंने चलना शुरू किया लेफ्ट हैंड राइट साइड कट हो गई हाँ कट हुई तो एफ एंड देन बी कम कमन कमन एंड दन ए चलते जाइएन सी एंड देन ई कमन कमन कमॉन सेम रास्ता एक को एक ही बार काउंट करेंगे ऑब्वियसली देन जी एंड आई एंड देन एच लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा एज बना लीजिए पहली बार जहां आप उसे कट करेंगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एज है, उसको कंसीडर करते देन जी आई एंड एच सो आई होप वाला क्लियर है प्रैक्टिस तो आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हो so, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक आइडिया यही है कैसे ट्रिवर्स करना है नाउ अगला लॉजिक क्या होगा इन ऑर्डर जैसे एवरीथिंग रिमेन्स द सेम जैसे प्री ऑर्डर में हम लेफ्ट से कंसीडर कर रहे हैं यहां पर हम बॉटम से कंसीडर करेंगे नॉट द लेफ्ट बट द बॉटम और ये जो डॉट 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 वाली लाइन बनी हुई मान रहा हूं इसी लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं एंड यू जस्ट सी कि हम इसको कट कहाँ करेंगे देखो एफ को अभी कट किया क्या एफ को कट किया नहीं किया चलते जाओ ना बी को कट किया चलते जाओ चलते जाओ दे पहली बार यहाँ ए को कट किया तो ए आएगा सर देन बी आएगा डी बच गया दे यू सी देन सी आया देन डी आया देन ई e आया चलते जाओ चलते जाओ देन एफ आया देन जी आया चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ देन एच आयान फाइनली आई आया डन और ये जो ट्रिवर्सल आपको मिला दिस इज नू कैन डू द प्रैक्टिस ऑन एनी नंबर ऑफ ट्रीज यू वॉन्ट एक पहले बाउंड्री बना लेना है इन ऑर्डर में बॉटम से काउंट करना है इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो बॉर्डर पे और जहां पहली बार लाइन कट हो उसी को कंसिडर करो अभी कॉमन सेंस है अगर एक बार लेफ्ट मैज लगाया उसके बाद बॉटम मेज लगाया तो तीसरी बार कहाँ लगाएंगे बताओ तो तीसरी विल पुट एन एज ऑन द राइट हैंड साइड सो लाइक दिस वी कैन डू लाइक दिस लाइक दिस लुक एट दिस फॉलो कर पा रहे अब देखिए मैं लाइन पकड़ के चलता जाता हूँ चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए पोस्ट ऑर्डर ए <coughs> ये बी डी अभी सब बता रहा है क्योंकि इनका लाइन कट नहीं हुआ है then we have c very good then we have e then d then b चलते जाओ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ then we have h then we have i then we have g and finally we have f तो किसी भी नोड को कंसीडर कब करना मैं क्या बोल रहा हूं जब हम उस नोड के राइट में होंगे तब उसको कंसीडर करना है एंड दैट इज हाउ इट कैन बी डन सो दिस इज व्हाट ट्रैवर्सल सर दिस इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल तो मुझे बताइए प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर समझ आया लेफ्ट से कंसीडर करना, करना है माने प्री ऑर्डर बॉटम से कंसीडर करना है माने इन ऑर्डर और राइट से कंसीडर करना है माने पोस्ट ऑर्डर अब लुक एट दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सेमेस्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या एक तो ट्री है सबसे सिंपल क्वेश्चन तो ट्री आपको दिया आपसे ऑर्डर पूछ लिया आपने कर लिया एक केस क्या हो सकता है मैं ट्री नहीं बता रहा आपको मैं आपको एक ट्रेवर्सल ऑर्डर बता रहा हूं एनी टू ट्रेवर्सल ऑर्डर कैन यू टेल मी वट इज द ट्री वट वॉज द ट्री तो एक बात समझो पहले इसकी मैथ समझ लो इसी टाइप का ना हाँ इन ऑर्डर, उससे पहले प्री ऑर्डर उसके बाद है पोस्ट ऑर्डर अगर आप ट्रिवर्सल देख के हैं, दर आई नीड प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर और आई नीड इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर प्लीज अंडरस्टैंड क्या सिर्फ प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर से या किसी भी एक से आप प्री यूनिकली बना सकते या नहीं बता सकते

कैसे निकालोगे? के लिए तो देखिए व्हाट वी नो जब भी पोस्ट ऑर्डर है तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को राइट टू लेफ्ट स्कैन करते जाना है और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मुझे रिलेटेड रिलेटिव सिक्वेंस बताता जाता है आप समझोगे देखो कैसे मैं ट्री बनाता हूँ सबसे पहले आया वन आइड राइट वन पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल स्कैन करो अब आया थ्री अब इससे पूछो थ्री आना कहा आना चाहिए ये बोल रहा सर थ्री ना वन के राइट right में आना चाहिए सो लेट मी हैव है देखो बात समझ आ रही है क्या ये मुझे रिलेटिव पोजिशन बताएगा फिर आगे बढ़ो टू लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहा हूं पोस्ट ऑर्डर को टू कहा आना चाहिए सर टू ना वन के राइट right में वन और सॉरी वन और थ्री दोनों के लेफ्ट में ही है सो देर यू कैन हैव फिर आगे बढ़िए नेक्स्ट डू वी हैव इज आना चाहिए वेरी इंटरेस्टिंग

अभी थोड़ा थोड़ा पैटर्न भी समझ आ रहा है लेफ्ट में है बट सिक्स के राइट में फोर के लेफ्ट में सो एक्सट्रीम लेफ्ट देर यू हैव एट तो इस तरह से पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल ने हमें क्या बताया कि किस ऑर्डर में हमें स्कैन करना है राइट टू लेफ्ट और इन ऑर्डर ने मुझे रिलेटिव पोजिशन बताई ध्यान रखिएगा अगर सेम क्वेश्चन इन ऑर्डर के बारे में होता तो स्कैन होता लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर में स्कैन होता लेफ्ट टू राइट पोस्ट ऑर्डर में स्कैन होता राइट टू लेफ्ट इन ऑर्डर बस आपको रिलेटिव पोजीशन बताता रहता है अब यहां पे क्वेश्चन खैर हाइट का था तो खैर आप बना लिए तो बता सकते हो हाइट जीरो हाइट वन हाइट टू हाइट थ्री हाइट फोर सो करेक्ट आंसर इज फोर यस तो ये हमारा <coughs> अगले लेवल का क्वेश्चन भी हो गया ट्रिवर्सल करना तो आता ही है अगर कोई इस तरह का आइडिया हमारे पास हो तो हाउ कैन वी डिजाइन ट्री बैक यूनिकली वो हमने बनाना सीख लिया दिस इज अगेन अ सेम क्वेश्चन आई थिंक आप ट्राई कर सकते हो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर में या मैं करूँ जल्दी से इन ऑर्डर एक प्री ऑर्डर वाला करते हैं प्री ऑर्डर कैसे करेगा लेफ्ट टू राइट फर्स्ट वैल्यू इज ए देन बी इन ऑर्डर बताएगा कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस तो ए के लेफ्ट में है दर इज बी देन वी हैव डी सबके लेफ्ट में सो दे यू सी एक्सट्रीम लेफ्ट Then we have e. A के left में है इन सबके राइट right में है तो आई थिंक इधर कहीं मेरे को ई e मिलना चाहिए दिस इज लाइक एच यही पोजिशन बनाना ई e के भी लेफ्ट में है इन ऑर्डर में ठीक बात है आगे बढ़िए। है देन सी अब आई थिंक ये राइट हैंड साइड वाला ट्री इन्वेस्टिगेट कर रहा है राइट में बट सी के लेफ्ट में सो यू सी एफ देन आई आई अगेन ए के राइट में बट सी और एफ दोनों के लेफ्ट में सो दे इज देन जे एफ के राइट में बट सी के लेफ्ट में सो आई थिंक जे एंड देन जी विच इज इन एक्सट्रीम राइट है ना आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो इसका दोबारा इन ऑर्डर ट्रांसफर कर लो सो डी बी एच ई ए आई एफ जे सी एंड दिस इज जी ओनली परफेक्ट काम करेगा तो आई थिंक अभी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए हाउ टू डू दिस दिसवर्सल और ये सेम ऑलरेडी हम आई थिंक इस पर काम कर चुके हैं ये फंक्शन भी टेस्ट कर चुके हैं स्टैक के अंदर वही जहाँ पे पहले कॉल कॉल बीच में है तो इन ऑर्डर प्रिंट पहले है तो प्री ऑर्डर और प्रिंट लास्ट में है तो पोस्ट ऑर्डर उसका एग्जैक्ट सी इम्प्लीमेंटेशन काइंड ऑफ हो गया सो दिस इज लाइक बाइनरी ट्री अब बाइनरी ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशलाइज वेरियंट है बी एस टीज द मोस्ट पॉपुलर ने बट जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ अलग अलग नाम भी मैंने लिख कर रखा है you never know कौन सा राइटर, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करेन ऑल्सो कॉल इट लाइक ऑर्डर क्या है लुक एट दिस अंडरस्टैंड किसी भी नोड के लेफ्ट में जो डेटा होगा वो अपने पेरेंट से छोटा होगा और राइट में जो डेटा होगा बड़ा होगा और ये प्रॉपर्टी किसी एक को नहीं हर नोट को सेटिस्फाई कर तो लुक एट दिस एट के लेफ्ट में थ्री एट से छोटा है टेन एट से बड़ा है थ्री से छोटा वन थ्री से बड़ा सिक्स सिक्स से छोटा फोर सिक्स से बड़ा सेवन टेन <coughs> से बड़ा फोर्टीन फोर्टीन से छोटा थर्टीन सो दिस इज अस टी बाइनरी सर्च ट्री इसके अलग अलग एप्लीकेशन है स्पेशली अगर डेटा सॉर्टेड हो

जैसे यहाँ पर ये यह दिखा रहा है क्या वैल्यू सर्च कर रहा है ये आई थिंक दे आर सर्चिंग ट्वेंटी सेवन ना अब इसने ट्वेंटी वन से शुरू किया ट्वेंटी सेवन क्योंकि ट्वेंटी वन से बड़ा है तो आई हैव अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मेरे को लेफ्ट में जाना है क्या नहीं सर मेरे को राइट right में ही जाना पड़ेगा मेरे को नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा बट अगर मिलेगा तो राइट right में मिलेगा इसमें कोई डाउट नहीं है इधर आ जाओ ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी छोटा है सर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट से छोटा है तो मेरे को नहीं अगेन पता कि मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा तो लेफ्ट में मिलेगा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव से बड़ा है कि छोटा है बड़ा है तो राइट right में मिलेगा एंड लुक एट दिस नाउ दिस इज द सर्च पाथ जो फॉलो करते हुए मैं इधर आ जाऊंगा और अगर आप ध्यान से सोचिए इन जनरल हमें समझ आता है अगर नॉर्मल बाइनरी ट्री हो और मैं आपसे पूछू किसी एलिमेंट को सर्च करके बताओ तो टाइम विल बी लाइक ऑर्डर ऑफ एन आप पूरा ट्री ट्रेवर्स करो कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं मिलेगा तो मिलेगा तो वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन होगा बट यहाँ पर यू सी अगर बाइनरी सर्च ट्री है तो क्या मुझे पूरा ट्री पढ़ने की एक एक नोट पढ़ने की जरूरत है क्या अगर मान लो यहाँ ट्वेंटी सेवन नहीं मिलता तो क्या मैं दूसरा रास्ता ढूंढता नहीं अगर नहीं यहाँ पे मिला तो है ही नहीं क्योंकि रास्ता तो यही था तो इस केस में बिकॉज ऑफ दिस बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर हमारा जो कॉस्टिंग है वो क्या हो जाता है सर हो जाता है लॉग बेस्ट स्टूडेंट फॉर दिस केस है ना तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग जिससे पूरी बात आई होप आपको समझ आती होगी सर्चिंग की एंड एक बार और थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए बी एस टी को एक इंसर्शन ट्राई करके देख लेते हैं तो लुक एट दिस अगेन इन यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑल्सो सिंपल इंसर्शन कैन बी आस्ड तो पहला देखिए क्या है सेवेंटी वन आएगा सो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बिकम रूट नोट नेक्स्ट वैल्यू है सिक्सटी फाइव हमेशा रूट से चालू करो हमेशा तो सिक्सटी फाइव सेवेंटी वन से छोटा है तो विल कम इन दिफ्ट देन यू हैव 84 71 से बड़ा है तो राइट में जाएगा 84 फोर देन सिक्सटी अगेन यहाँ से कभी नहीं देखना हमेशा रूट से देखना है सिक्सटी नाइन से छोटा है 65 से बड़ा है तो इधर आ गया 69 नाइन देन वी हैव सिक्सटी सेवन सेवनटी से बड़ा है 65 से बड़ा है 71 से छोटा सॉरी 65 से बड़ा है बट 67 से छोटा है इधर कहीं बीच में आके फंसेगा 67 एंड देन यू हैव 83 थ्री 71 से बड़ा है और एट्टी फोर से छोटा है इज हमसे क्या पूछा था लोएस्ट लेवल पे कौन होगा सो दिस इज लेवल 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 ये ना 67 होगा लोएस्ट लेवल पे तो वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग बट आई होप आइडिया इज वेरी मच क्लियर किस तरह से इस टाइप के केस को ऑब्जर्व करना है तो ये पूरी प्रोसेस वही बताने की कोशिश की है. इंसर्शन कैसे करना है यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट छोटा है तो लेफ्ट में जाओ और बड़ा है तो राइट right में जाओ एंड कीप फॉलोइंग द प्रोसेस अंटिल यू रीच द बॉटम और वहां पे इंसर्ट कर दो नाउ <coughs> डिलीशन एक अटेम्प्ट किया जा सकता है डिलीशन में देखो अलग अलग आइडियाज़ पॉसिबल हैं इन जनरल आई डोंट एक्सपेक्ट कि डिलीशन से क्वेश्चन पूछेगा यूनिवर्सिटी में बट स्टिल मैं दो तीन ऑब्जर्वेशन आपको करके दिखाता हूँ इमेजिन करिए मेरे को डिलीट करना है फोर इमेजिन करिए अभी फोर को डिलीट करना आसान इसलिए है फोर का कोई चिल्ड्रन है क्या सर फोर का कोई चिल्ड्रन तो नहीं है तो अगर किसी नोट का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो उसको बहुत आराम से आप डिलीट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से पूछना नहीं कुछ करना नहीं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मान लेते नाउ यू हैव एट एंड यू सेवन एंड देन हैव फोर्टीन एंड देन वी हैव थर्टीन यस अब एक केस और ट्राई कर लेते हैं इमेजिन करिए वी हैव टू डिलीट फोर्टीन अभी 14 जिसका एक ही चाइल्ड है, है ना? तो अगर आप 14 को डिलीट करेंगे, तो कौन है जो 14 का 14 13 14. तो वो नोड जिसका कोई चिल्ड्रन ना हो या जिसका एक ही चिल्ड्रन हो उसे रिलेटिवली डिलीट करना बहुत आसान है फॉलो कर पा रहे yes. <coughs> अगला केस देखिए एक काम करें सीधो एट को टारगेट कर ले रिप्लेस एट अब एट ऐसा नोड है जिसके दोनों चिल्ड्रन है ना हमें ये भी नहीं कि जो BST का टोटल बता चुका हूँ वो हमेशा सीक्वेंस है तो जब आप एट को टारगेट करेंगे ना जिसके दोनों चिल्ड्रन है वो देखता है मेरे सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन है इसको बोलते हैं इनऑर्डर मुझसे बोलो क्या बोलते हैं ऑर्डर प्रिडिससर एट का

लगभग लगभग प्रॉपर बाइनरी ट्री की शेप रख रहा है और उस केस में क्योंकि इस ट्री की हाइट होगी लॉग बेस्ट टू एन तो ऑन एन एवरेज वी से बाइनरी सर्च ट्री कितना टाइम लेता है ऑर्डर ऑफ लॉग इन है ना और सर्च में अगर लॉग इन लिया तो इंसर्ट डिलीट भी लॉग इन ही है क्योंकि उसी से रिलेटेड है लेकिन देर आर सर्टिन केसेज फॉर एग्जाम्पल इमेजिन केस लाइक दिस लाइक हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन एंड ब्ला

उसको खराब करके कहाँ तक पहुँचा देते हैं ऑर्डर ऑफ एन तक अगर आप एल्गोदम की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं भी रखते तो इतना तो समझ सकते हैं कि मज़ा तब था जब हर लेवल पे प्रॉब्लम बराबर बराबर साइज में डिवाइड हो अगर स्ट्रेट लाइन में चलते जाना है तो फिर लिंक लिस्ट या क्यों क्या बुरा था इट तो ये काम नहीं कर रहा और वर्ष केस में ये दोबारा ऑर्डर ऑफ एन तक पहुंच जाता है और ये बी का एक बड़ा डिसएडवांटेज है तराजू की तरह इसके दोनों पलड़े लगभग लगभग बराबर नहीं होते कभी-कभी एक तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो सकता है जो यहां पर आप देख रहे हैं इसी का सॉल्यूशन है एवियल ट्री अभी आगे हम डिस्कस करेंगे ट्री, like एक दो क्वेश्चन मैंने बीच में रखे हैं जैसे द प्री ऑर्डर बी एस टी इज सर्च ट्री है <coughs> जिसमें हिंट दे रहा हूँ आगे काम आप कर सकते हो जिसका प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल आपके पास है पूछ रहा है पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सलिए आपको बोला था कि सर किसी भी ट्रेवर्सल में इन ऑर्डर तो के तो हम बता नहीं सकते यहाँ पर ये हमें सिर्फ प्री ऑर्डर दे रहा है बट आपको भूलना नहीं है ये बात बी की कर रहा है सर और क्योंकि बी की बात कर रहा है तो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल बताने की जरूरत है या वो पहले से सबको बता है

इन ऑर्डर है तो सॉर्टेड होगा वन थ्री फाइव सेवन एट फिफ्टीन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव सॉर्टेड है दिस 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 लुक एट दिस अ प्रॉब्लम नॉट सॉर्टेड लुक एट दिस अ प्रॉब्लम नॉट सॉर्टेड एंड लुक एट दिस दिस इज सॉर्टेड सॉर्ट ऑफ वन टू थ्री फोर आई थिंक वन एंड फोर आर सॉर्टेड देयर बाय हमें नहीं पता ट्री किया है कैसे आपने ट्रेवर्स किया बट अगर बात इन ऑर्डर सिक्वेंस की है तो वन और फोर ही वैलिड हो सकते है बाकी तो वैलिड नहीं हो सकते बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग एक और क्वेश्चन ट्राई करिए ये भी सेमेस्टर्स वगैरह में पूछा जाता है के ऊपर और मैंने एग्जाम में भी देखा है आइडिया क्या है ना तो वो आपको ट्री बता रहा है वो क्या कह रहा है, है जिसमें हंड्रेड तक रेंज के कुछ नंबर्स है ठीक है क्वेश्चन है हमें सर्च करना है सीक्वेंस ऑफ द नोट एग्जामिन इसमें से कौन कौन सी वैलिड सर सीक्वेंस नहीं है थॉट प्रोसेस कैसा सोल्व करने का अप्रोच देखेगा मेरे साथ चलिए मजा आएगा आपको इमेजिन करिए मैं यहां से शुरू किया क्या हो सकता है पहला नंबर टेन हो हाँ हो तो सकता है सर हमें सर्च करना है फिफ्टी फाइव अब अगर हम टेन पे हों और हमें फिफ्टी फाइव पे जाना है हमने कौन सा मूव लिया होगा सर हमने राइट मूव लिया होगा और ये कह रहा है अगला नंबर हमें मिला सेवेंटी फाइव दैट्स क्वाइट पॉसिबल हो सकता है ना थोड़ा आगे चले गए ठीक है हो सकता है लेकिन अगर मुझे 55 पे जाना है तो 75 के बाद मैंने लेफ़्ट मूव लिया होगा और वो भी यही कह रहा है कि हम कहाँ पे आ गए 64 पे आ गए बिल्कुल सही है अभी भी 55 पे जाना है तो और पीछे आना पड़ेगा लेकिन कह रहा है थोड़ी ज़्यादा पीछे आ गए 43 पे आ गए क्वाइट पॉसिबल फिर हमें 55 पे जाना है फिफ्टी इधर कहीं बीच में तो भाई साहब फिर से आगे गए, गए होंगे और कह रहा है इस बार सिक्सटी फाइव बट आप देख रहे धीरे धीरे हम कन्फाइन कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड देन ये बोल रहा है कि मैं 55, 57 फिफ्टी सेवन पे आयान में आया 55 पे मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड सर सीक्वेंस है हर स्टेप में जो यू नो मूव हमें लेना चाहिए था वही मूव हमने लिया ऑप्शन बी ट्राई कर लेते हैं यू स्टार्ट विद नाइनटी मैं डायरेक्ट देखू वन से सीधे ट्वेल्व पे गया सिक्सटी पे आया 34 पे गया 62 पे गया 45 पे गया एंड देन 55 कोई प्रॉब्लम नहीं है 9 से शुरू किया सीधे एट्टी देन फोर्टी सेवन देन ये, ये प्रॉब्लम है नाइन से शुरू किया एट्टी फाइव गया फोर्टी सेवन आया देन सिक्सटी एट गया यहाँ तक कन्फाइन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है देन सडनली जंप अप टू फोर्टी थ्री नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल सर वाई दिस इज नॉट पॉसिबल यार फोर्टी थ्री फोर्टी सेवन के राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लाइट सब ट्री में कैसे हो सकता पॉसिबल ही नहीं है फोर्टी थ्री तो बड़ा छोटा वैल्यू है <laughs>

और रूट का डेटा इज इज डेटा आप डायरेक्टली मैच करो रिटर्न कर लो रूट अगर ऐसा नहीं है तो अगेन आपको देखना पड़ेगा अगर जो रूट का डेटा है अगर डेटा जो है वो रूट के डेटा से कम है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड वाले पे कॉल किया होगा और अगर ऐसा नहीं है तो राइट हैंड साइड पे कॉल किया होगा जैसे बी में सर्च कर रहे हैं इंसर्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वेरी सेम कोड है पहले सर्च करना है बाद में जो पॉइंटर मिलेगा इंसर्ट करना है डिलीशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अलग अलग डिफरेंट ऑलरेडी हम इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं नाउ द आइडिया इज एवियल ट्री तो एवियल ट्री कैसे काम करता है और क्या इसका ऑब्जर्वेशन है और क्या डिसएडवांटेजेस थे विद uh, जो विद्युत ट्री ने सॉल्व किए एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे तो अभी बात करते हैं एवियल ट्री की तो जैसे मैंने आपसे बोला कि BST के अंदर जो प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम क्या है कि यार बैलेंस नहीं है और कभी भी लेफ्ट राइट ऑर्डर ऑफ लॉग इन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एवियल ट्री कैसे करता है आई एक करके देखते हैं सो इन कंप्यूटर साइंस एन एवियल ट्री इज सेल्फ बैलेंसिंग बी एस टी अब ये कैसे बैलेंस करेगा इंसर्शन के बाद समझ आएगा इट वॉज फर्स्ट सच डेटा स्ट्रक्चर टू बी इन्वेंटेड और ये दो साइंटिस्ट हैं लुक एट दिस ए मैंने बोल्ड भी करके रखा है वी एंड एल जिसके वजह से इसका नाम पड़ा है एवियल ट्री अब काम करता कैसा और आइडिया क्या यहाँ नोटिस करिए आपको समझाता हूँ यहाँ पर वी हैव अ न्यू पैरामीटर कॉल्ड बैलेंसिंग फैक्टर अब बैलेंसिंग फैक्टर क्या करता है किसी भी नोड का जो लेफ्ट लेफ्ट सबट्री होगा उसका जो हाइट है और राइट सबट्री होगा उसका जो हाइट है उसका डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं एंड बैलेंसिंग फैक्टर के तीन परमिसेबल वैल्यूज हैं विच इज लाइक जीरो माइनस वन एंड प्लस वन इसके अलावा नहीं हो सकता फॉर एग्जांपल यहां देखिए 25 का जो लेफ्ट सबट्री उसकी मैक्सिमम हाइट क्या आई थिंक वन टू एंड थ्री राइट सब ट्री वन एंड थ्री थ्री माइनस यू गेट जीरो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ देखिए 20 का लेफ्ट सबट्री 1 एंड 2, राइट सबट्री इज 1, सो so 2 माइनस 1 वी गेट 1, 36 लेफ्ट सबट्री 1 एंड 2, राइट right सबट्री 1 एंड 2, सो so 2 माइनस 2 इज 0, देन कोई भी वैल्यू आप देख सकते हो 30, लेफ्ट सबट्री इज 1 एंड राइट सबट्री इज 0, सो so 1 माइनस 0 इज लाइक like 1, तो इस तरह आप देख सकते हो कोई भी नोड यहाँ पर आप देख लो दो ही वैल्यू तीन वैल्यू अलाउड होंगी या तो जीरो या तो प्लस वन या तो माइनस वन यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट का हाइट क्या है दैट इज हाउ वी कैन ऑपरेट अब पैरामीटर तो आप समझ गए कैसे काम करता है जब हम इंसर्शन करेंगे इन अ बी एस टी तो कभी ना कभी तो वॉयलेट होगा अगर वॉयलेट होगा तो क्या करना है यहाँ पर एवियल ट्री के बहुत सारे रोटेशन काम आते हैं और मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इंसर्शन कैसे करते हैं एवियल ट्री के अंदर अगर ये आपने समझ लिया ना तो मान के चलना मोटा मोटा पूरा एवियल ट्री भी आपको समझ आ गया तो कैसे होगा क्या होगा आई टेक एन एग्जाम्पल इंसर्शन करते जाऊंगा जहां लगेगा कि अभी शायद सारे पॉसिबल केस हमने कवर कर लिए वहीं रुक जाऊंगा और पूरा एवियल ट्री आप समझ जाओगे करते करते साल गो वन बाय वन सबसे पहला वैल्यू ट्वेंटी भूलना नहीं है एवियल ट्री एवियल ट्री बाद में पहले बी एस टी है तो इंसर्सन बी एस टी में तो हमने सीखा हुआ है बस बैलेंसिंग फैक्टर को एडिशनली मेनटेन करना तो शुरू करता हूँ ट्वेंटी रूट ट्वेंटी ट्वेंटी वन से बड़ा है तो राइट right में जाएगा कोई प्रॉब्लम है आई डोंट थिंक सो ट्वेंटी वन का बैलेंसिंग फैक्टर होगा जीरो माइनस वन सो बेसिकली माइनस वन ट्वेंटी जीरो नॉट एन इशोर्टी ट्वेंटी वन से बड़ा है ट्वेंटी सिक्स से बड़ा है देयर कम्स थर्टी एंड नाउ देर इज अ प्रॉब्लम लुक एट दिस

किसी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर खराब है है ना पर किसका हुआ ट्वेंटी वन का हुआ तो ट्वेंटी को क्या करना हमें देखना है कि है तो है इधर, है कि इंसर्शन इंसर्शन किधर तो 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 हुआ इधर ना पहले पहले दो दो मूव मूव हमें देखने पहले दो बस तो जब मैं ट्वेंटी वन जिसका बैलेंसिंग फैक्टर खराब है जब मैं उससे चलता हूँ टूवर्ड्स द न्यूली इंसर्टेड नोड तो आप देखेंगे मैं दो मूव ले रहा हूँ राइट एंड राइट यस तो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज आर आर प्रॉब्लम ऐसा समझिएगा ट्री का जो झुकाव है वो राइट हैंड साइड की तरफ ज्यादा हो गया है और आर आर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है RR problem का solution है a single left rotation. Basically, tree को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करना पड़ेगा वो कॉमन सेंस है साथ साथ आप देखते चलोगे Yes? तो जैसे ही मैं रोटेट करूंगा थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट करूंगा ट्री को ना ट्वेंटी परफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आगे बढ़िए अगला वैल्यू बताइए क्या है सर अगला वैल्यू नाइन है ट्वेंटी सिक्स से छोटा है ट्वेंटी वन से छोटा है आई डोंट थिंक डों के इंसर्शन के बाद किसी का भी बैलेंसिंग फैक्टर खराब होगा अगला वैल्यू कौन अगला 4 है अगला वैल्यू फोर है ट्वेंटी सिक्स से छोटा है ट्वेंटी वन से छोटा है नाइन से छोटा है देर कम्स फोर अब बताइए अगेन जो हमारा नोड है जब यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो पहला नोड आई थिंक जिसका बैलेंसिंग फैक्टर खराब है वो है ट्वेंटी वन वही रुक जाना है जो भी न्यूली इंसर्टेड नोड है वहां से ऊपर जाना जाइए जिसका बैलेंसिंग लेफ्ट में गया टूवर्ड्स द इंसर्टेड नोड और मेरे को समझ आया कि प्रॉब्लम है ट्वेंटी वन को और कौन सा प्रॉब्लम है एल एल ट्वेंटी वन के कॉन्टेक्स के में देखेंगे तो ट्री लेफ्ट की तरफ झुक गया है एल एल का सोल्यूशन क्या होगा सिंगल राइट रोटेशन अभी लेफ्ट में ज़्यादा, ज़्यादा right में में था, तो left में घुमा दिया left में है, तो right में घुमा दो. Something like this. Right rotation. अब ऐसा करेंगे, तो तो बोलो क्या होगा? होगा, इधर नजर आएगा नाइन इधर मिलेगा फोर देयर कम्स टू वन ट्वेंटी वन एंड देयर कम्स थर्टी एक और बात ध्यान रखनी है कभी कभी हो सकता है बीच में आपको कंफ्यूजन हो सर इस नोट को किधर रखें इसको आगे रखे के पीछे रखें तो आपको भूलना नहीं है कि भली एवियल ट्री है बट है तो बी एस टी तो कौन सा वैल्यू ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी वन कहाँ जाएगा ट्वेंटी सिक्स से छोटा है नाइन से बड़ा तो यही आएगा लाइक दिस यू कैन आइडेंटिफाई द पोजिशन ये समझ आ गया सर आगे बढ़ते जाइए फोर्टीन कुछ मिक्स केस आएंगे मजा आएगा ट्वेंटी सिक्स से छोटा है नाइन से बड़ा है ट्वेंटी वन से छोटा है सो देयर कम्स फोर्टीन अब बताइए किसका बैलेंसिंग बैलेंसिंग फैक्टर फैक्टर खराब खराब होगा? होगा, होगा। का 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 नहीं का 1, 2, 3, 3 का है। मैंने आपको क्या बताया नए नोट से जाइए उस नोट पर रुक जाइए जिसका बैलेंसिंग फैक्टर खराब है इसका खराब है थ्री माइनस वन इज टू अब उससे दोबारा आना टूवर्ड्स द न्यूली इंसर्टेड नोट तो अब पहला मूव आप लेंगे लेफ्ट और दूसरा मूव लेंगे राइट right, सिर्फ दो मूव मैं इसी तरह से चेक करूंगा परफेक्ट मैकेनिज्म मेथड काम करेगा सिर्फ दो मूव देख लीजिए दो मूव तो लेफ्ट हुआ और राइट right हुआ इस बार कौन सा प्रॉब्लम है एल प्रॉब्लम और एल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है सर इसका सॉल्यूशन भी है एल जिसको आर प्रॉब्लम है उस उसपे लेफ्ट रोटेशन लगेगा जिसको एल प्रॉब्लम है उस उसपे आर रोटेशन लगेगा तो कैसे काम करेगा जरा नोटिस करिएगा मैं सबसेट करके दिखाऊंगा प्रॉब्लम इस इस कंपोनेंट को है ना इस पे लगाइए लेफ्ट रोटेशन तो क्या होगा बताइए ट्वेंटी जो ट्वेंटी वन से छोटा नाइन से बड़ा है आएगा इधर इतना कंपोनेंट जब हम कर लेंगे ना मैं बीच बीच में आपको करके दिखाते जाऊंगा जब इतना काम कर लेंगे तो क्या होगा बताइए तो ट्वेंटी वन इधर आ गया सर एंड हियर इज नाइन एंड हियर वी हैव फोर एंडर वी हैव फोर्टीन लाइक दिस अभी भी काम कम्प्लीट नहीं हुआ अब ये एल प्रॉब्लम बच्चा है एल का सोल्यूशन क्या होगा आर होगा तो अगर मैं इधर से अगेन क्लियर कर दू ये पहला जिक्सैक्ट टाइप पैटर्न भी हमने समझा है सो देट कोई कंफ्यूजन ना हो तब अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा लुक एट दिस नाउ ट्वेंटी बनेगा नया रूट देन देयर कम्स ट्वेंटी सिक्स एंड देयर कम्स थर्टी लुक एट दिस फॉलो कर पा रहे हैं क्या इधर देखेंगे तो आपको नजर आएगा नाइन इधर नजर आएगा फोर एंड इधर नजर आएगा वन फोर फोर्टीन तो लाइक like दिस पूरा पैटर्न बहुत ध्यान से देख रहे हैं समझ रहे हैं और लुक एट दिस ये जो ट्री बना है ये कैसा बना बैलेंस है और मैं एक बात और बता दूंगा आपको ट्री इंसर्शन हम करते हैं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है हम रोटेशन करते हैं उसको मैनेज करते हैं क्या रोटेशन करने के बाद दोबारा चेक करने की जरूरत है कि बैलेंस हुआ कि नहीं होने नहीं जरूरत नहीं है सर एक बार कमिटमेंट कर दें तो उसके बाद हम अपने आपकी भी नहीं सुनते अगर हम रोटेशन कर रहे हैं तो पक्का ही है कि बैलेंस हुआ होगा कुछ केस में दो रोटेशन चाहिए होता है मैं आखिरी और भर देता हूं और बाकी सब केस में एक ही रोटेशन चाहिए होता है लाइक ऊपर वाले दो केस में सिंगल रोटेशन इधर दो दो रोटेशन तो बट उसके बाद मैंडेटरी बैलेंसड है फिर आगे बढ़िए नेक्स्ट वैल्यू क्या है ट्वेंटी नोटिस करिए ट्वेंटी से बड़ा है ट्वेंटी से बड़ा है थर्टी से छोटा देर कम्स ट्वेंटी एट

थर्टी एंड ट्वेंटी एट तो इसको लेफ्ट प्रॉब्लम है तो इस पर राइट right रोटेशन लगेगा तो ये बन जाएगा एंड एंड और इसको एल प्रॉब्लम है तो इस लेफ्ट रोटेशन लगेगा तो ये बन जाएगा ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी सिक्स एंड थर्टी एंड ये पूरा इधर आ जाएगा तो बोलो ट्री क्या बना सो दिस इज लाइक नाइन एंड फोर एंड फोर्टीन एंड बेसिकली पूरा मैनेज होने के बाद आई थिंक सो लुक दिस कितनी खूबसूरती से बाई चांस बीच में ऐसा हुआ कि ट्री हमारा दोबारा परफेक्टली बैलेंस हो गया यस yes, जो कि पूरी तरह से डिसबैलेंस था तो आई होप वन by वन वैल्यू by वैल्यू अपन इस पर काम कर पा रहे हैं इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्लियर कर दो दोबारा स्लाइड अब मेरा मन हो रहा है जब इसको कर रहे हैं तो यार पूरा ही करेंगे कम so कम से कम, एक ट्रिप अच्छी प्रैक्टिस हो so, मैं कह रहा हूं, बीच में वीडियो करो, आ किसी कोई को इश्यू नहीं होगा फिफ्टीन ट्वेंटी वन से छोटा नाइन से बड़ा फोर्टीन से बड़ा एटीन से छोटा देर कम्स फिफ्टीन और अब इस तरीके के, के साथ बीच में मैनेज करना सीख जाओगे नॉट्स कॉमन सेंस आइडिया 14, 14 14 18, 18 एक और चीज ये जो रूलबाजी में बता रहा हूँ आपको ये सब कहानी ये भी शुरुआत के लिए दो चार केस इंसर्शन करोगे आप अंदाजे से पूरा ट्री बना लोगे कोई महान बात नहीं है तो फिलहाल इसको मैं डायरेक्टली बैलेंस कर देता हूँ विद य परमिशन हालांकि हमने समझा कि दो रोटेशन यहाँ पे लगे हैं सो या आ गया सर फिफ्टीन फोर्टीन एंड एटीन यस ओके आगे बढ़ते हैं फिर अब बताइए अगला केस क्या है अगला केस है टेन ट्वेंटी है 9 से बड़ा है, सो दे इज वन एंड वन टू थ्री वन माइनस टू नाइन को इशू हो, so, so, हो गया सर कौन सा इशू हुआ है तो यहां से चलेंगे टेन की तरफ तो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट फिर वही कंपोनेंट वाली बात इस पार्ट पे करिए राइट लेफ्ट रोटेशन तो क्या होगा बताइए 14 ऊपर आ जाएगा दिस इज 14 14 इधर आएगा 15 इधर आएगा 18 एंड 10 आ जाएगा 10 आ जाएगा इधर यस yes, इसके बाद में इसको अटैच जो हमने किया हुआ है दिस इज 9 एंड दिस इज 4 अब इस पे आप लगाएंगे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट तो इस पर हमने लगा राइट रोटेशन और ये राइट है तो इस इसपे लगा लेफ्ट रोटेशन अब यहाँ क्या होगा फोर्टीन ऊपर आ जाएगा एंड देन नाइन एंड देन फोर इधर मिलेगा फिफ्टीन एंड एटीन एंड टेन जो कि फोर्टीन से छोटा नाइन से बड़ा इधर आएगा तो ये पूरा कंपोनेंट अब मैं एक साथ उठा के रिप्लेस कर देता हूँ आपको मैंने अलग से करके दिखा दिया बिकॉज एक साथ करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो गया थैंकफुली मैं इधर कर पा रहा हूँ कॉपी पे करना इसको और मुश्किल बात है सो दे सी

आई थिंक नाइन को भी नहीं होगा फॉर सी ट्वेंटी वन को इशू है वन टू थ्री फोर एंड टू को इशू है तो so अगेन जिसको इशू है वहां पे जाएंगे वहां से दो मूवमेंट लेंगे लेफ्ट लेफ्ट पूरे ट्री को राइट रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा सा झुकाव आ गया था लेफ्ट हैंड साइड पे ना तो नाउ फोर्टीन विल बिकम द न्यू रूलर ये बना रूट देन नाइन एंड देन फोर एंड देन टू इधर आप आगे बढ़ेंगे सो यूल फाइन टू वन ट्वेंटी वन और ये इधर आपको नजर आ रहा है टेन और फोर्टीन का जो ये वाला पार्ट हटा दूं इधर से थोड़ा सा सो so दैट हमें स्पेस मिल जाए यस एंड नाउ फोर्टीन का जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो बनेगा ट्वेंटी वन का लेफ्ट साइड सो देयर कम्स फिफ्टीन एंड एटीन एंड हियर इज लाइक वी हैव ट्वेंटी एट एंड हैव ट्वेंटी सिक्स एंड थर्टी यस और जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार चेक नहीं करना अगर बना लिया तो पक्का बैलेंस ही बना है उसमें कोई डाउट नहीं है एंड लेट मी रिमूव दिस थिंग आगे बढ़िए अगली चीज बताइए अगला क्या है सर अगला इंसर्ट करना है थ्री दिस 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 इधर कहीं थ्री आएगा और फिर वही बात इसको लोकली मैनेज कर दूं तो ये रोटेट होके कुछ ऐसे बैलेंस होगा वरना डिसबैलेंस हो गया है तो इसको बैलेंस कर देते हैं सर एंड थ्री विल कम हियर एंड देन हियर कम्स टू एंड हियर कम्स फोर दिस विल बी ऑल आगे बढ़िए लास्ट वैल्यू लास्ट वैल्यूज सेवन फोर्टीन से छोटा है नाइन से छोटा है थ्री से बड़ा है फोर से बड़ा है देअर कम सेवन किसको खुजली होगी आई थिंक नाइन को प्रॉब्लम होगा सेवन से ना बिकॉज एंड यस करें इसको तो फर्स्ट इज लेफ्ट एंड इज राइट पहले इसको मैनेज कर लो तो लाइट लाइट पे लगेगा लेफ्ट रोटेशन इसका सॉल्यूशन तो फोर थ्री एंड टू एंड देर कम सेवन और ये पूरा का पूरा नाइन और टेन के साथ एसोसिएटेड है तो इस पर लगेगा राइट right रोटेशन तो फोर ऊपर आ जाएगा फोर एंड नाइन एंड टेन एंड थ्री एंड टू एंड सेवन कम हियर इज इट रख देता हूं इसको इधर मैनेज करता हूं तो बोलिए कैसे चलेगी कहानी सर कहानी चलेगी ऐसे कि मी हियर कम्स फोर एंड देन थ्री एंड देन टू और इधर आपको मिलेगा नाइन और इधर मिलेगा सेवन और इधर मिलेगा टेन ये एक स्वस्थ सुंदर टिकाऊ हमारा एवियल ट्री वन के तैयार हो गया है एंड आई होप जितने सारे रोटेशन है सब आपने देख लिया पूरा पैटर्न देख लिया एक बार मैं दोबारा याद दिलाऊं बीएसटी <coughs> की तरह रूट से इंसर्शन करते हुए जाना है जहां सिंह को इंसर्ट कर दो इंसर्ट करने के बाद जहां पे इंसर्ट किया वहीं से दोबारा रूट की तरफ जाओ चेक करो रास्ते में किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर खराब हुआ है कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं अगर हुआ है तो वही रुक जाना है पहले हो सकता है चार का खराब हुआ पहले पर रुक जाओ अब जिसका नोड का बैलेंसिंग फैक्टर खराब है वहां से दोबारा उल्टा चलो टूवर्ड्स इंसर्टेड नोड और पहले दो मूव देखो वो इन चार में से कोई निकलेंगे दैट इज अ प्रॉब्लम लेफ्ट 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 राइट 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 और राइट 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 लेफ्ट 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 या left -left है तो सिंगल रोटेशन और यू नो लेफ्ट राइट या राइट right लेफ्ट है तो अकॉर्डिंगली जो रोटेशन हमने लगाए सारे सैंपल केस बना लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दैट इज हाउ इट इज डन एंड दैट इज ट्री इंसर्शन तो एवीएल ट्री की पूरी कहानी आप समझ गए दोबारा याद कर लीजिए जो प्रॉब्लम था बी के अंदर की एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट में जा रहा है आई थिंक अभी इतना तो सबको समझ आ रहा होगा कि वो प्रॉब्लम यहां पे रिपीट हो ही नहीं सकता सर नहीं हो सकता और ये ट्री इवन वर्स केस में भी आपको क्या टाइम देगा बताइए आई एम सॉरी तो ये वर्स केस में भी आपको लॉग लॉक बेस्ट टाइम देने वाला है यस yes? अब इंसर्शन आपको समझ आ गया <laughs> जैसे इंसर्शन है वैसे ही डिलीशन है तो आई एम गोइंग टू डू वे मुझे एक मिनट का समय दीजिए मैं ये ट्री दोबारा से बना लेता हूं सो फोर्टीन फोर ट्वेंटी वन लेटमी राइट फोर्टीन फोर ट्वेंटी वन थ्री नाइन टू सेवन टेन थ्री नाइन टू सेवन एंड टेन और इधर की क्या कहानी है फाइव ट्वेंटी एट एटीन ट्वेंटी सिक्स थर्टी सॉरी फिफ्टीन Uh, 28, 18, 26 and 30. तो ये बना-बना हमारे पास है. कर ले। कर ले भी सीख जाओगे आप AVL ट्री पे सो लेट मी डू द डिलीशन विल स्टार्ट लिखा है टू ये नीचे बैठा हुआ है टू मुझे बताओ लीफ नोड है क्या हाँ लीफ नोड है तो लीफ नोड को डिलीट करना तो वैसे ही ऐसा नहीं डिलीट करो और मुझे बताओ क्या डिलीट करके किसी का बैलेंसिंग फैक्टर खराब हुआ है क्या मेरे को तो नहीं नजर आ रहा इवन थ्री फोर एंड फोर्टीन एवरीथिंग इज बैलेंस तो साफ कर दो कहानी खत्म हो गई इसकी गोज आउट अगला नंबर लीफ है क्या हाँ लीफ है सर हटा दो लीफ है तो हटा दो पहले चलो ऐसे दिखाता हूँ हटा दिया किसको प्रॉब्लम होगा आई थिंक फोर को प्रॉब्लम होगा लुक एट दिस क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बचा नहीं जीरो एंड जीरो माइनस टू करेंगे तो बैलेंसिंग फैक्टर माइनस टू हो गया अब ध्यान से देखिए जिस नोड के को प्रॉब्लम है डिलीशन उसके लेफ्ट से हुआ है कि राइट right से सर डिलीशन उसके लेफ्ट से हुआ है क्योंकि डिलीशन उसके लेफ्ट से हुआ है सो दिट इज लेफ्ट टाइप ऑफ डिलीशन ये पूरा ट्री एक बार कॉपी बना लीजिए इस ट्री को फॉलो करके हम पूरा मैनेज करेंगे और आपको समझाऊंगा इंसर्शन से ही डिलीशन का रास्ता भी निकल जाएगा है ना तो ये लेफ्ट टाइप ऑफ डिलीशन हुआ ओके okay. अब जिस तरफ डिलीशन हुआ है उसके रिवर्स हैंड साइड का जो चाइल्ड है उसका जो सिबलिंग है उसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है सर नाइन का बैलेंसिंग फैक्टर है सो वट इज आर आर प्रॉब्लम आर आर प्रॉब्लम मान लीजिए कि राइट हैंड साइड पे लोड ज्यादा आ गया यानी कि इसको लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा सो दैट इज आवर वो सेम डेफिनेशन सर अप्लाई हो सकती है तो बोलो क्या करूं इसका so, मतलब 14 एज इट इज अपनी जगह रहने वाला है <coughs> ये पार्ट लेफ्ट रोटेट होगा और अगर होगा तो 9 ऊपर आएगा सर 4 नीचे जाएगा एंड देन 10 अपनी जगह बना रहेगा 7 जो है वो 4 का राइट right चाइल्ड बनेगा और जो तो राइट हैंड साइड पे ट्री है उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है सो दैट विल रिमेन एज इट इज इजंट इट सो दिस इज लाइक 28 एंड 26 एंड 30 ये सिमिलरली इसी तरीके से यहां पर रहेगा एंड अलाउ मी टू एलिमिनेट ऑल दिस अभी दो चार केस और डिलीट करेंगे ना तो धीरे धीरे आप देखोगे आपको पूरी बात समझ आने लगेगी आगे नेक्स्ट इज हटाइए बढ़ून लीफ नोड है हाँ जी लीफ नोड है किसको प्रॉब्लम हुआ नाइन को प्रॉब्लम हुआ जिस नोड को प्रॉब्लम हुआ डिलीशन उसके लेफ्ट से, right से, right से हुआ है कि राइट से सर डिलीशन उसके राइट से हुआ है सो दिस इज आर टाइप ऑफ डिलीशन यस अब जिधर से डिलीशन हुआ उसके रिवर्स हैंड साइड के नोड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है सर फोर का बैलेंसिंग फैक्टर है सो दिस इज इज आर टाइप ऑफ डिलीशन सेम एज प्रॉब्लम और अब आप मैच करके देख लो क्या ये एल आर प्रॉब्लम की तरह नहीं नजर आ रहा आ रहा है इसको डायरेक्ट बैलेंस करना भी आप जानते हो कैसे करोगे ऑब्वियसली बीच की वैल्यू सेवन बीच में आ जाएगी देयर कम्स फोर एंड देयर कम्स नाइन इधर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा इधर मिलेगा टू वन ट्वेंटी वन इधर मिलेगा टू एट ट्वेंटी फॉलो कर पा रहे हैं <coughs> फिर आगे बढ़िए अगला वैल्यू क्या डिलीट होना है एटीन एटीन डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ क्या आई थिंक यस किसी को प्रॉब्लम नहीं है अगला वैल्यू क्या डिलीट होना है फोर फोर डायरेक्ट डिलीट कर सकता हूँ क्या आई थिंक यस किसी को प्रॉब्लम नहीं है अगला वैल्यू क्या डिलीट होना है Nine. Nine कर सकता हूं, क्या? कर तो सकता हूँ बट प्रॉब्लम होगा रिवर्स नोड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है सो दिसनस वन सो दिस इज एल माइनस वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच इज सेम एज आर आर प्रॉब्लम और आर आर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पता है अगर राइट हैंड साइड पे वेट ज्यादा हो रहा है तो ट्री को पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा ट्री को सर पूरा का पूरा लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा इजंट इट सो लेट्स डू दिस करते हैं लेफ्ट रोटेट तो लेफ्ट रोटेट हुआ तो क्या होगा आई थिंक 21 इस सिस्टम का नया रूट बनने वाला है देयर कम्स 1414 और 7 बचा है ना अभी हाँ 7 बचा है तो 7 आ जाएगा और लेफ्ट में इधर मैं देखता हूँ तो यहाँ मेरे को मिलेगा 28 इधर मिलेगा 26 इधर मिलेगा 30 और फिफ्टीन आई थिंक फोर्टीन का बन जाएगा राइट एंड अगेन सी एन अगेनिडेंस बीच में ही सही बट दोबारा एकदम परफेक्टली बैलेंस नजर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है फिर बताइए नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट फोर्टीन अब फोर्टीन इज वेरी सिंपल इंटरनल नोड पहली बार डिलीशन अटेम्प्ट कर रहा हूं और हमने जो तो सीखा बी एस टी पे फोर्टीन का इन ऑर्डर प्रोड्यूसर है

And that is L type of problem. The side के node का balancing factor है zero. That is L zero. L zero is same as RR. And RR का solution है the single left rotation. तो पूरा खंडन तबाह होने के बाद 28 आएगा ऊपर. And there comes to 121. There comes 3030. And 26 will come here. So ये लीजिए sir. history tree को दुबारा note कर लीजिए. एंड एवियल ट्री का इंसर्शन डिलीशन पूरा गेम हमने कम्प्लीट कर दिया फेयरिस की बात आपसे करूं तो आई थिंक <coughs> हो जाए वर्स केस में वेदर इंसर्शन और डिलीशन दैट इज लॉक बेस्ड टू वेन बी एस टी के द्वारा एव एल हमें परेशान नहीं करेगा तो obviously इसका मतलब टू बी एस टी क्या हर बी एस टी एवीएल ट्री है जी नहीं क्या हर एवियल बी एस टी भी है जी हाँ नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है कंप्लीट बाइनरी ट्री अब कंप्लीट बाइनरी ट्री को वैसे टू बी वेरी ट्री कहना ठीक भी है कि नहीं है और कैसे यह काम करता है एक एक करके ऑब्जर्व करता है देखिए पहले तो यह बड़ा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री की पहचान क्या है होता क्या है तो आसान भाषा में समझिए लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री No, this is also कुछ लोग सोचते हैं हर नोट के दो चिल्ड्रन लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन जो भी सिचुएशन मिलेट बाइंड्री ऐसा बना सकता हूँ बीच में ऐसा नहीं बना सकता यह कम्प्लीट लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन भरते जाओ अगर मैं यहाँ रुक गया दिस इज ऑल्सो कम्प्लीट बाइंड्री अभी भी कम्पलीट बाइंड्री अभी भी कम्प्लीट बाइंड्री लाइक दिस तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज कम्प्लीट बाइंड्री दिस इज कम्प्लीट अ प्रॉब्लम अगर थ्री का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो राइट right चाइल्ड आप नहीं रख सकते

कि टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट हम ऐसा फिल करते जा रहे हैं तो हमें यू नो वी नो दैट सपोज अगर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स बने देखिए इंडेक्स लिख के बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा टू पे राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा टू टू प्लस वन बेसिकली थ्री पे इसको मैं मान लू के अगर ये के है तो लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा टू पे राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा

और राइट चाइल्ड होगा टू के प्लस वन पे पहली बात और किसी का भी जो पेरेंट होगा वो होगा टू बाई के बायर बाउंड पे ये एक बेसिक प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है अब जब आप ये समझ जाते हैं तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ये एक एरे है डोंट ट्राई टू इमेजिन एज अ ट्री इंडेक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड टू का लेफ्ट चाइल्ड टू का राइट चाइल्ड थ्री का लेफ्ट चाइल्ड थ्री का राइट चाइल्ड लाइक दिस तो यहां पर अगर हमें पता है डेटा पूरा भरा हुआ है और हम कंटिन्यूसली फिल कर सकते हैं तो जो हमारा पॉइंटर होल्ड करने का कॉस्टिंग है वो रुक जाता है वो खत्म हो जाता है मुझे लेफ्ट और राइट चाइल्ड के अलग अलग एड्रेसेस होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती तो एक बड़ा सिंपलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पे हो जाता है फेयर इनफ अब अगला वेरिएंट कंप्लीट बाइंड्री अपने आप में किसी खास पर्पज का नहीं है कंप्लीट बाइंड्री दरअसल हमें रास्ता दिखाता है कहां तक जाने का हीप तक जाने का कैसे दिखाता है आपको ऑब्जर्व कराता हूं तो हम बोलते हैं वैसे हीप भी अपने आप में कोई आइडिया नहीं है दो तरह के हीप है एक बोलते हैं मिन ही और दूसरे बोलते हैं मैक्स हीप नोटिस करिएगा क्या बोल रहा हूँ मिन हीप एंड मैक्स अब उसकी क्या कहानी है पहले तो आप अगर हीप बनना चाहते हैं मिन या मैक्स तो क्या होना चाहिए यू मस्ट बी ए कंप्लीट बाइनरी दैट इज रूल नंबर वन रूल नंबर टू देखिए ये भी कंप्लीट बाइनरी ये भी है किसी भी नोड पे जो आपके चिल्ड्रन हैं अगर वो आपसे या उल्टा सोचना चाहिए मिन की बात कर रहा हूं ना पेरेंट हमेशा चिल्ड्रन से छोटा हो पेरेंट चिल्ड्रन से छोटा है पेरेंट चिल्ड्रन से छोटा है पेरेंट चिल्ड्रन से छोटा है अगर हर नोड यही रूल फॉलो फॉलो करे तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है मिनी ही देखिए उल्टा हो जाएगा पेरेंट हमेशा चिल्ड्रन से बड़ा है पेरेंट चिल्ड्रन से बड़ा है पेरेंट अपने चिल्ड्रन से बड़ा है पेरेंट अपने चिल्ड्रन से बड़ा है लाइक दिस यस एक बार ध्यान रखिए कुछ लोगों को यू नो वो पुरानी याद रह जाती है बी एस की सर वो लेफ्ट में राइट लेफ्ट राइट का कोई रूल नहीं है यहाँ पे सिर्फ पेरेंट और चिल्ड्रन का रूल है अगर दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं ये इन जनरल लॉन्ग टर्म में आप एनालाइज करोगे यहां तो हम इतनी डेप में जाने की कोशिश नहीं कर रहे है, का जो यूज है ना वो सॉर्टिंग में होता है क्योंकि हमें पता है फॉर एग्जाम्पल मिन हीप तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो रूट में मिलेगा तो उसको फाइंड करने का इनका डिटेल हम करेंगे जब सॉर्टिंग एंड वो सारी कहानी वहां पर डिस्कस करेंगे फिलहाल आई थिंक आई एम सॉरी फिलहाल हीप क्या है तो ये बात हमें बेसिकली एकदम समझ आ गई अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करिए क्या बोल रहा है

मैक्स क्या हमेशा चिल्ड्रन से बड़ा है हाँ, लग तो रहा है पेरेंट हमेशा चिल्ड्रन से बड़ा है यस yes. इसके अंदर क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम है यहां है देखिए हाउ कैन बी टू इज अ पेरेंट ऑफ फोर कंप्लीट बाइंड मैक्स में तो नहीं हो सकता और कहीं प्रॉब्लम है यहाँ भी प्रॉब्लम है यस yes. तो इसमें स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है सी और डी में कंटेंट की प्रॉब्लम है बी परफेक्ट काम कर रहा है तो पहला तरह का क्वेश्चन की कम से कम आप देख के पहचान जाए अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है

सेवनटीन फोर्टीन देन वी हैव सिक्स देखो जरा कहीं प्रॉब्लम हो रहा है क्या आई थिंक इधर प्रॉब्लम हो रहा है सर इफ इट इज अ मैक्स हीप हाउ इज इट पॉसिबल कि सेवन पेरेंट बने सिक्स पेरेंट बने सेवन का प्रॉब्लम है ना तो इसका मतलब ये मैक्स हीप नहीं है आपको समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है ऐसे एक के, एक केस एक और ट्राई कर लेते हैं पता नहीं रैंडम में कौन सा केस सही निकले चिल्ड्रन है सेवन और मैक्स ही सिक्स बड़ा होना चाहिए था ओ माई गॉड किस्मत खराब है पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा सी ट्राई करते हैं सो ट्वेंटी थ्री एंड सेवनटीन एंड फोर्टीन एंड सेवन एंड थर्टीन कम ऑन एंड एंड टेन एंड एन वन एंड एंड फाइव एंड सिक्स इज ऑप्शन सी डी भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो बट हियर इट मींस ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर और ये एक बिल्कुल परफेक्ट वैलिड रिप्रेजेंटेशन हो जाता है किसका हीप का है ना ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना लुक एट दिस इंसर्शन सिखाता हूं. कुछ हमारे पास है the तो आर नहीं करने. One one, तो हर इंसर्शन के बाद आपको चेक करना है कि रिजल्ट मैक्सिप है कि नहीं अगर नहीं है तो उसको पहले मैक्सिप बनाना है तब तो अगले इंसर्शन पे जाना है पूरी प्रोसेस कैसे चलेगी मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल थर्टी टू आया पोजीशन तो मैं पता है फिफ्टीन आया मैक्सिप है कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं ट्वेंटी आया कोई प्रॉब्लम है नहीं ठीक है देन थर्टी आया एंड दे प्रॉब्लम थर्टी में प्रॉब्लम है सर थर्टीन फिफ्टीन का चाइल्ड नहीं हो सकता तो यहीं पे स्वैप कर लीजिए सो देर इज थर्टी एंड देर इज फिफ्टीन फिर आगे बढ़िए थर्टी के बाद अगला कौन आएगा अगला आया ट्वेल्व कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आगे बढ़िए अगला कौन आया ट्वेंटी फाइव प्रॉब्लम है यहीं पर स्वैप करिए तो ट्वेंटी आएगा ऊपर ट्वेंटी आएगा नीचे

अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यू कैन हैव अन ऑप्शन और ऑप्शन के बेस पर पूरा पैटर्न देख के समझ के पढ़ के ट्राई कर सकते हैं ये देखिए क्या बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन एन एरे अभी ऑलरेडी बना हुआ है वन बाय वन इंसर्शन नहीं करना द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेजेस नीडेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ मैक्स दैट इज आल्सो वेरी डिफरेंट क्लास ऑफ क्वेश्चन एंड वेरी फन सो लेट मी हैव 89 एंड 19 एंड 50 एंड 17 एंड एंड फिफ्टीन एंड टू एंड सेवन एंड इलेवन एंड 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 देन नाउ लुक एट दिस. ये पहले से हीप है नहीं हमें बताने की कितने स्वैप करने पड़ेंगे तो इन जनरल पैटर्न क्या कहता है आप नीचे से ऊपर की तरफ चल सकते हो देखो यहां मुझे बताना कितना मेरे को करना पड़ेगा हंड्रेड से अगर मैं शुरू करूं तो अगर मैक्स तो हीप है

कैसे हम रिवर्स इंडेक्स में यानी कि फ्रॉम लेस नंबर टू फ्रॉम हायर नंबर टू लोअर नंबर कैसे ऊपर जाता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वन बाय वन वो अगेन मैं बोल रहा हूँ हम हीप स्टडी करेंगे हम समझेंगे बट दीज आर द बेसिक आइडियाज अब ये क्या कह रहा है डिलीशन uh, अभी हमने अटेम्प्ट नहीं किया ना ओके okay. ये लेवल ऑर्डर बता रहा है पहले इंसर्ट कराना है फिर पूछ रहा है ओके वन बाय वन इंसर्शन सारे पॉसिबल केस में क्वेश्चन बना के लाया हूं सो so, टेन एट फाइव थ्री एंड टू ये करंट पोजिशन है और ये हीप है आप कह रहे 1 करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा 7 करेंगे, 7 आएगा उपर, 5 आएगा नीचे. कर लो लेवल ऑर्डर सो टेन एट एंड सेवन देन थ्री टू टेन एट सेवन देन थ्री टू वन थ्री टू वन फाइव टेन एट सेवन थ्री टू वन फाइव ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर लाइक like दिस अब अगर ये बन गया है टू डिलीट ऑपरेशन द द करेक्ट आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन इज अब अगर इसमें से दो डिलीट करना है ये और सिखा देता हूं आपको हीप से डिलीट कैसे किया जाता है तो कैसे करते हैं वो देखिए मजे की बात क्या है जब डिलीट करते हैं तो कभी ये बताते नहीं हीप में से क्या डिलीट होगा हीप में से हमेशा रूट डिलीट होता है क्योंकि उसी की वैल्यू है <coughs> वो ही है ना सबसे बड़ा वैल्यू तो कैसे डिलीट होता है ध्यान से देखिएगा पहले टेन को जिसको भी डिलीट करना उसको स्वैप करते हैं लास्ट इंडेक्स से तो फाइव विल कम अप एंड अपन विल कम डाउन लुक एट दिस ठीक है अब आप इसको चुपके से निकाल दीजिए यहां से टेन बाहर हो गया और ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये अभी अभी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है Heep है हीप है हीप हीप कि नहीं नहीं दोबारा कर लेते हैं तो एट और सेवन में कौन बड़ा है एट एट रिप्लेस करेगा फाइव को और यहां पे परफेक्ट काम कर गया तो नाउ अब ये दोबारा हीप है फिर डिलीट करना है स्टेप नंबर वन रूट को लास्ट इंडेक्स से स्वैप करिए तो वन ऊपर आया एट नीचे आया अब एट को प्यार से निकाल दीजिए अब दोबारा देखिए कि और सेवन में सबसे बड़ा कौन है सेवन तो, तो कोई वैल्यू बचा ही नहीं है तो तो क्या हुआ दो डिलीशन के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा तो जितने पॉसिबल केस है वन बाय इंसर्शन करना एरे बना हुआ है उसे हीप बनाना बने हुए एरे में कुछ इंसर्ट करना हीप में या स्टेप बाय स्टेप डिलीशन करना हर प्रोसेस के मैंने अलग अलग सैंपल ट्राई करा दिया सो दैट इन सेमेस्टर यू मे गेट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बट यू मस्ट मजबी इन पोजीशन टू आंसर यस नाउ गोइंग फॉरवर्ड अच्छा नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन अब ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है पैटर्न है जिसपे मैंने कभी कभार सेमेस्टर्स में क्वेश्चन देखा सो आई वांट कि आप एक बार इसको भी चेक कर लो बेसिकली मेन थ्री टॉपिक्स आर ओवर ट्रीज ओवर

राइट स्ट्रक्चर यू मेंिस और कोई ऐसा केस है जो मैं मिस कर रहा हूं आई mm, डों so. तो तो कितने केस बना पाए विथ थ्री नोट पांच फाइव अलग अलग तरह के बाइनरी ट्री हम बना पाए कोई फॉर्मूला है क्या इसका हाँ फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है सर टू एन सी एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन By N और ये ये काम कैसे करता है के के साथ रख के देख लेते हैं तो इसके बताओ क्या बनेगा ये बनेगा 6C3 by N 1, मैं याद दिला देता हूँ वी आर इट इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इन टू एन माइनस आर फैक्टोरियल यही है ना भरो वैल्यू सो so, सिक्स कैसे चलेगा सिक्स फैक्टोरियल ियल इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू फोर सो इसको करेंटोरियल इंटू फोर फोर से फोर गया थ्री फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल गया थ्री फैक्टोरियल इज निक्स द आंसर यू गेट इज फाइव सो वट इज द फॉर्मूला सर दिस इज द फॉर्मूला इस फॉर्मूला से आप बता सकते हो अलग अलग कितने डिफरेंट बाइनरी ट्री हम टेबुलेट कर सकते हैं दैट इज पॉइंट नंबर एक और बात बात ये मैं जनरल आपसे कर रहा हूं अगर मतलब दिस इज लाइक अनलेबल्ड इनका मैंने कोई नाम तो रखा नहीं अगर मान लीजिए मैं लेबलिंग भी कर दू मैं बोल देता हूँ सपोज दिस इज ए बी सी और आप ऐसा इमेजिन करो सर ये अलग केस है एंड लेट मी से एनल सी अलग केस है लाइक like दिस तो टैबुलेशन से कितनी वैरायटी की जा सकती है उनके नेमिंग करके एन फैक्टोरियल तो उस केस में टोटल डिफरेंट बाइनरी ये क्वेश्चन भूल जाइएगा बी एस की बात है वो समझाऊंगा उस केस में कितने डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री हो सकते हैं है? तो एन टू एन सी एन डिवाइड बाई एन प्लस वन तो एक कहानी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टोरियल क्योंकि हम उसका लेबलिंग कर रहे हैं लेबलिंग करके भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं नाउ इस क्वेश्चन में बात है बी की इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ पूरी स्लाइड को बी की कहानी आपको समझाता हूँ लेट मी मी गिव यू यू वैल्यूज और अब मैं randomly कोई भी ट्री बना सकता कैन टेल me कितने method हो सकते हैं कि आप ये वैल्यू इधर यू नो पेस्ट कर दो एंड द रिजल्ट एंडल्टी एस टी ध्यान से देखोगे एक ही तरीका पॉसिबल है इधर थ्री रखना पड़ेगा इधर वन करना पड़ेगा इधर टू और कोई तरीका पॉसिबल ही नहीं सोच लो आप लगा लो दिमाग और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है तो बी एस टी में कुछ खास कॉम्बिनेशन नहीं बनते जिन दो तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया ओके okay. सो so, ये वही बोल रहा है थिंक मैक्सिमम नंबर विद अनलेबल्ड आंसर इज फाइव लेबलिंग करते तो फिर मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल और हो जाता हाउ मेनी डिस्टिंग सर्स एज क्रिएटेड आउट ऑफ फोर कीज फोर डिस्टिंग अगेन बी एस टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर फॉर्मूला में भरो जो आंसर आएगा आंसर निकाल लो कंस्ट्रक्टेड विद थ्री डिस्टिंग अगेन द सेम आइडिया ये एक पैटर्न है ये देखिए जैसे कि आप बोलते हैं जिसे बोलते हैं एन एनरेट्रीज ना हाउ दिस एन एनेट्री वर्क लाइक दिस की किसी भी नोड के जैसे बाइनरी ट्री में हमने पढ़ा आइदर आई एन आइदर आई वन और टू यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ इस, इस, इस बात का मतलब क्या है किसी भी नोड के या तो तीन चिल्ड्रन होंगे सर या तो जीरो होंगे बीच की कहानी नहीं हो सकती आइदर थ्री और जीरो इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पढ़िए क्या पढ़ रहा है पूरी बात देखिए इफ एक्स इज नंबर ऑफ इंटरनल नोट इन कंप्लीट ट्री की बात कर रहा है ओके तो आइदर दिस और नंबर ऑफ लीफ इन इट इज गिवन बाय कैसे निकाल सकते हैं तो इसका एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको करा देता हूँ देन ओनली यू कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल हम ये पहले ना दो नोट दो कर लेते हैं या तो दो चिल्ड्रन या तो जीरो चिल्ड्रन ये ठीक है अब मुझे बताओ यहां पे कितने लीफ uh, है एक दो तीन चार लीफ है कितने इंटरनल नोड है वन टू थ्री तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं नंबर ऑफ लीफ इज इक्वल्स टू जो भी आपका डिग्री है विच इज लाइक कैन आई से इट इज नंबर ऑफ इंटरनल नोड इन टू एन माइनस वन प्लस वन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंटरनल नोड कितने हैं वन टू एंड थ्री एन माइनस वन फिलहाल हर किसी के या तो, तो तो है चिल्ड्रन तो उस केस में एन की वैल्यू क्या हो गई टू तो टू माइनस वन प्लस वन सो दैट द्री प्लस मैच कर रहा है इधर भी मैच करा के दिखाता हूं इधर ट्राई करें एक बार इधर ट्राई करते है सो यू लुक एट दिस वैल्यू लीव कितना है लीव तो हम काउंट करेंगे चलो इंटरनल uh, नोट कितना है वन टू एंड थ्री सो थ्री इंटरनल नोड और यहां पर ये वैल्यू भी थ्री है क्योंकि हर नोड का या तो तीन चिल्ड्रन या तो जीरो प्लस वन तो ये करो कितना होगा सर दिस विल बी एंड इज विल्स प्लस एक बार काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है और फॉर्मूला काम कर रहा है तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया ए देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या सो so, ये एक स्ट्रक्चर है अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि हर नोड के चार चाइल्ड होंगे या पांच होंगे या जीरो होंगे तो दिस विल वर्क फाइन यस फर्दर आगे बढ़ते हैं अच्छा ये एक दो छोटे छोटे आइडियाज हैं जो कभी कभार सेमेस्टर में एक दो शब्द में लिखा गया तो उसको यही कंप्लीट कर लेते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री यहां पर मैं बाई वन बाय वन पढ़ देता हूँ एवरी नॉन लीफ नोड इन अ बाइनरी ट्री हैज एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री द ट्री इस ट स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टी तो जितने भी न, जितने भी क्या बोल रहा है नॉन लीफ नोड है हैज नॉन लेफ्ट एंड राइट बेसिकली यानी कि क्या बोल रहा है जितने भी इंटरनल होंगे हर किसी के अगर दो चिल्ड्रन हो जिस तरह की ऑब्जर्वेशन हम कर रहे थे वही केस है अगर हर किसी के दो चिल्ड्रन हो तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री यस वही फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा वो यहां पर होल्ड करेगा टू एन माइनस वन टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड आप निकाल सकते हैं ये एक अंडरस्टैंडिंग है एक और आइडिया है कंक्लूजन तो सेम है बट उसे एक्सटेंडेड बाइनट्री बोलते हैं क्या मान लीजिए ये बाइनरी ट्री है और इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करें कि जो भी स्लॉट्स एम टी है वहां पर अगर हम पॉइंटर्स लगा दें या वहां पर अगर हम नोड लगा दें ये देखिए ये एम टी है यहां पर लगा दिया इसका राइट एम टी यहां लगा दिया इसका राइट एम टी है यहां लगा दिया इसका लेफ्ट एम टी इधर लगा दिया इसके दोनों एम टी इधर लगा दिया अब टेक्निकली ये भी वही बन गया जिसके या तो चिल्ड्रन नहीं है और है तो दो चिल्ड्रन है तो ये क्या कहलाएगा ये भी कहलाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी दोनों का सेम है बट इमेजिनेशन ये है कि इसको हमने एक्सटेंड करके बनाया ये डिफॉल्ट केस में ऐसा है फिर भी मेरा मन नहीं माना तो मैंने इनका एक फुल फ्लेस डिफरेंस भी लिख दिया अगेन आइडिया इज सेम मोरलेस बट दस अ पार्शियल डिफरेंस इफ एनीबडी आस्क यू या तो स्ट्रिक्टली पूछेगा तो एक्सटेंडेड पूछेगा बट स्टिल अगर कोई पूछता है इवन अगर कोई डिफरेंस भी पूछता है तो दिस इज द आइडिया यू कैन टेल द डिफरेंस एक और छोटा सा आइडिया ट्री देखिए बाइनरी ट्री में हम जानते हैं कि हर नोड का स्ट्रक्चर है हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है हमारे पास राइट right चाइल्ड और बीच में कहीं हमारे पास डेटा है ठीक है इसी तरह से हम काम करते हैं अब हम समझ रहे हैं आधे से ज्यादा नोट हमारे लीफ नोड है और लीफ नोड के लेफ्ट और राइट पॉइंटर हमारे क्या एंगल तो क्यों ना उन पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाए उनमें हम कुछ पहले से वैल्यू रख लें सो दैट ट्री की एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ाई जाए इस कंसेप्ट को थ्रेडिंग बोलते हैं पॉइंट पढ़िए अ अ थ्रेडेड बाइनरी बाइनरी ट्री ट्री इज मॉडिफाइड दैट यूजेस नल पॉइंटर टू लिंक द द नेक्स्ट नोड इन सीक्वेंस तो यहाँ देखिए एक बेसिकली क्या कर रहा है पहले लेफ्ट में देखेंगे आप तो मैं हमेशा अपने इनऑर्डर सक्सेसर को यानी कि इन ऑर्डर ट्रेसर में जो मेरे बाद आने वाला है मैं उसे पॉइंट बैक करूंगा एक का चाइल्ड नहीं है आई विल यूज दैट पॉइंटर सी का चाइल्ड नहीं है आई लूज दैट पॉइंटर ई का चाइल्ड नहीं है राइट चाइल्ड आई यूज दैट पॉइंटर सिमिलरली डबल थ्रेडिंग हो रही है यहाँ पे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड का जो चाइल्ड अगर वो नहीं है तो मैं अपने इन ऑर्डर प्रोड्यूसर को पॉइंट करूंगा तो इन ऑर्डर में आई से पहले कौन आना था ये इन ऑर्डर में एच से पहले कौन आना था सर जी आना था जी से पहले कौन आना था एफ आना था uh, इसका क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसका नहीं है तो लाइक like दिस तो बेसिकली अगर आपका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो आप अपने इन ऑर्डर इनऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के predecessor को पॉइंट बैक करेंगे आपका अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो आप अपने इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट बैक करेंगे ये एक कहानी है जिसकी मदद से ऑब्वियसली आप इस ट्री को स्पीड से ट्रेवर्स कर सकते हैं रिकर्शन यूज करने की जरूरत नहीं डायरेक्टली यू हैव अ पॉइंटर यस तो और मैंने हम, हमने कोई एडिशनल स्पेस भी यूज नहीं किया क्योंकि स्पेस तो हमारे पास पहले से ही था बस उसी को यूटिलाइज कर लिया ये भी दो तरह के हो सकते हैं लाइक यू सी सिंगल थ्रेडेड जहां पे सिर्फ इन ऑर्डर सक्सेसर है डबल uh, थ्रेडिंग जहां पे प्रीडिसेसर सक्सेसर दोनों है तो वेरी बेसिक आइडिया बेनिफिट अगेन वो स्टैक की जरूरत नहीं पड़ेगी रिकर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर्स ओनली सो दैट इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर एंड दैट इज द आइडिया ऑफ ट्री अभी दो छोटे छोटे आइडियाज हमारे बच्चे में कॉल्ड ग्राफ एंड हैशिंग ग्राफ का भी बड़ा लिमिटेड कंपोनेंट है क्योंकि बहुत सारा कंपोनेंट हम एल्गोरिथम्स में ग्राफ थ्री में पढ़ते हैं तो अभी ग्राफ क्या चलिए उसको जानेंगे तो जैसा मैं बोल रहा था ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक तरह के दो प्रॉब्लम पे हम टैकल करेंगे विल डिस्कस अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ जहां पे पैरल एजिस सेल्फ लूप आमतौर पर नहीं मिलेंगे और दूसरा हम बात करेंगे ट्रेवर्स करने का दो बड़े प्रॉब्लम है जो डेटा स्ट्रक्चर में स्टडी किए जाते हैं दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डी एंड डेफ फर्स्ट सर्च जो आगे आने वाले अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं एआई है न्यूरल नेटवर्क है और एल्गोरिदम्स हैं उनके लिए बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं इवन नेटवर्स के अंदर भी जो राउटिंग एलगोरिदम है अल्टीमेटली मोरलेस दे आर बेस्ड ऑन आइदर द द और अल्टीमेटली इसी बेस करता है तो क्या कहानी एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ यू रिप्रेजेंट और स्टोर अ ग्राफ इन मेमोरी ग्राफ इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सेट जो दो सेट पर मिलकर बना हुआ है सेट ऑफ वर्डेज एंड सेट ऑफ एजेस

और फोर दो वर्टेक्स हैं है ना और इनके बीच में एक एज है तो कैन आई सपोज लेट मी नेम दस इ कैन आई से इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ वर्टेक्स एक्स वन कामा फोर और मोर इम्पॉर्टेंटली फोर कॉमा वन दोनों का एक ही मतलब है चाहे मैं वन से फोर चला जाऊँ चाहे मैं फोर से वन वन से फोर चला जाऊँ यान से फोर चला जाऊँ या फोर से वन आ जाऊँ एक ही बात है क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है सो दिस पेयर इज ऑर्डर और अनऑर्डर्ड दिस पेयर अच्छा ये क्लियर कट बोल रहे हैं अगर डायरेक्टेड ग्राफ है <coughs> तो ये पेयर ऑर्डर्ड होगा फॉर एग्जांपल एज अगर ऐसे है देन वी कैन हैव वन कॉमा फोर बट फोर कॉमा वन नहीं हो सकता बट अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है देन इन दैट केस वो जो पेयर होगा वो अनऑर्डर्ड होगा बट उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता सो दिस इज द आइडिया कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पे ग्राफ वेटेड हो अगेन एल से कि वो हम स्टडी करेंगे एलगोरिथम्स में अगर आपके सिलेबस में चेकआउट एलगोरिथम का सिंगल शॉर्ट वीडियो जहां पर विद एवरी एज अ वेट एसोसिएटेड और बेस्ड ऑन दैट फिर अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज बनते हैं सो मल्टीपल कॉम्बिनेशन है ग्राफ डायरेक्टेड हो सकते हैं अनडायरेक्टेड हो सकते हैं वेटेड हो सकते हैं नॉन वेटेड हो सकते हैं उस बेस पे आपसे ट्रेवर्स करा रहे हैं उस बेस से स्पैनिंग ट्री आइडेंटिफाई करा रहे हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इट डिपेंड्स यस yes, यहां पर हम सिंपल वाले ग्राफ स्टडी करेंगे एक मिनट मुझे इस पर भी बात करनी चाहिए कि ग्राफ बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे तो मैं आपको एक बात बता दूं जितना भी रिसर्च होता है ना कंप्यूटर साइंस के अंदर यू you नो know, आप में से आगे जाके हो सकता है कुछ लोग अभी भी कर रहे हो एम टेक कर रहे होंगे कुछ लोग हो सकता है पी भी कर रहे हो कुछ हो सकता है कॉलेजेस में पढ़ा रहे होंगे शायद किसी का भी थीसिस बिना ग्राफ के बनाए कंप्लीट नहीं होता तो इट इज़ ऑलवेज वेरी इजी टू कन्वर्ट अ प्रॉब्लम इन टू अ ग्राफ एंड देन सोल्व इड तो ग्राफ का एप्लीकेशन फिनोमिनल है कंप्यूटर साइंस के अंदर इफ आई कोट सम्पल तो वेदर वो यू you नो know, <coughs> अगर टेलीफोन नेटवर्क्स की बात करें सर्किट्स की बात करें यहाँ पर फेसबुक लिंक जितना सोशल मीडिया एवरीबडी यूजर्स ग्राफ ओनली तो ग्राफ पे काम करना जरूरी है दैट गिव अस द नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग ओके अब पहली बड़ी प्रॉब्लम टैकल करते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मेमोरी ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे किया जाए <coughs> तो दो बेसिक आइडियाज आप ध्यान दीजिए वन इज कॉल्ड द एडजेंसी मैट्रिक्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड द एडजेंसी लिस्ट तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ हर एक के अपने कुछ एडवांटेज हो सकते हैं हैं पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करते लुक एट पूरा डेफिनेशन रखा कितना सिंपल है सो आई हैव अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ सबसे सिंपल अप्रोच एक ग्राफ है ना तो एजेस का कोई डायरेक्शन है ना तो कोई वेट है और मेरे को इस आइडिया को स्टोर करना है तो मैं कैसे करूंगा देयर आर फाइव एज यू कैन सी जीरो से लेके फोर तक सो आई कैन मैट्रिक्स यस एंड एवरी एच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वन फॉर एग्जांपल आप देखो जीरो से कहाँ कहाँ पे एच है सर जीरो से वन पे है एंड फोर पे तो जीरो से वन एंड फोर आई कैन हैव एच वन से आई थिंक वन इज कनेक्टेड टू एवरीबडी ना वन इज कनेक्टेड टू एवरीबडी ट अपार्ट फ्रॉम वन बिकॉज सेल्फ लूप आर नॉट देयर लाइक दिस टू इज अ नेबर ऑफ वन एंड थ्री आई सपोज टू इज अ नेबर ऑफ वन एंड थ्री थ्री इज अ नेबर ऑफ वन टू एंड फोर

डायरेक्टेड ग्राफ जीरो से वन पे एज है बट मान लीजिए वन से जीरो पे एज नहीं होती तो डायरेक्शन भी हो सकता है तो मैं बस बता रहा हूं कि ये जो मेथड है ये कैपेबल है वेटेड अनवेटेड डायरेक्टेड अनडेड किसी भी तरह ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए यस सो दैट इज वन आइडिया अगेन आप चाहो तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वरना फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार दोबारा से बताना चाह रहा चाहूं अगर ग्राफ डायरेक्टेड होता तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज एन एज तो फिर वन से फोर पे हम वन बनाते लेकिन फोर से वन पे फोर से वन पे इधर हम वन नहीं लिखते इधर लेते राइटर जीरो डायरेक्टेड इवन आप चाहो तो वेट भी एसोसिएट करो ना इट मींस फ्रॉम वन टू फोर डायरेक्टेड एज विद अ वेट फोर यस आगे बढ़ते हैं एक और तरीका है नॉट दैट पॉपुलर वन एक्सक्यूज मी बट मैंने देखा कि कहीं कहीं इस पर डिस्कशन किया गया आपको एग्जाम्पल के साथ समझा तो स्क्रीन लेके आया आयू कॉल्ड इंसिडेंट मेट्रिक्स तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास हाउ मेनी वर्टेजेज आर देयर सर फोर वर्टेक्स आर देयर एंड एवरी रो रिप्रेजेंट अ वर्टेक्स लाइक वर्टेक्स नंबर वन वर्टेक्स नंबर टू वर्टेक्स नंबर वर्टेक्स नंबर एंड हाउ मेनी एजेस एजेस आर देयर सिक्स सो एवरी कॉलम सिक्स एम सॉरी फाइव एजेस आर देयर एंड एवरी कॉलम रिप्रेजेंट एन एज तो ई वन ई टू ई थ्री ई फोर एंड ई फाइव और यहाँ पर क्या गेम है जैसे आप देख सकते हो एज ई वन है कॉलम बाय कॉलम देखना v1 से v2 जा रहा है तो जिससे बाहर निकल रहा है g1 को पहले आप देख लो eg1 v1 से v2 पे जा रहा है तो जिससे बाहर निकला वहां लिखेंगे 1 जिसके अंदर गया वहां लिखेंगे -1 तो लाइक दिस यू कैन रिप्रेजेंट एंड्स लुक एट दिस इसको बोलते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स मेथड और कोई पैटर्न देखिए ये देखिए तो इसका मतलब समझ आ रहा है e2 जो है वो <coughs> v2 से v3 जा रहा है चेक करो e2 v2 से v3 जा रहा है लुक एट दिस e5 V1 से V3 गया E5 V1 से V3 गया तो जिधर से बाहर जा रहा है राइट इट डाउन अगर कोई एज है E जो I से J पे जा रहा है तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं I J दो कॉलम होंगे जो दो रो होंगे E एक कॉलम होगा यहां लिखा होगा वन यहां लिखा होगा माइनस वन तो दिस इज ऑल्सो पॉपुलर मेथड कॉल्ड इंसिडेंस मेट्रिक मेथड यूजिंग विच आप किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यस yes? तो ये एक आइडिया हो गया एंड अगेन हर किसी के अपने कुछ बेसिक बेसिक एडवांटेजेज है बट दैट इज ऑल्सो सिंपल आइडिया नाउ जो दूसरा मेथड है ये पहले वाले दोनों काइंड ऑफ मैट्रिक्स हैं बट इनके अपने प्रॉब्लम बात करूँ तो स्पेस <coughs> बहुत ज्यादा ले रहा है फॉर एग्जाम्पल एडजिक्स पहले वाला मैथड इट टेक्स एंड क्रॉस अब इमेजिन करिए इंडिया में कितने एयरपोर्ट होंगे है ना हो सकता है मे बी हंड्रेड टू हंड्रेड एयरपोर्ट्स होंट विलोर्टी थाउजेंड सेल्स क्या हर एयरपोर्ट से हर एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी नहीं होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मेट्रेस बनेंगे स्पार्स मेट्रिक बनेगी कहीं कहीं एंट्री होगी वरना नहीं होगी दूसरा क्योंकि आप एरे यूज कर रहे हो तो एरे के जितने डिसएडवांटेजेस सब लग गए आप पे कल को आपको इंसर्शन करना डिलीशन करना ग्राफ चेंज करना देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम तो सारे के सारे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन फ्लेक्सीबिलिटी इन एफिशियंसी सब कुछ लग जाएगा दिस वन मोर आइडिया जो काइंड ऑफ बीच का रास्ता है एडजेसेंसी लिस्ट मैथड नो वट हियर वट वी डू मान लीजिए मैं एक एरे बना रहा हूं एंड दिस इज अरे ऑफ पॉइंटर्स जहां पर मेरे पास कितने पॉइंटर होंगे जितने मेरे पास वर्टेसेस हैं ठीक है एंड नो वट वी डू ट्राई टू मैनेज ये जो रिलेशनशिप है ना नेबर्स वाली किधर किधर एजिट जा रहा example, है हेल्प ऑफ अर लिंक फॉर एग्जाम्पल जीरो कनेक्टेड है पहले किस को बाद में रखो ड मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता सिमिलरली वन का रिलेशनशिप वन का तो सबके साथ है तो दे यू सी जीरो भी मिलेगा फोर भी मिलेगा टू भी मिलेगा थ्री भी मिलेगा लाइक like दिस अगेन बेस्ड ऑन द आइडिया अगर ग्राफ वेटेड है तो नोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है आप इन्फो के साथ वेट भी रख दो तो यहाँ पर टू रखो या टू से पहले बता दो फॉर एग्जाम्पल सेवन इसका मतलब ये जो वन से टू पे जा रहा है like इसका वेट सेवन है लाइक दिस यू कैन डू इसका एडवांटेज क्या होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर केस में वर्टिज बहुत ज़्यादा होते हैं और एस टू रेस टू पर वर्टिस नहीं होती है ना तो रिलेटिवली इसमें स्पेस कम लगता है इंसर्शन डिलीशन करना आसान होता है और थोड़ा सा मैनेजेबल है प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अगेन <coughs> क्योंकि मैं पॉइंटर यूज कर रहा हूँ तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ग्राफ के केस में और ज्यादातर केस में यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड विद ग्राफ़ इज लोगों की यार बहुत सारी वर्सिटैलिटी ये मत मान के चलना कि रियलिटी में जब हम ग्राफ को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ना

उसका एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि कैसे वो काम करता है क्या अप्रोच है एंड देन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो देखिए एलगोरिदम के हिसाब से देखेंगे डेप्थ डेप्थ फर्स्ट सर्च आई स्टार्ट फर्स्ट सर्च तो अगर यहां बोलूँ ये एक पॉसिबल ऑर्डर है हमें बताना है कि वैलिड इन वैलिड तो इसको आसान भाषा में ऐसा समझिए अभी मैं एलगोरिदम की बात कर भी नहीं रहा द आइडिया ऑफ डी एफ एस आप एक तरफ से ट्रेवल्स करना शुरू करो जहां रास्ता मिले आप आगे जा सकते हो बैक ट्रैक तब तक नहीं करना जब तक आगे जाने का रास्ता ही ना हो फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए ये यह पूछा गया ये एक वैलिड डी एफ एस ट्रेवर्सल है कि नहीं विद रेस्पेक्ट टू ग्राफ तो देखिए वन से मैं थ्री गया मैं सेवन गया मैं एट गया मैं फाइव गया मैं टू गया मैं फोर गया और यहां तक जाने के बाद शायद मेरे को समझ आ रहा है कि आगे जाने का रास्ता नहीं सेम पाथ आई बैक ट्रैक और फाइनली मुझे six मिला, ये एक है, 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 इसमें कोई problem नहीं है। इधर आ जाइए, से हम गए, 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 एंड यहाँ रास्ता नहीं मिला तो ऑब्वियसली आपने बैक ट्रैक किया होगा एंड फाइनली फोर बिल्कुल वैलिड है कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर आ जाइए सी में वन से हम थ्री गए एंड देन हम सिक्स गए

बैक ट्रैक तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आगे जाने का रास्ता ना हो तो इसको सिंगल रूल बना लीजिए और आगे बढ़ते चलिए सो दैट इज हाउ मैंने बात की कि कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आप विजिटेड नॉट विजिटेड इस तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं एंड दैट इज हाउ हाउ यू कैन यू नो यूज़ दिस आइडिया और इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक विद द हेल्प ऑफ एलगोरिज्म है ना हमने ऑलरेडी वैसे पहले भी ना एक्सक्यूज मी दोनों तरह से पूरा काम करके दिखाया बट इवन इफ यू वी कैन गो डीएफ कॉल किया किसी भी वर्टेक्स फॉर एग्जाम्पल वन पे मैंने डी एफ एस कॉल किया सबसे पहले उसको मार्क कर दीजिए विजिट लेट मी से विजिट आप क्या कह रहे हैं फॉर ऑल द दर्ड विद टू वी आप अगर वो पहले से विजिट नहीं डीएफएस कॉल करो बताओ वन के एडजस्टन कौन है दो वर्डेक्स है सर आईदर इट इज टू और थ्री मैं दोनों में से किसी भी कॉल कर सकता हूँ ये ऑर्डर तो मुझे डिक्टेट कर नहीं रहे रिकर्सिव कॉल है तो पहले टू पे चले गए अब टू पे जाके कॉल होगा फिर वही बात पहले टू को मार्क करेंगे विजिटेड है फिर टू अपने नेबर पे कॉल करेगा अब वन भी नेबर है वो बाद में पता लगेगा सो लेट मी से कॉल ऑन वन आल कॉल ऑन फोर आल कॉल ऑन फाइव अब वन पे कॉल करेंगे तो विजिटेड है तो बाहर आ जाएंगे फिर नंबर आएगा फोर का फोर पे कॉल करेंगे फोर विजिटेड नहीं है फोर अपने नेबर को कॉल करेगा सपोज कॉल किया एट को फोर का नेबर है ना फोर का नेबर एट है एंड टू है अब 8 पे आ गए 8 अपने नेबर को कॉल कॉल करेगा एंड आई थिंक आप पैटर्न समझ रहे हैं इस तरह से फंक्शन होता uh, कुछ जगह मुझे मिला कुछ लोगों ने ऐसा स्टैक बना के बात को समझाने की कोशिश की बट आइडिया एकदम सेम है फॉर एग्जाम्पल हमने पहले वन पुश किया Look at this. हमने पहले वन पुश किया फिर वन ट्रेवर्स हो गया वन के दो नेबर थे टू एंड सेवन दोनों को पुश कर लिया रैंडम बात है जो पहले आया पहले वो प्रोसेस होगा फिर सेवन के तीन नेबर थे जो भी ट्रेवर्स नहीं हुए थे थ्री एंड सिक्स एंड थ्री वो आ गए अब सिक्स का कोई नेबर रहा होगा फाइव वो आ गया फाइव का कोई नेबर रहा होगा फोर वो आ गया फोर डन हुआ बाद में बचा थ्री एंड टू एंड इसी तरह हमने कर लिया तो अगर मैं यहाँ पे आपको स्टेक वाला आइडिया दिखाऊ लुक एडस सबसे पहले आपने वन रखा सेम ट्री है उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक टर्म्स में अब one के, one बाहर गया, के दो प्रोसेस नहीं हुआ जो प्रोसेस नहीं हुआ है तो बहुत सारे फोर फाइव सिक्स लाइक दिस यू कैन कंटिन्यू यस तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करू तो ग्राफ में वैसे इन जनरल नो बडी वे लास्ट यू टू प्रूव एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेशल इन समेस्टर द रीजन इज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन आप कॉर्नमेंट चेक करोगे ना तो टोटल तो 20-25 पेज में बताया बी एफ एस डी एफ एस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट आइडिया आप इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो आप फिबोनी की हीप बना रहे हो नॉर्मल हीप बना रहे हो प्रायरिटी क्यू बना रहे हो कैसे बना रहे हो बट लेट मी टेल यू द मोस्ट आइडिया जो सबसे एफिशिएंट टाइम है दैट इज ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई इफ यू वांट टू गेट इनटू डिटेल यू कैन डू सो बट फॉर दिस वीडियो फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन आई डोंट थिंक इट इज दैट इंपॉर्टेंट बट याद रखिएगा इज इज द द नंबर ऑफ वर्टेक्स बड़ी आज की हो डी एफ एस का सबसे ऑप्टीमल कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इट इज ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई यस नाउ दिस इज वन अगेन आई एम कोटिंग कोरमैन दिस इज वन मोर डिटेल आइडिया जहां पर कि उसने इटरेटिवली सॉल्व किया है तो आई थिंक अगेन दैट इज बियॉन्ड अवर स्कोप ऑफ डिस्कशन बट इफ समबडी वांट्स टू कि नहीं सर मेरे को देखना है तो दीज आर द टू एलगोर यू कैन चेक देम आउट और पता लगा सकते हो कि ये काम इटरेटिवली कैसे होगा यस एंड दिस इज द कोड फॉर इटरेशन नाउ इंपॉर्टेंस की बात करें तो नाउ दिस इज स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम तो डी एफ एस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलगोरदम लाइक ग्राफ कनेक्टेड है कि नहीं स्पेरिंग फॉरेस्ट निकालना कनेक्टेड <coughs> कंपोनेंट निकालना इसमें से ज़्यादा तीतर चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे एलगोरदम्स में देन कंप्यूटिंग द पाथ बिटवीन टू वर्टेसेस, कोई पाथ ऑप्टिमल निकालना साइकिल uh, है कि नहीं वो निकालना वहाँ पे डीएफएस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशंस अगेन मैंने और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं uh, सॉर्टिंग करने के लिए कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंडिंग टू कनेक्टेड कंपोनेंट थ्री एज वर्टेक्स कनेक्टेड कंपोनेंट ब्रिज है कि नहीं है तो बेसिकली ग्राफ थ्योरी के जो फंडामेंटल ऑपरेशन है वहाँ पे ये अलग अलग तरह से डी इस्तेमाल होता है आई कैन हैव वन और मोर सम सम्पल क्वेश्चन ये हम ट्राई कर सकते हैं तो ये अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास एक ग्राफ है और बताना है इसमें से कौन कौन वैलिड डी एफ है तो यू कैन ट्राई ए से गए बी एंड बी से गए ई लुक एट दिस ई से गए एफ और एफ से जा रहा है डी

यस yes. अगले दो केस भी देख लेते हैं ये देखिए नेक्स्ट uh, क्या बोल रहा है थर्ड वाला ए से डी गए डी से जी गए जी से ई e गए ई e से बी गए बी से सी गए एंड एफ गए तो कहीं बैक ट्रैक नहीं किया बट अगेन दैट्स अ परफेक्ट केस तो टू और थ्री तो पक्का वैलिड है फोर भी देख ले ए से डी गए डी से बी गए बी से गए सी सी से गए जी एंड देस अ प्रॉब्लम सी से जी नहीं जा सकते सी से या तो आप ई e जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं जम करके कैसे चले गए और फिर वही बात एक ही कहानी है कि करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड जब तक रास्ता है तब तक चलते जाना बैक ट्रैक नहीं करना यस दिस इज वन मोर केस इफ यू वॉन्ट टू ट्राई बट आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़िया से डेवलप हो गया होगा एज फार एज डी एफ एस इज कंसर्न नेक्स्ट आइडिया इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च या ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल का आइडिया क्या है तो ये नेबर बाय नेबर काम करता है पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको समझा देता like तो हूँ पहला वर्टेक्स इसने पिक किया वन अब जैसे आप वन ट्रेवर्स करेंगे ना अगला नंबर आएगा वन के नेबर का ऑर्डर में चेंज आई टू और थ्री वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले थ्री ले लो पहले टू ले लो दैट डेक मेक एनी डिफरेंस बट नेबर ही पिक करना है ये बात तय है तो ठीक है मुझे बताइए अब क्या होगा <coughs> तो इसने पहले थ्री एंड टू किया दैट इज ओके तो अब आपने पहले थ्री लिया फिर टू लिया अब लेकिन क्योंकि थ्री पहले लिया ना तो थ्री के बच्चे पहले आएंगे अब थ्री का बच्चा कौन है थ्री सिक्स एंड सेवन तो थ्री बाहर जाएगा और अपने चिल्ड्रन इंसर्ट करके जाएगा सिक्स एंड सेवन बट यहाँ पर पहले फाइव फोर ले रहा है तो दैट इज रॉन्ग बात समझ आ रही है चिल्ड्रन बाय चिल्ड्रन वी गेट या देखिए वन से थ्री आया और टू आया दोनों अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। But अब क्योंकि थ्री पहला है, तो थ्री के पहला है। is not important. पहले पहले आएंगे, और में फिर सिक्स लिखा, quite okay. अब उसके बाद टू के चिल्ड्रन टू के चिल्ड्रन कौन है फोर एंड फाइव क्या वही आए हाँ सर वही आए एंड देन जब टू बाहर गया तो सेवन अपने बिहाफ पे एट लेके आया होगा ये परफेक्ट बी एफ एस अ क्यू इंसर्ट होता जाएगा जो भी बाहर जाएगा अपने चिल्ड्रंस को इंसर्ट करा के जाएगा अगर वो ऑलरेडी ट्रेवर्स नहीं हुए हैं तो यू कैन ट्राई दिस वन वन ने ऑब्वियसली टू और थ्री को इंसर्ट कराया होगा अभी टू के चिल्ड्रन है फोर फाइव ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट पहले उसने फाइव लाया फिर फोर लाया चलेगा फिर थ्री बाहर गया होगा अब थ्री के दो चिल्ड्रन है सेवन एंड सिक्स अगेन नॉट अ प्रॉब्लम पहले सेवन आया फिर सिक्स आया एंड देन फाइव देर इज इट कोई इशू नहीं है ना लुक एट दिस लास्ट वाला आइडिया डी देखिए वन से स्टार्ट किया अभी वन के दो चिल्ड्रन है टू एंड थ्री फेर इनफ अब टू जब बाहर गया तो टू अपने चिल्ड्रन लेके आइदर और, और वो चेंज कर सकते हैं बट ये भाई साहब क्या लेके आए सेवन बीच में आ गया वो नहीं आ सकता अगर आपने वन के बाद पहले टू को प्रोसेस किया उसके चिल्ड्रन या उसके जो एडजस्ट नोट हैं वो पहले आएंगे सो आई थिंक बेसिक मेकेजम जो है बी का वो आपको बात समझ आ रही होगी और यहाँ सेम आइडिया यू नो बी एफ एस का हमने कंप्लीट करने की कोशिश की विदोर तो कैसे ट्राई किया यू कैन सी छोटा सा केस करके दिखाऊंगा आपको सो so, सबसे पहले पहला, पहला नोड आया विजिट कर लिया वन उसको इंसर्ट किया क्यू के अंदर क्या क्यू खाली है नहीं क्यू खाली नहीं है उसको डिलीट करो और जितने भी एडजस्टेंट नोड है उनको अगर वो विजिटेड नहीं है इंसर्ट करो तो वन का एडजस्टेंट वन का एडजस्टेंट आ गया टू एंड थ्री ऑर्डर मेरे हाथ में मैंने पहले टू रख लिया मेरा मन है दोनों को इंसर्ट किया लूप से बाहर आ जाओ यस और सॉरी वाइल्ड लूप से बाहर आ जाओगे हमने एक एक करके पहले दोनों को इंसर्ट कर लिया नाउ कम आउट क्या क्यू खाली है नहीं फिर डिलीट करो इस बार टू डिलीट होगा अब यू डिलीट हुआ यू के जितने एडजस्टेंट हैं जो भी विजिट नहीं हुए तो टू के एडजस्टेंट कौन कौन है सर फोर फाइव है जो विजिट नहीं हुए तो दो बार लूप चलेगा फोर फाइव अंदर आ जाएंगे फिर थ्री बाहर जाएगा वो अपने चिल्ड्रन लेके आएगा लाइक दिस इट विल हैपन यस एंड अगेन जब हम इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में तो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ दिस इज वेरी सब्जेक्टिव और पढ़ना है तो बहुत डिटेल में पढ़ना है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्राफ हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज दैट बी एफ एस और डी एफ एस बट आप याद रखिएगा फॉर द वर्स्ट केस इट इज ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई यस इस ऑर्डर में काम करता है एंड दैट इज द डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन जो मैं कोट कर रहा हूँ अगेन फ्रॉम कोरमैन एंड दैट इज हाउ वी अचीव द कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई फर्दर स्टडी करना चाहता है एक्सक्यूज मी फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन इट इज मोर एस सफिशियंट नाउ, अब इस तरह का क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए अगर डायरेक्ट देखना है तो यहाँ देखिए सबसे पहले एम को ट्रेवल्स किया अब एम के सारे नेबर आए होंगे तो एन आया चलेगा नेबर है ओ आया वो कैसे आ गया ये गलत हो गया देखिए यहाँ पे क्या अगर एम पहले आया तो एन क्यू और आर आएगा किस ऑर्डर में आएगा दैट इज नॉट डिफरेंट बट इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा फॉलो कर पा रहे हैं इधर आ जाओ शुरुआत की एन से अब इनके तीन नेबर है एम क्यू और ओ एम आया क्यू आया पी कैसे आ गया पहले क्या एन से पी डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं गड़बड़ हो गया इसके अंदर इधर आ जाइए सी के अंदर क्यू से स्टार्ट किया ओ माई गॉड क्यू के तो सब नेबर है एम आया एन आया आर आ गया ये भाई साहब भी गलत आर नहीं आ सकता पहले जैसे नेबर आएंगे ओ और पी आना चाहिए था आप तो सही हो जाओ तो पी सबसे पहले आए पी के दो नेबर ओ और क्यू ऑर्डर इसके हाथ में था इसने पहले ओ रख दिया फिर क्यू रख दिया लेकिन अब ओ पहले आया तो ओ एन को लेके आया होगा ठीक बात है क्यू उसके बाद एम को लाया होगा ठीक बात है और एन का और कोई नेबर नहीं था एम की वजह से आर आया होगा बिल्कुल परफेक्ट वैलिड बी बी एफ एस ऑर्डर रिवर्सल है है ना तो बी एफ एस डी एफ एस बी एफ एस माने क्यू डी एफ एस माने स्टैक कोई ऑर्डर वैलिड है कैन वैलिड है एल्गोरिथम दो बार लिख के देखना है एग्जाम में छाप के आ जाना है नंबर कोई काट नहीं सकता यू कैन ट्राई वन मोर क्वेश्चन इंपॉर्टेंस तो अगेन दो तीन पॉइंट मैंने लिख के रखे हैं स्पेशली फॉर योर सेमेस्टर ये कोई पूछ ले क्या इम्पॉर्टेंस है या क्या एप्लीकेशन है तो देर आर सम सम्लीकेशन दोनों का आप नोट करो एक एक करके दो चार पॉइंट याद रखना एग्जाम में लिख के आओ कुछ यूनिवर्सिटीज में hashing को नहीं लिखा डेटा स्ट्रक्चर में प्लीज चेक की आपके सेमेस्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो पढ़िएगा अगर इन जनरल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा ऐसा ना हो कि पढ़ लो और कल एग्जाम है और वो आ नहीं रहा हो कुछ जगह है हैशिंग को मैं देख रहा हूँ एलगोदि रखा गया मैं इसको यही कंप्लीट करके चलूंगा तो अभी बात करते हैं, हैं के बारे में। uh,

सी एस आई टी में एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं आप कहां पे सर्च कर रहे है, वो है और सर्च स्पेस जितना बड़ा होगा ऑब्वियसली सर्च टाइम भी उतना ही ज़्यादा होगा जैसे कैश का एक्सेस टाइम बहुत कम होता है क्योंकि मेमोरी छोटा सा है सेकेंडरी मेमोरी का सर्च टाइम ज्यादा होता है क्योंकि मेमोरी बड़ा है कोई एरे है जिसमें दस एलिमेंट सर्च करने में कम टाइम लगेगा कोई एरे है जिसमें दस लाख एलिमेंट सर्च करने में ज्यादा टाइम लगेगा सोन एंड फॉर यस अब इन सारी चीजों में हैशिंग एक एक्सेप्शन है वाई अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को किसी एलिमेंट को सर्च करने में कितना टाइम लगेगा <coughs> ये इस बात पे अगर डिपेंड करे ना कि सर्च स्पेस कितना बड़ा एन आइल से मेरे को टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ वन तो ये बात बड़ी सरप्राइजिंग और बड़ी अजीब होगी वॉट कॉन्स्टेंट टाइम में हर बार आप किसी डेटा को सर्च करके दिखा सकते हो मे बी यस और नॉट प्रिसाइजली वन लेकिन क्लोज टू दैट मतलब बहुत कम टाइम में सर्च कर सकते हैं एक ट्रेड ऑफ जिसके मैं पूरे सब्जेक्ट आपसे बात करते आया हूँ वो क्या क्या अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड स्पेस और हमने हमेशा इस बात को समझा है कि अगर कहीं पर भी आप टाइम बचाएंगे तो क्या खर्चा होगा स्पेस खर्चा होगा तो शुरुआत में एक बात समझ लेते हैं हैशिंग क्या है हैशिंग एक टेक्नोलॉजी है एक आइडिया है एक लॉजिक है जिसमें हम स्पेस की बलि देते हैं मेमोरी कितना भी लगे लेकिन शर्त यह है कि कम से कम टाइम के अंदर थ्योरिटिकली स्पीकिंग सपना हमने देखा है कॉन्स्टेंट टाइम के अंदर क्या किसी एलिमेंट को सर्च करके ला सकते हैं क्या आइए जानते हैं इसके बारे में साल गो वन बाय द मेन आइडिया ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टू हेल्प ये मैंने पूरी कहानी यही लिखी है आपको बताने के लिए कि भाई जो डेटा स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंगली सर्च टाइम लगेगा हैशिंग क्या ना कम टू हैशिंग हैशिंग इज ए टेक्निक वे सर्च टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स इन विच वी आर सर्चिंग द डेटा नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अभी होगा कैसे चमत्कार होगा कैसे आइडिया इज जो भी हमें सर्च करना है अगर कोई की हमें सर्च करना है तो अगर मैं उस की को ही इस्तेमाल करूं किसी ट्रिक लगा के कोई ऐसे ट्रिक लगा के जिससे मुझे पता लग जाए एग्जैक्ट लोकेशन क्या है बिना डेटा स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूँ मान लीजिए मान लीजिए कि यू you नो know, एक एक क्लास है और क्लास के अंदर हर बच्चे को एक लॉकर दिया गया है तो एक बड़ा सा स्पेस है एक अलमीरा जिसमें बहुत सारे लॉकर्स के सेक्शन है और आपको देखना है कि आपका लॉकर सेक्शन क्या है और मैं आपसे क्या बोलता हूँ रोल नंबर के हिसाब से मत देखना आईडी के हिसाब से मत देखना आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है जैसे फॉर एग्जांपल माय डेट ऑफ बर्थ इज फॉर एग्जांपल वन टू एंड वन टू एंड टू जीरो वन टू ये बताने के लिए कि गलत है है ना आजकल पता नहीं क्रेडिट कार्ड और ये वो क्या फ्रॉड कहाँ पे हो जाए तो मैं रेंडमली एक नंबर लिख रहा हूँ <coughs> अब इसको सबको सम करिए बचपन में हम ऐसे ना अपना लक्की नंबर निकालते थे लाइक दिस सो टू एंड देन जीरो एंड देन वन एंड देन टू बोलो क्या आया वन एंड टू थ्री एंड थ्री प्लस थ्री एंड सिक्स प्लस इज नाइन एंड नाइन प्लस इज इलेवन डबल डिजिट अगेन प्लस कर लो सो दैट इज टू तो माई लॉकर नंबर इज टू समथिंग लाइक दिस तो जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ अरेंज करके हमने कोई इस तरह का आइडिया डेवलप कर लिया कि उसी से हम किसी नंबर पे पहुंच जाए यही आइडिया हैशिंग का है कि आपकी जो की है जिसको आप सर्च करना चाह रहे हो मैं एक फंक्शन डेवलप करूंगा अभी आपको अलग अलग वरायटी दिखाऊंगा। अगर हम उसी फंक्शन का इस्तेमाल करके कोई लोकेशन पे पहुंच जाए तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं उस लोकेशन पर पहुँचेंगे जाकर एक्सेस कर लेंगे लुक एड्रेस हालांकि सपना बड़ा इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी बीच में उनको भी देखते चलेंगे सो बेसिक आइडिया

मैंने डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर लिया इसने बोला रोल नंबर आधार नंबर किसी भी को भी मॉडिफाई करके कुछ रैंडम नंबर जनरेट कर लो और की निकालने की कोशिश करो एंड फाइनली जिस डेटा स्ट्रक्चर में जिस टेबल में हम स्टोर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं हैश टेबल चीज़ें इस हिसाब से मॉडिफाई करेंगे कि फाइनली क्योंकि हमें डायरेक्ट पैटर्न पता होगा फंक्शन पता होगा तो हमारा जो सर्च टाइम है वो आ जाए ऑर्डर ऑफ वन अभी होगा कैसे <coughs> डिटेल में जाके देखते हैं ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका इज़ वैश फंक्शन आप मुझे की बताएंगे और किस को उस की के बेस पे कोई मैथ कोई मैथ लगा के कोई मैकेनिज्म लगा के मैं लोकेशन तक आपको पहुंचाऊंगा जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन बढ़िया मजा आएगा आपको क्या बोल रहा है देखिए ये कुछ इनपुट्स है फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी फोर ब्ला एंड द हैश फंक्शन इज पहला सामना हुआ कह रहा है जो भी वैल्यू है <coughs> यानी कि से डिवाइड करिए जो रिमाइंडर है वो आपका लोकेशन हो गया फॉर एग्जाम्पल से डिवाइड करेंगे तो बोलिए क्या आएगा आखिरी नंबर उठा लीजिए इधर टू आएगा इधर फोर आएगा इधर वन आएगा इधर नाइन आएगा इधर भी नाइन आएगा इधर वन आएगा इधर थ्री आएगा इधर नाइन आएगा यस नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू दिस 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 हैश टू सेम वैल्यू बात तो ठीक है क्योंकि इन सबके बाद में नाइन है तो सबके सब लोकेशन नंबर नाइन पे जाएंगे जिससे एक और बात सीखने को मिलती है आगे स्टडी करेंगे collision. आप कोई भी हैश फंक्शन क्यों ना यूज करो ऐसा हो सकता है अब थोड़ा जुगाड़ तो बिठाना पड़ेगा ना कि दो डिफरेंट कीज हमें सेम लोकेशन पे लेके चले जाए इसको बोलते हैं कॉलिजन हो गया कोलिजन है तो फिलहाल हाँ ये सबके सब सही बात करेंगे वन फोर सेवन वन एंड सिक्स वन सेवन वन सेम वैल्यू ये बात भी सही है ऑल एलिमेंट्स हैज टू द सेम वैल्यू नहीं ये गलत है क्योंकि कोई टू पे भी गया कोई फोर पे भी गया कोई थ्री पे भी गया अलग अलग भी है एंड ईच एलिमेंट हैज टू डिफरेंट वैल्यू ये भी गलत है ना सब डिफरेंट पे गए ना सब सेम पे गए कुछ अलग अलग पे भी गए हैं जो कि जानना चाहिए था डिजायर्ड है बट कुछ लोग सेम पे भी चले गए जिसकी वजह से कॉलीजन हुआ फिलहाल सही आंसर क्या होना चाहिए सही आंसर इज ऑप्शन सी आगे बढ़ते हैं कॉलीजन जो समझा वही बात डिस्कस कर लेते हैं सो इट इज पॉसिबल दैट टू डिफरेंट सेट ऑफ कीज लाइक के वन एंड के टू विल्ड अ सेम हैश एड्रेस अगर दो डिफरेंट की सेम लोकेशन पर पहुंच जाए दिस इज नोन कॉलीजन एंड द टेक्निक टू रिजल्ट कॉलिजन इज कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्नीस आगे इस पर बात करेंगे वैसा तो एनी कॉलिजन हुआ तो छोड़ देंगे फिर कैसे रिजोल्व करेंगे तो जिस भी तरह से हम इस कॉलिजन को रिजॉल्व करते हैं इस मैकेजम को बोलते हैं कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक क्या बोलते हैं कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक तो उस पर आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे नाउ हैश फंक्शन का पूरा गेम है आप कितना शानदार हैश फंक्शन बनाओ कि कॉलीजन ना हो है ना लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ना एक अच्छे हैश फंक्शन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होने चाहिए तो मैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ दे मस्ट बी ईजी टू कम्प्यूट एंड अंडरस्टैंड अब आपने इतना कॉम्प्लेक्स हैश फंक्शन बना दिया कि उसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करना फिर फोरियर करना फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना भाई ये बार बार करना इतना सारा प्रोसेसिंग करेंगे तो सर्च कब करेंगे है ना तो आपका जो भी फंक्शन है बहुत सिंपल होना चाहिए जैसे हमने इस्तेमाल किया मॉड टेन बहुत आसान था सेकेंड अगेन कंप्यूट करने में लेस टाइम लगे काइंड ऑफ सेम आइडिया है कि इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें ऐसा ना हो अभी आग आगे आप आगे जाके देखेंगे कुछ हैश फंक्शन क्या करते डेटा को बजाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के टेबल के किसी स्पेसिफिक एरिया में क्लस्टर करने लगते हैं जिसकी वजह से कॉलीजन जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है कॉलिजन रेट हमें चाहिए कि यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि कॉलिजन होने के चांस कम रहे और यही हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है द रेट ऑफ कॉलिजन मस्ट बी लेस तो ये कुछ आइडियाज है हालांकि मैं दोबारा याद दिला दू वन इज कॉल्ड द आइडियल हैश फंक्शन कैन यू हैव कॉलिजन रेट जीरो नहीं तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी हैश फंक्शन नहीं है जिसमें हम गारंटी से बोल सके सर इसमें तो कॉलिजन होगा ही नहीं तो अब ऑब्वियसली कॉलिजन होने के चांसेस होंगे होगा तो हम उसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे यही आइडिया है अब कौन कौन से पॉपुलर हैश फंक्शन है जो एक दो आमतौर पर यूनिवर्सिटी में समझे जाते हैं कॉलेज में एक तो मॉड वाला हैश फंक्शन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर वन मैं टू बी वेरी ऑनस्ट एक्सक्यूज मी इतने समय से मैं गेट नेट अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ मॉड के अलावा मैंने आज तक कभी कोई और फंक्शन नहीं देखा तो यही फंक्शन है जो पूछा जाता है स्टैंडर्डाइज है अब इसको दो वेरिएंट है एक है के मॉड एम एक है ये डिपेंड करता है कि आपकी हैश टेबल का आपने इंडेक्सिंग कैसे किया है अगर आपने इंडेक्सिंग किया है जीरो से एम माइनस वन तक तो ऊपर वाला वेरियंट यूज करेंगे और अगर आपने इंडेक्सिंग किया है क्योंकि डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर कैन बी जीरो तो जीरो से एम तक चला जाएगा और अदरवाइज अगर आपने वन से एम तक किया है तो के मॉड एम में प्लस वन कर लेंगे दोनों वेरिएंट है बस बेस्ड ऑन द इंडेक्सिंग पार्ट कैसे यूज होता है आ, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एक दो एग्जाम्पल से देखते हैं ये क्या बोल रहा है आर्बिटरी लेंथ फिक्स लेंथ वो बात की बात है ये ये एक आइडिया है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे मॉड फंक्शन के वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं मॉड टेन वाला एक और मैकेनिज्म है विच इज कॉल्ड मिड स्क्वायर मैथड अभी इतने उल्टे सीधे आइडिया हैं कि ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यही इंपॉर्टेंट है आप अपने मन से भी कोई नया हैश फंक्शन बना सकते हो तो ये क्या कहता है इसका मैकेनिज्म देखो ये कह रहा है जो भी आपका की है फॉर एग्जाम्पल आपका की है 123 पहले काम करो 123 का स्क्वायर करो अच्छा ठीक है तो स्क्वायर करेंगे तो नंबर आएगा 15129 ठीक है अब स्क्वायर करने के बाद क्या करना है कह रहा है आप जो मिडिल डिजिट है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लो तो ठीक है एक डिजिट इधर से गया इधर से गया मिडिल डिजिट आ गया फाइव हंड्रेड ट्वेल्व अब क्या करें एंड ऑप्शनली यूज द मॉड फंक्शन टू फिट अब या तो इसी को की मान लो अगर आपके टेबल में इतनी लोकेशन है फॉर एग्जाम्पल इफ योर टेबल इज गोइंग फ्रॉम जीरो 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 टू नाइन 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 या तो इसको की मान लो नहीं तो उस पर फिर मॉडल कर लो बेसिकली जुगाड़ टेक्नोलॉजी है लोग अलग अलग दिमाग लगाते बस ये सोच के सेम ना आए रैंडमनेस आए तो स्क्वायर करके बीच का निकाल लिया एक और आइडिया होता है

तो टीचर एक्सपेक्ट करता है कि फोल्डिंग मेथड पर कोई बड़ा क्रिस्प सा परफेक्ट सा आंसर मिलेगा <coughs> राइटर टू राइटर इंप्लीमेंटेशन डिम्पलीमेंटेशन टेबल के साइज के हिसाब से आइडिया चेंज हो सकता है सो so, डस आइडिया चेंज हो सकता है मिड स्क्वायर मेथड का ये जो स्क्वायर करके इधर उधर की वैल्यू हटाना है शायद यही रीजन है कि ज्यादातर लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं दे कॉन्सेंट्रेट डेमसल्व ऑन मॉड वाला क्वेश्चन ओनली कैसे मॉड वाले क्वेश्चन पे सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ तो चलिए भी एक ट्राई करते हैं क्या बोल रहा है कंसिडर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद इंडेक्स तो क्लियर कट उसने बोल दिया कि एक टेबल है जिसका साइज सेवन और जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तक आई थिंक हम जाने वाले हैं यस yes, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे देखते हैं अ हैश सेवन एक्स प्लस थ्री मॉड फोर तो हैश फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी यानी कि जो भी की है उसको सेवन से मल्टीप्लाई करिए थ्री के साथ एड करिए एंड देन उसका मॉड करिए फोर के साथ वो फाइनल हैश फंक्शन है जो लोकेशन बताएगा इन एन इनिशियली एम टी टेबल विच ऑफ द फॉलोविंग इज द कंटेंट ऑफ द सीक्वेंस अगर ये सीक्वेंस हम इनपुट कराएंगे यूजिंग क्लोज्ड हैशिंग अब क्लोज्ड हैशिंग का मतलब क्या है कि अगर कॉलिजन हुआ तो जो डेटा है वो इसी टेबल में फिट करना है बाहर नहीं लेके जाना फिट क्या करना उसका भी कॉमन सेंस आइडिया समझाता तो रिमाइंडर आएगा टू तो वन जो है वो लोकेशन टू पे आ गया टेबल खाली है कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट देखिए थ्री थ्री इंटू सेवन इज ट्वेंटी वन प्लस थ्री

फोर से डिवाइड करेंगे आई थिंक सेवेंटी टू डिजल होगा तो रिमाइंडर आएगा वन एंड टेन तो फाइनल आंसर है ऑप्शन बी और किस्मत ही बात अच्छी क्यों है कहीं कोई कॉलिजन हुआ ही नहीं तो दैट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग मॉड फंक्शन हालांकि बड़ा अजीब सा मॉड फंक्शन है टेबल बड़ा लिया तो पता नहीं इसने इसको मॉड फोर के साथ क्यों कन्फाइन किया थोड़ा आगे तक लेके जाना चाहिए था बट कुछ इस तरह से चीजें मैनेज की जाती है अब यहाँ समझिए पहले आपको समझाता हूँ क्लोज हैशिंग का मतलब क्या है क्लोज हैशिंग का मतलब है कि अगर कॉलिजन हो भी गया अगर दो लोग एक ही लोकेशन पर पॉइंट कर रहे हैं तो भी जगह इसी टेबल में कहीं ना कहीं ढूंढी जाएगी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे यहीं पे कहीं मैनेज करेंगे अब मैनेज कैसे करेंगे वो करने के बेसिकली तीन तरीके अगर इसी टेबल में एडजस्ट करना है एक हम बोलते हैं लीनियर प्रॉबिंग पहले मैं आपको लीनियर प्रॉबिंग दिखाता हूँ वट इज लीनियर प्रॉबिंग बेसिकली जो भी रिजल्टेंट फंक्शन है उसमें प्लस वन करते जाओ यानी कि अगर आपको लोकेशन पे कॉलिजन हुआ इधर हो गया प्लस वन सर्च कर लो वहां नहीं मिले एक और आगे सर्च करो सिक्वेंशियल फैशन में आगे बढ़ते जाओ लास्ट तक पहुंचो तो फिर सर्कुलरली वापस आ जाओ और तब तक ढूंढते जाओ जब ही या तो ओवरफ्लो ना हो जाए जहां से शुरू करा था वापस आ गए इसका मतलब कोई लोकेशन ही नहीं बचा या तो आपको कोई खाली स्पेस ना मिल जाए लीनियर प्रॉब करना प्रॉब करना माने ढूंढना लीनियर माने सिक्वेंशियल फैशन में ढूंढना सो दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रॉबिंग करना दिस इज द आइडिया अगर कोई एग्जाम्पल आपको बताऊं लीनियर प्रॉब्लिंग दैट इज ओके एग्जाम्पल हमने यूज़ किया है क्या जैसे यहाँ पे देखिए आई थिंक दिस दिस विल कंटेन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर प्रॉब्लिंग यस यहाँ से आपको समझेगा तो क्या है सर टेन बकेट्स हैं फंक्शन बताइए फंक्शन का है तो फंक्शन इज जस्ट रिमाइंडर बाय टेन है ना तो क्योंकि प्लस वन नहीं किया तो इंडेक्सिंग समझी जा सकती जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो इस तरह से नोटिस करिए हम कहाँ तक जाएंगे जीरो से लेकर नाइन तक वैल्यू भरना शुरू करिए पहला वैल्यू फोर्टी थ्री देर यू सीजन क्योंकि 123 10 20, 3, अगला सेल बाई चांस किस्मत अच्छी थी यहां मिल गया डन वन फोर्टी टू देर यू सीजन

यहाँ तक जाते अगर नहीं मिलता घूम के वापस आते तो कहीं ना कहीं तो मिलता और कहीं भी नहीं मिला तो फुल हो गया ये लीनियर की कहानी है है ना एक और है, Now this is 3X mod 7. आप एक और आप बार कर सकते हैं बिल्कुल सेम केस लीनियर प्रॉब्लिंग के साथ चलेगा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं एक एक पॉइंट समझाता हूँ आपको लीनियर प्रॉब्लिंग से होता है कि अब जैसे यहाँ पर आप देखो धीरे धीरे जब हम हमेशा आसपास ही डेटा ढूंढते रहते हैं ना तो डेटा एक जगह क्लस्टर होने लगता है एंड दैट इज अ प्रॉब्लम स्टार्टिंग में तो आपको लोकेशन ढूंढने में आसानी होगी बट इन जनरल लॉन्गर रन में आप जल्दी से डेटा ढूंढ नहीं पाओगे लॉजिक क्या है आइडिया समझिए और आपको इस स्लाइड पर लेके चलता हूं जहां पर हमने तीनों आइडियाज लिखे हैं ये जो ओपन एड्रेसिंग है या क्लोज हैशिंग है ये पहले समझिए एक ही बात है दो अलग अलग बात नहीं है अब लीनियर प्रॉबिंग क्या कह रहा है प्रॉब्लम कह रहा है कि अगर डेटा नहीं मिले फॉर एग्जाम्पल केथ लोकेशन पे जगह नहीं मिले <coughs> तो क्या करो के प्लस वन सर्च करो देन के प्लस टू सर्च करो के प्लस थ्री सर्च करो और करते जाओ बट प्रॉब्लम हम क्या समझ रहे हैं डेटा आसपास ही फिट होने लगेगा क्लस्टर होने लगेगा जिससे कॉलिजन होने के चांस फ्यूचर में और बढ़ जाएंगे इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है लोग कहते हैं के प्लस वन नहीं वन स्क्वायर नहीं, टू थ्री नहीं, थ्री सर्च करो, यानी इसका नाम होगा quadratic probing. अब होगा क्या मैं पहले बराबर इज सिक्सटीन तो मैं लोकेशन जंप कर करके सर्च करने लगूंगा अभी जंप कर करके सर्च करूंगा तो बहुत दूर जाऊंगा जिसका एक एडवांटेज क्या होगा डेटा आसपास की लोकेशन में क्लस्टर नहीं होगा देखिए रिलेट कर पा रहे हैं क्या तब डेटा आसपास की लोकेशन में क्लस्टर नहीं होगा तो हम क्लस्टरिंग से बच जाएंगे बट इसके अपने क्वाड्रेटिक सोचिए सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस लोकेशन के ऊपर से आप जंप करके चले जाए वो खाली हो और जहां जाके रुके वो भरा हुआ हो, हो तो सकता है तो काफी खाली लोकेशन आप जम्प कर रहा और जहां जाओ वहां प्रॉब्लम हो तो अगेन क्वाडेटिक प्रॉब्लम इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया बट अगेन लेट मी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी बहुत डिटेल में के कोई बहुत अच्छा नहीं देखा लॉजिक सिर्फ यही है हम पे सर्च करें square, 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 उस पर यह भी कहना है क्योंकि अगर हर कोई बार बार क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग यूज करेगा तो जिन लोकेशन पे आप लैंड करते हैं वहां पे भी क्लस्टरिंग होने लगेगी जिसको कुछ लोग सेकेंडरी क्लस्टरिंग के बुलाते हैं तो दो वेरियंट हो गए प्राइमरी क्लस्टरिंग और सेकेंडरी क्लस्टरिंग जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल <coughs> से बताया गया आ, पहले केस में हिट हुआ होगा हिट 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 हुआ हुआ जहां नहीं हुआ यहां हुआ होगा होगा नहीं तो स्क्वायर करके सर्च किया Then अगला वैल्यू सिमिलरली इस इस तरह से आगे बढ़े यस अगेन मुझे अच्छा आएगा। आएगा तो लीनियर पर सिंपल आता है अच्छा। कुछ लोगों का कहना है कि you, 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 you मतलब अगर कॉलिजन हो गया तो टेबल का पीछा छोड़ दो और वहां से बाहर निकल जाओ लाइक like दिस अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाता हूं, बहुत अच्छा केस है देखिए चेनिंग से सॉल्व करना है कंसिडर ए टेबल विद नाइन स्लॉट्स और अगर फंक्शन है के मॉड नाइन तो रेंज बोलो कहाँ से कहाँ गई होगी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट है ना टोटल नाइन स्लॉट्स हमारे पास होंगे दिस इज़ द आगे देखिए अब डिवाइड करना शुरू करिए पहला क्या है अब हम क्या करेंगे एक लिंक लिस्ट बना के बजाय टेबल में ढूंढने के यहाँ रख लेते हैं नाइनटीन क्योंकि सेम लोकेशन पर आ रहा था फिफ्टीन Nine, one's nine, remainder is six. अभी जगह खाली है खाली है. इधर रख लीजिए फिफ्टीन आ गया ट्वेंटी इज टू इधर रख लीजिए को. रिमाइंडर इज सिक्स तो ये भाई साहब इधर आ जाएंगे कॉलिजन है चेन बना के आगे चलिए ट्वेल्व नाइन वन जर नाइन रिमाइंडर इज थ्री अभी खाली है नाइन वन जा नाइन रिमाइंडर इज एट सेवनटीन केस में इधर रख लेते हैं एंड द लास्ट वन नाइन वन जन टेन है ना रिमांडर इज वन इधर रख लेते हैं टेन समथिंग लाइक दिस तो इस तरह से आप चेन बना सकते हैं तो दोबारा समझिए यहाँ टर्मोलॉजी बहुत सारा है अलटेक यू बैक हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगे आ, बट मैं कोशिश करूँगी एक बात क्लियर कर दूँ ओपन एड्रेसिंग या क्लोज हैशिंग एक ही चीज़ का नाम है जिनका काम है टेबल के अंदर ही मैनेज करना यस yes, अगर मैं उल्टा कर दूँ यानी कि ओपन हैशिंग कर है ओपन हैशिंग तो ओपन हैशिंग इज लाइक दिस चेनिंग वाला मेथड जहां पर हम टेबल के बाहर जाके जगह ढूंढते हैं जिससे कि ये सेपरेट चेनिंग या ओपन ये क्लोज एड्रेसिंग अलग बात है सेपरेट चेनिंग यस एंड ओपन एड्रेसिंग वो अगेन उसके अंदर क्लोज हैशिंग या ओपन एड्रेसिंग एक बात है वो चीज है तो ये मैंने आपको समझा दिया अब इस केस में आंसर क्या निकालना था आपको मिनिमम मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन तो मैक्सिमम फोर तो हो नहीं सकती है ना तो मिनिमम आई थिंक जीरो है मैक्सिमम थ्री है और एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक दैट मस्ट बी वन बिकॉज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टोटल नाइन ही सेल्स हैं तो एवरेज आएगा वन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वो अलग बात है बट मेरे ख्याल से डिफरेंट डिफरेंट जो मैकेनिज्म है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है टर्मिनोलॉजी पे आपको ध्यान देना है सिंगल शॉर्ट वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता बट हाँ इतना जरूरी है कि नोट सब कुछ आपके पास है की उसको कैसे करना है। एक और आइडिया है, है एक बार हैशिंग करते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसका एक बार और हैशिंग करते हैं टू रिजोल्व कोलिजन इस तरह के अप्रोच पे अगर काम करे टू कोट एग्जाम्पल पूरा थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है यह हमें यू नो प्राइमरी और सेकेंडरी अह लीनियर प्रोबिंग से प्राइमरी क्लस्टरिंग होगी क्वाड्रेटिक uh, प्रोबिंग से सेकेंडरी क्लस्टरिंग होगी दोनों से बचाएगा कैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लुक एट दिस एक फंक्शन आपके पास है क्या बोल रहा है नाउ दिस इज द फर्स्ट हैश फंक्शन यहाँ होंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड दिस इज अ सेकेंडरी हैश फंक्शन एक टेबल है जिसका साइज है 23 और uh, क्वेश्चन क्या है देन द एड्रेस रिटर्न बाय प्रोब 1 इन द प्रॉप सीक्वेंस एज्यूम दैट द प्रॉप सीक्वेंस बिगेंस एट यानी कि पहली सीक्वेंस है जीरो और जीरो पे अगर कॉलिजन होगा तो ही हम सेकंड पे गए होंगे यानी कि वन पे गए होंगे क्य अगर वैल्यू नाइनटी है तो कैसे सॉल्व करेंगे तो फंक्शन हमारे पास है पहले फर्स्ट हैश फंक्शन को देखते हैं फर्स्ट हैश फंक्शन में एक की जगह जब मैं नाइनटी रखूंगा लुक एट दिस अलग से uh, मैं पूरी इक्वेशन आपको दिखाऊंगा दिस इज द इक्वेशन जब हम फर्स्ट टाइम सर्च करते हैं आई की वैल्यू को जीरो रखते हैं जीरो रखते हैं तो सेकंड हैश फंक्शन का भी यूज़ होता ही नहीं अगर क्वालिजन होता है तो हम सेकंड टाइम जाता है वहां पे इसको वन रखते हैं तो क्योंकि ऑलरेडी हमसे पूछ रहा है कि सेकंड टाइम सर्च कर रहे हैं तो फर्स्ट हैश फंक्शन में नाइन्टी रखेंगे और सेकेंड हैश फंक्शन को भी कंसिडर करेंगे और टोटल डेफिनेशन आपके सामने लिखी है और टोटल पे हमें करना है मॉड ट्वेंटी यस बिकॉज साइज ऑफ द टेबल इज मॉट ट्वेंटी थ्री और इसको यहाँ पर आई थिंक जब वन बाय सॉल्व करके बताए तो वैल्यू आए थर्टी आप चाहो तो मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ uh, हमें क्या सर्च करना बना नाइनटीन ना तो पहले आप करेंगे मॉट ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी थ्री uh, को आई थिंक जब थ्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो कर नहीं पाएंगे फोर से नहीं कर पाएंगे जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज नाइन एंड दिस इज सिक्स सिक्सटी नाइन और यहाँ पर आ जाएगा 21 रिमाइंडर तो इससे आपको मिलेगा 21 s2 में रखिए सो दिस इज ये क्या करेगा ये करेगा 90 डिवाइड बाय 19 तो 19 से करेंगे तो आई थिंक 5 जा चलेगा 19 5 ज़ा इज 85 सॉरी uh, 95 तो 9 जा नहीं चलेगा 4 जा चलेगा तो 19 4 अगर मैं करूँ तो दैट इज 36 एंड दैट इज सेवन सेवेंटी सिक्स और नाइनटी से रिमाइंडर आएगा फोर्टीन यस yes. तो यहाँ से ये सेकेंड हैच फंक्शन है यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा फोर्टीन एंड फोर्टीन प्लस वन भी कर रहा है तो दैट इज फिफ्टीन ना फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी थ्री सिक्स थर्टी सिक्स तो, so तो ये हमारा फाइनल आंसर ऐसे निकलेगा कि लोकेशन आएगा थर्टी सिक्स तो बेसिकली प्राइमरी इज द फर्स्ट हैच फंक्शन सेकेंडरी एच टू पहली बार में यूज नहीं होगा अगर क्वालिजन होता है तो आई का वैल्यू वन लीजिए फर्दर क्वालिजन होता है तो टू लीजिए थ्री लीजिए लाइक दिस हम उसको इतना ज़्यादा डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे टेबल में कि कहीं भी प्राइमरी या सेकेंडरी क्लस्टरिंग ना हो तो आई होप विद अ लिमिटेड टाइम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सबकी डेवलप हुई होगी बाकी पूरा नोट्स हमारे पास है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अब आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं लास्ट तक आई डोंट नो सिक्स आवर सेवन आवर एट आवर कितने आज की वीडियो बनेगी बट जितना प्यार आप सिंगल शॉट वीडियो को दे रहे हैं उतना प्यार देते रहिएगा कमेंट करिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आने वाले वीडियोस कौन से सब्जेक्ट कि हम पोल भी चला रहे हैं कम्युनिटी भी आप चेकआउट करिएगा एंड नेक्स्ट वीडियोस ऑब्वियसली एल्गोरिथम दैट इज डिसाइडेड बट उसके बाद कौन सा आइदर टीओसी कंपाइलर और जो भी अभी सब्जेक्ट बचे और बचे भी जितने एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं हर किसी के ऊपर वन बाय वन हम सिंगल शॉट वीडियो लेके आते रहेंगे तो भगवान आप सभी को खुश रखें जय हिंद जय भारत